जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में और मेरे भाई वो है पूरी की पूरी प्रोबेबिलिटी जी हाँ बिल्कुल आप लोगों को एक से एक मास्टरपीस देने के बाद यहाँ पर एक और कंप्लीट वीडियो आप लोगों के सामने है और वो है मेरे भाई प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता के इस प्रोबेबिलिटी के वीडियो में मैंने सारे टाइप्स आप लोगों के लिए कवर किया और ये प्रोबेबिलिटी की वीडियो जो है आपके सभी एग्जाम्स के लिए यूजफुल है चाहे अच्छा आप एस की बात कर लो सी की बात कर लो एनडीए की बात कर लो यहाँ पर यूपी के एग्जाम्स की बात कर लीजिए या फिर किसी भी एग्जाम की बात कर लो आप यहां पे जहां प्रोबेबिलिटी आपके सिलेबस में है अगर आप एकमात्र वीडियो देखते हैं तो आपका पूरा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी में अक्सर पर यह होता है 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 कि कि सिखा दिया जाता है, रटा दिया जाता जाता रटा देखो यह ऐसा ही होता है और तुम रटकर बैठ जाओ और आप रटने पर मजबूर हो जाते हो क्योंकि एक क्लियर एक्सप्लेनेशन आपके सामने नहीं होता है बट इस वीडियो को रिकॉर्ड करते वक्त मैंने हर एक बात का ध्यान रखा है कि अगर मैं बच्चे को कोई भी बात बता रहा हूं तो उसको रटवाऊँ नहीं उसको सिखाऊं यहां पर उस पर ज्यादा मेरा फोकस हो चाहे आप बात कर यहाँ पर डाइस का चाहे बात कर लीजिए यहां पर कॉइन का हर एक पॉइंट पर, पर पर्टिकुलर तरीके से एक परफेक्ट एक्सप्लेनेशन आपको दिया है 90 परसेंट लोग सबसे ज्यादा एटमोस्ट में एटलीस्ट में और बाकी कई सारे केसेस जो हो जाते हैं वहां पर वो कंफ्यूज हो जाते हैं उनको समझना नहीं पड़ता उनको रटने की आवश्यकता पड़ जाती है फॉर्मूले दे दिए जाते हैं उसके बाद उसको रट लो मेरे भाई यही होता है ऐसे ही होता है बट यहां पर यही नहीं होगा ऐसे ही नहीं होगा ये आठ घंटे की वीडियो में आपको एक भी फॉर्मूला मैंने नहीं बताया और बिना फॉर्मुले के मेरे भाई हर चीज को समय देकर वक्त देकर तरीके से मैंने कंप्लीट किया है आप भारत में अगर किसी भी एग्जाम में तैयारी करना चाहते हैं जहां पर प्रॉब्लिटी है तो ये एकमात्र वीडियो अपने आप में सफिशियंट होने वाली है जो पूरी की पूरी प्रॉब्लिटी के आपके सभी डाउट्स को क्लियर करेगी साथ में इसमें जितने भी टीचर्स के नए सवाल है वो

क्लैरिटी दे और आपके मन में कहीं पर कोई भी शंका ना रहे नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहां पर तो जितने भी बेसिक कंसेप्ट हो गए जैसे प्रोबेबिलिटी में हम परम्यूटेशन लगाते हैं प्रोबेबिलिटी में हम कॉम्बिनेशन लगाते लेकिन हमें यह नहीं पता कि परम्यूटेशन कहां अप्लाई करना है और हमें कॉम्बिनेशन कहां अप्लाई करना है इस वीडियो में परफेक्ट आपको यहां पर एक्सप्लेनेशन मिलता है कि परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट और हमारा कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन और यहां पर कब कैसे अप्लाई करेंगे और किस तरीके से अप्लाई करेंगे हर एक केस मैंने पर्टिकुलर तरीके से समझा रखे हैं यकीन मानिए अगर मैं इस वीडियो की इतनी तारीफ कर रहा हूं तो कितनी दम होगी मेरी यहां पर कोशिश थी कि बहुत शॉर्ट वीडियो ये ना बने यहां पर बहुत लॉन्ग वीडियो भी ना बने एक मीडियम लेंथ की वीडियो हो जो बच्चे को अपने आप में कंप्लीट नॉलेज और कंप्लीट सेंस दे पाए क्योंकि जब से ये सिलेबस ऐड हुआ है तो परेशान है सारे के सारे के पढ़े तो कहां से पढ़े कैसे पढ़े कुछ यहां से पढ़ लेते हैं बचने वाला है ये मेरा दावा है जिस तरीके से मैंने पढ़ा है मैं उस पे आपको कह रहा हूं उसके बाद अगर आप क्वाइन की बात करें क्वाइन के सैंपल लिखने में ही दिक्कत आती है अगर लिख भी दिया यहां पर तीन क्वाइन चार क्वॉइन पांच क्वन तो दस क्वाइन का अगर मेरे भाई पूछ ले तो दिक्कत आती है ये पूछ दू कि बताओ दस क्वन में क्या संभावना है कि दो क्वाइन पर हेड आए बाकी आठों पर तेल आए तो मेरे भाई वो बड़ी दिक्कत हो जाती है वहां पर हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का कैसे इस्तेमाल करेंगे किस तरीके से उसको लिखेंगे एक परफेक्ट वे में आपको सिखा रखा है कल के दिन एग्जामिनर आपको 20 50 कितने दे दे, सशक्त हो जाएंगे है पर, एक -एक एक को मैंने किया। जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे टाइप्स कवर है लेकर मेरे भाई पूरे कंपिटेटिव एग्जाम तक के सारे पार्ट को हमने अप इसमें किया हुआ है और सबसे बड़ी बात बताऊं यहां पर तो ये प्रोबेबिलिटी मेन्स के लिए नहीं है ये प्रोबेबिलिटी

मैं कब एग्जामिनर क्या पूछ दे मेरे भाई कुछ पता नहीं कभी व्हाट मोस्ट पूछ लेता है कभी वो एटलीस्ट पूछ लेता है कभी ओनली पूछ लेता है कभी एग्जैक्टली exactly पूछ लेता है तो भाई सारे केसेस जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं मेन से लेकर प्री तक हर सवाल को मैंने बहुत ही शानदार तरीके से यहां पर करवा रखा है तो लास्ट अब देखेंगे यहां पर तो हो जाएगा मिसलेनियस कांसेप्ट एंड क्वेश्चन बेस्ड ऑन द क्वेश्चन आस्क्ड बाय टीसीएस इन एसएससी सीजीएल सीएचएसएल टियर 2 2022 2022 के सभी सवालों का एक परफेक्ट

ठीक है, ठीक। तो आज हम लोग एक बहुत ही प्यारा टॉपिक पढ़ने वाले हैं और इस टॉपिक का नाम है हिंदी में प्रोबेबिलिटी के बारे में एस तो एस पिछले पिछले सी एग्जाम्स को लेकर ठीक है मेस में जो इसका वेटेज है वो काफी ज्यादा मेरे भाई बढ़ गया यहाँ पे और जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो काफी अच्छे लेवल के सवाल पूछे जा रहे हैं ठीक है प्रोबेबिलिटी कैसे मेरे भाई टॉपिक है जो हमने नाइन्थ क्लास में पढ़ा था और उसके बाद लगभग हमने इसको पढ़ना छोड़ दिया ऐसे परसेंटेज है जितना चर्चा में परसेंटेज रहता है प्रॉफिट लॉस रहता है या बाकी कोई टॉपिक रहता है ठीक है तो प्रोबेबिलिटी उतनी चर्चा में नहीं रहती है मेरे भाई यहाँ पर उतना ठीक है लेकिन इसका जो आज के समय में क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे

जहाँ तक है सात से दस क्लासेस आपकी कंफर्म है कितनी क्लासेस मेरे भाई होने वाली है ठीक है और इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं प्रयक्ता में क्या क्या पढ़ने वाले हैं तो सबसे पहले जो इसके बेसिक एक तरीके से टर्म्स होते हैं ठीक है जो हमें पढ़ना है यहाँ पर वो हम पढ़ेंगे फिर उसके बाद उनके ऊपर हम लोग क्या करेंगे तो एग्जाम्पल करेंगे एग्जाम्पल करने के बाद जो सबसे फेमस यहाँ पर होता है वो हमारा होता है क्वाइन का केस क्वाइन में हम पर्टिकुलरली पढ़ेंगे कि जब हम दो सिक्कों को उछालते हैं तब क्या होगा जब हम तीन सिक्कों को उछालते हैं तो क्या होगा या जब हम एन सिक्कों को उछालेंगे मेरे भाई तो क्या होगा फिर उसके बाद क्वन के बाद हम पढ़ेंगे पर्टिकुलर तरीके से हम डाइस का केस कि जब हम डाइस को रोल करेंगे तो क्या होगा जब हम एक डाइस को रोल करेंगे तो क्या होगा और जब पर्टिकुलरली हम दो डाइस को रोल करेंगे एक साथ तो हमारा क्या होगा

तो टर्मिनोलॉजीज इन्वॉल्व यानी शामिल शब्दावली क्योंकि तो शब्दावली के बारे में अगर आपको ज्ञान नहीं है तो मेरे भाई बड़ी मुश्किल हो जाएगी तो सबसे पहला यहाँ पर एक शब्द आता है जिसको हम कहते हैं एक्सपेरिमेंट और हिंदी में कहते हैं प्रयोग इसके बारे में लिखा गया है एन एक्टिविटी हुज आउटकम आर नॉट नोन ठीक है इज एन एक्सपेरिमेंट एवरी एक्सपेरिमेंट एज फेवरेबल आउटकम एंड अ फ्यू आउटकम फेवरेबल स्टोरिक एक्सपेरिमेंट ऑफ थॉमस अल्वा एडिशन है आसान भाषा में अगर हम बात करें तो जैसे मान लीजिए कि हमारे यहाँ पर विवेक जी हैं ठीक है अब ये हमारे विवेक जी मान लीजिए कि, कि किसी लड़की से बहुत ज्यादा बेपनाह प्यार करते हैं और अपने दिल की बात उसको कहना चाहते हैं लेकिन ये कह नहीं पाते हैं और ये जब स्कूल में थे मतलब मान लीजिए दसवीं क्लास में थे तो उस समय इनको पता था कि अभी 11वीं में हमारा सफर अलग हो जाएगा हम कहीं और पढ़ने चले जाएंगे तो इन्होंने कहा कि चलो आज फ्रेंडशिप डे है एक एक्सपेरिमेंट करते हैं क्यों ना जाके उनसे जो है थोड़े से दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाते हैं और इनकी दोस्ती दोस्ती नहीं थी इनकी दोस्ती अनदर लेवल की दोस्ती थी जीवन संगनी बनाना चाह रहे थे उन्हें एक तरीके से ठीक है तो इन्होंने वहां पे जाके उनको प्रपोजल दिया प्रपोजल दिया तो यहाँ पर कहानी क्या हो सकती है या तो हाँ हो सकता है नहीं तो ना हो सकता है या तो या तो तो मेरे भाई कहानी इनके फेवर में आ सकती है और नहीं तो इनके फेवर में नहीं आ सकती यानी फेवरेबल हो सकता है या फिर अनफेवरेबल हो सकता है तो क्या बोलेंगे उसको एक्सपेरिमेंट बोलेंगे यहाँ पर कि एक ऐसी एक्टिविटी जिसका मेरे भाई पता ना हो पता ना होना का मतलब मेरे भाई या तो हाँ भी हो सकता है और या तो ना भी हो सकता है यहाँ पर यानी उसके आउटकम्स की संभावना पता नहीं है कि वो क्या होगा और क्या नहीं होगा तो उसे हम बोलते हैं मेरे भाई

डिपेंडेंट है किसके ऊपर तो बारिश के ऊपर तो रैंडम इवेंट मेरे भाई वही होता है कि एक ऐसा इवेंट जिसको प्रेडिक्ट कर पाना बड़ा मुश्किल सा है और वो जो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट है उसे हम बोलते हैं रैंडम इवेंट ठीक है नेक्स्ट यहां पर बात करें यहां परम तो आउटकम।, आउटकम का मतलब आप एक तरीके से देखोगे तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि हमें मिला क्या लास्ट में उसको हम क्या बोलेंगे तो आउटकम बोलेंगे यानी दिस इज द रिजल्ट ऑफ ए ट्रायल कोई एक तरीके से है। और वो फुटबॉलर किसी गेंद को एकदम गोल के भीतर मार रहा है तो आउटकम क्या हो सकती है संभावनाएं क्या हो सकती है तो संभावना परिणाम शब्द की अगर हम बात करें तो परिणाम ये हो सकता है कि या तो हम गोल कर पाएंगे या फिर हम नहीं कर पाएंगे ठीक है जैसे गेंद अगर आ रहा है कोई बॉलर बॉल करा रहा है तो दो संभावनाएं हो सकती है या तो वो बल्ले से लग सकता है या वो बल्ले से नहीं लग सकता है बाउंड्री जाना सिंगल लेना आउट होना ये सब बात की बात है या तो बल्ले से हिट होगा या बल्ले से हिट नहीं होगा ठीक है आप परीक्षा देंगे तो दो ही संभावनाएं होगी या तो आप पास होंगे नहीं तो आप फेल होंगे यहां पर तो वही मेरे भाई आउटकम शब्द का मतलब क्या होता है क्या क्या संभावनाएं हो सकती है जैसे एक पासे को आप फेंकते हैं तो पासे के छह आउटकम आएंगे या तो एक आएगा नहीं तो दो आएगा नहीं तो तीन आएगा चार आएगा पांच आएगा छह तो उसके आउटकम्स हो गए ठीक है कि मतलब हम कोई काम करते हैं तो उसका परिणाम मुझे क्या मिलता है मैं सिक्के को फेंकता हूँ तो परिणाम या तो हेड आ सकता है नहीं तो टेल आ सकता है तो उसे हम क्या बोलते हैं उसे हम आउटकम बोलते हैं ठीक है नेक्स्ट हमारा होता है पॉसिबल आउटकम ये बहुत जरूरी है देखो आउटकम एक अलग चीज हो गई और पॉसिबल आउटकम एक अलग चीज हो गया जब हम आउटकम की बात करते हैं तो हम सभी को लेकर चलते हैं जैसे हमने पासा फेंका तो एक से लेकर छे तक आएगा वो पूरा का पूरा आउटकम में काउंट होता है लेकिन पॉसिबल आउटकम क्या होता है द द लिस्ट ऑफ ऑल आउटकम इन एन एक्सपेरिमेंट कैन बी रेफर टू टूज पॉसिबल आउटकम इन टॉसिंग अकॉर्न द पॉसिबल आउटकम आर हेड और टेल अब जैसे पॉसिबल आउटकम का एक आसान भाषा में समझाएं तो पासे को फेंकते वक्त पॉसिबिलिटी एक से छह की है पासे को फेंकते वक्त कभी भी साथ नहीं आ सकता वो इम्पोसिबल आउटकम है समझ रहे हो मेरी बात को लेकर पैसे को फेंकते वक्त कभी भी नो no नहीं आ सकता वो एक इम्पोसिबल आउटकम है तो पॉसिबल आउटकम का मतलब कि संभावनाएं क्या क्या हो सकती हैं आप एस की परीक्षा देंगे तो ऐसा नहीं होगा कि के लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा नाम आएगा तो सीजीएल के लिस्ट में ही नाम आएगा तो पॉसिबिलिटी क्या क्या है यहां पर संभावित परिणाम क्या है यहां पर मेरे भाई वो है ठीक है जो नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा इक्वली लाइकली आउटकम यहाँ पे ठीक है अभी सब थोड़ा सा एक दो पॉइंट और है और इन एक दो पॉइंट्स के बाद से प्रॉपर तरीके से हम यहां पर एग्जांपल्स और एग्जाम्पल्स को करना शुरू कर देंगे तो यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है एन एक्सपेरिमेंट इन विच ईच ऑफ द आउटकम हैज इक्वल प्रोबेबिलिटी सच एज एज आउटकम आर टू इक्वली लाइकली आउटकम इन द प्रोसेस ऑफ रोलिंग सिक्स डाइस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एनी नंबर इज इक्वल इक्वली लाइकली आउटकम का मतलब हम आपको समझाते हैं इक्वली लाइकली आउटकम का मतलब यहाँ पर यह

रहता है कि या तो ये टीम जीतेगी नहीं तो ये टीम जीतेगी बीच में जिस टीम का जैसा जैसा मेरे भाई परफॉर्मेंस रहता है जिस तरीके से यहाँ पर मेरे भाई एक तरीके से कहानी रहती है उस तरीके से यहाँ पर जो है हम प्रेडिक्ट करना शुरू करते हैं अच्छा तो इक्वली लाइकली का मतलब आप लोग समझ में आ गए कि इक्वली लाइकली आउटकम क्या होता है इक्वली लाइकली का मतलब यहाँ पर ये यह होता है कि यहाँ पर जिसका मेरे भाई बराबर बराबर संभावना हो ठीक है ऐसा नहीं है कि किसी सिक्के के अंदर आपने छेद कर दिया गड्ढा कर दिया है और इस तरीके से कर दिया कि हेड आते हुए भी वो टेल आ जाएगा ऐसा नहीं होना चाहिए एकदम बराबर होना चाहिए कभी भी आप अगर देखेंगे जितने भी बड़े मैचेस होते हैं तो जो ताश के पत्ते निकाले जाते हैं वो एकदम नए पत्ते निकाले जाते हैं कि ऐसा तो नहीं यहाँ पर कि किसी एक पत्ते के अंदर कोई मुड़ गया है किसी ने निशान लगा दिया है कोई कुछ कर दिया है कि नहीं उसके आने की संभावना ज्यादा ऐसा नहीं होना चाहिए तो इक्वली लाइकली इवेंट का मतलब यहां पर यह होता है कि हर किसी के आने की संभावना क्या है तो बराबर ठीक है यहाँ पे चलिए आ जाइए नेक्स्ट बात करते हैं सैंपल स्पेस अब ये सैंपल स्पेस क्या होता है तो जैसे आपने कोई भी काम किया ठीक है और कोई भी काम किया यहां पर तो वो जो कोई भी काम किया आपने ना तो वो कोई भी काम का जो रिजल्ट आता है जो परिणाम आता है जो आउटकम आता है उसे हम कहते हैं सैंपल स्पेस पे चलिए आ जाइए तो यहां पर पढ़िए प्रॉपर तरीके से तो क्या बोला गया इट इज द सेट ऑफ आउटकम ऑफ ऑल द ट्रायल इन एक्सपेरिमेंट ऑन रोलिंग द पॉसिबल आउटकम आर इतना सो द आउटकम ऑफ सैंपल स्पेस सैंपल स्पेस का मतलब यहां पर ये हो गया जैसे आसान भाषा में समझाते हैं सैंपल स्पेस अंग्रेजी का एक टर्म है जो सिर्फ यहां पर यह बोलता है कि सुनो तुम कोई भी काम

और उन्हीं के गुच्छों को हम क्या बोलते हैं तो उन्हीं के गुच्छों को मेरे भाई यहाँ पर सैंपल स्पेस ठीक है क्या कहते हैं तो सैंपल स्पेस कहते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट देखो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट हमारा होता है प्रोबेबल इवेंट यहाँ पे प्रोबेबल इवेंट का मतलब होता है एक संभावित घटना जिसके लोगों के मन में यहाँ पर जो है वो एक आशंका हो एक मन में एक शक हो अच्छा ऐसा हो सकता था जैसे एन इवेंट दैट कैन बी प्रेडिक्टेड इज कॉल्ड प्रोबेबल इवेंट वी कैन कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ सच इवेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर चाइल्ड टू नेक्स्ट क्लास कैन बी कैलकुलेटेड वी रेफर टू एस प्रोबेबल इवेंट जैसे मानिए भारत और पाकिस्तान का मैच है तो उसमें भारत की जीतने की संभावना क्या है? जिसको आप कैलकुलेशन कर सकते हैं वो एक प्रोबेबल इवेंट है मान लीजिए आप और आपको दसवीं क्लास में अगली बार जाना है तो उसकी हो जाएगा। लेकिन मेरे भाई क्या हो का मतलब यहां पर यह हो गया कि आज के समय चिड़ियाघर में आप गए और आपका मन है कि मुझे डायनासोरस देखने को मिल जाए वो एक इम्पॉसिबल इवेंट है क्योंकि आज के समय धरती पर डायनासोरस मतलब यहाँ पर जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं ठीक है इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब यहाँ पर हो गया कि आप जिस कमरे में बैठे हैं का खदान अभी तुरंत बन जाए या खुल जा में आप कहें तो नहीं पॉसिबल कुछ ना कुछ प्रोबेबल है समझ रहे है मेरे बात को? मेरा भाई मेरे लिए कुछ लेकर आएगा वो पॉसिबिलिटी है लेकिन यहाँ पर इम्पोसिबल इवेंट क्या हो गया कि आप यहाँ जहां बैठे हुए हैं और वहां अचानक से जो है यहाँ पर पूरा का पूरा कोई खदान खुल जाए कुछ ऐसा आ जाए यहाँ पर वो पॉसिबल जैसे इंडिया और पाकिस्तान के मैच में बांग्लादेश

भैया देखो प्रोबेबिलिटी के तो सारे अंग तुमने पढ़ लिए अब मेन इसकी अपनी खुद की परिभाषा पर भी आ जाओ जो ये मूल क्या कहता है उसके ऊपर ऑफ दैट इज आउट ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट फेवरेबल आउटकम इज मेजर्ड इन प्रोबेबिलिटी मतलब ये सारे हम एक तरीके से अंग्रेजी भाषा और इतना लंबा चौड़ा डेफिनेशन को एक तरीके से आसान भाषा में कहें तो जैसे मान लीजिए कि आए दिन आप लोगों का प्रोबाबलिटी

प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट को हम किस चीज से दर्शाते हैं तो एम अपॉन एन से दर्शाते हैं एन का मतलब यहाँ पर हो जाता है टोटल एक्सपेरिमेंट आप कह सकते हैं कि हमने जितने एक्सपेरिमेंट किए हैं वो यहाँ पर क्या है और एम का मतलब यहाँ पर फेवरेबल आउटकम आप कह सकते हैं कि हैंस

नहीं है तो पांच मेरे भाई सिर्फ एक ही बार आ सकता है छह बार में मात्र एक ही बार आ सकता है तो एक बार आ सकता है कितने में छह में मैं अगर आपसे पर यह प्रोबेबिलिटी इवन आने की कितनी संभावना है 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 तो बोलोगे सर है है? टोटल टोटल संभावना संभावना है? कितनी है। और उसमें इवन संख्या कौन कौन सी एक संख्या दो संख्या तीन संख्या यानी तीन संख्या टोटल आउटकम बट ए फेवरेबल आउटकम टोटल आउटकम कितना है छे और उसमें इवन कितनी है तीन तो यानी वन अपॉइंट टू सर इस तरीके से करके ठीक है तो कभी भी अगर हम किसी भी संख्या की प्रोबेबिलिटी प्रायिकता निकालते हैं तो नीचे हमेशा हम टोटल लिखते हैं और ऊपर जो आ रहा होता है यहाँ पर या जो हमें चाहिए होता है हम उसकी संभावना लिखते हैं ठीक है ठीके? इस तरीके से करके धीरे धीरे अभी कई सारे एग्जाम्पल जब आप पढ़ोगे ना बहुत कुछ मेरे भाई आपको क्लियर होने वाला है ठीक है उसके बाद यहाँ पर ये यह क्या होता है ये सारी बातें हम समझेंगे ई e और ई e नोट यहाँ पर ये यह पूरा केस अच्छे तरीके से भी हम आपको बताएंगे तो यहाँ पर समझो दो चीजें हो गई जैसे एक होता है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई होता है मेरे भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट और एक हमारा होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नोट मेरे भाई जैसे लो कि मैंने यहाँ पर एक तो डाइस तो तो की संभावनाएं क्या हो सकती है तो डाइस में या तो एक आ सकता है नहीं तो दो आ सकता है नहीं तो तीन आ सकता है नहीं तो चार आ सकता है नहीं तो पांच आ सकता है नहीं तो सकता है मैंने यहाँ पर यह पूछा कि भाई एक बात बताओ क्या संभावना है कि तीन आ जाए क्या संभावना है कि तीन आ जाए इसको इस प्रकार लिखते हैं कि P हो गया ब्रैकेट में तीन हो गया आप बोलोगे सर क्या संभावना है कि तीन आ जाए आप बोलोगे सर बहुत आसान है देखिए हमें यहाँ पर क्या लिखना है तो हमें यहाँ पर नीचे में लिखना है टोटल कितने वैल्यू आ सकते हैं तो टोटल कितने आ सकते हैं तो टोटल हमारे छ आ सकते हैं उसमें तीन आने की संभावना क्या है तो तीन मेरे भाई कितनी बार आया है एक बार इसलिए यहाँ पर एक बार यहाँ पर जो हो सकता है तो यानी छे लोगों में या छह बार अगर हम उछालेंगे तो उसमें हो सकता है कि एक बार यहाँ पर क्या आ जाए तो तीन आ जाए ठीक है समझ में आ रहा है बात यहाँ पे

प्लस यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट ये हमारा किसके बराबर होगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट हमारा निकल कर आया छह और नॉट इवेंट का निकल कर करा पांच बटे कुल मिलाकर हमारा हो गया मेरे भाई यानी कितना हो जाएगा तो तो हो जाएगा तो हमने अपने मन में आज से डाल दिया कि किसी चीज की होने की संभावना और उसके नहीं होने की संभावना यदि हम दोनों को जोड़ देंगे तो कुल मिलाकर हमारा कितना आएगा तो कुल मिलाकर मेरे भाई हमारा यहाँ पर एक आएगा कि किसी भी चीज की होने की संभावना और किसी भी चीज के नहीं होने की संभावना यदि हम दोनों को जोड़ते हैं तो यहाँ पर कितना निकल कर आता है एक निकल कर आता है समझ में आ रहा है बात यहां पर कितना निकल कर आता है? है।, है तो एक निकल कर आता है आइए चलिए तो यहां पर उसी तरीके से सबसे पहला सवाल हम यहां देखते हैं और क्या कहा गया ठीक है देखो कभी भी अगर मान लो ये कि कि हमें कैलकुलेट करना हो फलाने चीज की नहीं होने की संभावना क्या है तो हम डायरेक्ट नहीं होने की संभावना नहीं निकालेंगे पहले हम ये निकालेंगे कि तुम्हारे होने की संभावना क्या है और होने की संभावना में से अगर हम वन माइनस कर देंगे या वन में से उसे माइनस कर देंगे तो नहीं होने की संभावना आ जाएगी ठीक है जैसे मानो यहाँ पर एक तरीके से हम यहाँ बात करते हैं कि क्वेश्चन में अगर हमको कल के दिन ये दे दिया जाए बड़ा सिंपल सा पॉइंट हम आपसे कह रहे हैं कि किसी भी मेरे भाई संख्या के होने की संभावना कितनी है मान लो किसी संख्या के होने की संभावना दो बटे है ठीक है और हमसे यहाँ पर पूछा जाए कि बताइए जरा आप पर कि उस संख्या के नहीं होने की संभावना कितनी है तो नहीं होने की संभावना आप कैसे निकालेंगे तो हमेशा इस बात को याद रखना कि अगर होने की संभावना पता है और नहीं होने की संभावना निकालनी है तो नहीं होने की संभावना को निकालने के लिए वन में से होने की संभावना को माइनस कर दो मेरे भाई तो आ जाएगा यानी टाइव करो तो आएगा पांच एकम पांच पांच में से दो गया तो तीन बटे यहां पे। यह हमारा हो जाएगा प्रोबेबिलिटी के नहीं होने की संभावना क्या हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर प्रोबेबिलिटी के नहीं होने की संभावना यानी भविष्य में कभी आप चाहते हैं कि कोई घटना ना घटे इसके लिए आपको यहाँ पर वन में से उसके घटने की संभावना को घटाना होगा तब जाकर मेरे भाई यहाँ पर ये यह पता चल पाएगा कि उसके नहीं होने की संभावना क्या है ठीक है समझ गए यहां पर आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर वन देखते हैं सबसे पहला सवाल आज का इफ़ द प्रोबाबिलिटी ऑफ विनिंग जीरो पॉइंट थ्री वाट इज द प्रोबिलिटी ऑफ लूजिंग अगर जीतने की संभावना जीरो पॉइंट तीन है तो हारने की संभावना क्या होगी यानी वही बात है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट किसी चीज़ के होने की संभावना यहाँ पर जीरो पॉइंट थ्री है तो जल्दी से बता दो उसके नहीं होने की संभावना यहाँ पर क्या होगी तो आप पता है क्या बोलेंगे सर उसके नहीं होने की संभावना का मतलब पता है क्या हो गया कि सर हम नहीं चाहते कि वो हो तो उसके नहीं होने की संभावना बराबर वन माइनस

संख्या का चयन करें तो उस संख्या के अभाज्य होने की प्रायिकता क्या है? हम जब एक से लेकर बीस तक सभी नेचुरल नंबर को ले रहे होते हैं तो उसमें प्राइम नंबर आने की संभावना क्या होती है तो पहली बात मेरे भाई आप एक तरीके से सारे आउटकम्स को देख लीजिए कि आपके पास क्या क्या आ सकता है ठीक है है यहाँ पर तो आप बोलेंगे सर एक हो सकता है, दो हो सकता है तीन हो सकता है चार हो सकता है पाँच हो सकता है छः सात आठ नौ दस फिर उसके बाद एक ग्यारह हो सकता है बारह तेरह चौदह पंद्रह हो गया मेरे भाई सोलह हो गया सत्रह हो गया अठारह हो गया 19 हो गया और 20 हो गया सर यानी जब हम 1 से 20 तक लेंगे तो यही हमारे पास एक तरीके से जो है वो संभावनाएं व्यक्त हो सकती हैं इसमें मुझे कौन कौन सा चूज़ करना है कौन कौन सा पिकअप करना है तो बोलोगे व्हेन वी सेलेक्ट अ नंबर हमें यहाँ पर चाहिए क्या नंबर तो प्राइम नंबर चाहिए मेरे भाई एक ऐसी संख्या जो अभाज्य हो जो किसी से ना कटे तो यहाँ पर क्या दो प्राइम नंबर है तो बिल्कुल वन इज़ ना प्राइम नॉर और कम्पोजिट वन ना प्राइम है ना कम्पोजिट है तो हम दो को ले सकते हैं हम तीन को ले सकते सकते हैं, हम पाँच को ले सकते हैं, हैं, हैं तेरह को ले सकते हैं और मेरे भाई सत्रह को ले सकते हैं और उन्नीस को ले सकते हैं यानी जो हम प्रोबेबिलिटी चाह रहे हैं वो क्या चाह रहे हैं कि संख्या मेरे भाई क्या हो तो प्राइम हो और कहां से कहां तक तो एक से लेकर बीस तक मेरे भाई तो एक से बीस तक में प्राइम की मुझे वैल्यू बतानी है तो मुझे यहाँ बताओ एक से बीस तक में कितनी संख्या है तो बीस संख्या है और इसमें प्राइम संख्याएं है कितनी हैं प्राइम संख्याएं है कितनी हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ तो मेरे भाई आठ हो जाएगा चार से काटोगे दो बार में चार से काटोगे पाँच बार में तो आंसर तुम्हारा कितना आएगा टू अपॉन फाइव ऑप्शन नंबर सी का होना प्यार है जैसे एक एग्जाम्पल हम आपको और देते हैं मान लीजिए यहाँ पर कि संख्या हमें कहाँ से कहाँ तक लेना है एक से लेकर दस तक लेना है एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस एकदम आपके जहन में मुझे फिट कर देना है एकदम बेसिक से लेकर बेस्ट लेवल तक का तो जैसे मानिए सबसे पहला अगर हम पॉइंट पढ़े कि भैया प्रोबेबिलिटी यहाँ पर जो है वो एक तरीके से सात आने की कितनी है दूसरा सवाल मेरे भाई प्रोबेबिलिटी यहाँ पर इवन आने की कितनी है तीसरा सवाल मेरे भाई मतलब शम हो गया तीसरा सवाल प्रोबेबिलिटी ऑड आने की कितनी है चौथा सवाल मेरे भाई यहाँ पर प्रोबेबिलिटी जो है प्राइम आने की कितनी है ठीक है यहाँ पे काफ़ी सारे सवाल हो जाएंगे पांचवा सवाल मेरे भाई यहाँ पर क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो संख्या आए मेरे भाई वो हमारी क्या हो तो संख्या हमारी ग्रेटर देन सेवन हो सात से भी मेरे भाई यहाँ पर बड़ी हो कि जो भी संख्या आए वो हमारी सात से बड़ी हो उसके बाद मेरे भाई नेक्स्ट क्या संभावना है कि जो भी संख्या है वो हमारी सात से या हमारी छः से छोटी हो ठीक है और यहाँ पर क्या ले सकते हैं तो बस यहाँ पर एक और प्रोबेबिलिटी हम यहाँ जैसे ले सकते हैं मानो कि क्या संख्या मेरे भाई क्या प्रोबेबिलिटी आए कि जो संख्या हो वो हमारी क्या हो तो मल्टीपल हो और किसका मल्टीपल हो मेरे भाई तो मल्टीपल ऑफ थ्री हो ऐसे कई सारे मेरे भाई प्रायिकता आपसे पूछे जा सकते हैं ठीक है काफी सारी प्रायिकता हमसे पूछी जा सकती है तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि मेरे भाई कैसे कैसे हम टैकल करें तो सात आने की संभावना कितनी है पहली बात मुझे बताइए टोटल वैल्यू कितनी है तो टोटल वैल्यू दस है तो नीचे कितना लिखेंगे दस उसमें सात कितनी बार आया है तो सात मात्र एक बार आया है तो यहाँ कितना लिखेंगे वन अपॉन टेन लिखेंगे तो पहले वाले का जो आंसर होगा वो कितना होगा वन अपॉन टेन यानी दस में सिर्फ एक वैल्यू ऐसी है जो यहाँ पर सात आ सकता है बाकी वैल्यू में सात नहीं आएगा ठीक है इवन आने की संभावना कितनी है तो टोटल वैल्यू कितनी है तो दस है उसमें इवन कौन कौन सा है एक ये है दूसरा ये है तीसरा ये है चौथा ये है पांचवा ये है तो इवन आने की संभावना फाइव अपॉन टेन यानी कितना हो जाएगा तो वन अपॉन टू हो जाएगा नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे यहाँ पर ऑड आने की संभावना तो टोटल वैल्यू हमारी कितनी है तो दस है उसमें कितनी संख्याएं हमारी ऑड आएंगी तो ऑड आने की संभावना एक हो गया दो हो गया तीन हो गया चार हो गया पाँच हो गया यानी ऑड हमारा कितनी बार आया है तो पाँच बार यानी ऑड आने की संभावना कितनी हो जाएगी एक अपॉन दो हो जाएगी कितनी हो जाएगी मेरे भाई यहाँ पर तो एक बटे दो हो जाएगी तो ऑड आने की संभावना क्या होगी एक बटे दो हो जाएगी नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं प्राइम आने की संभावना कितनी है तो हम बोलेंगे सर टोटल संभावनाएं हमारी कितनी है तो दस है टोटल संभावनाएं हमारी कितनी है सर तो दस है। उसमें प्राइम संख्या हमारी कितनी है सर आप ये देखिए प्राइम की अगर हम बात करें तो सर एक हमारा दो प्राइम नंबर है एक हमारा तीन प्राइम नंबर है एक हमारा पांच प्राइम नंबर है एक हमारा सात प्राइम नंबर है और कोई भी प्राइम नहीं है सर यानी कितनी मिला संख्या हमारी प्राइम है तो चार संख्या प्राइम है कितने में दस में तो यहाँ पर बोलेंगे सर दो बटे पाँच एक तरीके से आप परसेंटेज निकाल रहे होते हैं कि इतना बटे इतना इंटू हंड्रेड बस वो हंड्रेड आप नहीं लगाते हैं बाकी हमारा सेम रहता है जैसे हम परसेंटेज की बात करते हैं ठीक है जैसे मानो मैं बोलूंगी इवन आने की परसेंटेज क्या है तो यहाँ जितने इवन आ सकते हैं बटे में दस इंटू क्या करते सौ करते वही वाली बात है ठीक है सात से ज्यादा आने की प्रायिकता हमारी कितनी है तो टोटल वैल्यू कितनी है दस। उसमें सात से ज्यादा तो सात से ज्यादा एक संख्या दो संख्या तीन संख्या यानी क्या बोलोगे बोलोगे सर तीन बटे दस यहाँ पर सात से ज्यादा आने की संभावना कितनी हो गई सर तो तीन बटे दस हो जाएगा ठीक है उसके बाद से कम आने की संभावना छ से कम आने की संभावना तो से कम आने की संभावना मतलब कितना एक दो तीन चार पांच तो बोलोगे सर दस लोगों में कितना हो जाएगा दस में पांच हो जाएगा यानी इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी तो वन अपॉन टू हो जाएगी सर ठीक है और मेरे भाई यहाँ पर क्या हो सकता है तो और हमारा हो सकता है मल्टीपल ऑफ थ्री यानी जो संख्या आए वो तुम्हारा तीन का मल्टीपल आए तो तीन का मल्टीपल कौन कौन होगा तीन का मल्टीपल खुद तीन होगा तीन का मल्टीपल छह होगा तीन का मल्टीपल नौ होगा तो कुल मिलाकर दस लोगों में तीन के मल्टीपल आने की संभावना एक दो और तीन यानी कितना हो जाएगा थ्री अपॉन टेन हो जाएगा आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं ये सवाल देखिए देखते हैं इसका आंसर कितने लोग दे पाते हैं क्वेश्चन में क्या कहा है एक कलश में तीन सफेद और चार काली गेंदे हैं। एक गेंद को यदा वृक्ष रूप से चुना जाए इसके सफेद होने की प्रायिकता हमारी क्या है ठीक है कि यहाँ पर एक गेंद को हमें चुनना है देर आर थ्री वाइट बॉल एंड फोर ब्लैक बॉल ठीक है इन एंड अर्न अ बॉल इज सेलेक्टेड रैंडमली वट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट पहली बात यहाँ पर मेरे से पूछा क्या गया है तो वाइट आने की संभावना कितनी है तो मैंने कहा कि भैया नीचे क्या लिखते हो तो टोटल लिखते हो तो नीचे मेरे भाई टोटल लिखना है यानी थ्री और प्लस कितना फोर यानी टोटल कितना हो जाएगा तो सात हो जाएगा उसमें तुम्हें क्या चाहिए तो उसमें मेरे भाई चाहिए यहाँ पर वाइट वाइट और वाइट हमारे कितने हैं तो वाइट हमारे तीन हैं तो आंसर कितना हो जाएगा थ्री अपॉन सेवन यहाँ पर कभी भी पूरे सवाल में ये नहीं बोला है एक गेंद आने की संभावना कितनी है दो गेंद आने की संभावना कितनी है सिर्फ इतना बोला कि आप वाइट आने की संभावना कितनी है भाई दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ पर यह बनता है वाइट आने की संभावना कितनी है और दूसरा क्वेश्चन ये बनता है एक बार वाइट आने की संभावना कितनी है दो गेंदे उठाई दोनों के की कितनी है। तीन तीनों के उसको हम अलग से पढ़ेंगे जैसे मानो किसी व्यक्ति ने कहा कि एक झोले के अंदर एक थैले के अंदर सात गेंदे रखी हुई हैं मैंने यहां पर क्या किया मैंने यहां पर एक ही बार सात लोगों को कहा उसके अंदर हाथ लगाओ ठीक है

दो के पास व्हाइट आ गया यहाँ पर तीन के पास ब्लैक आ गया तो क्या होगा संभावना तीन के पास ब्लैक आ गया दो के पास व्हाइट हो गया तो क्या संभावना वो कॉम्बिनेशन है जहां पर उनके संख्याओं के साथ हम छेड़छाड़ कर रहे हैं हम एग्जैक्ट संख्या की बात ही नहीं कर रहे हैं तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें कॉम्बिनेशन का सहारा लेना पड़ता है लेकिन बिना उसके कैलकुलेशन के जैसे मानो नॉर्मल ऐसा अगर हम आपको बोलें कि एक मेरे भाई ऐसा मेरे पास बैग है और इस बैग के अंदर मेरे भाई क्या है तो इस बैग के अंदर यहाँ पर जो है वो तीन लाल गेंदे हैं चार मेरे भाई यहाँ पर नीली गेंदे हैं ठीक है पांच यहाँ पर एक तरीके से ब्लैक बॉल है ठीक है मेरा सिंपल सा यहाँ पर सवाल है सवाल नंबर यहाँ पर एक कि यहाँ पर जो है रेड आने की संभावना कितनी है सिर्फ और सिर्फ रेड आने की संभावना कितनी है सवाल नंबर मेरे भाई दो यहाँ पर इसके अंदर ब्लू आने की संभावना कितनी है सवाल नंबर यहाँ पर तीन हो जाएगा कि इसके अंदर यहाँ पर ब्लैक आने की संभावना कितनी है मैंने बिल्कुल भी इस बात को जाहिर नहीं किया कि यहाँ पर जो रेड आएगा ब्लैक आएगा न्यू आएगा क्या होगा क्या नहीं होगा कोई फर्क नहीं पड़ता है ठीक है बस मेरे भाई यहाँ पर इतना ही कहानी है कि लाल आने की संभावना कितनी है तो लाल आने की संभावना टोटल गेंदों की कितनी है पांच चार नौ तीन बारह तो टोटल गेंदे कितने हैं तो बारह उसमें लाल हमारे कितने हैं तो तीन तो इसका आंसर हो जाएगा तीन बटे बारह यानी एक बटे चार यहाँ पे ठीक है नीला आने का संभावना, तो संभावना पाँच चार नौ तीन बारह उसमें नीला मतलब थ्री यहाँ पे ब्लैक की अगर हम बात करते हैं टोटल यहाँ पर गेंदे कितनी है बारह और इसमें ब्लैक हमारा कितना है पांच यानी इसकी संभावना कितनी है पांच बटे मैंने कहीं पर अभी भी एक शब्द भी यहाँ नहीं कहा कि यहाँ तीन गेंदे उठाई है, दो गेंदे उठाई है उसमें एक लाल बाकी दो ब्लैक ये क्या संभावना रहेगा? ऐसा कहीं पर भी अभी सिर्फ मैंने नहीं कहा जैसे आप लोग जनरली पासे के बारे में पढ़ते हो आप लोग एक तरीके से ये पढ़ते हो कि कुल मिलाकर बावन कार्ड होते हैं और ये बावन कार्ड में मेरे भाई यहां पर जो है ठीक है सिर्फ इतना मैं बोलूंगा कि 26 कार्ड जो होते हैं वो क्या होते हैं रेड होते हैं और यहाँ पर 26 कार्ड जो होते हैं वो मेरे भाई क्या होते हैं तो ब्लैक होते हैं फिर यहाँ 26 में भी 13 और 13 का विभाजन होता है इस 26 में भी 13 और 13 का विभाजन होता है उस 13 में मेरे भाई एक से लेकर 10 तक संख्या अपने रह गई एक का रह गया जैक क्वीन फलाना फलाना जो भी है वो सारे रहते हैं मैं उनके बारे में पूछ ही नहीं रहा मेरा सिर्फ एक सवाल है यहाँ पर कि यदि हम एक पत्ते को फेंटते हैं तो यहाँ पर मेरे भाई लाल आने की संभावना क्या है और या फिर मेरे भाई काला आने की संभावना क्या है अब आप बोलोगे सर देखो पूरे पत्ते यहाँ पर कितने हैं तो पूरे पूरे बावन पत्ते हैं उसमें यहाँ पर लाल निकाल रहे हो तो लाल की संभावना कितनी है छब्बीस यानी सर यहाँ पर संभावना कितनी है तो वन अपॉन टू की है संभावना कितनी है मेरे भाई यहाँ पर ठीक है तो यहाँ पर वन अपॉन टू की है ब्लैक की बात करेंगे तो ब्लैक में देखो यहाँ पर कुल मिलाकर बावन पत्ते हैं और बावन में कितने हमारे यहाँ पर जो होंगे लाल होंगे तो छब्बीस यानी कितना हो जाएगा तो सर वन अपॉन टू हमारा हो गया ये हमारा क्या होगा तो ब्लैक आने की संभावना है आ जी, तो क्वेश्चन नंबर फोर देखिए अ बैग अगेंस कार्ड विच आर नंबर फ्रॉम टू एक बैग के अंदर कुछ कार्ड रखे हुए हैं और उनकी संख्या दो से नब्बे तक है अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द द बैग फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज अ परफेक्ट स्क्वायर क्या संभावना है कि जो भी तुम संख्या निकालोगे वो परफेक्ट स्क्वायर होगा अब सबसे पहली मेरी बात यहाँ पर दो से लेकर नब्बे तक कुल मिलाकर कितनी संख्या होती है एक से लेकर पांच तक पांच संख्या होती है एक से लेकर दस तक दस संख्या होती है दो से लेकर नब्बे तक कितनी संख्या होती है तो बोलोगे एक से नब्बे में नब्बे संख्या सिर्फ इसमें एक नहीं है यानी एटी नाइन संख्या दो से लेकर नब्बे तक कितना हो जाएगा मेरे भाई तो यहाँ एटी एन बहुत लोगों को पता है क्या लगता है नब्बे में से दो घटा दो एटी एट आ जाएगा अरे यार नहीं यार ऐसा नहीं है अगर मानो आप दो से लेकर पाँच तक की बात करते हो तो दो से लेकर पाँच तक में देखोगे तो दो हो जाएगा तीन हो जाएगा चार हो जाएगा पाँच हो जाएगा यानी चार संख्या यानी हमेशा इनके डिफरेंस से एक ज़्यादा पाँच में से दो घटाओ तीन तीन से एक ज्यादा ठीक है तो कभी भी अगर ये कहे फलाने से लेकर फलाने तक फलाने से लेकर फलाने तक इसका मतलब उनके डिफरेंस से एक ज्यादा लेना है ठीक है तो पहली बात यहाँ पर दो से लेकर नब्बे तक हमारे कितने आउटकम्स हो जाएंगे तो दो से लेकर मेरे भाई नब्बे तक कुल मिलाकर जो है एटी नाइन संभावनाएं बनेंगी एटी नाइन अलग अलग तरह के नंबर आएंगे दो आएगा तीन आएगा चार आएगा पांच आएगा छ आएगा एटी नाइन आएंगे उसमें हमें क्या चाहिए कि जो हम कार्ड को रोन कर रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी हमें क्या चाहिए कि वो संख्या क्या बने परफेक्ट स्क्वायर तो एक काम करते हैं दो से लेकर नब्बे तक हम देखते हैं कि कितने परफेक्ट स्क्वायर होते हैं तो क्या दो एक परफेक्ट स्क्वायर है नहीं तीन एक परफेक्ट स्क्वायर है नहीं चार एक परफेक्ट स्क्वायर होता है दो का स्क्वायर चार तीन का स्क्वायर नौ चार का स्क्वायर सोलह पाँच का स्क्वायर पच्चीस छः का स्क्वायर छत्तीस सात का स्क्वायर उनचास आठ का स्क्वायर चौंसठ नौ का स्क्वायर इक्यासी और दस का स्क्वायर सौ जब सौ लोगे तो बोलोगे अरे ससुराई तो इसके रेंजे में नहीं है नब्बे से बाहर चला गया मतलब नहीं लेना है तो यानी यही वो संख्याएं हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं और साथ में परफेक्ट स्क्वायर होने के साथ साथ ये दो से लेकर नब्बे के बीच में भी आती हैं दो से लेकर नब्बे के बीच में भी आती हैं तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि क्या ऐसी संभावना है यहाँ पर कि एक बैग के अंदर दो से लेकर नब्बे तक तो कुछ संख्या रखी गई है तो उनमें क्या संभावना है कि जो भी तुम उठाओगे वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा तो मेरे भाई उस इवेंट की होने की जो संभावना है वो क्या है तो एक दो तीन चार पांच छे सात आठ कितने परफेक्ट स्क्वायर आ सकते हैं तो आठ और बट्टे में कितना मेरे भाई तो टोटल यानी एट अपॉन एटी नाइन यानी आपको पता है कि नीचे में हम क्या लिखते हैं तो नीचे में हम टोटल लिखते हैं तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा तो टोटल हमारा एटी नाइन हो जाएगा और उसमें कितने प्रकार के परफेक्ट स्क्वायर बन सकते हैं तो आठ प्रकार के यानी एट अपॉन एटी नाइन हो जाएगा ठीक है समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर जैसे मान लीजिए कि मैंने आप आपसे ये कहा कि एक, से तक, एक दो तीन चार, चार पांच हो गया छः हो गया सात हो गया आठ हो गया नौ हो गया दस हो गया ग्यारह हो गया बारह हो गया इसमें पहली बात क्या संभावना है कि जो संख्या है मेरे भाई वो स्क्वायर हो जाए क्या संभावना है मेरे भाई की जो संख्या है यहाँ पर वो क्यूब हो जाए अब आप यहाँ बोलोगे सर देखो सारी खेल संभावनाएं के ऊपर ही तो है क्या प्रायिकता है क्या प्रायिकता है तो बोलोगे सर जैसे स्क्वायर निकालना है तो टोटल आपने कितनी संख्या ली है बारह तो बारह ले लिया और उसमें कितने परफेक्ट स्क्वायर हैं तो जैसे ये एक परफेक्ट स्क्वायर है दो का स्क्वायर ये एक परफेक्ट स्क्वायर है सर और कोई परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं यानी परफेक्ट स्क्वायर आने की संभावना दो होगी बारह संख्याओं में यानी कितना हो जाएगा वन अपॉन सिक्स हो जाएगा सर कितना हो जाएगा तो वन अपॉइन्ट सिक्स हो जाएगा सर ठीक है और वहीं मैं अगर आपसे ये पूछूं क्यूब आने की संभावना कितनी है तो आप क्या बोलोगे कुल मिलाकर कितनी संख्याएं सर तो बारह संख्या है उसमें क्यूब आने की संभावना तो क्यूब आने की संभावना जैसे मानो सर आठ अपने आप में क्या है क्यूब है ठीक है अच्छा एक और चीज़ यहाँ पर ये थोड़ा गड़बड़ हो गया और ये गड़बड़ पता है क्या हो गया हमने यहाँ पर यहीं जल्दीबाजी में एक मिस्टेक मार दिया और मिस्टेक क्या मार दिया कि परफेक्ट स्क्वायर को काउंट करते वक्त हमने नीचे जो है टोटल कितना लिखना था बारह और ऊपर में परफेक्ट स्क्वायर को काउंट करते वक्त हमने एक एक को काउंट ही नहीं किया मेरे भाई भी अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है एक भी अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है तो अगर बोला जाए कितने परफेक्ट स्क्वायर हैं तो एक दो और तीन ठीक है यहां पर एक भी एक परफेक्ट स्क्वायर है चार भी परफेक्ट स्क्वायर है नौ भी एक परफेक्ट स्क्वायर है तो एक से लेकर बारह तक तीन परफेक्ट स्क्वायर हैं तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी तो एक बटे चार यहाँ पे फिर क्यूब तो आने की संभावना कितनी तो कितनी है है तो 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 क्यूब क्यूब आने की संभावना टोटल संख्या उसमें हमारा कौन कौन सा है तो यहाँ पर एक भी हमारा क्यूब है उसके बाद यहाँ पर आठ हमारा क्यूब है और उसके आगे तो भाई बात ही नहीं बन रही यानी क्यूब आने की संभावना कितनी है दो बार कितने में बारह में यानी आंसर कितना हो जाएगा एक बटे छ हो जाएगा कितना हो जाएगा मेरे भाई एक बटे छ हो जाएगा क्वेश्चन नंबर पांच देखिए क्या बोला गया कहा गया जार कंटेन 54 मार्बल ईच ऑफ विच इज ब्लू ग्रीन और व्हाइट यानी उसके अंदर चौवन मार्बल हैं और वो चौवन मार्बल में मेरे भाई यहाँ पर तीन ही तरह के हैं या तो वो मेरे भाई ब्लू है या फिर वो हमारा ग्रीन है या फिर वो हमारे व्हाइट है द प्रोबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ ब्लू मार्बल इज वन बाई प्रोबाबलिटी हाउ मेनी वाइट मार्बल डाइट यहाँ पर कितने तरह के होंगे मैंने कहा ठीक है भैया हम समझते हैं और समझाते हैं मुझे इतना पता चला कि एक थैला रखा गया है उस थैले के अंदर मेरे भाई चौवन तरह के यहाँ पर जो है वो है यहाँ पर चौवन मार्बल रखे गए हैं और चौवन मार्बल में यहाँ पर इतना फिक्स है कि या तो नीला होगा या हरा होगा या फिर सफ़ेद होगा ठीक है क्वेश्चन में कहा गया कि यहाँ पर नीले कंचे को चुनने की संभावना कितनी है ब्लू कलर का कंचा अगर आप चूज करते हैं तो ब्लू की संभावना कितनी होगी तो ब्लू की संभावना बोली गई है कि कितनी होगी एक बटे तीन यहाँ पे फिर उसके बाद यहाँ पर कहा गया ग्रीन की संभावना कितनी होगी तो बोलोगे सर ग्रीन की जो संभावना होती है ना सर तो ग्रीन की जो संभावना है वो हमारी फोर बटे नाइन है अब एक्चुअली जैसे हम आपको पीछे वाला थोड़ा एग्जाम्पल दिखाते हैं आप अगर पीछे वाले में एग्जाम्पल में देखो तो पीछे वाले एग्जाम्पल में अगर आप देखोगे तो चाहे परफेक्ट स्क्वायर कैलकुलेट किए थे या परफेक्ट क्यूब कैलकुलेट किए थे कटने छटने के बाद ये वन अपॉइंट चार आ गया था और कटने छटने के बाद ये वन अपॉइंट छ आ गया था अगर मैं पीछे वाले क्वेश्चन में ही अगर आपसे सिर्फ इतना जानने की इच्छुक रखता मैं या इतने की इच्छा रखता मेरे भाई यहाँ पर कि जैसे मानो कितने परफेक्ट स्क्वायर हैं तो आप यहाँ पर क्या कहते कहते सर ये चार मत लो फिर यहाँ कितनी संख्या ली है बारह तो इस चार को बारह बनाओ इस चार को बारह बनाने के लिए मैं तीन से यहाँ गुना करता तो ऊपर भी तीन से गुना होता और जैसे ऊपर तीन से गुना होता आप मुझे ये बता देते कि सर तीन संख्याएं ऐसी हैं जो परफेक्ट स्क्वायर ख्याफेक्ट उसी तरीके से मैं क्यूब के बारे में जानने की इच्छा जता था आपसे तो आप बोलते कि सर ये तो रेशियो है वैल्यू थोड़ी है आप नीचे टोटल बनाइए टोटल कितना है बारह तो इसे आप दो से गुना करिए तो ऊपर भी दो से गुना करेंगे तो पता चल जाएगा दो संख्याएं क्या थी तो परफेक्ट क्यूब थी यानी नीचे वाले जो वैल्यू होती है वो फिक्स है यहाँ पे जैसे क्वेश्चन में ये कहा गया कि टोटल हमारे कितने मार्बल हैं तो चौवन मार्बल है तो इसके नीचे भी चौवन आना चाहिए और इसके नीचे भी चौवन आना चाहिए उन उन में में कितना कितना ग्रीन होगा वो कितना होगा वो वो ऊपर वाला बताएगा। ब्लू तो तो 54 54 मेरे भाई किससे तो नीचे 18 से अगर नीचे अठारह से गुना करेंगे तो ऊपर भी अठारह से गुना करना पड़ेगा यहाँ फिफ्टी बनाने के लिए हम नीचे छह से गुना करेंगे तो ऊपर ऊपर भी कितना गुना करना होगा छः से नीचे वाला हमेशा अपने आप में क्या बताता है तो नीचे वाला हमेशा अपने आप में टोटल बताता है ठीक है और ऊपर वाला क्या बताएगा तो ऊपर वाला मेरे भाई ब्लू कितना है यहाँ पर वो बता दिया उसने ठीक है उसी तरीके से नीचे वाला क्या है मेरे भाई तो हमेशा क्या तो बताएगा तो टोटल बताएगा और ऊपर वाला मेरे भाई क्या है तो ऊपर वाला ग्रीन कितना है तो हमें यहाँ पर वो बता देगा अब एक बात बताओ थैली में तीन ही तरह के मार्बल हैं ठीक है कौन कौन से मार्बल हैं मेरे भाई तो ब्लू है उसके बाद यहाँ पर और कौन सा है तो यहाँ पर ग्रीन है और कौन सा है व्हाइट है और सबको जोड़ूंगा तो यहाँ कितने के करीब आएंगे चौवन आप मुझे बताओ ब्लू की संख्या कितनी है तो ब्लू की संख्या अठारह है ग्रीन की संख्या कितनी है तो छ का चार गुना चौबीस है तो ब्लू प्लस ग्रीन प्लस वाइट बराबर हो जाएगा कितने के चौवन के तो इसी वजह से मेरे भाई वाइट की संख्या चौवन में से चौबीस गया तो तीस आ गया तीस में से अठारह गया तो बारह आ गया यानी वाइट हमारे कितने होंगे तो बारह ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है ठीक है आओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं और क्वेश्चन नंबर छह देखते हैं क्वेश्चन नंबर छे में हमसे क्या कहा है पढ़िए ज़रा कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ नंबर सेलेक्टेड एट अ रैंडम फ्रॉम फर्स्ट हंड्रेड अ मल्टीपल ऑफ थ्री और फाइव यानी अगर मान लीजिए कि हम एक से लेकर सौ तक जितनी भी संख्या लेते हैं तो प्रायिकता ज्ञात करिए कि पहली सौ पराकृत संख्याओं में यहाँ पर यदा वृक्ष मतलब यादरी छिक मतलब पता नहीं क्या यादृक्षिक है यादृक्षिक रूप से चुनी गई संख्या तीन या पाँच की गुणनखंड है तो मेरे भाई पहले तो यहाँ पर मुझे जो है पहले हमारे टोटल संख्याओं की संख्या कितनी हो गई सौ हो गई उसमें जो ये पता करना होगा कि यहाँ पर जैसे होता नहीं है नंबर सिस्टम में हम पढ़ते हैं कि एक से लेकर सौ तक ऐसी कितनी संख्या है जो या तो तीन से कटती है या फिर पाँच से कटती है समझ रहे हो मेरी बातों को लेकर तो पहले हम लोग नंबर सिस्टम में वो पता करते थे तो वो हम यहाँ भी पता करेंगे ठीक है जैसे सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ ये नंबर सिस्टम का सवाल है और नंबर सिस्टम का मेरे भाई सवाल क्या है यहाँ पे तो हाउ मैनी नंबर हाउ मैनी नंबर ठीक है ठीक है ये नंबर सिस्टम का सवाल है हाउ मेनी नंबर आर देयर ठीक है फ्रॉम वन टू अभी प्रोबेबिलिटी भूल जाओ यहां पे सिर्फ नंबर सिस्टम पे फोकस करो ठीक है हाउ मेनी नंबर हाउ मेनी नंबर ऑफ देयर ठीक है हाउ मेनी नंबर आर देयर फ्रॉम क्वेश्चन नंबर यहां पर ए ठीक है डिविजिबल बाई थ्री ठीक है उसके बाद यहां पर क्वेश्चन नंबर दो डिविजिबल बाई फाइव या फिर क्वेश्चन नंबर सी मेरे भाई डिविजिबल बाई थ्री और फाइव अभी मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे पता है क्या पूछ रहा हूँ अभी मैं सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई यहां पर आपसे इतना पूछ रहा हूं नंबर सिस्टम का एक सवाल पूछ रहा हूं एक पल के लिए आप यू समझ लीजिए कि आप शिमला से मेरे भाई केरला में चले गए एकदम ठंडी से गर्मी वाले सिचुएशन में आ गए अपने आप को प्रेडिक्ट करिए यहाँ पर ठीक है तो यहाँ पर मैंने सिर्फ नंबर सिस्टम का ये पूछा कि जो बचपन में आप पढ़ते थे कि एक से लेकर सौ तक ऐसी कितनी संख्या है जो तीन से कटेगी ऐसी कितनी संख्या है जो पांच से कटेगी या ऐसी कितनी संख्या है जो या तो तीन और नहीं तो पांच से कटेगी आइदर थ्री और फाइव तो पहली बात मेरे भाई तीन से कटने वाली संख्या कितनी है तो एक से लेकर सौ तक जाना है तो सौ को किससे भाग कर दो तीन से भाग कर दो ये तुम्हारा लगभग नियरेस्ट तैंतीस पॉइंट तीन तीन के करीब में जाएगा और मैंने हमेशा नंबर सिस्टम में बता रखा है कि दशमलव के बाद वाले भाग को इग्नोर करके सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कितना लिखो तो तैतीस लिखो तभी भी आपको एक से लेकर बीस ले तक एक से लेकर पचास तक एक से लेकर सौ तक एक से लेकर दुनिया जहान तक पता करना हो तो उस आखिरी संख्या को उससे भाग करो जिसके बारे में पता पता करना चाहते हो. अगर ये पता करना चाहते चाहते हो हो अगर कि तीन से से कितनी संख्या कटेगी तो उसको भाग करो जैसे अब यहां यह पता करना चाहते हो कि कितनी ऐसी संख्या जो पांच से कटेगी तो मेरे भाई यहां पर सौ को किससे पता भाग करो तो पांच से यानी कितनी संख्या हो जाएगी तो बीस तो एक से लेकर सौ तक ऐसी कितनी है जो तीन से कटेगी तो तैतीस संख्या एक से लेकर सौ तक ऐसी कितनी संख्या है जो पांच से कटेगी तो बीस संख्या अगर मैं यहां पर एक और सवाल पूछ दू की एक से लेकर तीन तक एक से लेकर मतलब सौ तक ऐसी कितनी संख्या है जो पंद्रह से कटेगी और आखिरी सवाल होगा मेरे भाई यहां पर ठीक है आखिरी सवाल मेरे भाई होगा डिविजिबल बाई थ्री और यहाँ पर फाइव ठीक है तो मैं आप यहां पर आखिरी सवाल यहां पे समझिए फिर पर एक से लेकर सौ तक ऐसी कितनी संख्या है जो से मुन्ना ऐसी कितनी संख्या है मेरे भाई जो पंद्रह से कटेगी तो बोलोगे सर सौ को किससे से भाग करो तो सौ को पंद्रह से भाग करो नियरेस्ट अबाउट पंद्रह का गुना नब्बे आता है तो लगभग लगभग नियर अबाउट यहां पर छे के करीब में जाएगा दशमलव के बाद कितना आएगा इससे हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है दशमलव के बाद कितना आएगा इससे हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है ठीक है Osionfish. समझ में आ गया तो यहाँ पर तीन से कटने वाली इतनी संख्या है पांच से कटने वाली इतनी संख्या है पंद्रह से कटने वाली इतनी संख्या है उसके बाद हमसे बोला गया या तो तीन से कटे और नहीं तो पाँच से कटे तो ये मेरे भाई एक वेन डायग्राम की तरह हो जाता है ए यूनियन बी हो जाता है कि यहाँ पर हमारा जो है अगर हम चाहते हैं या तो तीन से कटे नहीं तो पाँच से कटे तो इसको निकालने के लिए तीन से कटने वाली जितनी संख्या है वो निकालो पांच से कटने वाली जितनी संख्या है वो निकालो और माइनस करो तीन और पांच से कटने वाली जितनी कॉमन संख्या है माइनस हम क्यों करते हैं जैसे पंद्रह है पंद्रह आप इसमें भी ले लेते हो और पंद्रह आप इसमें भी ले, ले लेते हो क्योंकि पंद्रह तीन से भी कटता है पंद्रह पांच से भी कटता है तीस है तो तीस मेरे भाई इसमें भी ले लेते हैं तीस इसमें भी ले लेते हैं इसीलिए एक बार माइनस करना होता है तो जब भी ऐसी स्थिति आ जाए कि तीन और पांच दोनों से कटनी चाहिए तो तीन और पांच दोनों से कटने के लिए तीन से कटने वाली संख्याओं की संख्या संख्या ज्ञात करो तो तीन से कटने वाली संख्या कितनी है तो तैतीस है पांच से कटने वाली संख्या कितनी है तो पांच से कटने वाली संख्या बीस है और तीन और पांच से कटने वाली संख्या कितनी है तो मेरे भाई छह है तो फिफ्टी थ्री में से हम सिक्स घटा देंगे तो मेरे भाई फोर्टी सेवन आ जाएगा यानी एक से लेकर सौ तक एक से लेकर सौ तक एक से लेकर सौ तक मात्र सैतालीस संख्या ऐसी है जो या तो तीन से कटती है या फिर मेरे भाई पांच से कटती है आइदर थ्री और फाइव आइदर थ्री और फाइव यहां पर इस बात को समझ जाइए तो यहां पर आइदर और पता करने के लिए क्या करना होता है तो जैसे मैं चाहता हूं या तो तीन से कटे नहीं तो पांच से तो पहले तीन की संख्या फिर पांच की संख्या फिर पंद्रह की संख्या मतलब पंद्रह क्यों इन दोनों का एलसीएम पंद्रह क्यों तो पंद्रह इन दोनों का क्या होता है तो एलसीएम होता है ठीक है तो तीन पता किया पांच पता किया उनका एलसीएम घटा दिया यानी सैतालीस संख्या तो पहली बात यहां पर मुझे ये पता चलना चाहिए कि तीन और पांच से कटने वाली संख्या कितनी है तो सैतालीस संख्या है अब यहां पर इस क्वेश्चन में हम जरा आते हैं तो क्वेश्चन में क्या बोला गया तो अ मल्टीपल ऑफ थ्री और फाइव यानी मुझे क्या पता करना है तो प्रोबेबिलिटी पता करनी है कि वो मेरे भाई मल्टीपल होगा और मल्टीपल होगा तो किसका होगा तो मल्टीपल होगा थ्री का या फिर मेरे भाई फाइव का तो नीचे हम क्या लिखते हैं टोटल टोटल कितनी संख्या है तो टोटल सौ संख्या है और उसमें या तो तीन से कटे या फिर मेरे भाई पाँच से कटे तो या तो तीन से कटे और या फिर पाँच से कटे तो तीन और पाँच से मेरे भाई कितनी संख्या है तो सैंतालीस है तो आंसर कितना होगा फोर्टी सेवन अपॉन हंड्रेड कौन सा ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है अब उसके बाद प्रोबेबिलिटी में देखो तीन पार्ट हो गए जैसे एक होता है हमारा परम्यूटेशन होता है समझना मेरे बात को बहुत ध्यान से ठीक है दूसरा हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा तो कॉम्बिनेशन हो जाएगा यहाँ पे और तीसरा हमारा हो जाता है प्रोबेबिलिटी ठीक है ये तीन पार्ट हमारे हो जाते हैं परमिटेशन कॉम्बिनेशन और फिर हमारा क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी मेरे भाई हो जाएगा सबसे पहले अगर हम परमिटेशन की बात करेंगे तो परमिटेशन आपका हो गया एक तरीके से क्रम है क्या हो गया मेरे भाई यहाँ पर फैक्टोरियल फैक्टोरियल अभी नहीं करना फैक्टोरियल के पहले परम्यूटेशन हो गया क्रमचय हो गया संचय हो गया इस तरीके से करके तो सबसे पहले परम्यूटेशन है फिर हमारा कॉम्बिनेशन है और फिर हमारा प्रोबेबिलिटी है ये तीन पार्ट है इसको हम यहाँ पर बोलते हैं क्रमचय क्या बोलेंगे मेरे भाई यहाँ पर तो क्रमचय बोलेंगे और क्रमचय हो गया हम आपको सारा पॉइंट अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे यहाँ पे ठीक है कॉम्बिनेशन का मतलब यहाँ पर हो गया संचय हमारा ठीक है और यहाँ पर ये तो पता ही आपको किसको प्रायिकता कहते हैं ठीक है क्या कहेंगे मेरे भाई तो प्रायिकता कहेंगे यहाँ पे ठीक है अब यहाँ तीनों का मतलब क्या होता है कैसे कैसे हमें पढ़ना होता है गणित में किस तरीके से सारी बातें होती हैं वो सारी समझो सबसे पहले मेरे भाई ये तीनों अलग अलग टॉपिक हैं लेकिन तीनों का यूज जो है एक दूसरे के जगह पर इस्तेमाल होता है जब भी हम यहाँ एक तरीके से परम्यूटेशन की बात करते हैं तो परम्यूटेशन का मतलब हो जाता है एक तरीके से अरेंजमेंट अरेंजमेंट का मतलब यहाँ पर क्या हो गया संयोजन मतलब किसी चीज़ को अरेंज करना है यहाँ पर सजाने की जब भी बात होती है उसको एक तरीके से एक तरीके से संयोजित करने की बात होती है तो वो हम क्या कहते हैं तो वो हमारा होता है परम्यूटेशन दूसरा हमारा होता है कॉम्बिनेशन यानी कॉम्बिनेशन का मतलब हो गया आपका सेलेक्शन कि जब भी हम काफ़ी सारी वस्तुओं में से किसी को सेलेक्ट करने की बात करते हैं तो वो हमारा हो जाता है कॉम्बिनेशन और यहाँ पर प्रोबेबिलिटी का मतलब हो जाता है हमारा पॉसिबिलिटी कि किसी भी चीज के होने की संभावना हमारी क्या है और क्या यहाँ पर नहीं है ठीक है अक्सर बचपन में जब आपने पढ़ा होगा तो बचपन में आपने इन दोनों को एक साथ पढ़ा होगा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन करके और प्रोबेबिलिटी को जो आप पढ़ते हैं तो एकदम अलग तरीके से मेरे भाई पढ़ते हैं एकदम वो एक अलग कहानी होती है ठीक है तो मेरे भाई प्रोबेबिलिटी में हमें इनका थोड़ा सा अंश पढ़ना है यहाँ पर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का थोड़ा सा एक पार्ट पढ़ना है थोड़ा सा एक यहाँ पर जो है उसका रूप हमें जानना है तो जैसे मानो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा फैन आपको यहाँ आज, छोटा सा शब्द एक मैंने लिखा मान लीजिए एक तरीके से करके मैंने कैट लिखा तो मैंने कहा आप इस कैट में जो ये तीन लेटर इस्तेमाल हुए हैं तो इन तीन लेटर को किस तरीके से अरेंज करके कितने सारे शब्द बना सकते हो चाहे उनके मीनिंग निकले या फिर उनकी मीनिंग ना निकले इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बट आप कितने तरीके से अरेंज इसको कर पाओगे जैसे मानो एक बार आप इसे कैट लिख सकते हो एक बार आप इसे सी टी ए लिख सकते हो फिर एक बार सी को पहले रख लिया अब ए को रख लो तो ए के साथ टी आ जाएगा और सी आ जाएगा या ए के साथ सी आ जाएगा और टी आ जाएगा या फिर एक बार टी को शुरू में लिख लो तो टी सी आ जाएगा या फिर टी ए सी आ जाएगा यानी कितने तरीके से हम इसे अरेंज कर पाएं तो छः तरीके से हम इसे अरेंज कर पाएं तो ये हमारा क्या होता है अरेंजमेंट होता है और अरेजमेंट से संबंधित यहाँ पर जितनी भी बातें होती हैं तो वो मेरे भाई किस में होती हैं तो परमिटिशन में होती हैं ठीक जैसे मानो कि मेरे को एक तरीके से यहाँ पर चार कुर्सी यहाँ रखी हुई है और यहाँ पर कुल मिलाकर मेरे भाई चार लोग हैं तो मैंने कहा कितने अलग अलग तरीके से इस पर बैठ सकते हैं कितने अलग अलग तरीके से लोग यहाँ पर बैठ सकते हैं यहाँ पर उसकी प्रायिकता बता अती इसकी परम्यूटेशन बताइए मतलब एक तरीके से अरेंज करने की जो है बताइए कि कितने तरीके से लोग यहाँ बैठ सकते हैं क्या मेरे भाई यहाँ पर जो है अरेंजमेंट हो पाएगा तो वो हम किस में बात करेंगे तो वो हम बात करेंगे परम्यूटेशन में जहाँ पर भी चीज़ों को अरेंज करने की बात है वो परम्यूटेशन है तो बात करते हैं कॉम्बिनेशन के बारे में तो कॉम्बिनेशन हमारा क्या होता है तो कॉम्बिनेशन जो हो गया मेरे भाई यहाँ पर वो ये हो गया कि जब भी सिलेक्शन करने की बात है एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मानो कि मैंने एक टीम बनाई और यहाँ पर टीम में आठ लोग हैं मेरे पास कितने लोग हैं तो आठ मैन हैं और मैंने कहा कि इस आठ मैन में, में और एक जैसे मानो पांच वुमेन की मेरी टीम है तो आठ मैन और पाँच वुमेन की टीम है मैंने कहा कि यार इसमें से एक मैन को पकड़ो और इसमें से यहाँ पर जो है दो वुमेन को पकड़ो और इस तरीके से करके कमेटी बनाओ यहाँ पर ठीक है एक मैन और दो वुमेन की कितनी जो है यहाँ पर एक मैन और दो वुमेन की आप यहाँ पर कितनी कमेटी बना सकते हैं तो आप मुझे यहाँ पर वो बताइए तो वो हमारा क्या हो जाता है तो कॉम्बिनेशन हो जाता है जैसे मैंने कल आपको कहा था कि किसी बॉक्स के अंदर में पाँच के ब्लू बॉल हैं ठीक है दो हमारे रेड बॉल हैं और तीन यहाँ पर जो है वो ग्रीन बॉल है मैं इसमें से बॉल निकालना चाहता हूं दो बॉल और वो दो बॉल इस तरीके से कि तीन बॉल निकालना चाहता हूं कि एक ब्लू मिले एक रेड मिले और एक ग्रीन मिले तो वो यहाँ पर क्या हो जाएगा तो सिलेक्शन करने की बात होगी कि मुझे पांच लोगों में एक को सेलेक्ट करना है दो लोगों में एक को सेलेक्ट करना है तीन बॉल में एक बॉल को सेलेक्ट करना है तो जब भी सलेक्शन की बात आती है यहाँ पे जब भी सिलेक्शंस की बात आती है तो वहां पर हम क्या करते हैं तो वहां पर हम कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाते हैं ठीक है कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करते हैं और बाकी प्रोबेबिलिटी की तो कल मैंने परिभाषा दी ही दी थी कि जो हमारा टोटल आउटकम होता है हमें वो लेना होता है और जो हमारा फेवरेबल आउटकम होता है हमें वो लेना होता है जैसे मान लो कि अगर मैंने कोई पासा फेंका तो पासा को फेंकते वक्त या तो एक दो तीन चार पाँच छः इनमें से कोई एक वैल्यू आएगी तो जैसे मान लो तीन आने की प्रायिकता क्या होगी तो तीन कितनी बार आ सकता है एक बार कितने में छः में तो ये टोटल होता, होता है और ये फेवरेबल आउटकम होता है तो परम्यूटेशन डिफरेंट थिंग है कॉम्बिनेशन डिफरेंट थिंग है और एक तरीके से प्रोबेबिलिटी हमारी डिफरेंट थिंग है तीनों के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं परम्यूटेशन का जो फॉर्मूला होता है मेरे भाई तो परम्यूटेशन का फॉर्मूला हमारा एन पी आर होता है और इसका मतलब क्या होता है हम आपको वो भी समझाएंगे कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा एन होता है इसका मतलब क्या होता है हम आपको वो भी समझाएंगे और प्रोबेबिलिटी में मेरे भाई अलग अलग सवालों के लिए अलग अलग कंसेप्ट यहाँ पर इस्तेमाल होते हैं वो हम आपको अलग तरीके से बताएंगे तो यहाँ पर परम्यूटेशन पढ़ाना है या कॉम्बिनेशन पढ़ाना है कुछ भी पढ़ाने के लिए सबसे पहले मुझे फैक्टोरियल आपको पढ़ाना पड़ेगा और आपको फैक्टोरियल पढ़ना पड़ेगा कि फैक्टोरियल क्या होता है क्योंकि जब तक आप फैक्टोरियल नहीं पढ़ेंगे मेरे भाई यहाँ पर ठीक है तब तक इसके अलावा मेरे भाई आप नहीं कर पाएंगे आगे नहीं बढ़ पाए फैक्टोरियल हमारा होता क्या है किस तरीके से हम फैक्टोरियल को लिखते हैं और लिखते भी हैं तो उसका मतलब यहाँ पर क्या होता है तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो फैक्टोरियल का जो चिन्ह होता है वो यहां पर एन है तो फैक्टोरियल का मतलब हो गया उल्टा आई या फिर एक तरीके से ऐसे कह सकते हैं तो सर ऐसे बॉक्स बना के आधा बॉक्स और यहाँ क्या लिख दीजिए एन लिख दीजिए ये हमारा फैक्टोरियल का चिन्ह होता है या तो इससे लिखेंगे नहीं तो इससे लिखेंगे मान लीजिए कि हमने यहाँ पाँच फैक्टोरियल लिखा तो पाँच फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है कि एक से लेकर मेरे भाई कहाँ तक मल्टीप्लाई करना पाँच तो तक या उल्टा कह सकते हैं कि सर पाँच से मल्टीप्लाई करके कहाँ तक लेकर आना तो पाँच इंटू चार इंटू तीन इंटू तो दो इंटू एक तक लेकर आना अगर हम चार फैक्टोरियल की बात करते हैं तो चार का मतलब चार इंटू तीन इंटू तो दो इंटू तो एक तक लेकर आना कुछ फैक्टोरियल के तो वैल्यू हमें एकदम याद होने चाहिए कंटेक्सट होने चाहिए यहाँ पे ताकि हम जब सवाल बनाए यहाँ पर तो एक तरीके से हमें मेरे भाई यहाँ पर पूरा का पूरा याद हो ठीक है तो यहाँ पर जो है अगर हम बात करते हैं फैक्टोरियल के बारे में तो फैक्टोरियल का ध्यान रखना है कि जहाँ से शुरू हुआ है वहां से मल्टीप्लाई करते 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 कहाँ तक लेकर आओ तो आप यहाँ पर एक तक लेकर आओ अब जैसे कुछ यहाँ पर पहले फैक्टोरियल की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए जैसे एक फैक्टोरियल कितना होता है उसके बाद यहाँ दो फैक्टोरियल कितना होता है तीन फैक्टोरियल कितना होता है क्योंकि देखो अगर याद होगा तो फटाफट सवाल बना पाओगे और याद नहीं होगा मेरे भाई तो फिर सवालों बनाने में कष्ट आएगा आपको ठीक है फिर उसके बाद बहुत सारा प्रॉब्लम आएगा और हर बार आपको डेटा यहां पर बार बार मल्टीप्लाई करके लिखना होगा तो मेरा मानना है कम से कम एक बच्चे को आठ फैक्टोरियल तक का जो डेटा है वो पता होना चाहिए कि आठ फैक्टोरियल का मान हमारा कितना होता है एक फैक्टोरियल से लेकर आठ फैक्टोरियल तक जैसे आपको टेबल याद है आपको स्क्वायर याद है तो उसी तरीके से फैक्टोरियल के भी वैल्यू जो है वो यहाँ पर पूरे के पूरे टिप्स पर आपके रटे हुए होने चाहिए तो अगर हम बात करते हैं एक फैक्टोरियल तो एक फैक्टोरियल का मतलब कहाँ तक मल्टीप्लाई एक तक तो एक फैक्टोरियल का मान कितना होता है एक होता है दो फैक्टोरियल की बात करेंगे तो दो इंटू यानी कितना हो जाएगा तो दो हो जाएगा तीन फैक्टोरियल की बात करेंगे तो तीन इंटू दो इंटू एक हमारा हो जाएगा यानी कितना हो जाएगा छः हो जाएगा मतलब तीन से लेकर एम चार का मतलब कितना हो जाएगा चार इंटू तीन इंटू दो इंटू एक यहाँ पे या ऐसा कह लो सर कि यहाँ पर तीन फैक्टोरियल की जो भी वैल्यू है उसको चार से मल्टीप्लाई करो तो छः इंटू चार कितना हो जाएगा चौबीस हो जाएगा उसी तरीके से मेरे भाई चौबीस का पाँच गुना कितना हो जाएगा तो चौबीस का पाँच गुना एक सौ बीस हो जाएगा उसी तरीके से 120 का छह गुना हमारा कितना हो जाएगा तो 720 हो जाएगा 720 का सात गुना हमारा कितना हो जाएगा तो सात दोनों चौदह यहाँ पर पचास चालीस हो जाएगा तो सात फैक्टोरियल तक याद होना चाहिए कल के दिन अगर मैं आपसे पूछूँ पांच फैक्टोरियल कितना होता है एक सर छः फैक्टोरियल कितना होता है सात सौ सर याद रखना है आपको यहाँ पर पांच फैक्टोरियल 120, सौ फैक्टोरियल 720, सौ बीस ठीक है सात फैक्टोरियल पचास चालीस एकदम रट लो फिक्स कर लो याद कर लो मेरे भाई कि पाँच का मतलब एक सौ बीस हो गया छः का मतलब सात सौ बीस हो गया और सात का मतलब यहाँ पर पचास चालीस हो गया यहाँ तक आपको एकदम फिक्स है कि रटा हुआ होना चाहिए आठ छोड़ दो आठ कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पे ठीक है जैसे यहाँ पर इसको दो से गुना किए इतना आया दो को तीन से गुना किए छः आया छः को चार से गुना किए चौबीस आया चौबीस को पाँच से गुना किए एक सौ बीस आए एक सौ बीस को छः से गुना किए इतना है इसको सात से गुना किए तो पचास चालीस आए मेरे भाई ठीक है तो सात फैक्टोरियल तक वैल्यू आपको याद करना है फैक्टोरियल में कुछ कैलकुलेशंस आपको दिए जाएंगे जैसे को तीन से भाग करो तो हम किस तरीके से करेंगे तो यहाँ पर हमसे क्या कहा गया पांच फैक्टोरियल बटे तीन फैक्टोरियल तो पांच फैक्टोरियल बटे तीन फैक्टोरियल का मान हमारा क्या होगा तो पांच फैक्टोरियल का, तो का मतलब पांच इंटू चार इंटू तीन इंटू दो इंटू मेरे भाई एक हो जाएगा और तीन फैक्टोरियल का मतलब क्या हो जाएगा तीन इंटू दो इंटू एक हो जाएगा ये पूरा इस पूरे को खत्म करेगा तो आंसर हमारा कितना आएगा तो बोलेंगे सर कितना आएगा तो बीस आएगा यानी अगर इस फैक्टोरियल को इस फैक्टोरियल से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा बीस हो जाएगा यहाँ पे ठीक है उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो मेरे भाई नेक्स्ट हमारा हो जाएगा सेवन फैक्टोरियल अपॉन में कितना हो जाएगा तो सेवन फैक्टोरियल अपॉन में मेरे भाई फोर फैक्टोरियल सेवन फैक्टोरियल अपॉन में फोर फैक्टोरियल जो होगा वो हमारा कितना हो जाएगा तो सात इंटू छः इंटू पाँच इंटू चार इंटू तीन इंटू दो इंटू एक यहाँ पे और डिवाइड करेंगे हम किसके साथ यहाँ पर चार इंटू तीन इंटू दो इंटू एक इंटू यहाँ पे ये यह पूरा का पूरा इसे ख़त्म करेगा तो कितना हो जाएगा छः पचे तीस और तीस का सात गुना कितना हो जाएगा मेरे भाई दो सौ दस हो जाएगा कितना हो जाएगा यहाँ पर तो दो सौ दस हो जाएगा ठीक है इसके अलावा मेरे भाई जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है वो यहाँ पर क्या ध्यान रखना है तो वो यहाँ पर ये यह ध्यान रखना है कि जीरो फैक्टोरियल की जो वैल्यू होती है वो हमारी वन होती है जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है तो यहाँ पर वन होती है है तो नेक्स्ट यहाँ पर जल्दी से बता दीजिए तीन सवाल हैं आपके सामने एग्ज़ाम्पल नंबर वन एग्ज़ाम्पल नंबर टू एग्ज़ाम्पल नंबर थ्री तीनों एग्जाम्पल का आंसर बताइए जल्दी से कितना होगा आइए चलिए तो यहाँ पर इसके बारे में इसके बारे में इसके बारे में यहाँ पर जो है वो बोला गया तो बताओ जरा मतलब कितना हो गया एट इंटू सेवन इंटू सिक्स ठीक है और यहाँ पर आगे और भी जाएगा बट देखो यार हम लोग है ना थोड़े समझदार बनेंगे पता है क्या हम लोग हर बार ऐसा काम नहीं करेंगे आर्ट से लेकर मेरे भाई हम एक तक लेके नहीं जाएंगे ये महामूर्ख लोगों की निशानी होती है हम यहाँ पर ऐसे समझ लेंगे कि देखो एट इंटू सेवन इंटू सिक्स इंटू उसके बाद आके अपने आप को यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ रोक देंगे फाइव फैक्टोरियल का नाम देखे बोलोगे सर क्यों रोका फाइव फैक्टोरियल में इसीलिए क्योंकि नीचे हमारा क्या है तो फ़ाइव फैक्टोरियल है उसके बाद तीन फैक्टोरियल तीन फैक्टोरियल को आप तोड़ लो यहाँ पर थ्री इंटू टू इंटू वन करके तोड़ लो यहाँ ये यह हो जाएगा यहाँ पर इसको इसके साथ काट दो छः को हमारा इसके साथ काट दो आंसर हमारा कितना आ जाएगा तो सीधे वे में मेरे भाई छप्पन आ जाएगा हम कभी भी एकदम लास्ट तक नहीं जाते हैं हम एक पर्टिकुलर जगह पर जाकर अपने आप को रोक लेते हैं और वहीं रुकेंगे जहाँ तक डिनोमिनेटर में दिया होगा जैसे आप यहाँ पर देखिए ठीक है ये कहानी 10 से शुरू होगी तो 10 जाएगा फिर यहाँ 9 जाएगा और फिर यहाँ पर आठ जाएगा फिर यहाँ पर सात जाएगा और मेरे भाई उसके बाद हम छः से ले आगे तक नहीं बढ़ेंगे उसके बाद जहाँ पर भी रोकेंगे अगर छः पर रोकना चाहते हैं तो यहीं फैक्टोरियल लगा दो पाँच पर रुकना चाहते हैं तो पाँच पर फैक्टोरियल लगा दो चार पर रुकना चाहते हैं तो चार पर फैक्टोरियल लगा दो जहाँ पर भी रोकना चाहते हैं अपने आप को वहीं फैक्टोरियल लगा दीजिए हमने छः पर रोक दिया यहाँ पर नीचे हमारा कितना आ गया तो छः फैक्टोरियल और ये चार फैक्टोरियल तो मेरे भाई इसको कोई मतलब ही नहीं तो उसको पूरा प्रॉपर तरीके से तोड़ो चार इंटू तीन इंटू दो इंटू एक यहाँ पे ये पूरा का पूरा इससे खत्म हो जाएगा चार और दो तुम्हारा आठ से पूरा खत्म हो जाएगा तीन मेरे भाई तीन से ख़त्म हो जाएगा तो सात इंटू तीन इक्कीस इक्कीस यहाँ पर सात इंटू तीन इक्कीस इक्कीस का दस गुना कितना हो जाएगा तो दो सौ दस हो जाएगा तो थोड़ा सा पहले फैक्टोरियल का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है फैक्टोरियल के कैलकुलेस का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है और अगर ये मेरे भाई क्लियर रहेगा तभी आप बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे आइए चलिए एक और देखते हैं यहाँ पर सात फैक्टोरियल को हम इससे डिवाइड करना है तो कैसे करेंगे तो सात फैक्टोरियल का मतलब सात इंटू छः इंटू पाँच कहाँ कहाँ पर चार फैक्टोरियल और ये मेरे भाई से शुरू होगा तो बोलेंगे सर चार फैक्टोरियल ये है तीन फैक्टोरियल का मतलब हो गया थ्री इंटू टू इंटू वन सर ये पूरा ये पूरे से खत्म तीन और दो से हमारा छः खत्म सात बच्चे कितना हो जाएगा पैंतीस और ये हमारा करेक्ट आंसर तो आंसर हमारा कितना आएगा तो आंसर हमारा आएगा मेरे भाई पैंतीस ठीक है मैंने कहा ना एकदम बेसिक से शून्य लेवल से जीरो लेवल से हम आपको पढ़ाने वाले हैं जिन्हें मान लीजिए आता है वो टू एक्स के रफ्तार पे देख ले और जिन्हें नहीं आता तो बड़े आराम तरीके से मेरे भाई बातों को मेरे समझे जाने और सीखे ठीक है तो पहले हमने जाना फैक्टोरियल क्या होता है फिर हमने जाना फैक्टोरियल के कैल्कुलेशन को हम कैसे करते हैं और उसके बाद तब जाकर मेरे भाई जो है हम यहाँ पर अब आगे बढ़ेंगे और अब जानेंगे कि बेसिक ऑफ परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्या होता है जैसे सबसे पहले परम्यूटेशन के बारे में मैंने पढ़ा तो जहां पर भी शब्द में जहां पर भी क्वेश्चन में अरेंजमेंट जैसे शब्द का इस्तेमाल किया जाए सजाने का समाल सजाने का शब्द इस्तेमाल किया जाए तो वहां पर परम्यूटेशन आता है वहां पर मेरे भाई क्या आता है तो परम्यूटेशन आता है मेरे भाई ठीक है और परम्यूटेशन का फॉर्मूला हमारा क्या होता है तो इस बात को समझ लो काट दीजिए ठीक है तो परम्यूटेशन का फॉर्मूला जो होता है वो हमारा होता है एन पी आर यानी एन लोगों में आर लोगों की आवश्यकता है आप इंग्लिश में पढ़िए द नंबर ऑफ परम्यूटेशन या अरेंजमेंट ऑफ एन डिफरेंट थिंग आउट ऑफ विच आर थिंग आर टेकन एट अ टाइम वेयर द रेप इज नॉट अलाउड आप लोगों को हम परम्यूटेशन में बता देते हैं मेरे भाई तो परम्यूटेशन दो जगह पर अप्लाई होता है और यहाँ पर क्या होता है वो भी समझिए परम्यूटेशन का मतलब क्या हो गया सिलेक्शन परम्यूटेशन का मतलब सॉरी सिलेक्शन कह रहे हैं अरेंजमेंट तो परम्यूटेशन को मेरे भाई दो जगह पर अप्लाई करते हैं या दो तरीके से अप्लाई करते हैं एक हमारा होता है विदाउट रिपीटिशन ठीक है और एक हमारा मेरे भाई होता है यहाँ पर विथ रिपीटिशन विदाउट रिपीटिशन हो जाएगा और एक हमारा क्या हो जाएगा तो विथ रिपीटिशन बोलोगे सर ये क्या है हम आपको तरीके से समझा देते हैं कि ये क्या है और कैसे है ठीक है यहाँ पर ये यह, परम्यूटेशन में यहीं पर समझा देते हैं कि जो परम्यूटेशन होता है तो कुल मिलाकर मेरे भाई दो बातें होती हैं ठीक है अरेंजमेंट हम करते हैं तो दो तरीके से करते हैं एक यहां पर पढ़ते हैं विदाउट रिपीटिशन जहां पर हमें संख्याओं को रिपीट नहीं करना जो एक बार आ गया सो आ गया अब जीवन में, में मेरे भाई यहां पर रिपीटी, रिपीटी यहां पर, है ठीक और दूसरा हमारा होता है यहाँ पर विद रिपीट जहां पर रिपीटिशन जो है वो अलाउड है यहाँ पे ठीक है आप ऐसा भी कह सकते हैं सर यहाँ पर कि रिपीटन अलाउड नहीं है और यहाँ पर रिपीटिशन जो है वो अलाउड है यहाँ पे अब विदाउट रिपीटेशन में क्या होता है विदाउट रिपीशन का मतलब ऐसा हो गया कि जैसे मानो कोई शब्द मैंने गेट लिखा है तो आप यहाँ पर गेट में देखिए तो क्या कोई भी लेटर रिपीट हुआ है तो बोलोगे नहीं सर कोई भी लेटर रिपीट नहीं हुआ है लेकिन यदि मैं अपना नाम ही लिख देता हूँ मानो यहाँ पर आदित्य करके लिख देता हूँ तो आदित्य में यहाँ पर क्या हो गया तो ये दो लेटर जो हैं वो मेरे भाई क्या हो गए हैं तो रिपीट हो गए हैं तो इनको अरेंज करेंगे एक तरीके से तो इसका फॉर्मूला अलग होगा और इसको अरेंज करेंगे तो इसका फॉर्मूला अलग होगा है विदाउट रिपीटेशन का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए कि आपको गेट को सजा कर लिखना है तो गेट को सजा कर लिखना है तो आप ऐसे चार खंड बनाए हैं अब ये चार खंड मेरे भाई बनाए हैं तो यहाँ पर मान लीजिए कि पहले बक्से में आप यहाँ किसको रखेंगे तो यहाँ चारों के पास ऑफ़र है ऑफ़र लेटर है और चारों में से मेरे भाई कोई भी यहाँ पर आकर बैठ सकता है तो कोई भी यहाँ पर आ बैठ सकता है तो पहले वाले में बैठने की जो एक तरीके से अरेंजमेंट है वो चार लोग आकर बैठ सकते हैं जी भी बैठ सकता है ए भी बैठ सकता है टी भी बैठ सकता है ई भी तो यहाँ पर कितना हो जाएगा तो चार लोग आकर बैठ सकते हैं तो कितने मेरे भाई पॉसिबिलिटी है तो चार लोगों की है अब एक व्यक्ति यहां पर आकर बैठ गया एक व्यक्ति यहाँ पर आकर बैठ गया अब मेरे पास कितने लो, लोग बचे हुए हैं तीन लोग और मेरे पास सीट भी कितने हैं तो सीट हमारे तीन है अब कोई भी लेटर जैसे मानो मैं कोई भी लेटर यहाँ पर लाकर मैंने फिक्स कर दिया जी है ए है टी है ए है ई है कोई भी एक लाकर मैंने यहाँ फिक्स कर दिया क्या मुझे रिपीटेशन करना अलाउड है क्या जिसको मैं लेकर आ गया उसको मैं बगल में भर सकता हूँ नहीं भर सकता रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो अब इस कुर्सी पर बैठने की कितने लोगों की संभावना है इनमें से मानो जैसे जी कट हो गया अब कितने लोग बचे हैं तीन लोग तो यहाँ इन तीनों में से मेरे भाई आकर कोई भी यहाँ पर व्यक्ति बैठ सकता है यहाँ पर तीन लोगों की बैठने की संभावना है अब एक व्यक्ति यहाँ बैठ गया एक व्यक्ति मेरे भाई यहाँ बैठ गया अब इस कुर्सी पर बैठने की कितने लोगों की संभावना है तो बोलोगे इस कुर्सी पर बैठने की सर दो लोगों की संभावना है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा सर तो यहाँ दो हो जाएगा अब एक व्यक्ति यहाँ बैठ गया एक व्यक्ति यहाँ बैठ गया एक व्यक्ति यहाँ बैठ गया तो यहाँ पे एक 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 बैठ गया तो आखिरी वाला जाके कहाँ बैठेगा तो आखिरी वाले पे यानी इसके पास बेचारे के पास एक ही ऑप्शन है सिर्फ एक ही व्यक्ति यहाँ पर आके बैठ सकता है तो इस केस में यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा तो वो हमारा आंसर कितना आएगा तो बोलोगे फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन यानी इसका जो परमिटेशन होगा वो मेरे भाई कितना होगा तो ट्वेंटी फोर होगा यहाँ पे अब इसी चीज को हम फॉर्मूले के माध्यम से रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर कि यहाँ जैसे मानो कि चार लोग हैं तो उसको अरेंज करने के कितने तरीके हो गए चार लोग हैं चार लेटर हैं तो उसको अरेंज करने के कितने तरीके हो गए जब हमारे पास रिपीटिशन अलाउड नहीं है ठीक है दूसरा हमारा क्या हो गया विथ रिपीटिशन विथ रिपीटिशन का मतलब यहाँ पर यह हो गया कि जैसे वही गेट शब्द को मैं यहाँ अगर लिख रहा हूँ वहीं गेट शब्द को मैं यहाँ रहा हूँ और मैंने कहा कि यार है ना आप है ना कोई भी चार अंकों का एक तरीके से मान लो चार अंकों का या चार वर्ड्स का जो है यहाँ पर एक यहाँ पर जो है चार लेटर का एक वर्ड बनाओ उसका मतलब बने ना बने कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मतलब बने या ना बने कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है और आपके पास खुला ऑप्शन है आप रिपीटेशन कर सकते हो यानी अगर यहाँ जी लेकर आए हो तो जी 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 कर सकते हो ए ए ए कर सकते हो टी 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 कर सकते हो ई ई कर सकते हो कुछ भी कर सकते हो तो आप यहाँ क्या बोलोगे तो आप बोलोगे सर यहाँ पर जो है बैठने की संभावना कितनी है तो चार लोग यहाँ पर आके बैठ सकते हैं इन चारों में से कोई भी आकर यहाँ बैठ सकता है ठीक है दूसरे वाले कुर्सी पर बात करें तो दूसरे वाले में भी सर चारों में आकर कोई भी बैठ सकता है तो यहाँ पर भी कितना होगा चार फिर आपके मन में अगर नहीं सर एक व्यक्ति यहाँ बैठ तो गया है यानी तीन ही लोग तो बाकी हैं तो यहाँ तीन लिखिए ना भाई वो तीन हम तब लिखेंगे ना जब मुझे रिपीट करना अलाउड नहीं होगा जब आपने मुझे ये बात कह दिया कि नहीं रिपीट तुम कर सकते हो जिसको तुमने यहाँ बिठाया उसको भी तुम यहाँ बिठा सकते हो तो भाई मेरे पास तो खुला ऑप्शन है मेरा कोई क्रॉस हुआ ही नहीं यानी चारों के चारों यहाँ भी बैठ सकते हैं चारों के चारों यहाँ भी सकते हैं चारों के चारों यहां भी बैठ सकते हैं चारों के चारों यहां भी बैठ सकते हैं यानी का का पावर चार और चार का पावर और कितना होता है तो आठ का स्क्वायर चौंसठ चौसठ का स्क्वायर मेरे भाई कुल मिलाकर ये कितना हो जाएगा तो यहां पर आपका हो जाएगा चार का स्क्वायर सोलह इंटू सोलह दो सौ सो छप्पन मेरे भाई हो जाएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा तो दो सौ छप्पन हो जाएगा यानी जब रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो चौबीस आंसर है और जब रिपीटिशन अलाउड है तो आंसर हमारा कितना है तो चार सौ छप्पन है यहीं हमें प्रोबेबिलिटी में पढ़ना होता है यानी जो हम परम्यूटेशन भी लगाते हैं तो परम्यूटेशन के कितने फॉर्मूले निकल कर आने वाले हैं दो एक विद रिपीटेशन आने वाला है और एक विदाउट रिपीटेशन आपका आने वाला है विदाउट रिपोर्टेशन का अलग फार्मूला होगा इसका हमारा अलग क्योंकि जिंदगी भर हम ऐसे नहीं ना करेंगे कि चार बक्सा बनाएंगे चार इंटू तीन इंटू दो भाई कुछ तो यहाँ पर मैथमेटिशियंस ने कुछ तो दिमाग लगाया होगा क्योंकि देखो प्रोबेबिलिटी है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन ये एक ऐसा चैप्टर है जहां पर आपके कुछ पर्टिकुलर कोर्स हैं जहाँ पर्टिकुलर फॉर्मुले हैं और उन्हीं के आधार पर चलना है अब जैसे मानो नॉर्मल सा एक व्यक्ति ने पूछ दिया मुझसे कि किसी पार्टी में पचास लोग गए हैं हर व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाता है तो बताओ नंबर ऑफ़ हैंडशेक कितने थे अब यार ये एक ऐसा सवाल है जो लॉजिकल तो क्वेश्चन है यहाँ पे ठीक है तो यहाँ पर लॉजिकल है लेकिन हम डायरेक्ट नहीं बना सकते तो हमें वहाँ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का सहारा लेना पड़ता है तो जो हमारे मैथमेटिशियंस थे उन्होंने इसी को मेरे भाई एक बहुत शानदार तरीके से व्यक्त किया कुछ को परम्यूटेशन में डाल दिया जो अरेंजमेंट वाली चीज़ें थी जो सेलेक्शन वाली चीज़ें थी उसको कॉम्बिनेशन में डाल दिया और फॉर्मूले दे दिया हमें उनको समझना है सॉल्व करना है बस वाली बात है तो आइए चलिए यहाँ पर थोड़ा बढ़ते हैं कि परमिटेशन में हम जानते हैं विदाउट रिपीटेशन तो जैसे यहाँ पर द नंबर ऑफ पहली बात है यहाँ पर ये यह हमारा क्या हो गया तो मेरे भाई यहाँ पर वेयर रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड तो पहली बात हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं जब रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा तो जब रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा तो यदि मुझे n में से r चीज़ों को सेलेक्ट करना हो या r चीज़ों को अरेंज करना हो तो यहां पर हमारा फॉर्मूला क्या लगता है तो बोलेंगे सर एन पी आर लगता है अब ये एन पी आर का मतलब क्या होता है तो ऊपर में एन है तो एन फैक्टोरियल ठीक है और नीचे में आर है तो मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा एन माइनस आर फैक्टोरियल कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर तो एन माइनस आर फैक्टोरियल हो जाएगा ऊपर में एन है तो एन और नीचे में एन माइनस आर है तो आर जब रिपीटिशन अलाउड नहीं है मेरे भाई एग्जांपल के तौर पे हम आपको एक जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिखाएंगे अभी आगे चल के और बहुत सारे हम आपको क्वेश्चन इस पर शो करने वाले हैं कि पाँच लोग हैं उसमें से जैसे अभी पीछे वाला क्वेश्चन हम देखें एक बार यहीं पीछे वाले पर हम इसको फॉर्मूला लगाते हैं कि यहाँ पर कितने लेटर हैं तो चार लेटर हैं तो मेरे भाई यहाँ पर चार लेटर हैं तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे ठीक है जैसे मानो यहाँ पर कितने लेटर थे चार लेटर थे और चारों लेटर का इस्तेमाल करके मुझे बॉक्स बनाना था चारों लेटर का इस्तेमाल करके मुझे बॉक्स बनाना था यहाँ पे या मुझे सेंटें वर्ड्स बनाने थे जिनके मतलब निकले भी या नहीं निकले लेकिन रिपीटिशन अलाउड नहीं होता तो हम यहाँ पर किस तरीके से करते तो यहाँ पर अगर हम फार्मूला लगाते हैं तो फार्मूला में क्या बोलते हैं तो फोर पी फोर बोलते हैं मेरे भाई तो ऊपर में क्या बोलते हैं बोलते फोर फैक्टोरियल और नीचे में फ़ोर माइनस 4 यानी फैक्टोरियल और फोर फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है चार इंटू तीन इंटू दो इंटू एक यानी कितना हो जाएगा तो मेरे भाई ट्वेंटी फोर हो जाएगा तो या तो आप इस तरीके से करके मेरे भाई सॉल्व कर लेते या फिर पर्टिकुलर इस तरीके से करके सॉल्व करते तो आपका आंसर आ जाता कि सर चार लोगों में से चार लोगों का सिलेक्शन करना है चार लोगों में से चार लोगों को अरेंजमेंट करना है ऐसा नहीं है कि चार शब्द मेरे पास हैं और उसमें से मुझे तीन शब्दों का इस्तेमाल करके वर्ड्स बनाने हैं ऐसा नहीं है कि बोला गया कि तुम आपको चार लेटर दे रहे हैं इनमें से किसी भी तीन का इस्तेमाल करके तुम कितने वर्ड बना सकते हो तो उसके इसमें फोर पी आर होता किसी दो का इस्तेमाल करके बना सकते हो फोर पी टू होता मुझे चारों को लेकर बनाना था इसीलिए मैंने फोर पी फोर लिखा जिसका आंसर कितना आया चौबीस आया तो ये मेरा क्या हो गया कि यहाँ पर विदाउट रिपीटिशन अगर हम जाएंगे तो विदाउट जाएंगे तो फॉर्मूला लगाएंगे एनपीआर उसका मतलब एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इसके कई सारे धीरे धीरे केस बनते चले जाते हैं और हर केस को पढ़ना होता है जैसे उपरोक्त सूत्र उपरोक्त सूत्र का प्रयोग करते हुए यदि एन विभिन्न चीजों को व्यवस्थित करने के तरीकों की कुल संख्या एक समय को सभी को मिलाकर एन है तो उस केस में हमारा आंसर एन फैक्टोरियल ही होता है जो कि मैंने आपको भी बताया कि यदि पांच लोगों में से पांच को ही अरेंज करना हो छह में से छह को ही अरेंज करना हो चार में से चार को ही अरेंज करना हो जैसे ये पूरा का पूरा गेट है इसमें चार लेटर है और मुझे चारों को अरेंज करना है तो उस केस में मेरे भाई क्या होता है तो उस केस में एन फैक्टोर एन पी एन हो जाता है और एन पी एन को जब आप देखेंगे तो ऊपर में आएगा एन फैक्टोरियल और यहाँ एन माइनस एन यानी जीरो फैक्टोरियल और फैक्टोरियल की वैल्यू मेरे भाई कितनी होती है तो वन होती है यानी आंसर कितना हो जाएगा एन फैक्टोरियल हो जाएगा एग्जाम्पल के तौर पर यदि मैं आपसे यहाँ पर यह बोलूँ कि जैसे मानो मुझे यहां पर ठीक है कल के दिन यहां पर ऐसा हो जाएगा कि <coughs> मानो आप किसी को डेट पर लेकर जाते हो और मैंने आपको डेट शब्द दिया और मैंने कहा इस डेट शब्द का इस्तेमाल करके आप कितने अलग अलग वर्ड्स बना सकते हैं डी ए टी ई अल्फ़ाबेट को इस्तेमाल करके आप यहाँ पर कितने अलग अलग वर्ड्स बना सकते हैं चाहे उनके मतलब निकले या उनके मतलब ना निकले रिपिटेशन अलाउड नहीं है तो आप यहाँ क्या बोलोगे तो बोलोगे सर चारों में से चारों को चूज़ करना है चारों में से चारों को जब यूज़ करना है तो फोर होगा और जब एन होता है तो आंसर कितना होता है सर फोर फैक्टोरियल फोर फैक्टोरियल कितना है। और में जितने भी अल्फाबेट हैं उनका प्रयोग करके आपको जो है यहाँ अरेंज करके नए नए वर्ड्स बनाने हैं उनका मतलब निकले या ना निकले इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता फर्क बस इतना पड़ता है कि आपको वर्ड्स का निर्माण करना है और यहां पर भी रिपीटन अलाउड नहीं है तो रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो यह भी केस आपका क्या बन जाएगा तो बोलोगे सर फाइव पी फाइव बन जाएगा क्या बन जाएगा फाइव पी फाइव और जब ऊपर दोनों जगह सेम होता है तो आंसर सीधा जो भी आया है उसका यहाँ फैक्टोरियल और पाँच फैक्टोरियल हमने सिखा रखा है कितना होता है एक सौ बीस सीधे याद करके बैठो पाँच फैक्टोरियल कितना होता है एक सौ बीस होता है सर आ जाओ एक और एग्जाम्पल देते हैं मान लीजिए यहाँ पर कल के दिन हमने जो है एक शब्द कह दिया आपको और वो शब्द मेरे भाई यहाँ पर क्या कह दिया तो एक तरीके से छः लेटर का कोई भी आप कह लीजिए ये मान लीजिए यहाँ पर डी यू बी आई O, U, S. अब यहाँ पर नहीं इसमें शब्द जो है एक तरीके से ठीक है हम यहाँ पर कौन सा एग्जाम्पल लें तो मान लीजिए यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल एक लेते हैं यहाँ पर मान लीजिए एक नेम लिखा मैंने अमीशा करके एक नाम लिखा लेकिन यहाँ पर भी तो रिपीटेशन आ रहा है ठीक है अनमोल लिखते हैं चलो यहाँ पर ये यह ज्यादा सही रहेगा ठीक है और अनमोल में मैंने एक शब्द यहाँ पर ई अपने तरफ से डाल दिया कि अनमोल हो गया मेरे भाई यहाँ पर अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कितने शब्द इस्तेमाल किए गए हैं तो छः शब्द इस्तेमाल किए गए हैं और छः शब्द इस्तेमाल किए गए हैं तो मैंने यहाँ पर कहा कि इन छः अल्फ़ाबेट्स को इस्तेमाल करके आप ऐसे कई सारे वर्ड्स का निर्माण करिए जिनके मतलब निकले या ना निकले फ़र्क नहीं पड़ता मेरे भाई कितने तरह के हम यहाँ पर जो है वर्ड बना सकते हैं कितने तरह के वर्ड हम बना सकते हैं अरेंज कर सकते हैं आप यहाँ पर क्या बोलेंगे सर छः के छः इस्तेमाल कर रहे हैं हाँ जी तो यहाँ पर होगा सिक्स और सिक्स होगा तो मेरे भाई जो भी यहां दिया गया है उसका फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल का मेरे भाई यहां पर नाम कितना हो जाएगा तो यहां पर इसका छह गुना यानी कितना हो जाएगा तो सात सौ बीस हो जाएगा कितना हो जाएगा तो मेरे भाई सात सौ बीस हो जाएगा क्लियर है यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है कोई परेशानी की बात है अब जैसे मैंने आपको यहाँ पर पार्ट जो पढ़ाया वो कौन सा पार्ट पढ़ाया तो मेरे भाई हमने पढ़ाया विदाउट रिपीटेशन अब हम आपको पढ़ाएंगे विथ रिपीटेशन कि जहाँ आपको खुला छूट दे दिया जाए कि तुम रिपीट करो तुम्हें किसी ने नहीं रोका तुम रिपीट करो मेरे भाई यहाँ पर शब्दों को जितनी बार रिपीट कर सकते हो उतनी बार रिपीट करो तो उस केस में क्या होगा इसीलिए हेडिंग है परमिटेशन फॉर्मूला विथ रिपीटेशन ठीक है कि वेन आर थिंग फ्रॉम एन थिंग हैव टू बी अरेंज विथ रिपीटेशन देन नंबर ऑफ परमिटेशन इज़ एन का पावर आर दिस इज़ बिकॉज ईच ऑफ द आर थिंग कैन बी सेलेक्टेड इन एन डिफरेंट वे आसान भाषा में अगर हम बात करें तो भाई इतना समझ लेना कि जब तुम रिपीटेशन करोगे ना तो रिपीटेशन करते वक्त जो सिंपल आंसर आएगा वो यहाँ पर एन का पावर आएगा बस वो यहाँ पर क्या आएगा तो एन का पावर आएगा बस ठीक है बोलोगे एन का पावर आर नहीं समझे जैसे तुम्हें वापस इस एग्जाम्पल पे लेके चलते हैं और इस गेट वाले एग्जाम्पल पे लेके चलते हैं आपके पास कितने लेटर थे चार लेटर थे और इन चार अल्फ़ाबेट्स को इस्तेमाल करके आपको वर्ड्स बनाने थे चाहे उनके मतलब निकले या ना निकले फ़र्क नहीं पड़ता लेकिन आपको रिपीट करना अलाउड था तो रिपीट करना अलाउड था तो आप यहाँ क्या बोलोगे तो बोलोगे सर यहाँ पर n का पावर r, यानी मेरे पास कितने लेटर थे तो चार और सेलेक्ट कितनों को करना था तो चारों को तो चार का पावर चार इसीलिए आंसर कितना आया था तो दो आया था डायरेक्ट हम कह सकते हैं कितना आया था मेरे भाई तो दो आया था हम डायरेक्ट कह सकते हैं जैसे मैं यहाँ पर एक और आपको एग्जाम्पल देता हूँ मैंने

कितने सारे वर्ड्स बना सकते हैं जहां पर आपको रिपीटिशन करना अलाउड है चारों के चारों अल्फ़ाबेट को यूज़ करना है तो आप यहां पर क्या बोलोगे तो बोलोगे सर फोर का पावर फोर चार का पावर चार मेरे भाई कितना होता है तो दो सौ छप्पन होता है मैंने कहा ये पांच अल्फ़ाबेट को इस्तेमाल करके आपको काफ़ी सारे वर्ड्स बनाने हैं और काफ़ी सारे वर्ड्स बनाने हैं तो उनमें कंडीशंस मैंने ये रखी रिपीटिशन अलाउड है तुम कर लो भाई रिपीट तुम्हें जितना भी करना है कोई परेशानी की बात नहीं है चाहे वर्ड का सेंस निकले ना निकले फर्क नहीं पड़ता रिपिटिशन अलाउड है कितने लेटर है पांच और उसमें कितनों को लेना है तो पांचों को लेना है तो पांच का पावर पांच जो होगा वो हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर हो ठीक है उसी तरीके से यहाँ पर मान लीजिए मंजीत शब्द है मुझे कितने लेटर लेने हैं तो सारे के सारे छः तो यहाँ पर कितने लेटर हैं तो छ हैं और इसमें से लेना कितना है तो छ लेना है यानी ये छः का पावर छ होगा करेक्ट आंसर अगर इन छ में से मुझे चार लेना होता तो छः का पावर चार होता है में से तीन लेना होता तो छः का पावर तीन होता उस तरीके से करके तो यानी विथ रिपीटिशन में क्या होता है एन विदाउट रिपीटिशन में क्या होता है एन पी आर और विथ रिपीटिशन में क्या होता है एन का पावर आर होता है मेरे भाई ठीक है तो यहीं पर विथ रिपीटेशन में देखो कुछ इंपॉर्टेंट रिज़ल्ट होते हैं परम्यूटेशन के और ये हमारा रिजल्ट नंबर वन है ये हमारा रिजल्ट नंबर दो है और ये हमारा रिजल्ट नंबर तीन है हर किसी को हमने पॉइंट वाइज बताया है कभी कभी आपके सामने ऐसा केस आ जाएगा कि जितने लेटर हैं उतने पूरे के पूरे लेने हैं यानी चार में से पूरे के पूरे चार लेने हैं एन पी एन लेना है तो उस केस में सॉल्व करोगे तो क्या आएगा एन फैक्टोरियल जो कि मैंने आपको बताया कि अगर यहाँ पर फोर पी फोर लोगे तो आंसर फोर फैक्टोरियल फाइव पी फाइव लोग आंसर फाइव फैक्टोरियल सिक्स पी सिक्स लोग आंसर सिक्स फैक्टोरियल पांच में से पूरे के पूरे पांच लेने हैं तो कितना आंसर आएगा उतना ही दूसरा मेरे भाई यहां पर यदि एन में से जीरो लोगों को लेना है

यहाँ पर तो सौ लोगों में से सिर्फ एक व्यक्ति चाहिए दो सौ लोगों में से सिर्फ एक व्यक्ति चाहिए तो उस केस में हमारा आंसर क्या होता है तो उस केस में हमारा आंसर होगा एन फैक्टोरियल और यहाँ पर होगा मेरे भाई एन एन माइनस वन फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल को जब हम तोड़ेंगे जैसे मानो मैं ये वाला एग्जाम्पल थोड़ा सा आपको समझाता हूँ कि ये वाला एग्जाम्पल कुछ ऐसा हो जाएगा कि पाँच लोगों में से मात्र एक ही चाहिए या पाँच अल्फाबेट हैं और मुझे मेरे भाई एक ही अल्फाबेट को लेकर अरेंज करना है अल्फाबेट अल्फ़ाबेटे और सिर्फ एक ही अल्फ़ाबेट को लेकर जैसे मैं आपको ये तीसरा वाला केस समझाता हूँ एन पी वन का कि मैंने यहाँ पर क्या कहा तो मैंने यहाँ पर कहा कि यार गेट शब्द है और ये गेट शब्द के अंदर कितने अल्फ़ाबेट हैं चार अल्फ़ाबेट हैं बट आपको कोई एक अल्फ़ाबेट को इस्तेमाल करके सिर्फ किसी एक अल्फ़ाबेट को इस्तेमाल करके उसको फिक्स रख लो जैसे भी कर लो उसको इस्तेमाल करके मेरे भाई आपको कई सारे वर्ड्स बनाने हैं तो आप कैसे करोगे तो यहाँ पर बोलोगे सर फोर पी वन हो जाएगा और यहाँ पर ऊपर में क्या हो जाएगा तो सर फोर फैक्टोरियल और नीचे में फ़ोर माइनस वन यानी तीन फैक्टोरियल ठीक है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा चार इंटू तीन फैक्टोरियल याद है ना भी सिखाया था चार इंटू कितना हो जाएगा तीन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई यहाँ पर तीन फैक्टोरियल इसे काट देंगे तो आंसर कितना आएगा चार आएगा तो यानी एन पी ए, एन पी वन वाला केस कितना होता है तो मेरे भाई एन के बराबर हालांकि कोई दिक्कत की बात नहीं है अलग अलग एग्जाम्पल के समय में आप उसको पर्टिकुलरली यूज़ कर पाएंगे ठीक है कोई दिक्कत की बात कोई परेशानी की बात नहीं अब आपने कहा कि सर बहुत सारी बातें हमने जानी अभी कृपया करके थोड़ा सा यहाँ पर जो है कुछ एग्जाम्पल दे दीजिए कुछ क्वेश्चन दे दीजिए तो मेरे भाई यहाँ से आपके क्वेश्चन आने शुरू हैं आप पहले यहाँ पर जो है कुछ क्वेश्चन को लगाओ उसके बाद जब रिपीट होगा जहाँ रिपीट होगा जैसे भी होगा हम पूरा आपको समझा देंगे वो पूरा मेरे ऊपर छोड़ दीजिए तो सबसे पहला सवाल आप यहाँ देखिए ठीक है वो यहाँ पर समझिए क्या है आइए चलिए तो यहां पर कहा गया इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड क्वांट बी अरेंज रिपिटेशन इज नॉट अलाउड देखो क्वेश्चन में पहले ही कह दिया जाएगा कि आपको रिपीटेशन करना है कि नहीं करना है अगर रिपीटेशन नहीं करना है तो एन पी आर और रिपीटेशन करना है तो एन का पावर मेरे भाई आर रहा यहाँ पे जिससे क्वांट शब्द के अक्षरों को कितने तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है दोहराव की अनुमति नहीं है तो आप मुझे यहाँ पर बताइए कि सबसे पहले ये क्वांट शब्द है यहाँ पे क्या है मेरे भाई यहाँ पर क्वांट शब्द है तो क्वांट शब्द में हो गया एक दो तीन

समझ रहे हैं छः फैक्टोरियल का मतलब एक सात सौ बीस और सात फैक्टोरियल का मतलब पचास चालीस मेरे भाई आ जाओ चलो दूसरा सवाल यहाँ देखें यहाँ पर दूसरा सवाल हमारा क्या है इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर ऑफ वर्ड आदित्य बी अरेंज इस आदित्य शब्द को इस्तेमाल करके आप ऐसे कितने सारे शब्द बना सकते हैं आप ऐसे कितने सारे मेरे भाई शब्द यहाँ पर बना सकते हैं आप मुझे वो बताइए चाहे उसका मतलब निकले या ना निकले अब आप लोग यहाँ पर आंसर क्या देंगे तो बोलेंगे सर एक दो तीन चार पाँच छः तो यहाँ पर भी सर हो जाएगा छः फैक्टोरियल और छः फैक्टोरियल का मतलब होता है वो तो गया सात सौ बीस और आपने यहाँ पर सात सौ बीस आंसर दिया और आप आगे बढ़ गए बस मेरे भाई यही वो चीज़ थी जहाँ पर आप गच्चा खा गए कभी भी इस बात को ध्यान रखना है यहाँ पे कि मैं जब बताता हूँ तो आपको पूरे प्रॉपर वे में समझाऊंगा सारी बातें हम आपको बताएंगे पहले आपका गलती भी करवाएंगे उसके बाद हम सुधरवाएंगे भी वहाँ पे ठीक है तो आप यहाँ पर समझिए इस बात को लेकर यहाँ पे तो मेरे भाई यहाँ पर क्या है तो जैसे मुझे आदित्य शब्द इस्तेमाल करके मुझे बनाने हैं और मुझे इनको अरेंज करना है लेकिन उसमें अरेंज करते वक्त आपने एक बात देखा आप यहाँ पर गौर से देखिए तो ए शब्द कितनी बार रिपीट हुआ है मेरे भाई तो दो बार रिपीट हुआ है तो अगर यहाँ पर दो बार रिपीट हुआ है तो इसका आंसर जब हम देंगे तो हम कैसे देंगे देखो यहाँ पे तो बोलोगे सर ए डी आई टी वाई ए ए डी आई टी वाई ए तो यहाँ पर जब आप इसका आंसर देंगे सर तो आपका आंसर कितना हो जाएगा तो आप प्रॉपर वे में बोलेंगे सर तीन और तीन छः कितने अल्फाबेट है सर छः तो ऊपर में कितना रखिए तो छ रखिए और यहाँ पर जो नीचे रिपीट हुआ है आप यहाँ पर उसको जितनी बार रिपीट हुआ है जैसे मान लीजिए एक और एक दो बार तो इसको आप दो फैक्टोरियल से सर भाग करिए इसको किससे भाग करिए सर दो फैक्टोरियल से भाग करिए यहाँ पर तब आपका बात संभव हो पाएगा तो छः फैक्टोरियल का मान हमारा कितना होता है सात होता है और दो फैक्टोरियल का मान हमारा होता जो होगा वो हमारा बी आंसर होगा। जैसे मैं आपको इसके ऊपर थोड़ी सी और क्लैरिटी देता हूं तब आपको समझ में आएगा कुछ एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं लीजिए अपने तरफ से कोई भी एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पर डबल ए हो गया यहाँ पर एक तरीके से ट्रिपल बी हो गया मैंने कहा एक तरीके से अल्फाबेट को इस्तेमाल करके आपको अलग अलग वर्ड्स बनाने हैं तो बताइए यहां पर कितने तरीके के अरेंजमेंट आप कर पाएंगे हाउ मेनी डिफरेंट वे कैन द लेटर ऑफ वर्ड दिस बी अरेंज कितने तरीके से आप इसको अरेंज कर सकते हैं एक और एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं यहाँ पे और वो दे रहे हैं ए एक बार है बी हमारा दो बार है सी हमारा तीन बार है बताओ यहाँ पर कैसे कर पाओगे एक और एग्जाम्पल हम आपको दिए ए एक बार बी एक बार सी एक बार है, लेकिन मेरे भाई डी जो है वो चार बार है अब बताओ क्या होगा कुल मिलाकर हमने आपको तीन एग्जाम्पल दिए तीनों के ऊपर आपको बताना है कि सर कैसे होगा आप यहाँ बोलेंगे सर सबसे पहले यहाँ देखो तो एक दो तीन चार पाँच कितने अल्फाबेट हैं तो पाँच अल्फाबेट हैं उसमें मेरे भाई रिपीटेशन तो ए और ए दो बार रिपीट हुआ है तो दो फैक्टोरियल और साथ में यहाँ पर यह तीन बार रिपीट हुआ है तो मेरे भाई तीन फैक्टोरियल ये बाकायदा हमें ऐसे लिखना होगा जो जितनी बार रिपीट होता है उसको उतने से ही डिवाइड करते हैं दो बार रिपीट हुआ तो दो, दो फैक्टोरियल से करो तीन बार रिपीट हुआ तो तीन फैक्टोरियल से करो तो मेरे भाई पाँच फैक्टोरियल का आंसर कितना होता है 120 होता है दो फैक्टोरियल का कितना मतलब होता है दो होता है तीन फैक्टोरियल का मतलब तीन इंटू हमारा कितना होता है छः होता है बारह से जब हम इसे काटेंगे तो कितना हो पाएगा दस आंसर आएगा यानी पहले वाले का आंसर कितना होगा मेरे भाई तो दस होगा पहले वाले का आंसर कितना होगा मेरे भाई यहां पर तो दस होगा क्लियर है ये बात आ जाओ चलो दूसरे वाले केस में चलते हैं दूसरा वाला केस हम यहां समझते हैं दूसरे वाले केस में हमसे क्या बोला है ए हो गया डबल बी हो गया यहाँ पर देखो तो अल्फ़ाबेट की गिनती करो तीन और तीन कितने हो गए छः फैक्टोरियल तो ऊपर में हम कितना रखेंगे तो छः रखेंगे ए हमारा एक बार आया है तो जो चीज़ हमारी रिपीट नहीं हुई है हम उसे नहीं लिखेंगे बी हमारा कितनी बार रिपीट हुआ है तो दो बार तो यहाँ दो फैक्टोरियल से डिवाइड सी हमारा तीन बार रिपीट हुआ है तो यहाँ पर तीन बार डिवाइड जो चीज़ रिपीट होती है तो उसको उस तरीके से लिखो यहाँ पे छः फैक्टोरियल का आंसर सीधा कितना होता है तो 720 होता है यहाँ पर आप दो फैक्टोरियल का दो लिखोगे और तीन फैक्टोरियल का मतलब तीन इंटू दो हमारा छः होता है ये बारह है और बारह से अगर हम काटेंगे तो कुल मिला के छः बार में यानी आंसर हमारा कितना आ जाएगा तो साठ आ जाएगा तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर मेरे भाई कितना होगा तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हमारा कितना आएगा तो साठ आएगा यानी अगर हम ए डबल बी और ट्रिपल सी वाले शब्द को इस्तेमाल करके कई सारे हम शब्द बनाना चाहते हैं जहाँ पर मेरे भाई जो है अरेंजमेंट हम करना चाहते हैं एक तरीके से ठीक है तो हमारी कितनी संभावनाएँ कितने तरीके से अरेंज कर पाएंगे तो साठ अलग अलग तरीक़ों से अरेंज कर पाएंगे क्लियर है आ जाइए लास्ट वाले केस में हम चलते हैं और लास्ट वाला केस हम यहाँ देखते हैं तो लास्ट वाले केस में अगर हम बात करेंगे तो देखो अल्फ़ाबेट हमारे कितने हैं सात ऊपर तो में कितना लिखेंगे तारगता 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 था। तारगता था। जाता है। समझ गए आगे बात यहाँ पे अब उसमें से देखो तो यहाँ पर ना ए रिपीट है ना बी रिपीट है ना सी रिपीट है ये चार बार आया है तो क्या करोगे मेरे भाई तो चार फैक्टोरियल इसको लिखने का तरीका सात इंटू छ इंटू पांच इंटू यहाँ पर चार पे रोक दो और फैक्टोरियल लगा दो और नीचे में चार फैक्टोरियल है इसको इससे काट दो छः का पांच गुना तीस तीस का सात गुना मेरे भाई कितना हो जाएगा दो सौ दस तो करेक्ट आंसर कितना होगा दो सौ दस जो होगा मेरे भाई यहाँ पर वो हमारा करेक्ट आंसर होगा तो धीरे धीरे करके जहन में आप लोगों के हम परम्यूटेशन पहले डाल रहे हैं फिर परम्यूटेशन डालने के बाद हम कॉम्बिनेशन डालेंगे और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जब थोड़ा थोड़ा परफेक्ट हो जाएगा जब उनके बीच के डिफरेंसेस आपके क्लियर हो जाएंगे तो हम प्रोबेबिलिटी पर लेकर आपको आएंगे

के आई एन जी क्या मेरे भाई कहीं पर कोई शब्द आपको अरेंजमेंट करते दिख रहा है क्या कोई रिपीट होते दिख रहा है बताओ बोलोगे सर इतना आसान देखो एक दो तीन चार पाँच छः सात तो कितना हो जाएगा ऊपर में तो सात फैक्टोरियल और शब्द कोई रिपीट हुआ है सर बोलोगे हाँ सर देखिए ना यहाँ का एन हो गया है और यहाँ का एन हो गया यानी एन दो बार रिपीट हुआ है। तो क्या लिखेंगे दो फैक्टोरियल सात फैक्टोरियल का आंसर अटवाए थे बताना छः फैक्टोरियल का आंसर कितना होता है सात सौ बीस और सात फैक्टोरियल का आंसर होता है पचास चालीस याद करना मेरे भाई और पचास चालीस को किससे भाग करना है दो से तो दो से मेरे भाई भाग करोगे तो कितना आंसर आएगा पच्चीस सौ बीस आएगा और करेक्ट आंसर कितना तो होगा तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना होगा जब तक फैक्टोरियल्स के संख्या याद नहीं होंगी सात फैक्टोरियल तक अगर तुम्हें वैल्यू याद नहीं होगा तो बहुत कष्ट होने वाला है भाई फिर बच्चों की तरह करते रहना बैठ के पेपर में बगल वाला चार सवाल तुमसे आगे हो जाएगा और तुम यहाँ पर जो है खेलते रहना सात फैक्टोरियल छह फैक्टोरियल इस तरीके से करके ठीक है चलिए यहाँ पर आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अगला सवाल यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर दस क्या बोला गया इन हाउ मेनी डिफरेंट वे कैन द लेटर ऑफ वर्ड डिजाइन बी अरेंज सो दैट वो वेल आर एट द टू एंड अब यहाँ देखो भैया नोटंकी स्टार्ट हो जाता है यहाँ पर कुछ इस तरीके से थोड़ा सा लिखा जा सकता है कि स्वर दोनों छोर पर हो ठीक है मेरे भाई जो स्वर हो यहाँ पर दोनों छोर पर हो तो उसके पहले मैं अपने तरफ से आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा अपने तरफ से यहाँ पर एग्जाम्पल क्या देना चाहूंगा जैसे मानो मैंने यहां पर आदित्य शब्द ही लिखा और मैं कह रहा हूं यहाँ पर कि ये आदित्य शब्द को या आदित्य जो है वो थोड़ा सा दोनों के अल्फाबेट सेम ही हो जाएंगे ना हम यहाँ पर कोई और शब्द ले बताओ हम यहाँ पर कोई और शब्द ले लेते हैं और कोई ऐसा शब्द लेते हैं जिसके अंदर में दो अल्फाबेट आते हैं मान लीजिए यहाँ पर ए से कौन सा शब्द ले लें अनमोल ले लेते हैं मेरे भाई यहाँ पर अनमोल शब्द ले लेते हैं Osionfish. अब अगर अनमोल में देखोगे okay, यहाँ पर तो देखो आपको भी पता है कि जितने भी अल्फाबेट होते हैं तो अल्फाबेट के दो टुकड़ी होती है एक हमारा अल्फाबेट में मेरे भाई क्या आता है तो एक हमारा वॉवेल आता है यहाँ पर स्वर आता है और एक व्यंजन ये वॉवेल हो गया और एक हमारा कॉन्सोनेंट हो गया मेरे भाई यहाँ पर ठीक है क्या हो गया तो कॉन्सोनेंट हो गया वॉवेल हमारे कितने होते हैं तो पाँच हमारे वॉवेल होते हैं जो हम पढ़ते हैं ए हो गया ई हो गया आई हो गया ओ हो गया यू हो गया ये पांच होते हैं और बाकी के सारे के सारे हमारे क्या होते हैं तो कॉन्सोनेंट होते हैं बाकी के सारे के सारे हमारे क्या होते हैं तो कॉन्सोनेंट होते हैं अब जैसे मैंने कहा कि ये अनमोल शब्द जो है इसको तुम यहाँ पर क्या करो अरेंज करो बट मैंने कंडीशन लगा दी और मैंने कंडीशन वहां पर क्या लगाई कि भैया जो है वो शुरू भी होना चाहिए एक वॉवल से और ख़त्म भी होना चाहिए एक वॉवल पर अब आप यहाँ पर देखो तो कुल मिलाकर मेरे भाई पाँच बक्से हैं कुल मिलाकर मेरे भाई क्या है तो पाँच बक्से हैं मैंने कहा कि शुरू भी होना चाहिए वॉवल से और खत्म भी होना चाहिए किस पे तो खत्म भी होना चाहिए भाई वॉवल पे कुल मिलाकर यह कहानी कर दी कि शुरू भी होना चाहिए वॉवल पे और खत्म भी होना चाहिए वॉवल पे अब इसमें अगर आप देखोगे तो कितने वॉवल हैं तो एक वॉवल यहां पर यह है और एक वॉवल यहां पर यह है तो मेरे भाई कहानी क्या हो सकती है हम आपको बताते हैं तो कहानी यहां पर यह हो सकती है कि या तो वो ए से शुरू होगा और मेरे भाई ओ पर खत्म होगा या दूसरा कंडीशन भी हो सकता है कि वो हमारा ओ से शुरू होगा और हमारा ए पर खत्म होगा तो ये ऐसे समझ लो कि ताला मार दिया यहाँ एक के अलावा कोई और नहीं बैठ सकता है, एक को बिठा के इसे लॉक कर दिया वो अंदर इसे बिठा के लॉक कर दिया ये लॉक हो गए मेरे भाई उसी तरीके से यहाँ पर ओ को बिठा के इसे लॉक कर दिया और एक को बिठा कर इसे लॉक कर दिया अब समझना इनके ऊपर तो ताला लग चुका है जेल की कुंडी लग चुकी है ये अंदर में बंद है मेरे भाई बाकी यहाँ पर चार आ, तीन बक्से खाली हैं और यहाँ पर तीन बक्से खाली हैं तो ये एकदम खुले मन से घूम रहे होंगे कौन कौन तो एन हो गया एम हो गया और एल हो गया यहाँ पर एन भी आ सकता है एम भी आ सकता है एल भी आ सकता है यहाँ एन भी आ सकता है एम भी आ सकता है एल भी आ सकता है यहाँ एन भी आ सकता है एम भी आ सकता है एल भी आ सकता है तो यहाँ पर अगर तीन बक्से हैं तो कितना आंसर हो जाएगा तो इसके लिए मात्र एक फैक्टोरियल ठीक है इसके लिए मात्र एक फैक्टोरियल और इसके लिए मेरे भाई कितना हो जाएगा तो तीन फैक्टोरियल तो आंसर हमारा क्या होगा तो वन फैक्टोरियल इंटू तीन फैक्टोरियल और इंटू कितना हो जाएगा मेरे भाई वन फैक्टोरियल यानी कुल मिलाकर कितना हो जाएगा तो बोलोगे सर यहाँ पर एक फैक्टोरियल का मतलब एक तीन फैक्टोरियल का मतलब छः और यहाँ पर हो जाएगा वन तो कुल मिलाकर सर आंसर कितना हो जाएगा छः अगर मेरे भाई छः यहाँ पर होगा तो यहाँ पर भी कितना होगा तो यहाँ पर भी सर छः ही होगा यहाँ पर भी कितना होगा सर तो छः ही होगा इस बात को समझिए उसी तरीके से यहाँ पर भी ये लॉक है तो इसकी वन फैक्टोरियल ये भी हमारा लॉक है तो वन फैक्टोरियल अब यहाँ तीन बक्से हैं और लेटर भी मेरे पास एन एम और एल नाम का है यानी तीन लेटर है तो मैं किस तरीके से अरेंज कर पाऊंगा तो मैं यहाँ पर अरेंज कर पाऊंगा तीन फैक्टोरियल के हिसाब से वन फैक्टोरियल की वैल्यू वन होती है तीन फैक्टोरियल की वैल्यू छः होती है और यहाँ पर इसकी वैल्यू वन होती है तो ये भी कितना आएगा छः तो कुल मिलाकर जो फाइनल आंसर आएगा वो फ़ाइनल आंसर मेरे भाई यहाँ पर कितना आएगा तो बोलोगे सर फाइनल आंसर निकालने के लिए आपको यहाँ दोनों को क्या कर देना होगा तो जोड़ देना होगा फाइनल आंसर निकालने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना होगा सर तो फाइनल आंसर निकालने के लिए आपको यहाँ पर जोड़ देना होगा सिक्स प्लस सिक्स करके यहाँ पर कितना तो बारह आंसर आ जाएगा खेल खत्म सर ठीक है तो जैसे मानो मैं चाह रहा हूं कि इन पांच अल्फाबेट्स को इस्तेमाल करके एक वर्ड बनाऊँ जो शुरू भी हमारा वॉवेल से हो खत्म भी हमारा वोवेल पे हो तो शुरू ए से हो सकता है खत्म ओ पे हो सकता है या शुरू ऊ पर हो सकता है खत्म हमारा ए पर हो सकता है दो पॉसिबिलिटी किस पॉसिबिलिटी के अंदर में ये लॉक हो गया और ये लॉक हो गया तीन खंड बचे हैं तीन अल्फाबेट बचा है तो यहां पर तीन फैक्टोरियल तीन पी तीन तीन पी तीन का मतलब तीन फैक्टोरियल चार पी चार का मतलब चार फैक्टोरियल पांच पी पांच का मतलब पांच फैक्टोरियल तो यहाँ पर तीन फैक्टोरियल तीन फैक्टोरियल का मतलब छह संभावना तीन फैक्टोरियल का मतलब छह संभावना छह जमा छह कितना हो जाएगा बारह हो जाएगा थोड़ा इसको मैं आसान करूंगा टेंशन मत लो यहाँ पे जैसे मानो यहां कहा गया कि शब्द डिजाइन है और डिजाइन के अक्षरों को अलग अलग किस तरीके लिखा जा सकता है कि स्वर जो है वो हमारे दोनों छोर पे हो वोवेल जो है वो हमारे दोनों जो है छोर पर हो तो इसमें वोवेल कौन है तो ई है और कौन है तो आई है तो मेरे भाई एक संभावना ऐसे बन सकती है एक फिर उसके बाद दो तीन चार ठीक है यहाँ कितने तीन तीन छः हो गए ना तो एक हो गया मेरे भाई देखते चलो यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच और फिर मेरे भाई आखिरी वाला कितना हो जाएगा तो छः ठीक है या फिर दूसरा कंडीशन मेरे भाई यहाँ पर क्या हो सकता है तो एक और हो सकता है एक दो तीन चार पाँच और यहाँ पर छः बोला गया कि वोवेल हमारे दोनों छः रुपये हैं तो एक में मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा तो एक में जैसे मानो ई से स्टार्ट होगा और यहाँ ख़त्म कहाँ होगा तो आई पे या फिर दूसरे वाले में वो आई से स्टार्ट हो सकता है और ख़त्म हो सकता है ई पे तो इनकी पोजीशन लॉक हो गई तो ये अलग अलग तरीके से अरेंज नहीं हो सकते हैं तो जो अरेंज हो ही नहीं सकता है उसके लिए वन फैक्टोरियल आता है जो अरेंज नहीं हो सकता जिसके पास जीरो अरेंजमेंट है और जिसके पास जीरो अरेंजमेंट है तो उसके लिए क्या होता है तो वन होता है ये देखो एन में से जीरो संभावना तो एन में से ज़ीरो संभावना का मतलब क्या आंसर आता है तो वन आता है एन में से ज़ीरो संभावना का मतलब आंसर क्या आता है तो वन आता है तो इसीलिए ये अरेंज हो ही नहीं सकता तो ये अरेंज हो ही नहीं सकता तो मतलब यहाँ पर वन फैक्टोरियल क्या

आएगा तो नीचे भी कितना आएगा तो बोलोगे सर नीचे भी आएगा चौबीस तो कुल मिलाकर जो आंसर होगा वो हमारा क्या होगा तो चौबीस प्लस चौबीस यानी कितना हो जाएगा अड़तालीस ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ग्यारह देखो क्या बोला गया है इन हाउ मेनी डिफरेंट वे कैन द लेटर ऑफ वोट रेक्टीट्यूड सो दैट द वोवेल कम टूगेदर अब भैया वोवेल साथ में आने चाहिए ये एक अलग यहां पर कहानी है कि वोवेल को मुझे साथ में लेके आना है वो जहां पर भी रहे साथ में लेके आना उनको नाराज नहीं करना है वो नाराज हो गए तो सब कोई रुट जाएगा सब बुरा मान जाएंगे जैसे होता है ना यहाँ पे कि लड़कियों कुछ ग्रुप रहता है उसमें से एक किसी का बॉयफ्रेंड आ गया और वो यहां पर तीनों लड़कियों के साथ जा रहा है तो वो बेचारा अलग हो जाए कोई दिक्कत की बात नहीं लेकिन वो बेचारी तीन जो है वो अलग नहीं रहनी चाहिए अगर उसका बॉयफ्रेंड किसी उसके एक दोस्त से भी बात कर रहा है तो भैया उसकी गर्लफ्रेंड को इतनी जलन होगी कि भाई साहब पूछो ही मत और जलन क्या हो तो सी जाएगी तो तुम अलग रहो ये मंजूर है हम तीनों अलग नहीं होंगे ये बात ध्यान रखना ठीक है समझ रहे हो बात को लेकर यहाँ पे तो उसी तरीके से कहा गया कि शब्द रेक्टिट्यूड के अक्षरों को कितने प्रकार से पुनर्व्यवस्थित किया जा सके कि सभी के सभी स्वर जो हैं वो हमारे एक साथ हैं इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर ऑफ वर्ड रेक्टिट्यूड बी अरेंज सो दैट द वॉवेल कम टूगेदर सारे वॉवेल तो वॉवेल है कहाँ पर एक वॉवेल ये है उसके बाद एक वॉवेल ये है एक वॉवेल ये है एक वॉवेल मेरे भाई यहाँ पर ये है तो ये सारे के सारे वॉबल हमारे कितने रहें तो एक साथ रहें यहाँ पे चलिए तो बहुत अच्छी बात है तो मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि पहले एक बार है ना जैसे मानो रेक्टिट्यूट मैं लिख रहा हूँ कहीं पे मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ तो रेक्टिट्यूट यहाँ पे लिख रहा हूँ फिर उसके बाद मैं आपको बढ़िया तरीके से समझा पाऊंगा रेक टी और फिर यहाँ पर हो जाएगा ट्यूट रेक मेरे भाई यही है ना प्रॉपर तरीके से कि रेक्टी ट्यूड हो गया यहाँ पे रेक्टी ट्यूड हो गया मुझे सारे के सारे वाल एक साथ रखने हैं तो पहले हमने इन भाई साहब को बुलाया कि ये लीजिए भैया आप ई जो है हमारे पास आ जाइए आप लोगों को साथ में रहना है अभी हम साथ रहने का मतलब भी आपको समझाएंगे कि साथ रहने का मतलब यहाँ पर क्या होता है मैं सिर्फ उठा उठा के यहाँ लेके आ रहा हूँ कि लो भैया ये हमने ई को आई को फिर हमने यहाँ पर यू को बुला लिया फिर उसके बाद हमने यहाँ पर किसे बुला लिया तो हमने यहाँ पर ई को बुला लिया ये प्रॉपर वे में पूरा पूरा सबको बुला के यहाँ पर जो है हम एक साथ रख लिए कि सारे वोवेल कहाँ रहेंगे तो साथ में रहेंगे बाकी दुनिया जाए कहीं पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता और इन्हें साथ में बुला के एक वंश हम वैसे बना लेंगे एक गुच्छा बना लेंगे एक जंजीर बना देंगे कि तुम लोग बिछड़ना मत तुम लोग साथ में रहना तुम्हें कहीं नहीं जाना है ये लॉक कर दिया हमने इनको और इनको लॉक करने के बाद बाकी लोगों को हम बुला लिए यहाँ पर कितने एक दो तीन चार पाँच एक दो तीन चार पांच ये हमने ऐसे एज इट इज बुला लिया ठीक है समझ में आ रहा है बात यहाँ पे तो इनको हमने लॉक कर दिया बाकी लोगों को हमने बुला दिया अच्छा एक और बात जैसे मानो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया प्रॉपर तरीके से कि यहाँ पर मानो मैंने लिख दिया अमन करके या फिर एक तरीके से मानो मैंने आदित्य ही लिख दिया ठीक है यह आदित्य ना करके मैंने अनमोल ही लिख दिया मानो और मैंने कहा कि दोनों वोवेल साथ में रहने चाहिए तो ऐसा हो सकता है कि ए और ओ साथ में रहें और बाकी एन हो गया, गया एम हो गया और एल हो गया ये अलग हों ये साथ में रहेंगे ऐसा भी हो सकता है कि पहले यहाँ पर मानो एन आ जाए फिर यहाँ पर जो है ए मेरे भाई साथ में रहे और फिर उसके बाद यहाँ पर एम आ जाए फिर उसके बाद क्या आ जाए एल आ जाए ऐसा भी हो सकता है कि भाई पहले यहाँ पर जो है मानो पहले एम आ जाए फिर उसके बाद एन आ जाए फिर हमारा ए हमारा इस तरीके से रहे और लास्ट में ला जाए तो संभावना कई तरह की हो सकती हैं कितनी भी प्रकार की हो सकती हैं इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है बस ये साथ में रहें जहाँ पर भी रहें खुश रहें मस्त रहें साथ पर रहें कोई दिक्कत की बात नहीं है तो इन्हें हमें क्या रखना है तो मेरे भाई इन्हें हमें साथ में रखना है तो इन्हें हमें साथ में रखना है तो जैसे यहाँ पर ये अल्फ़ाबेट से ये वॉबल्स को हमें साथ में रखना है और बाकियों को हमें अलग अलग छिटका के रखना है तो यहाँ पर इनको अगर हम साथ में रखेंगे तो इनकी एक तरीके से अरेंजमेंट या परमिटेशन क्या होगा और इनका परमिटेशंस क्या होगा ये ज़रा आप सोचो यहाँ पे कि ये रेक्टीट्यूड को अगर हम करेंगे तो किस तरीके से अरेंज करेंगे कि सारे के सारे वोवेल जो हैं वो हमारे कितने में आए तो साथ में आए ठीक है इफ़ रिपीटिशन इज नॉट अलाउड एंड हाउ मेनी थ्री वर्ड विथ और विदाउट मीनिंग ऑफ द फर्ड स्विंग रिपीटिशन इज़ नॉट अलाउड तो ये मेरे भाई बता दीजिए जल्दी से कि एंड हाउ मेनी डिफरेंट वेज द अल्फाबेट रेक्टीट्यूड कैन बी अरेंज किस तरीके से हम इसे कर पाएंगे कि हमारे ये चारों के चारों लेटर जो हैं ये हमारे साथ में रहे और बाकी ये सारे के सारे जो हैं वो हमारे अलग में रहे किस करिए आप यहाँ पर कि क्या आंसर आपका हो सकता है अब देखो यहाँ पर इसका मेरे भाई एक ट्रिक भी है और इसका ट्रिक हम आपको डिस्कस करते हैं हालांकि यहाँ पर जो है ठीक है अगर इस तरीके से आप कभी भी जाओगे तो मेरे भाई बड़ी मुश्किल का सामना आपको करना पड़ जाएगा किस तरीके से आप जा रहे हैं तो मैं आपको इसका एक ट्रिक बता देता हूँ और वो तो ट्रिक हमारा क्या है वो समझिए यहाँ पर एक सिंपल सा हम आपको ट्रिक बताएंगे और वो ट्रिक आपको समझना होगा कि कोई भी शब्द अगर कहे जैसे मानो यहाँ पर ट्रिक में हमने क्या कहा तो ट्रिक में हम आपको छोटा सा पॉइंट बताते हैं मान लीजिए कि हमने यहाँ पर अनमोल कहा मान लीजिए कि हमने आपको क्या कहा अनमोल कहा और मैंने कहा कि यहाँ पर वॉवेल जो है वो सारे के सारे टुगेदर होने चाहिए वॉवल जो है हमारे क्या होने चाहिए मेरे भाई तो टुगेदर में होने चाहिए और उसके बाद हमारे कॉन्सोनेट सारे के सारे अलग हों तो यहाँ पर इसका जो आंसर देने का तरीका होगा ग्यारह बजे कर दो ठीक है तो आंसर जो देने का तरीका होगा वो यहाँ पर क्या होगा तो आप यहाँ बोलोगे कि सर देखिए अनमोल है तो अनमोल में आप ए और ओ को यहाँ पर बुलाकर लॉक कर, कर दीजिए क्या कर दीजिए तो लॉक कर दीजिए ए ये लॉक हो गया सर और बाकी एन हो गया एम हो गया एल हो गया बाकी क्या हो गया सर तो एन हो गया एम हो गया एल हो गया yeah. ठीक है यहाँ पर तो फाइनली जो इसका आंसर आएगा मेरे भाई वो यहाँ पर क्या होगा तो जैसे मानो जो भी हमारे वॉवल हैं यहाँ पर जो आंसर होगा वो हमारा क्या होगा तो यहाँ पर जो भी वॉवल हो गए कितने वॉवल हो गए हमारे तो वॉवेल हो गए हमारे दो फैक्टोरियल और यहाँ पर इनके में हमेशा एक बढ़ाकर मेरे भाई चार फैक्टोरियल तो हमारा आंसर 20, कितना हो जाएगा चौ चार तीन बारह दोनों चौबीस दोनी कितना हो जाएगा अड़तालीस हमारा करेक्ट आंसर आएगा समझ गए यहाँ पर जैसे मैंने अनमोल लिखा तो अनमोल में हमने क्या लिखा यहाँ पर कि सारे वॉवल को एक साथ हमें रखना है कॉन्सोनेट्स को अलग तरीके से रखना है। तो को अगर हमें एक साथ रखना है तो इसका सीधा सीधा ट्रिक हो जाएगा वो हमारा ये हो जाएगा कि वोवेल का फैक्टोरियल हमें लेना है और उसके बाद इनटू हमें जो भी कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंट में एक जोड़ के क्या हो जाएगा कॉन्सोनेंट में मेरे भाई एक जोड़ के उसके बाद उसका फैक्टोरियल हम इस तरीके से आंसर दे देंगे तो वॉवेल हमारे कितने है? आप इसको अरेंजमेंट को भूल जाओ ये अरेंजमेंट क्या है कैसे है क्या है आप यहाँ पर देखो तो कितने वॉवल हैं तो बोलोगे सर दो वॉवेल हैं तो यहाँ पर दो फैक्टोरियल और कॉन्सोरेंट हमारे कितने हैं एक दो और तीन तीन में एक जोड़ दो तो मेरे भाई चार फैक्टोरियल तो आपका आंसर आ जाएगा दो फैक्टोरियल चार तीन बारह दोनों चौबीस यानी कुल मिलाकर कितना हो जाएगा तो फोर्टी एट हमारा आंसर हो जाएगा ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कि हमारे जो हैं वॉवल एक साथ रहें कॉन्सोनेंट हमारे अलग अलग रहे उससे हमें कोई दिक्कत की बात नहीं है बोलोगे सर यह फोर्टी एट एक्सप्लेन कर दीजिए तो भाई एक्सप्लेन कर देते हैं आपको ये एक्सप्लेनेशन इसका कुछ इस प्रकार है कि जैसे मानो अनमोल में मुझे ए और ओ को साथ में रखना है और बाकी लोगों को मुझे अलग रखना है जिसमें जैसे मानो एक को मान लो कि एन हो गया एम हो गया एल हो गया तो यहां पर असल में पता है कितने पोजिशन है तो यहाँ पर एक पोजिशन दो पोजिशन तीन पोजिशन चार पोजिशन है तो चार पोजीशन है तो इनके लिए कितना आ जाएगा चार फैक्टोरियल तो तो है? दो, है तो दो फैक्टोरियल तो चार फैक्टोरियल को दो फैक्टोरियल से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा अड़तालीस इसी के लिए मैंने आपको ट्रिक बनाया था कि यदि आप वॉवेल को एक साथ रखना चाहते हैं तो वॉवेल के फैक्टोरियल को कॉन्सोनेंट के फैक्टोरियल में एक जोड़कर आंसर दे दीजिए आपका आंसर आ जाएगा जैसे मान लीजिए कि कल के दिन यहाँ पर एक और सवाल हम आपको दे देते हैं मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर कह दिया ठीक है और मैंने यहाँ पर कोई दूसरा शब्द कह दिया कि मान लीजिए कि रोमाना मैंने कह दिया या फिर मान लीजिए कि रोमन मैंने कह दिया आर ओ एम ए एन रोमन मैंने कह दिया और मैंने कहा कि ये रोमन शब्द का इस्तेमाल करके या रोमन ना कह के आप यहाँ पर ऐसे कह सकते हैं रोमेन मैंने कह दिया और मैंने कहा यहाँ पर कि इसमें सारे जो हैं एक तरीके से मेरे अल्फाबेट एक साथ रहें मतलब वॉवेल मेरे एक साथ रहें और कॉन्सनेंट मेरे एक साथ रहें तो बताओ कितने तरह के अरेंजमेंट हो सकते हैं तो आपने यहाँ पर कहा सर देखो कितने एक तरीके से हमारे यहाँ पर जो है वॉवल है तो सर वॉवेल का यहाँ पर फैक्टोरियल और इंटू यहाँ पर कॉन्सोनेंट में एक जोड़ के उनका फैक्टोरियल तो मेरे भाई वॉवल हमारे कितने हैं तो तीन फैक्टोरियल हैं और कॉन्सोनेंट कितने हैं एक दो तीन कॉन्सोनेंट कितने हैं तीन तीन प्लस एक मेरे भाई चार फैक्टोरियल तीन फैक्टोरियल का आंसर छः होता है चार का मेरे भाई चौबीस होता है छः चौके चौबीस छः दो बारह दो चौदह वन फोर्टी फोर हमारा क्या निकल कर आ जाएगा तो आंसर आ जाएगा यदि मुझे मेरे भाई वॉवल्स को एक साथ रखना है कॉन्सोनेंट को अलग अलग तो वॉवेल के फैक्टोरियल इंटू कॉन्सोनेंट प्लस वन और यदि इसका उल्टा हो जाए कि मुझे कॉन्सोनेंट को एक साथ रखना है और वॉवेल को अलग अलग तो फिर कॉन्सोनेंट के फैक्टोरियल इनटू वॉवल प्लस वन हो जाएगा और यहां उसका मतलब जो एक साथ रहेगा वो बाहर है और जो अलग अलग रहेगा उसमें प्लस वन जोड़ के फैक्टोरियल वॉवेल एक साथ रहेंगे तो वॉवेल बावर कॉन्सोनेंट प्लस वन या कॉन्सोनेंट एक साथ रहेंगे तो कॉन्सोनेंट बावर बाहर वॉवेल प्लस वन यहां इस तरीके से करके ठीक है तो जैसे हम यहाँ पर आते हैं अपने रैक्टीट्यूट वाले शब्द में तो रेक्टीट्यूट वाले में बहुत डिटेल में एक्सप्लेनेशन ना जाके बड़े आराम तरीके से हम समझ सकते हैं कि हाउ मेनी डिफरेंट वेज़ कैन द लेटर रेक्टीट्यूड भी अरेंज कितने तरीके से हम इसे अरेंज कर पाएंगे तो अगर हम बात करते हैं इस रेक्टीट्यूड को लेकर कि ये रेक्टीट हमारा क्या है तो रेक्टीट्यूट में अगर हम सही मायने में देखें तो रेक्टीट्यूड में मेरे भाई यहाँ पर कितने हमारे वॉवल हैं कितने वॉवल हैं हमारे तो बोलोगे सर देखो आर इसी एक वॉवल यहाँ हो गया सर और हमारा क्या

चार पाँच तो ये हमारा कितना हो जाएगा मेरे भाई पाँच फैक्टोरियल क्या इसका कोई इलाज है क्या हमारा आंसर यही होगा बोलोगे नहीं सर हमारा आंसर ये नहीं होगा अभी भी यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है क्योंकि आप इसको मैच करके देख लो पाँच फैक्टोरियल का आपका आंसर कितना आता है तो बोलोगे सर पाँच फैक्टोरियल का आंसर एक और चार का आंसर कितना आता है तो चौबीस आता है चौबीस का दोगुना अड़तालीस और चौबीस का यहाँ पर चार और चार मेरे भाई कितना हो जाएगा अट्ठाईस दो हजार यहाँ पर कितने शब्द हैं एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ तो नौ है तो मेरे भाई यहाँ पर छः फैक्टोरियल होगा ना यहाँ पर कितना होगा मेरे भाई तो छः फैक्टोरियल होगा क्योंकि एक दो तीन चार पाँच फाइव प्लस वन सिक्स फैक्टोरियल सिक्स फैक्टोरियल का मेरे भाई हो जाता है सात सौ बीस यहाँ पे और हमारा चार फैक्टोरियल का कितना हो जाएगा चौबीस हो जाएगा अब जब कोई बच्चा ऐसे करेगा तो देखो उसका आंसर क्या आएगा जीरो चौबीस का दो गुना अड़तालीस का आठ चार पाँच में चौबीस का सात गुना सात चौके अट्ठाईस ठीक है सात दुनी चौदह और दो सोलह सो एक सौ अड़सठ ठीक है यहाँ पर कितना हो जाएगा एक सेन मल्टीप्लाई इसका सही से करना ठीक है एक सौ अड़सठ और ये हमारा हो जाएगा सत्रह सौ अट्ठाइस अब ये हमारा आंसर आ गया बट इस आंसर में गलती क्या है आपको पता है इस आंसर में मेरे भाई गलती यहां पर यह है कि आपने जो शब्द रिपीट हुए थे उनके लिए आपने डिवाइड ही नहीं किया ठीक है जैसे मानो सारे वोवेल आपने एक साथ रख दिए कॉन्स प्लस वन आपने लगा दिया बट भाई डिवाइड भी तो करना होता है जो जितनी बार रिपीट होता है जैसे अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ई आपका दो बार रिपीट हुआ है तो यहाँ पर दो फैक्टोरियल और मेरे भाई यहाँ पर और क्या रिपीट हुआ है और सही तरीके से देखो ई तो e आपने ले लिया नहीं हुआ कोई दिक्कत की बात नहीं है अब यहाँ पर देखिए तो चार फैक्टोरियल की वैल्यू हमारी कितनी होती है तो चौबीस छह फैक्टोरियल का मान हमारा कितना होता है तो 720 सौ बीस मेरे भाई और दो फैक्टोरियल का मान कितना होता है दो होता है इसे हम भाग करेंगे तो आंसर हमारा आएगा बारह दुना हमारा कितना हो जाएगा चौबीस और दो बारह तो चौरासी और दो छियासी एट सिक्स फोर जीरो कुछ तो गड़बड़ कर दिया क्या हमने नहीं टी बी तो हमारा दो बार रिपीट हुआ है ना देखो टी बी हमारा दो बार रिपीट हुआ है तो दो से और हम बात करेंगे वही मैं कह रहा था कि दो अल्फाबेट यहाँ पर देखो जो हमारे हैं एक तो हमारा जो दो वोवेल है वो ई और ई ये रिपीट हुआ है और दूसरा टी और टी मेरे भाई रिपीट हुआ है तो फोर फैक्टोरियल इंटू सिक्स फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई टू फैक्टोरियल इंटू टू फैक्टोरियल करके तो चार फैक्टोरियल तो का मान हमारा आता है चौबीस छह फैक्टोरियल का मेरे भाई मान आता है सात सौ बीस दो फैक्टोरियल का मान हमारा होता है दो दो फैक्टोरियल का मान होता है दो चार से हम काटेंगे तो कुल मिलाकर छह बार में और अगर हम छे करेंगे तो सात छः बयालीस छह एक सौ बीस तैंतालीस सौ बीस हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो करेक्ट होगा तो ये छोटी छोटी बातों को वहीं ध्यान देना होता है मतलब ये एक्स्ट्रीम लेवल का क्वेश्चन था थोड़ा बढ़िया लेवल का क्वेश्चन था जो आपसे पूछा जा सकता है कि अगर मैं आपको रेट्टीट्यूड नाम का कोई शब्द दे दूँ और मैं यहां पर बोलू कि इसको अरेंज करिए और इस तरीके से अरेंज करिए कि सारे वॉबल्स साथ में हों फैक्टोरियल सारे इन के सारे में एक जोड़ के उनका साथ जिनके हैं। जैसे मानो e हमारा दो फैक्टोरियल दो फैक्टोरियल चार हजार तीन सौ बीस होगा आगे के तीन सवाल मेरे भाई यहाँ पर जो है वो बहुत आसान है बहुत आसान तरीके से आप दे सकते हैं हाउ मेनी वर्ड ऑफ थ्री लेटर कैन बी क्रिएटेड यूजिंग ओनली कॉन्सोनेंट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट जितने भी कॉन्सोनेट हैं उनमें से किन्हीं तीन शब्दों को इस्तेमाल करके आप यहाँ पर कितने शब्द बना सकते हैं अब जैसे मान लीजिए कि हमने आपको यहाँ पर कहा था एक तरीके से गेट शब्द मैंने आपको शुरू में दिया था और मैंने कहा था मेरे भाई यहाँ पर समझना मैंने आपसे यहाँ पर कहा था कि देखो गेट शब्द मैं तुम्हें दे रहा हूँ तो ये गेट शब्द के चारों के चारों अल्फाबेट को इस्तेमाल करके ये गेट शब्द के चारों के चारों अल्फ़ाबेट को इस्तेमाल करके तुम कितने शब्द बना सकते हो तो आपने कहा था फोर पी फोर बना सकते हैं जिसका आंसर फोर फैक्टोरियल था यानी चौबीस था लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि मैंने आपको चार अल्फाबेट दिया मानो ए दिया बी दिया सी दिया और डी दिया और ये चार अल्फ़ाबेट को इस्तेमाल चार अल्फ़ाबेट में से किसी भी तीन का इस्तेमाल करके आप कितने शब्द बना सकते हैं किसी भी तीन तो मेरे भाई सेलेक्ट करने के लिए कितने ऑप्शन है चार यहाँ पर और उसमें से आप ले कितना पाओगे आपके पास अल्फ़ाबेट है कितना चार और इसमें से लेना कितना है तीन लेना है तो यहाँ पर क्या बोलोगे तो बोलोगे सर फोर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई फोर माइनस यानी वन फैक्टोरियल तो यहाँ पर कितना हो जाएगा सर समझिएगा यहाँ पर तो फोर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई फोर माइनस थ्री हमारा कितना हो जाएगा वन फैक्टोरियल तो इसका भी आंसर हमारा कितना आएगा तो चौबीस आएगा क्लियर है ये बात पे फोर फैक्टोरियल हाँ फोर सही है फोर माइनस थ्री सही है कोई दिक्कत की बात नहीं है कोई परेशानी की बात नहीं अगर जैसे मानो इन चार में से हमें दो लेना है तो हम क्या बोलेंगे फोर पी टू बोलेंगे उस केस में हम बोलेंगे ऊपर फोर फैक्टोरियल चार माइनस दो हमारा दो फैक्टोरियल चार फैक्टोरियल का मान चौबीस है दो फैक्टोरियल का मान दो है तो यानी आंसर कितना हो जाएगा तो बारह तो हमेशा जो अवेलेबल होता है वो ऊपर लिखते हैं और उसमें से जितना भी हमें लेना होता है वो हम नीचे लिखते हैं अब यहाँ पर अगर आप देखिए तो अंग्रेजी वर्णमाला के केवल व्यंजनों का एक ही बार प्रयोग करते हुए तीन अक्षरों के कितने शब्द बनाए जा सकते हैं तो अगर हम यहाँ कॉन्सोनेंट की बात करें तो हमारा कॉन्सोनेंट यहाँ पर कितना होगा तो बोलोगे सर यहाँ कॉन्सोनेंट हमारे इक्कीस हैं और उनमें से हमें चूज कितना करना है हमें लेना कितना है मेरे भाई तो सिर्फ और सिर्फ तीन अक्षर लेने हैं तो हम बोलेंगे सर अवेलेबल कितना है इक्कीस और उसमें से हमें लेना कितना है सर तो तीन लेना है तो इक्कीस पीथरी आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा सर तो थ्री आपका हो जाएगा यानी आप बोलेंगे सर 21 फैक्टोरियल और यहां 21 में से तीन गया तो सर 18 फैक्टोरियल समझ गए इस बात को लेकर यहाँ पे आप तो आप यहाँ क्या बोलेंगे तो बोलेंगे सर इक्कीस सर यहां बीस इंटू उसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा उन्नीस और उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर 18 फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा तो डिवाइडेड बाई यहाँ पर 18 फैक्टोरियल हो जाएगा ये इसे प्रॉपर तरीके से मेरे भाई क्या करेगा ख़त्म और जब इसे खत्म करेगा तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा आपका वो आपका आंसर हो जाएगा ठीक है कोई दिक्कत की बात है कोई परेशानी की बात है यहां पर बताओ जल्दी से एक बच्चा कहता है अनमोल वाले में आपने डिवाइड नहीं किया तो अनमोल में मेरे भाई यहां पर जो है वो कौन सा शब्द रिपीट हुआ है कोई शब्द रिपीट ही नहीं हुआ है ए अलग है एन अलग है एम अलग है ओ अलग है एल अलग है तो जहां पर शब्द रिपीट नहीं करते हैं वहां डिवाइड नहीं करते हैं और जहां शब्द रिपीट करते हैं वहां पर हम वहां डिवाइड करते हैं मेरे भाई क्लियर हो गया यहां पर कोई दिक्कत की बात है तो ये हमारा आंसर कितना हो जाएगा इक्कीस पीथरी हो जाएगा यानी

क्लियर है ये बात कि सर 21 लोगों में से यहाँ पर तीन लोगों को अरेंज करना है तो इक्कीस पीथरी हो जाएगा इक्कीस पीथरी का मतलब 21 इंटू बीस इंटू उन्नीस इंटू अट्ठारह बट्टे में कितना हो जाएगा 18 फैक्टोरियल ठीक है कहीं कोई परेशानी की बात हो तो आप मुझे बता दीजिए ठीक है आइए चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर तेरह यहाँ पर क्या कहा गया पढ़िए जरा बोला गया इफ देयर आर टेन पेयर ऑफ सॉक्स एंड यू चूज टू पेयर आउट ऑफ देम देन अगर आपके पास दस जोड़ी जो है मोजे हैं और उसमें से आप दो जोड़े को उठाते हो कोई भी दो जोड़ा आपको लेना है दस जोड़े रखे हुए हैं जोड़े रखे हुए हैं सिंगल नहीं है एक जोड़ा दो जोड़ा तीन जोड़ा आप ऐसे समझ लो कि दस यहां पर जो है वो शर्ट रखे हुए हैं और इसमें तो दो शर्ट आपको उठाने हैं तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ रिपिटिशन इज नॉट अलाउड एंड नंबर ऑफ परम्यूटेशन इज रिपिटिशन इज अलाउड याद है तो पहले वाले केस में जब रिपीटिशन अलाउड नहीं होता है आंसर हम देते हैं एन पी आर और दूसरे वाले केस में जब रिपीट अलाउड होता है तो आंसर हमारा होता है एन का पावर आर मेरे भाई यहाँ पर दस में से दो लेने हैं तो आंसर हो जाएगा टेन पी टू करके कितना हो जाएगा टेन पी टू करके और टेन पी टू का मतलब क्या होगा तो ऊपर में दस फैक्टोरियल और नीचे में से दस में से दो गया तो आठ फैक्टोरियल दस फैक्टोरियल का मतलब हो जाएगा दस इंटू नौ इंटू आठ फैक्टोरियल मेरे भाई यहाँ पे ठीक है और यहाँ नीचे कितना हो जाएगा तो आठ फैक्टोरियल ये इसको काट देगा तो काट देगा तो कितना हो जाएगा नब्बे संभावना हो जाएगी 90 पर뮤टेशन मेरे भाई हो जाएंगे यहाँ पे लेकिन अगर वहीं हम इस केस में बात करें कि नंबर ऑफ पर뮤टेशन ऑफ रिपीटेशन इज अलाउड तो क्या बोलोगे तो बोलोगे सर 10 का पावर कितना हो जाएगा सर 2 n का पावर r और 10 का स्क्वायर कितना होता है तो 10 का स्क्वायर हमारा 100 होता है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा ठीक है मेरे भाई कोई दिक्कत की बात यहाँ कोई परेशानी की बात है बताइए तो यानी दस मोर्जे में से मेरे भाई दस जोड़े में से मुझे कितना उठाना था दो उठाना था यहाँ पर जब रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो टेन पी टू और जब रिपीटिशन अलाउड है तो टेन का पावर टू यहाँ पे ठीक है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन देखो हाउ मेनी थ्री लेटर वर्ड विध और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर ऑफ वर्ड स्विंग व्हेन ऑफ लेटर इज नॉट अलाउड रिपीट अलाउड नहीं है यहाँ पर जब अक्षरों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है तो स्विंग शब्द के अक्षरों से अर्थ सहित या बिना अर्थ सहित वाले कितने अक्षर शब्द बनाए जा सकते हैं तो आप मुझे बताइए यहां पर कितने लेटर हैं तीन और दो पांच लेटर हैं तो यहां पर पांच में से मुझे कितने का बनाना है तो मुझे भाई थ्री लेटर

तो आइए आज हम पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशन के बारे में कि किस तरीके से हम सिलेक्शंस कर सकते हैं क्या क्या हम चुनाव कर सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो संचय हो सकता है तो पहली बात यहाँ पर कॉम्बिनेशन क्या हो गया द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग एन ऑब्जेक्ट आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट यदि हम एन लोगों में से एन को सेलेक्ट करने की बात करें तो वो हमारा क्या होता है जनरली कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला होता है दोस्त यहाँ पर वो हमारा होता है एन सी आर करके और एन सी आर का मतलब यहाँ पर हो जाता है एन फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल ठीक है मेरे भाई यहाँ पर और उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाता है तो ये हो जाता है आर फैक्टोरियल ठीक है बोलोगे सर कॉम्बिनेशन बना किससे है तो मेरे भाई मैं आपको बताता हूं देखो अगर आप सही तरीके से एक लाइन और देखोगे तो ये देखो ये एन सी आर जो होगा यहाँ पर ठीक है ये आपका कौन सा है मेरे भाई एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल ये एन पी आर का मान है ये किसका मान है तो एन पी आर का मान है और एन पी आर को यदि हम आर फैक्टोरियल से मेरे भाई डिवाइड कर देते हैं तो ये हमारा कॉम्बिनेशन बन जाता है इसीलिए परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन दोनों को एक साथ में पढ़ाया जाता है और पढ़ा भी जाता है कि इनडायरेक्टली अगर हम बात करें तो कॉम्बिनेशन जो है वो रिलेटेड है हमारे किससे तो परम्यूटेशन से अगर परम्यूटेशन को आर फैक्टोरियल से कर दो तो क्या निकल के चलाएगा कॉम्बिनेशन निकल के चलाया क्लियर है ये बात यहाँ कोई दिक्कत की बात है अब हम इसी को थोड़ा सा डिटेल में, में लेके चलते हैं यहाँ पर कि हम जैसे एनसीआर हमने लिखा है तो अलग अलग सिचुएशन में उसके मान क्या होंगे और कैसे होंगे जैसे यहाँ पर सिचुएशन नंबर वन की बात अगर हम करें और सिचुएशन नंबर वन में अगर हम ये कहें कि यदि मुझे एन लोगों में से एन सेलेक्ट करना है यानी बीस जोड़े मुझे हैं मेरे पास या बीस जोड़े जो हैं सॉक्स हैं और मुझे पूरे के पूरे बीस लोगों को या बीस जो है पेयर्स हैं यहाँ पर मुझे उसको सेलेक्ट करना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा तो बोलेंगे सर ये एन हो जाएगा एन का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा एन फैक्टोरियल ठीक है एन माइनस एन यानी जीरो फैक्टोरियल और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा एन फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल को खत्म कर देगा यानी कितना आएगा वन और जैसे कि आपने देखा था एन पी एन वन के बराबर होता है और एन हमारा किसके बराबर होता है तो वन के बराबर होता है ठीक है चलिए आ जाइए दूसरा यहाँ पर होता है कि मुझे एन लोगों में से जीरो लोगों को सेलेक्ट करना है मुझे कुछ भी नहीं चाहिए मुझे कोई भी सिलेक्शन नहीं चाहिए तब मेरी कहानी क्या होगी जैसे अगर हम बात करें तो एक होता है एन पी ज़ीरो और एक होता है हमारा एन सी ज़ीरो दोनों सेम रहते हैं या दोनों में डिफरेंस आता है तो चलिए आइए थोड़ा देखते हैं एन पी जीरो का मतलब क्या हो गया तो एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई यहाँ पर एन माइनस जीरो का फैक्टोरियल यानी यहाँ पर कहीं ना कहीं ये हो जाता है हमारा एन फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाई एन फैक्टोरियल एन अपॉन एन कितना हो जाएगा तो हमारा वन हो जाएगा लेकिन सी जीरो हमारा कितना होगा तो देखो तो बोलोगे सर एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस जीरो का फैक्टोरियल सर और उसके बाद यहाँ पर नीचे वाले का मतलब जीरो फैक्टोरियल यानी कहीं ना कहीं आसान भाषा में बात करेंगे तो एन किसी भी संख्या से जीरो घटा लो तो वहीं रहता है जीरो फैक्टोरियल का मान वन होता है यानी ये भी कटेगा तो मेरा कितना आएगा वन आएगा तो जैसे एन पी एन और एन सी एन दोनों के दोनों वन होते हैं ठीक है दोनों के दोनों बराबर होते हैं उसी तरीके से एन पी जीरो और एन सी जीरो दोनों के दोनों क्या होते हैं तो वन ही होते हैं दोनों के दोनों मेरे भाई क्या होते हैं तो वन होते हैं वन के बराबर होते हैं अब आ जाइए तीसरा केस यहाँ पर जो कि हमारा होता है एन सी वन यानी कई सारे लोगों में से सिर्फ एक पर्सन को चूज करने की बात की जाए हमारे सामने तो यहाँ पर हो जाएगा जैसे आपका जब रिश्ता लगेगा काफी सारे रिश्ते आएंगे उसमें से किसी एक को तो चूज करोगे यानी एन ऑप्शन में से एक पर्सन को चूज करना है तो यहाँ पर कितने वे से मेरे भाई चूज कर पाओगे द नंबर ऑफ वे सेलेक्टिंग वन ऑब्जेक्ट आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट तो एक यहां पर होता है एन पी वन होता है और एक हमारा होता है हैं ये हमारा सजाने की बात है और ये हमारा चूज करने का बात है ये अरेंजमेंट है और ये हमारा सिलेक्शन है तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे तो बोलेंगे सर n फैक्टोरियल और यहाँ पर क्या हो जाएगा तो n माइनस वन का फैक्टोरियल और यहाँ अगर हम बात करेंगे तो बोलेंगे सर n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई यहाँ पर n माइनस वन फैक्टोरियल सर और उसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा तो वन फैक्टोरियल <coughs> ठीक है अगर हम बात करेंगे तो इसको हम किस प्रकार तोड़ सकते हैं तो इसको n इंटू एन, एन माइनस वन का फैक्टोरियल में तोड़ सकते हैं और यहाँ नीचे वाला हमारा n माइनस वन फैक्टोरियल है ये इसे काटेगा तो फाइनली आंसर कितना हो जाएगा तो n हो जाएगा ठीक है ये कितना हो जाएगा मेरे भाई तो आंसर हमारा वन हो जाएगा अगर हम यहां बात करते हैं तो n फैक्टोरियल एन इन टू एन माइनस वन फैक्टोरियल हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा तो n माइनस वन का फैक्टोरियल हो जाएगा ए वन फैक्टोरियल की वैल्यू वन ही होती है कोई दिक्कत नहीं तो इसका भी आंसर कितना आएगा तो वन यानी जीवन में मेरे भाई ध्यान रखना अगर कई सारे लोग हैं उसमें से सारे के सारे को चूज करना है तो आंसर होगा वन याद रखो कई सारे लोग हैं मेरे भाई कई सारे लोग हैं आपके जीवन में और उसमें से मेरे भाई मात्र एक पर्सन को चूज करना है एन सी वन कह लो या फिर यहाँ पर एन पी वन कह लो एन सी वन कह लो या फिर यहाँ पर एन पी वन कह लो दोनों का आंसर कितना आता है तो वन आता है तो कई सारे लोग हैं और उसमें से अच्छा एन पी वन का आंसर मेरे भाई कितना आएगा तो वही आपका एन पी वन का भी अगर बात करोगे तो एन फैक्टोरियल और यहाँ पर आपका हो जाएगा

पॉइंट नंबर टू यहां पर एन लोगों में से जीरो लोगों को सजाने की बात हो तो एक ही वे है एन लोगों में से जीरो लोगों को चूज करने की बात हो तो एक ही वे है पॉइंट नंबर थ्री मेरे भाई यहां पर एन लोगों में से सिर्फ एक व्यक्ति को चूज करने की बात है या सजाने की बात है तो एन वे होगा और एन व्यक्ति में से मानो एक व्यक्ति को चूज करने की बात है तब तो एन होगा यानी सिर्फ एन वाला केस हमारा अलग होता है बाकी सारे जो है परमिटेशन में और कॉम्बिनेशन में जो केसेज होते हैं वो हमारे सेम ही होते हैं इसमें बहुत ज्यादा फर्क यहाँ नहीं रहता है और आपको इतना रटना नहीं है इनको एन पी एन एन वन इतना कोई फालतू का ये काम है इतना रटने आवश्यकता मेरे भाई नहीं है इसके बहुत ज्यादा यूज नहीं होंगे बस एक समझाने का मेरा वे था इंपॉर्टेंट क्या है तो इंपॉर्टेंट ये सवाल है जैसे ये सवाल देख लीजिए इंपॉर्टेंट ये सवाल है देख लीजिए अमित फाइव ब्लू फोर रेड एंड एंथ्री ग्रीन सॉक इन कप बोर्ड आउट ऑफ दिस ही हैज टू चूज सॉक इन हाउ मेनी वे ही कैन डू दिस बड़ा प्यारा सा कि अमित के अलमारी में पांच नीले चार लाल और तीन हरे मोजे हैं इसमें से चार मोजों को चूज करना है कितने प्रकार से ऐसा कर सकता है सबसे पहली बात यहाँ पर यह एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला इसके अंदर में लगेगा कॉम्बिनेशन का पहली बात मेरा यहां पर यह सवाल है कि मैं इसमें परम्यूटेशन लगाऊंगा या कॉम्बिनेशन लगाऊंगा बोलोगे सर कॉम्बिनेशन लगाओगे पता है सर सर पर अरेंज करने करने की की बात बात ही नहीं कही है, यहां तो सर चूज करने की बात कही है। तो चूज़ बोली गई इंग्लिश में भी पढ़ लीजिए तो चूज करने की बात बोली है हिंदी में भी पढ़ लीजिए तो चुनने की बात बोली है तो जब भी सेलेक्ट करने की बात आती है कॉम्बिनेशन लगता है और जब अरेंज करने की बात आती है परमिटेशन लगता है मेरे भाई क्रमश लगता है यहां पे तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो यहाँ कॉम्बिनेशन लगेगा अब कॉम्बिनेशन में भी मेरे भाई कई प्रकार होते हैं एक नॉर्मल कॉम्बिनेशन हो गया और एक डेफ्थ लेवल का हो गया नॉर्मल यहाँ पर तब लगाएंगे जब सिर्फ कहा गया कि चार मोजों को चूज करना है उन चार के कलर के बारे में कहीं पर कोई जानकारी नहीं दी कि जो तुम चार चूज कर रहे हो उसमें तीन हरे एक लाल होना चाहिए दो पीला और एक नीला मतलब ऐसा करके कुछ नोटंकी ड्रामा कुछ नहीं बतियाया है खाली इतना बोला है कि चार को तुमको चूज करना है तो फार्मूला भी नंबर नॉर्मल लगेगा और अगर इसमें जैसे जैसे डेफ्थ लेवल की बात करते चला जाएगा इस प्रकार चूज करिए कि चार में आपके एक नीला एक लाल दो हरे तो हो तो भैया वो नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन होगा उसमें कई सारे कॉम्बिनेशंस लगेंगे तब जाकर आंसर आएगा तो फिलहाल अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो मेरे पास यहाँ पर पाँच चार नौ और तीन बारह कितने हैं तो बारह ऑप्शन हैं मान लो बारह रिश्ते आए हैं मेरे लिए और उसमें से मुझे कितना चूज करना है चार तो ये बारह सी फोर हो जाएगा बारह सी फोर को हम कैसे सॉल्व करेंगे तो बारह सी फोर को सॉल्व करने वाले दो प्रकार के धरती पे लोग होते हैं एक होते हैं जो बेसिक वाले होते हैं और बेसिक वाले क्या करते हैं तो हम आपको बताते हैं बेसिक वाले क्या करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए वो यहाँ पर लिखते हैं बारह फैक्टोरियल ठीक है बारह में से चार गया तो फिर वो यहाँ लिखते हैं आठ फैक्टोरियल और फिर यहाँ पर कितना लिखते हैं फिर चार फैक्टोरियल लिखते हैं फिर उसके बाद यहाँ पर वो बारह फैक्टोरियल को सॉल्व करने के लिए लिखते हैं बारह इंटू ग्यारह इंटू दस इंटू नौ इंटू मेरे भाई आठ फैक्टोरियल ठीक है और यहाँ पर फिर कितना हो जाएगा तो ये आठ फैक्टोरियल हो जाएगा इस चार को हमें तोड़ना है तो चार इंटू तीन इंटू दो इंटू मेरे भाई एक यहाँ पे ये यह बेसिक का काम है कि वो आठ से आठ को खत्म करेगा उसके बाद फिर मेरे भाई यहाँ पर कुछ कहानी होगी चार और तीन से हमारा बारह खत्म होगा दो से हमारा यहाँ पर कितना खत्म होगा पाँच बार में तो यहाँ पर नाइन्टी का पाँच गुना नाइन्टी का पाँच गुना कितना हो जाएगा चार हमारा करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी बात कोई दिक्कत की बात नहीं है आंसर हमारा आ गया कोई परेशानी की बात नहीं है बट मेरे भाई पेपर में ऐसे नहीं करना ठीक है हमने ये फॉर्मूला लगाया ठीक है हमने इसको ऐसे तोड़ा और ठीक है हमने इसको ऐसे सॉल्व भी किया मज़ा भी आया कोई दिक्कत नहीं समझ में भी आया कोई परेशानी नहीं बट पेपर में हम ऐसे नहीं करेंगे पेपर में जो हमारा वे होगा वो पता है क्या होगा तो पेपर में जो हमारा वे होगा हम आपको एक ट्रिक समझाते हैं और ट्रिक में मेरे भाई पता है क्या है बारह हमारा चार तक है तो बारह हमारा चार तक है तो बारह को चार टर्म तक लिखो चार तक लिखने का मतलब पता है है, है क्या हो गया? 12 लिखना है, उसके बाद अगला फिर अगला हमारा 10 और अगला टर्म 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 फिर हमारा हमारा और ये मेरे भाई कि तो, और और तो चार है, चार फैक्टोरियल का मतलब चार इंटू दो इंटू इतना मेरे भाई तो यहाँ बारह से ये खत्म इससे मेरे भाई ये खत्म आंसर हमारा कितना चार सौ पंचानवे आ जाएगा फिर से रिपीट कर देता हूं अगर बारह सी फोर होता है इसका मतलब बारह को अगली चार संख्याओं तक लिखिए तो बारह दस और नौ और नीचे वाला चार फैक्टोरियल तो फैक्टोरियल लिखिए आपका आंसर आ जाएगा एक और एग्जाम्पल हम आपको समझाते हैं मान लीजिए कि कल के दिन यहाँ पर आपको टेंसी थ्री मिल जाए तो टेंसी थ्री का मतलब क्या होता है दस को अगली तीन संख्याओं तक डिक्रीज करो यानी दस लिखो फिर नौ लिखो और फिर कितना लिखो तो आठ लिखो और नीचे में तीन फैक्टोरियल है तो यानी तीन इंटू दो इंटू एक मेरे भाई यहाँ पर इस तरीके से करके तो यहाँ पर हमारा तीन से ये कितनी बार में जाएगा तीन बार में दो से कितनी बार में जाएगा पांच बार में पंद्रह का आठ गुना कितना हो जाएगा एक सौ बीस हो जाएगा ये हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हमारा मेरे भाई ट्रिक है यहाँ पे बहुत शानदार तरीके से यानी इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि सर एन सी आर को यदि हम शॉर्ट में लिखें तो सर शॉर्ट में लिखने के लिए हम यहां पर क्या कर सकते हैं तो शॉर्ट में लिखने के लिए सर मतलब फिर वही बात है चलो छोड़ो फटो फैक्टोरियल हटाओ आप सीधा ऊपर एन माइनस आर मतलब हटाओ छोड़ो फैक्टोरियल सिंपल ये ट्रिक आप याद कर लो ये ज्यादा आपके लिए फायदेमंद होगा जैसे मानो अगर कल के दिन मुझे सेवन सी टू लिखना है तो यानी सात को दो बार लिखना है तो यानी सात लिख देंगे और छह लिख देंगे और नीचे में किसका फैक्टोरियल तो दो

फाइव में आठ लोगों की टीम में से पांच लोगों का मेरे भाई सिलेक्शन करना है तो हाउ मेनी डिफरेंट सिलेक्शन कैन बी मेड होगा ना कई सारे ऑप्शन हमारे पास हैं और उसमें से मुझे पांच लोगों को चूज करना है तो हम कैसे करेंगे तो इस तरीके से हम कैसे करेंगे तो हम बोलेंगे आठ लोगों में से पांच लोगों को सेलेक्ट करना है आठ लोगों में से पांच लोगों को सेलेक्ट करना है तो यहां पर हम कैसे करेंगे तो हम बोलेंगे देखो आठ को पांच टर्म तक लेकर जाओ आठ को पांच टर्म तक लेकर जाओ तो यहां पर आठ हो गया फिर सात हो गया फिर यहाँ छ हो गया फिर हमारा पाँच हो गया फिर हमारा चार हो गया समझ गए यानी ये कहाँ तक जाएगा पांच टर्म तक जाएगा और उसके बाद नीचे में पांच फैक्टोरियल तो पाँच फैक्टोरियल का मतलब पाँच इंटू चार इंटू तीन इंटू दो इंटू एक मेरे भाई समझ गए पाँच और चार से पाँच और चार खत्म तीन और दो से छ खत्म तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा छप्पन यानी कौन सा ऑप्शन होगा तो ऑप्शन नंबर जो सी है

कि तीन लोगों में से मुझे दो लोगों को चूज करना है और तीन लोगों में से मुझे दो लोगों को चूज करना है तो मेरे भाई यहाँ पर कॉम्बिनेशन लगेगा तो कॉम्बिनेशन लगेगा तो थ्री सी टू यानी तीन को दो टर्म तक लिखो तो तीन हो गया और तीन में से एक कटा दिया तो दो हो गया मेरे भाई और नीचे हमारा क्या रहेगा तो दो फैक्टोरियल रहेगा यानी दो इंटू वन दो से दो खत्म तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा आंसर हमारा जो है यहाँ पर तीन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अगला सवाल यहाँ देखते हैं अगला सवाल क्या बोला और ये बहुत ही बढ़िया सवाल है इसमें हम आपको थोड़ा सा जो है वो एक कंसेप्ट बताएंगे एंड का और और का अक्सर बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज रहते हैं कि एंड कब लगाना है और कब लगाना है और उन्हें बेचारों को पता नहीं होता और जिसके चलते वो गलती कर जाते हैं आप ऐसी गलती नहीं करेंगे इस क्वेश्चन में पढ़िए तो कुल सात पुरुष और तीन महिलाओं में से कितने तरह से पांच पुरुष और दो महिलाओं का समूह बनाया जा सकता है मैंने कहा ना एक डेफ्थ लेवल की कॉम्बिनेशन होती है और वो डेफ्थ लेवल का कॉम्बिनेशन मेरे भाई यहाँ पर यही है ठीक है यहाँ पर कहा गया इन हाउ मेनी वेज कैन अ ग्रुप ऑफ फाइव मैन एंड टू वुमेन कैन बी मेड आउट ऑफ ए टोटल ऑफ सेवन मैन एंड यहाँ पर थ्री वुमेन मेरे भाई समझना इस बात को अगर भविष्य में कभी तुम्हें एंड दिख जाए एंड का मतलब यहाँ पर क्या हो गया और हो गया तो अगर कभी भविष्य में एंड दिख जाए और दिख जाए सवाल में तो यूँ समझ लेना मल्टीप्लाई करना है और अगर मेरे भाई कभी और दिख जाए जिसका हिंदी में या कहते हैं तो इसका मतलब होता है वहाँ पर प्लस करना बस हम आपको इतना ही छोटी सी बात बताएंगे ये बात इतनी छोटी है लेकिन बहुत गहरी है कि जहाँ अगर एंड दिखेगा तो मल्टीप्लाई करना और जहाँ और दिखेगा तो वहाँ जोड़ देना ठीक है आ जाओ यहां पर अब क्वेश्चन में जरा देखोगे तो यहां पर पांच मैन एंड यहां दिया गया है टू वोमेन और उसके बाद यहाँ पर सात मैन एंड यहाँ दिया गया थ्री वन तो ऊपर वाला एंड से हमें डिसीज़न नहीं लेना होता हमें नीचे वाले से लेना होता है ऊपर में तो बोलेगा ही कि पांच मैन फलाना वुमेन फलाना बच्चा फलाना चिलाना फलाना जो भी है मेरे भाई को तो दिया ही जाएगा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो सेलेक्ट करने की बात की जा रही है वो सिलेक्शन वाले पार्ट में एंड इन्वॉल्व है कि और इन्वॉल्व है जैसे बोला गया ना कि मेड आउट ऑफ ए टोटल ऑफ इतना मैन एंड यहाँ ये वाला एंड इम्पॉर्टेंट है अगर यहाँ पर और रहता तो प्लस करते हैं यहां पर एंड दिया गया है तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे क्या करेंगे मेरे भाई तो मल्टीप्लाई करेंगे इस बात को यहां पर ध्यान दो ठीक है क्लियर है ये बात तो आप एक तरीके से समझो तो यहां पर बोलोगे सर कुल सात पुरुष और तीन महिला है, कुल सात पुरुष सॉरी इस वाले एंड नहीं इस वाले ऊपर वाले एंड से मतलब जो हम सेलेक्ट कर रहे होते हैं उसमें देखना होता है कि उसमें एंड दिया है कि और दिया जैसे हिंदी में सात पुरुष और तीन महिलाएं इसका और इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर इसका वाला और इम्पोर्टेंट है पांच पुरुष और यहाँ दो महिलाए यहां अगर या होता तो प्लस है और होता तो मल्टीप्लाई अब ये प्लस और मल्टीप्लाई क्या लगेगा और कैसे लगेगा हम आपको समझा दो केस है आपके पास एक हमारा मैन का है और एक हमारा वुमेन का है तो यहां पर वाले केस में हम कैसे करेंगे या सात रिश्ते मेरे पास आए और उसमें से पांच रिश्ते मुझे चूज कर रहे हैं तो मैं यहां क्या लिखूंगा सेवन सी लिखूंगा और क्या लिखूंगा फाइव लिखूंगा उसी तरीके से तीन महिलाएं और उसमें से दो महिलाएं चूज करनी है तो मैं यहाँ पर लिखूंगा तीन सी टू मेरे भाई ठीक है यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा सेवन सी फाइव का मतलब सात को अगले पांच टर्म तक लिखना तो सात इंटू छ इंटू पांच इंटू चार इंटू पूरा का पूरा कहाँ तक लिखना देखो तो सात हो गया छः हो गया पांच हो गया चार हो गया और मेरे भाई तीन हो गया और ये पाँच फैक्टोरियल का मतलब पाँच हो गया चार हो गया तीन हो गया दो हो गया और एक हो गया पाँच चार तीन से पाँच चार तीन खत्म दो से हमारा तीन खत्म तो यहाँ आंसर कितना हो जाएगा ट्वेंटी वन हो जाएगा कितना आंसर हो जाएगा मेरे भाई ट्वेंटी वन हो जाएगा अभी देखो यहाँ पर फिर उसके बाद यहाँ पर इसकी वैल्यू की बात करते हैं थ्री सी टू की तो ये हमारा हो जाएगा तीन को दो टर्म तक लिखना है तो तीन इंटू दो और यहाँ नीचे में क्या हो जाएगा तो दो फैक्टोरियल यानी कितना हो जाएगा तो ये हमारा तीन हो जाएगा ठीक है मैंने कहा जब सेलेक्ट करने की बात आती है और सेलेक्शन के बीच में एंड होता है मल्टीप्लाई करते हैं और सेलेक्शन के बीच में और होता है तो जोड़ देते हैं यहां पर पांच मैन एंड यहां पर कहा गया है टू वुमेन तो मेरे भाई एंड के केस में क्या करेंगे तो एंड के केस में मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई मतलब 21 को थ्री से मल्टीप्लाई तो 21 वन इंटू थ्री हमारा कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा और अगर और आता या आता तो 21 वन प्लस थ्री यानी 24 हमारा आंसर होता तो इसका ऑप्शन क्या होगा ए फॉर आओ कभी हवेली हाँ पे यहाँ पे तो यहाँ पर होता है आपका कॉम्बिनेशन का थोड़ा सा जलवा खत्म अब बात करते हैं क्वेंस के बारे में तो देखो सिक्का बड़ा प्यारा खेल है मेरे भाई सिक्कों का जो गेम होता है वो बड़ा प्यारा होता है और सिक्कों की बात करें तो सबसे पहले मैं अपने जेब से कोई सिक्का निकालता हूँ ठीक है यहाँ देखिए मैंने एक रुपये का सिक्का निकाला है अब ये सिक्के के बारे में आप जानेंगे तो सिक्के के दो पहलू होते हैं एक हेड होता है और एक टेल होता है और यहाँ पर इसको अनबायस्ड कॉइन क्यों कहा जाता है अनबायस्ड का मतलब यहाँ पर ये यह किसी की तरफ नहीं झुका हुआ है यानी जब मैं इसको एक तरीके से उछालूंगा तो मेरे भाई यहाँ पता नहीं चलेगा आपको कि हेड आया है कि टेल आया है अगर ये बायस्ड होता किसी का पक्ष लिए रहता ये हेड के पक्ष में होता या ये टेल के पक्ष में होता तो जिसके पक्ष में होता बार बार उसी के आने की संभावना ज़्यादा होती तो यानी प्रोबेबिलिटी में हम जब भी पढ़ते हैं तो अनबायस्ड कॉइन के बारे में पढ़ते हैं जो किसी की तरफ नहीं झुका हो ठीक है अनबायस्ड कॉइन हो गया अब जब भी हम इसको उछालते हैं हवा में ना तो यहां पर मेरे भाई फिक्स नहीं होता है कि हवा में जब ये था तो मन में शंका थी हेड आ सकता है टेल आ सकता है हेड आ सकता है टेल यानी फिफ्टी फिफ्टी परसेंटेज चांसेस हो जाते हैं तो हमारे जो सिलेबस में है वो कॉइंस को कब तक उछाला जाएगा कहाँ तक उछाला जाएगा क्या हम एक बार में एक कॉइन उछालेंगे या दोनों हाथ में ऐसे ऐसे रख के एक बार में दो कॉइन उछालेंगे या एक बार में तीन कॉइन उछालेंगे चार कॉइन उछालेंगे उछालेंगे तो क्या सैंपल स्पेस बनेगा सैंपल स्पेस का मतलब संभावनाएं क्या क्या बन सकती हैं पहले में हेड आएगा दूसरे में टेल आएगा पहले में टेल आएगा दूसरे में हेड आएगा दोनों में हेड आएंगे कि दोनों में टेल आएंगे तो सैंपल स्पेस उसी को कहते हैं ठीक है तो ये सारी बातें जो है हम लोग कॉइन्स के अंदर में पढ़ने वाले तो चलिए मेरे भाई सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं कि वेन एन अनबायस्ड कॉइंस इज वंस ठीक है तो पॉसिबल आउटकम आर पहली बात यहाँ पर कि सिक्कों के केस में अगर आप चाहते हैं यहाँ पर कि आपको जो टोटल आउटकम मिले यहाँ पर कॉइन के केस में कि आपको यहाँ कितने आउटकम मिले और कैसे मिले तो उसके लिए आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा 2 का पावर n क्या याद करना पड़ेगा मेरे भाई 2 का पावर n ये हमारा क्या बताएगा तो ये हमारा बताएगा टोटल आउटकम कितने तरह के आउटकम्स आपके पास आ सकते हैं यहां पर क्या-क्या हो सकती है संभावनाएं ठीक है जैसे मान लो कि यहाँ पर अगर आप एक कॉइन को उछालते हैं हवा हाँ में सिर्फ और एक सिक्के को मेरे भाई तो यहाँ पर क्या होगा तो यहाँ पर होगा दो का पावर एक यहाँ पर दो का पावर एक का मतलब दो अब बोलोगे सर ये दो क्या है तो मेरे भाई या तो यहाँ पर हेड आ सकता है नहीं तो क्या आ सकता है टेल आ सकता है तो ये इसके दो आउटकम हो गए क्या होगा मेरे भाई यहाँ पर तो दो आउटकम हो गए अगर हम दो कॉइन उछालेंगे तो दो का पावर दो होगा दो का पावर दो यानी कितना होगा चार होगा और मेरे भाई अगर चार होगा तो हम लिखेंगे कैसे तो देखो चार का आधा होता है दो चार का आधा होता है दो दो होता है यानी कितना हेड हो गया तो दो बार हेड हो गया और दो बार कितना हो गया तो दो बार टेल हो गया और फिर मेरे भाई जैसे चार का आधा हमारा दो हो गया चार का आधा हमारा कितना हो गया तो चार का आधा यहाँ पर जो है मेरे भाई दो हो गया तो हम यहाँ कैसे करेंगे तो चार का आधा दो बार हेड और दो बार टेल अब दो का आधा कितना होता है एक होता है तो दो का आधा एक होता है तो एक हेड आएगा और एक टेल आएगा एक हेड आएगा और एक क्या आएगा मेरे भाई तो टेल आएगा यहाँ पर अब उसके बाद यहाँ पर देखते चलो एक कॉइन हो गया दो कॉइन हो गया एक दो कॉइन के बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा तो दो कॉइन के बाद यहाँ पर तीन कॉइन हो जाएंगे हमारे और तीन कॉइन में यहाँ पर कहानी क्या होगी तो तीन कॉइन में जो टोटल आउटकम्स होंगे हमारे वो कितने होंगे तो तीन कॉइन में हमारे जो टोटल आउटकम होंगे वो दो का पावर तीन होगा दो का पावर तीन कहने का मतलब कितना तो आठ आउटकम होंगे ठीक है दो का पावर तीन का मतलब यहाँ पर कितना होगा मेरे भाई तो आठ आउटकम होंगे यहाँ पर ठीक है तो दो का पावर तीन का मतलब आठ आउटकम होंगे अब ये आठ आउटकम होंगे मेरे भाई यहाँ पर तो आठ का आधा कितना होगा चार यानी यहाँ पर हम कितनी बार हेड लिखेंगे तो चार बार यहाँ पर हेड लिखेंगे और चार बार यहाँ पर टेल लिखेंगे समझ गए यहाँ पे चार का आधा कितना होगा जैसे आठ का आधा चार होता है चार का आधा दो होगा तो दो होगा तो मेरे भाई यहाँ पर दो बार हेड दो बार टेल दो बार हेड दो बार यहाँ टेल फिर उसके बाद आठ का आधा चार चार का आधा दो, दो का आधा एक तो एक होगा पर क्लियर है ये बात आपको यहाँ पे कि आठ का आधा चार होता है चार का आधा दो होता है दो का आधा हमारा एक होता है ठीक है अब ये हमारा पहले था एक कॉइन फिर हमारा हुआ दो कॉइन फिर हमारा हुआ तीन कॉइन यदि मुझे मान लो कि यहाँ पर चार के केस लिखने हो कि यदि मैं चार कॉइंस को उछालूंगा तो क्या होगा तो यानी चार कॉइंस को उछालने का मतलब दो का पावर चार दो का पावर चार का मतलब सोलह आउटकम होंगे कितने आउटकम होंगे मेरे भाई तो सोलह आउटकम होंगे सोलह आउटकम होंगे तो कैसे लिखेंगे तो ट्रिक बता रहे हैं सोलह का आधा आठ होता है तो एक बार हेड दो बार हेड तीन बार हेड चार बार हेड पांच बार हेड छह बार हेड सात बार हेड आठ बार हेड और आठ बटेल एक बार दो बार तीन बार चार बार पांच बार छह बार सात बार आठ बार तो यानी सोलह का आधा मेरे भाई आठ हो गया आठ हेड आठ टेल ठीक है अब आठ का आधा कितना हो गया तो चार हो गया आठ का आधा चार हो गया तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा तो चार हेड हम लिखेंगे और मेरे भाई यहाँ पर चार मेरे भाई क्या लिखेंगे तो चार टेल फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे तो चार हेड हम लिखेंगे फिर यहाँ चार टेल मेरे भाई यहाँ पर लिखेंगे चार का आधा दो हो गया तो दो यहाँ पर हेड लिखेंगे दो यहाँ टेल लिखेंगे दो यहाँ पर हेड लिखेंगे दो यहाँ टेल लिखेंगे दो यहाँ पर हेड लिखेंगे दो यहाँ टेल लिखेंगे दो यहाँ पर हेड लिखेंगे दो यहाँ टेल लिखेंगे और दो का आधा कितना होता है एक होता है तो दो का आधा एक होता है तो हेड टेल हेड टेल और हेड टेल हेड टेल मेरे भाई यहाँ पर हेड टेल हेड ठीक है यहाँ पर क्या लिखेंगे तो बोलेंगे सर हेड हो गया टेल हो गया हेड हो गया टेल हो गया हेड हो गया टेल हो गया तो यानी चार सिक्कों को हम उछालेंगे तो या तो हो सकता है चारों के चारों हेड हो या ऐसा हो सकता है तीन हेड और एक टेल हो या दो हेड एक टेल एक हेड हो मतलब अलग अलग संभावना हो सकती है तो क्वाइंस में मेरे भाई कुछ इस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं आगे भी जाओगे तो आगे भी पढ़ोगे दो का पावर पाँच बत्तीस होगा दो का पावर छः इसी तरीके से करके हम सॉल्व आउट कर रहे होते हैं बट चार क्वाइंस से ज़्यादा हमें सैम्पल स्पेस लिखना नहीं होता है और उससे ज्यादा के सवालों के लिए हम थोड़े से अपने ट्रिक्स को अप्लाई करते हैं और यहाँ पर सभी चीज़ों को उसमें लिखते हैं जाओ तो क्वेश्चन में क्या कहा है टू आर अप फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ मैंने दो सिक्कों को एक साथ उछाला है और दोनों के दोनों सिक्के ऐसे थे कि कहीं पर किसी के भी आने की कोई भी संभावना नहीं थी तो दोनों को मैंने एक साथ उछाला तो पहला सवाल दो टेल आने की संभावना क्या है दूसरा सवाल एक हेड आने की संभावना क्या है तीसरा सवाल एट वन टेल आने की संभावना क्या है चौथा सवाल एट मोस्ट वन टेल आने की संभावना क्या है और पांचवा सवाल नो no टेल आने की संभावना क्या है यानी मैंने यहाँ पर एक ही सवाल के अंदर में सब कुछ लपेट दिया है सब कुछ आपको क्लियर कर दिया है तो मैं कैसे करूँगा तो मैंने कहा यहाँ पर दो सिक्कों को मैंने उछाला है तो दो सिक्कों को उछाला है तो दो का पावर कितना हो जाएगा दो यानी आउटकम के लिए कभी भी सिक्कों की संख्या और टू का पावर एन एन का मतलब नंबर ऑफ कॉइन दो उछाला तो दो लिखो तीन उछाला तीन लिखो चार उछाला चार लिखो उस तरीके से करके तो दो का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा चार हो जाएगा चार हो जाएगा तो हम लिखेंगे कैसे यहाँ पर ये यह बताओ तो लिखने के लिए यहाँ पर बोलोगे सर चार का आधा दो हेड और कितना लिखोगे सर दो टेल और दो का आधा कितना हो जाएगा हेड टेल हेड और टेल यानी ये संभावनाएं हमारी बनेंगी तो क्वेश्चन नंबर वन में यहाँ पर बोला है कि क्या प्रायिकता है कि हमें दोनों के दोनों टेल मिले तो यहाँ पर देखना दो टेल कहाँ पर आए हैं और कितनी बार आए हैं तो एक बार आए हैं तो यहाँ पर कितना होगा तो प्रायिकता होगी कि दोनों के दोनों टेल मिले तो इसके लिए मेरे भाई जो आंसर होगा वो कितना होगा तो कितना बार मेरे भाई एक बार और कितने में तो टोटल चार केस में यानी वन अपॉन फोर तो पहले का आंसर कितना हो जाएगा मेरे भाई वन अपॉन फोर यानी क्या क्या प्रायिकता है कि दोनों के दोनों टेल मिले तो वन अपॉन फोर दूसरा बात करते हैं सिर्फ एक हेड मिले ओनली वन हेड ठीक है क्या प्रायिकता है कि वन हेड मिले तो देखो इसमें कितने हेड है दो लेंगे बिल्कुल भी नहीं इसमें कितने हेड है एक तो इसे लेंगे हाँ जी इसमें कितने हेड है एक इसे लेंगे हाँ जी इसे लेंगे नहीं तो यानी वन हेड वाले कितने हैं मेरे भाई तो वन हेड वाले दो केस हैं तो कितने केस हैं तो दो केस हैं और टोटल कितना मेरे भाई तो नीचे चार यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा तो वन अपॉइन्ट टू हो जाएगा इतना आंसर हमारा कितना हो जाएगा तो वन अपॉइन्न टू हो जाएगा ठीक है उसके बाद यहां पर नेक्स्ट हमारा आ जाता है एट लीस्ट वन देखो दो चीजों में बच्चा कंफ्यूज होता है एक एट लीस्ट में और एक एट मोस्ट में ठीक है एटलीस्ट का और एटमोस्ट का अंतर क्या होता है देखो एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम इतना तो मुझे चाहिए कि मेरा गुजारा हो जाए मैं सरकार से निवेदन कमता हूँ कम से कम इतनी सैलरी तो मुझे दो कि मेरा खर्चा पानी चल जाए ठीक है और एटमोस्ट का मतलब क्या होता है कि यार ज़्यादा से ज़्यादा मुझे बस इतना ही चाहिए मुझे जीवन में और ज़्यादा आवश्यकता नहीं है मुझे बहुत ज़्यादा मोह नहीं है तो एटलीस्ट में क्या होता है एटलीस्ट वन का मतलब यहाँ पर हो गया कि एक भी हो दो भी हो तीन भी हो चार भी हो लेकिन कम से कम एक हो उससे कम दिए तो हमारा ज़िंदगी नहीं चलेगा हम बर्बाद हो जाएंगे ख़त्म हो जाएंगे समझ रहे हो बात को लेकर तो कम से कम एक रोटी तो दो मुझे खाने के लिए उससे कम मत दो और एटमोस्ट वन का मतलब ज्यादा से ज्यादा अगर हम खा सकते हैं ना तो मूर्थल के एक ही पराठे खा सकते हैं उससे ज्यादा नहीं खा सकते तो एटमोस्ट वन वो हो जाता है तो चलो एटलीस्ट वन की काउंटिंग करते हैं कि एटलीस्ट वन टेल यानी कम से कम एक टेल तो क्या इसके अंदर टेल है तो नहीं इसके अंदर है तो हाँ इसके अंदर है तो हाँ इसके अंदर दो है कोई फर्क नहीं पड़ता कम से कम एक चाहिए एक भी चलेगा दो भी चलेगा तीन भी चलेगा चार भी चलेगा फर्क नहीं पड़ता बट कम से कम एक तो चाहिए यानी वन टेल का मतलब एक दो और तीन यानी कितना हो जाएगा थ्री अपॉन फोर हो जाएगा बच्चा बोलता वन टेल बोला है तो वन टेल बोला है तो आप इसको काउंट किए अरे वन टेल के पहले एटलीस्ट भी तो लगा हुआ है और एटलीस्ट का मतलब क्या होता है एक भी चलेगा दो भी चलेगा तीन भी चलेगा फर्क नहीं पड़ता लेकिन कम से कम एक चाहिए इसमें तो मेरे भाई एक भी टेल नहीं था इसलिए उसको कंसिडर नहीं किया अब आ जाओ पॉइंट नंबर फोर में मेरे भाई ठीक है यहाँ बोला गया एटमोस्ट वन टेल एक से ज्यादा नहीं चाहिए यहाँ पर भी एक से ज्यादा टेल दिखे मत लेना ठीक है एक चलेगा एक से कम चलेगा एक से ज्यादा नहीं चलेगा एक चलेगा एक से कम चलेगा एक से ज्यादा नहीं चलेगा तो यहां पर एक से ज्यादा है नहीं है ये चलेगा काउंटेड है एक से ज्यादा है नहीं है ये काउंटेड है एक से ज्यादा है नहीं है ये काउंटेड है एक से ज्यादा है है मेरे भाई तो ये काउंट नहीं किया जाएगा तो एट मोस्ट का मतलब जीरो भी हो तो होगा वन भी हो तो चलेगा वन से ज्यादा है तो नहीं चलेगा यानी कितने मेरे भाई तीन कितने में चार में तो हम आंसर कितना देंगे तो बोलेंगे सर थ्री अपॉन

ठीक है तो आइए अभी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है यदि दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि एक सिक्के पर हेड आएगा और दूसरे सिक्के पर टेल आएगा एक सिक्के पर हेड आएगा और दूसरे पर मेरे भाई टेल आएगा इफ टू कॉइन आर टॉस साइमल्टेनियसली वट इज द प्रोबाबिलिटी दैट वन कॉल विल गेट हेड एंड अदर विल गेट टेल तो मेरे भाई दो सिक्कों का मतलब दो का पावर दो दो का पावर दो का मतलब चार चार का मतलब दो बार हेड दो बार टेल ठीक है और यहाँ फिर हेड टेल हेड टेल मेरे भाई यहाँ पर यह हो जाता है हमारा स्पेस हमने यहां लिख दिया क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया तो क्वेश्चन में कहा गया कि एक मेरे भाई चाहिए हेड और एक हमारा चाहिए 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 मेरे मेरे भाई भाई क्या चाहिए? तो एक हमें head, एक हमें हमें हेड और टेल पे तो क्या एक head और एक हेड और टेल है लेंगे तो नहीं लेंगे एक हेड एक टेल है तो लेंगे एक हेड एक टेल है तो लेंगे एक हेड एक टेल है, तो है, तो है तो नहीं लेंगे यानी आंसर की अगर हम बात करें तो आप मुझे बताओ कितने केस बन रहे हैं दो और किस

पढ़िए तो बोला गया सर क्वेश्चन नंबर 22 थ्री अनबाइस टॉस अप टुगेदर फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अब तीन सिक्कों की बात है और जब तीन सिक्कों की बात है तो भाई हमने आपको अच्छे से पढ़ाया दो का पावर तीन दो का पावर तीन का मतलब आठ और आठ का मतलब क्या हो गया तो आठ का मतलब यहाँ पर कितना लिखना है चार बार मेरे भाई यहाँ पर ठीक है आठ का मतलब क्या हो गया तो चार बार हेड कितना एक बार हेड दो बार हेड तीन बार हेड चार बार हेड इसका आठ का आधा चार हो गया चार बार हेड और मेरे भाई कितनी बार टेल चार बार टेल फिर चार का आधा दो हेड ठीक है दो टेल फिर यहाँ पर दो दो क्या हो जाएगा तो दो हेड हो जाएगा यहाँ पे और दो टेल हो जाएगा दो का आधा एक हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल, टेल लिख दी मेरे भाई सारी बातें अब यहाँ पॉइंट नंबर वन बोलेंगे ऑल हेड्स क्या प्रायिकता है कि सारे के सारे चित आए सारे के सारे हेड आए वॉट इज द प्रोबेबिलिटी सारे हेड हो तो मेरे भाई देखना इसमें सारे हेड हैं यहाँ पर यहाँ पर यहाँ यहाँ कहीं पर नहीं हुआ सिर्फ एक ही मेरे भाई केस बन रहा है कि सारे के सारे हेड हो यानी वन केस आउट ऑफ टोटल कितना तो आउट ऑफ एट यानी आंसर कितना आएगा वन अपॉन एट आएगा ठीक है आज वो यहाँ पर दूसरा वाला मेरे भाई केस क्या होता है वो जरा देखो तो यहां पर एट लीस्ट वन टेल कम से कम एक तो दे दो मेरे गुजारा के लिए एक भी दोगे तो जिंदा रह लूंगा दो दे दो तो और अच्छी बात है तीन दे दोगे तो और अच्छी बात है चार दे दोगे तो और अच्छी बात है तो यहां पर एटलीस्ट वन का मतलब जिन बच्चों को पीछे वाले क्वेश्चन में बीस नंबर में क्लियर नहीं हुआ था उनको बाईस में दो हजार परसेंट एटलीस्ट और एटमोस्ट का मेरे भाई बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा तो एटलीस्ट का मतलब जानते हो क्या होता है एटलीस्ट वन टेल का मतलब एक टेल भी चलेगा दो टेल भी चलेगा तीन टेल भी चलेगा कोई दिक्कत नहीं है तो यहाँ पर क्या एक टेल है एक भी टेल नहीं है तो ये हमारे लिए नहीं चलेगा ये चलेगा ये चलेगा दो टेल है चलेगा एक टेल है चलेगा दो टेल है चलेगा 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 दो टेल है चलेगा, तीन टेल है है तीन तो एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम एक होना चाहिए तो कम से कम एक होना चाहिए एक ही केस ऐसा है जिसमें एक भी टेल नहीं है तो वो नहीं होगा बाकी पूरे के पूरे कितने केस बनेंगे सात तो आंसर हम कितना देंगे तो बोलोगे सर आंसर जो आएगा इसका वो कितना आएगा तो सेवन अपॉन एट आएगा कितना आएगा तो सेवन अपॉन एट आएगा ठीक है उसके बाद यहाँ तीसरा केस की अगर हम बात करते हैं तो तीसरा हमारा बोलता है एग्जैक्टली टू हेड बिल्कुल दो चित चाहिए दो से ज्यादा नहीं ना दो से कम मतलब एग्जैक्टली exactly का मतलब होता है ना दो से ज्यादा और ना दो से मेरे भाई कम यहाँ पर ठीक है तो यहाँ पर दो से ज्यादा है नहीं लेंगे ये मेरे भाई एग्जैक्टली exactly टू है लेंगे ये नहीं लेंगे ये नहीं लेंगे एग्जैक्टली exactly टू है लेंगे ये नहीं लेंगे ये नहीं लेंगे नहीं लेंगे तो एग्जैक्टली exactly टू वाला केस कितना आया तो बोलोग एग्जैक्टली टू वाला केस दो आया कितने लोगों में तो आठ लोगों में यानी इसका आंसर हमारा आ जाएगा वन अपॉन फोर ठीक है अब इसके बाद मेरे भाई यहाँ पर एक हो गया क्वेश्चन नंबर फोर जो हम आपको क्लियर करवाते हैं क्योंकि एटलीस्ट तो हम पढ़ा दिए हैं मेरी जिम्मेदारी यहां बनती है एटमोस्ट भी पढ़ाने की कि एटमोस्ट यहाँ पर वन टेल अब जरा इसका बता दो यहां पर कि एटमोस्ट वन टेल कितना होगा एटमोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा एक ज्यादा से ज्यादा एक तो ज्यादा से ज्यादा एक का मतलब यहाँ पर जीरो भी ले सकते हो वन भी ले सकते हो लेकिन एक से ज्यादा नहीं बढ़ सकते ध्यान रखना यानी जीरो टेल भी चलेगा और वन टेल भी चलेगा एटमोस्ट वन का मतलब क्या हो एटमोस्ट वन का मतलब यहां पर ज्यादा से ज्यादा एक ठीक है तो जीरो भी ले सकते हैं वन तो क्या इसमें जीरो टेल है तो हाँ, ये चलेगा यहां पर एक टेल है चलेगा एक टेल है चलेगा दो नहीं चलेगा एक चलेगा दो नहीं चलेगा दो नहीं चलेगा तीन तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा यानी कितने केस हो गए मेरे भाई तो बोलोगे सर चार केस हो गए कितने में तो आठ में यानी आंसर कितना हो जाएगा तो वन अपॉइंट हो जाएगा आंसर कितना हो जाएगा तो वन अपॉन टू हो जाएगा मानो किसी बच्चे के मन में यहाँ पर जो है वो शंका है और वो बोले नहीं सर आप एटमोस्ट वन टेल की बात किए हैं आप एक काम करिए एक और क्वेश्चन हमसे लिखवा लीजिए एटमोस्ट टू टेल लिखवा लीजिए सर यहाँ पर कि ज्यादा से ज्यादा टू टेल्स ज्यादा से ज्यादा टू टेल्स बस ज्यादा से ज्यादा तुमको जो है दो ग्लास कोल्ड ड्रिंक पीनी है उससे ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पी लिए तो सेहत तुम्हारी ख़राब हो जाएगी तुम नहीं पियो चलेगा तुम एक ग्लास पियो चलेगा तुम दो ग्लास पियो चलेगा दो से ज़्यादा नहीं पी सकते तो मोस्ट टू का मतलब जीरो भी हो तो चलेगा वन भी हो तो चलेगा टू भी हो तो चलेगा तो यानी जीरो टेल जीरो टेल चलेगा एक टेल चलेगा एक टेल चलेगा दो टेल चलेगा एक टेल चलेगा दो टेल चलेगा दो टेल चलेगा तीन टेल बिल्कुल भी नहीं चलेगा यानी एटमोस्ट में कितना आ गया सात कितना आ गया मुन्ना सात कितने केसेस में आठ केसेस में तो आंसर होगा कोई भी चीज हम आपको हटाएंगे नहीं भाई अच्छा तीसरे वाले का थोड़ा सा यहाँ पर चेंज कर लीजिए तीसरे वाले में बोला गया एग्जैक्टली टू हेड तो एग्जैक्टली टू हेड मेरे भाई यहाँ पर तीन केस बनते हैं एग्जैक्टली टू हेड का एक यहाँ पर एग्जैक्टली टू हेड यहाँ पर यह बन रहा है कि सिर्फ एग्जैक्टली टू हेड एक यहाँ पर ये यह बन रहा है और एक यहाँ पर यह बन रहा है तो एग्जैक्टली टू हेड में जो आंसर आएगा वो कितना थ्री आएगा थ्री अपॉइन आएगा कितना आ जाएगा थ्री अपॉनेट कि एग्जैक्ट दो ही हो ना दो से ज्यादा हो ना दो से कम हो

और मेरे भाई चार बार क्या लिख देना है तो चार बार आपको टेल लिख देना है फिर यहाँ दो बार हेड दो बार टेल फिर यहाँ दो बार हेड और यहाँ दो बार टेल फिर यहाँ पर एक बार हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड हो गया और टेल हो गया लिख दिया हमने यहाँ पे अब जरा आगे समझिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि यहाँ पर ना इधर थ्री ना ही मुझे तीन हेड चाहिए मतलब तीनों के तीनों हेड नहीं चलेगा तीनों के तीनों के टेल नहीं चलेगा उसको छोड़ के जो बात करनी है कर लो तो तीनों के तीनों हेड नहीं चलेगा तीनों के तीनों टेल नहीं चलेगा बाकी सारे केस चलेंगे तो बाकी सारे केस चलेंगे तो आंसर कितना आएगा तो छे केस संभव है कितने केसेस में तो आठ में तो आंसर मेरे भाई कितना हो जाएगा तो थ्री अपॉन फोर हो जाएगा कौन सा ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई यहाँ डी फॉर देवसेना ठीक है आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पे क्या बोला गया है बोला गया है, चार सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है इसकी क्या प्रायिकता है कि कम से कम तीन सिक्कों पर हेड या टेल आए इंग्लिश में पढ़ लीजिए कि फोर क्वाइन आर टॉस साइमल्टेनियसली व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट थ्री क्वाइन विल गेट हेड और टेल कम से कम तीन सिक्कों पर कम से कम कितने सिक्कों पर तो तीन सिक्कों पर या तो हेड आए नहीं तो टेल आए बड़ा बवाल सवाल है मैंने कहा चार सिक्कों की बात कही गई तो चार सिक्कों का मतलब दो का पावर चार दो का पावर चार का मतलब सोलह सोलह को मेरे भाई कैसे लिखोगे तो आठ बार हेड लिखना पड़ेगा एक बार दो बार तीन बार चार बार पाँच बार छः बार सात बार आठ बार और आठ बार मेरे भाई क्या लिखना पड़ेगा तो आठ बार आपको टेल जो है वो लिखना पड़ेगा यहाँ पे ठीक है एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ फिर आठ का आधा मेरे भाई हो जाता है यहाँ तो पर चार तो चार बार क्या लिखेंगे हेड और चार बार मेरे भाई यहाँ लिखेंगे टेल फिर यहाँ पर चार बार लिखेंगे हेड यहाँ पे और चार बार मेरे भाई क्या लिखेंगे टेल लिखेंगे चार का आधा कितना होता है दो होता है दो बार हेड दो बार टेल दो बार हेड दो बार टेल दो बार हेड दो बार टेल दो बार हेड और दो बार कितना टेल फिर उसके बाद यहाँ पर एक हेड एक टेल 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 हेड हो गया टेल हो गया हेड हो गया टेल हो गया ठीक है फिर यहाँ पर हेड हो गया टेल हो गया मतलब सैंपल स्पेस तुरंत ही लिख दो इसी रीजन से ना मेरे भाई यहाँ पर कि काफी सारे बात यहाँ पर पूछी जाती है देखो विदाउट पेन करना चाहो तो कर सकते हो किसी ने मना नहीं किया बट मेरा धर्म है मेरे भाई पूरा समझाना आपको ठीक है मुझे तो हर बच्चे को लेके यहाँ चलना है जिसको नहीं आता उसको भी जिसको आता है मेरे भाई वो भी यहाँ पे ठीक है तो यहाँ क्वेश्चन में क्या कहा गया कि चार सिक्कों में से एक साथ उछाला जाता है इसकी क्या प्रायिकता कि कम से कम से तीन सिक्कों पर हेड या यहाँ पर टेल आए ठीक है मतलब या तो मुझे तीन हेड चलेगा या मुझे तीन टेल चलेगा या तो मुझे तीन हेड चलेगा या तो मुझे तीन टेल चलेगा कम से कम ठीक है तो यहाँ पर तीन हेड है कम से कम चलेगा तीन हेड है, है कम से कम चलेगा तीन हेड या तीन टेल है चलेगा यहाँ दो हेड दो टेल है नहीं चलेगा या तो मुझे तीन हेड चाहिए नहीं तो मुझे तीन टेल चाहिए यहाँ पर कम से कम तीन हेड है चलेगा यहाँ मेरे भाई चलेगा नहीं दो हेड दो टेल है बिल्कुल भी नहीं चलेगा ठीक है दो हेड दो टेल है बिल्कुल भी नहीं चलेगा ठीक है या फिर मेरे भाई कम से कम तीन टेल चलेगा कम से कम तीन हेड चलेगा दो हेड दो टेल है नहीं चलेगा दो हेड दो टेल है नहीं चलेगा कम से कम तीन टेल चलेगा यहाँ पर दो टेल दो हेडर नहीं चलेगा तीन टेल चलेगा तीन टेल चलेगा ये चलेगा तो कितने नहीं चले एक दो तीन चार पाँच छः छः लोग नहीं चले तो कितने चल गए तो बोलोगे सर यहाँ पर कितने लोग चल सकते हैं तो बोलोगे दस लोग कितने में तो सोलह में दस बटे सोलह का मतलब पाँच बटे आठ होता है कौन सा ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आंसर है अभी चार सिक्कों तक तो हम आपको पूरा का पूरा ऐसे समझाएंगे पूरा का पूरा बेसिक से बताएंगे क्योंकि इसमें कई तरह के सवाल बन सकते हैं और हर किसी के लिए अलग अलग, अलग फॉर्मूला लगाना या बताना अपने आप में एक बेवकूफ़ी का पहचान होगा ठीक है तो चार चार्वाइन तक तो मैं बोलूंगा कि पूरा सैंपल स्पेस लिख कर करो ठीक है दो क्वाइन का सैंपल स्पेस लिख लिया तीन क्वाइन का लिख लिया चार का लिख लिया यदि तुमसे चार से ऊपर का पूछता है जैसे मैं अब पूछना शुरू करूंगा उस केस में ये पूरा का पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है उस केस में डायरेक्ट कॉम्बिनेशन अप्लाई होगा और यहाँ पर जो है वो हम यहाँ आंसर दे पाएंगे जैसे आप यहाँ देखिए इस सवाल को समझिए क्या बोला गया है एक सिक्के को पांच बार उछाला जाता है ठीक दो चित आने की प्रायिकता क्या है अस्टॉस फाइव टाइम व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली टू हेड मुझे एग्जैक्टली टू हेड चाहिए मुझे कितना चाहिए तो exactly मेरे भाई यहाँ पर टू हेड चाहिए तो एक मेरे भाई क्वाइन को कितनी बार उछाला गया पांच बार तो पहले हम इसका सैम्पल स्पेस देख लें तो बोलोगे हाँ सर सैम्पल स्पेस या यहाँ पर आउटकम कितना होगा दो का पावर पाँच दो का पावर पाँच कितना होता है तो बत्तीस यानी बत्तीस क्या मिलेंगे तो बत्तीस यहाँ पर संभावनाएं मिलेंगे उसमें मेरे भाई हमें क्या चाहिए तो यहाँ पर पांच में से मेरे भाई दो हेड चाहिए तो हम यहाँ लिखेंगे पांच सीटू मैंने कहा ना सेलेक्ट करने की बारी आ गई है। अब अब सिलेक्शन मेरे भाई हो गया सिर्फ दो हेड चाहिए तो यानी पाँच सीटू पाँच सीटू पढ़ाया है बताओ तो बोलोगे हाँ सर ये पाँच सीट ये हमारा क्या हो गया मेरे भाई तो ये हमारा टोटल हो गया ध्यान रखना कि टोटल की वैल्यू कितनी है टोटल की वैल्यू हमारी इतनी है ठीक है तो पाँच सीटों तो यहाँ पर अच्छा यहाँ पर हमें क्या चाहिए तो हमें यहाँ पर एक्जैक्टली टू हेड चाहिए तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो बोलेंगे ये टोटल हो गया और ये हमारा क्या हो गया तो एक्जैक्टली टू हेड हो गया तो एग्जैक्टली टू हेड के लिए यहाँ पर क्या करेंगे तो यहाँ पांच सिक्कों में से दो पर एग्जैक्टली exactly चाहिए पांच मतलब तो, तो आंसर में क्या बोलते हो तो आंसर में बोलते हो यहाँ पर जो तुम्हें चाहिए उसे ऊपर लिखो और बट्टे में क्या लिखो तो, तो टोटल लिखो यानी दस बटे बत्तीस दस बटे बत्तीस का मतलब पांच बटे सोलह जो होगा वो हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी का होना प्यार है या चलो कहीं इंस्पेक्टर बने जैसे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स देखिए ट्वेंटी सिक्स बड़ा प्यारा सवाल है क्या बोला गया है एट टाइम व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली सिक्स टेल किसी सिक्के को आठ बार उछाला गया है एकदम छः बार टेल आने की क्या संभावना है छ बार टेल आने की तो हमने कहा देखो सर दो का पावर आठ दो का पावर पाँच बत्तीस छ चौसठ सात एक सौ अट्ठाईस आठ दो सौ छप्पन तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं टोटल आउटकम्स की कि टोटल हमारा कितना होगा तो हम बोलेंगे सर हमने यहाँ पर एक दो सिक्के नहीं उछाले हैं हमने कुल मिलाकर आठ सिक्के उछाले हैं तो आठ उठा ले हैं तो दो का पावर आठ दो का पावर आठ कितना होगा दो सौ छप्पन होगा पांच जो होता है बत्तीस होता है छः हमारा चौंसठ होता है सात एक सौ अट्ठाईस आठ दो सौ छप्पन यानी इतना हो गया हमारा ठीक है उसमें बोला गया कि आठ बार में छः हमें क्या चाहिए तो टेल चाहिए या तो छः टेल कह लो या छः हेड कह लो बात हमारा एक ही है तो यहां पर अगर हम बात करते हैं एग्जैक्टली exactly. ठीक है एग्जैक्टली मेरे भाई यहाँ पर क्या चाहिए तो एग्जैक्टली exactly अगर छः टेल चाहिए तो एक्जैक्टली exactly टेल के लिए अगर हम बात करें तो बोलेंगे सर आठ में से हमें छः चाहिए तो आठ को कितनी बार लिखना पड़ेगा छः बार तो यहाँ पर आठ इंटू सात इंटू है इंटू हमारा हो जाएगा पाँच इंटू चार इंटू मेरे भाई तीन तीन टर्म तीन टर्म टर्म और बट्टे में छ फैक्टोरियल तो छ इंटू पाँच इंटू चार इंटू तीन इंटू दो इंटू मेरे भाई एक छः पाँच चार तीन छः पाँच चार तीन खत्म दो से काटोगे मेरे भाई चार बार में तो यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा अट्ठाईस आ जाएगा मेरे भाई तो 28 आ जाएगा, कितना आ जाएगा तो मेरे भाई अट्ठाईस आ जाएगा तो फाइनली जो आंसर बनेगा आपका वो क्या बनेगा बोलोगे सर अट्ठाइस चांसेस हैं और कितने के ऊपर में तो यहाँ पर कुल मिला के दो सौ छप्पन के ऊपर में ठीक है आप यहाँ से काटना चाहे तो काट सकते हैं कि चार से काटेंगे सात बार में और चार से काटेंगे मेरे भाई तो यहाँ पर चौंसठ बार में सेवन अपॉन सही लिखा है क्या एट सिक्स सिक्स हो गया ना तो एक दो तीन चार पाँच छः छः पाँच चार तीन दो एक छः पाँच चार तीन हो गया दो से चार हमने काटा है यहाँ पे ठीक है तो हमारा हो गया अट्ठाईस कोई दिक्कत नहीं है सात बते चौसठ मेरे भाई करेक्ट आंसर आएगा ये सारे के सारे जो हैं ऑप्शंस गलत हैं जो आएगा वो हमारा करेक्ट आंसर आएगा ठीक है सारे ऑप्शंस गलत हैं यहाँ पर करेक्ट करना होगा आप यहाँ पर इसको काटेंगे लिखेंगे ये आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा तो अगर हम यहाँ इस सवाल को देखते हैं तो पढ़िए अ क्वाइन इज नाइन टाइम वट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट टू टेल मेरे भाई कितने टेल चाहिए एट मोस्ट टू एट मोस्ट टू का मतलब जानते हैं क्या होता है ज़्यादा से ज़्यादा दो टेल ज़्यादा से ज़्यादा दो टेल का मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि हमारे लिए जीरो टेल भी चलेगा हमारे लिए वन टेल भी चलेगा और यहाँ पर हमारे लिए मेरे भाई दो टेल्स भी चलेंगे एटमोस्ट का मतलब तो यहीं पर होता है ठीक है एटमोस्ट का मतलब क्या होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा दो तेल तेल तो तेल ज्यादा से ज्यादा कितना मेरे भाई तो दो तो पहले यहां पर इनकी हम काउंटिंग कर लेते हैं कि इनकी काउंटिंग कितनी होगी मैंने यहाँ पर नौ बार उछाला है और जीरो टेल तो यानी क्या हो जाएगा नाइन सी जीरो हो जाएगा यहाँ पर नौ में से एक टेल नाइन सी वन हो जाएगा नौ में से दो मेरे भाई तो नाइन सी टू हो जाएगा नाइन सी जीरो का मतलब जानते हो क्या होता है एन सी जीरो पढ़ाया था वन के बराबर आता है पता है ना यहाँ पर एन सी जीरो पर क्या होगा तो एन फैक्टोरियल एन माइनस जीरो का फैक्टोरियल याद होगा और तो, और तो जीरो मिलाकर कट कर यहाँ वन आता है तो नाइनसी जीरो का मतलब कितना हो जाएगा तो वन हो जाएगा नाइनसी वन याद करो यहाँ पर एन सी वन भी मैंने आपको पढ़ाया था क्या कहा था मैंने एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई यहाँ पर एन माइनस वन फैक्टोरियल और फिर इसको तोड़ा था मैंने एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल में और डिवाइडेड बाई एन माइनस वन यानी कुल मिलाकर एन आंसर आता है बाकी आपको काटना हो तो आप काट भी सकते हैं कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है जैसे मान लो अगर आपको यहाँ पर लिखना है तो मेरे भाई नौ को एक टर्म तक लिखो तो मात्र नौ को लिखो और नीचे कितना लिखो यहाँ नौ फैक्टोरियल और नीचे कितना नाइन माइनस एट फैक्टोरियल आपको लिखना है तो लिखो कोई दिक्कत नहीं तो बोलोगे सर नाइन इंटू एट फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई यहाँ पर एट फैक्टोरियल तो बात वही है कितना आ जाएगा नौ आ जाएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा नौ आ जाएगा यहाँ कितनी संभावना है एक यहाँ कितनी संभावना है नौ अब यहाँ देखो यहाँ पर नाइन सी टू नाइन सी टू का मतलब नौ को दो बार लिखना है यानी नाइन इंटू कितना हो जाएगा एट हो जाएगा और डिवाइडेड बाय दो फैक्टोरियल दो इंटू एक हो जाएगा दो से काटोगे चार बार में तो मेरे भाई हो जाएगा छत्तीस यानी जो हमारी संभावनाएं बन सकती हैं वो कितनी है तो एक प्लस नौ दस और दस और छत्तीस यानी छियालीस कितना हो सकता है तो छियालीस हो सकता है कितना हो सकता है तो छियालीस लेकिन ये छियालीस मेरे भाई कितने में तो हमारे टोटल आउटकम्स को ज़रा हम देखें यहाँ पर तो टोटल आउटकम्स भी हमारा कितना है तो टोटल आउटकम्स की यदि हम बात करते हैं तो हम बोलेंगे सर देखिए कितने सिक्के हमने उछाले हैं तो नौ बार उछाला है या तो नौ सिक्के एक साथ उछाल लो या एक सिक्के को नौ बार उछाल लो बात तो मेरे भाई एक ही है नौ सिक्के एक बार उछाल लो या एक सिक्के को नौ बार उछाल लो बात एक ही है तो टोटल आउटकम हमारा दो का पावर नौ होगा और दो का पावर नौ मेरे भाई कितना होगा तो पाँच सौ बारह कितना होगा यहाँ पर तो पाँच सौ बारह होगा क्लियर है ये यह बात यहाँ पे तो इसीलिए जो प्रायिकता होगी जो संभावनाएं बनेंगी वो कितनी बनेंगी तो छियालीस हमारी प्रायिकता बन सकती है कितने लोगों में कितने टर्म्स में तो पाँच सौ बारह यदि हम इसे काटने पर आ जाए मेरे भाई तो काटेंगे तो यह हमारा तेईस बन जाएगा और यह हमारा दो सौ छप्पन की बात करते हैं और यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर अट्ठाईस में मेरे भाई क्या बोला गया और यह आपका लास्ट क्वेश्चन है यह आपका कौन सा क्वेश्चन है तो लास्ट क्वेश्चन है मेरे भाई यहाँ पे क्या बोला गया अकवाइन इज टॉस सेवन टाइम एक सिक्के को सात बार उछाला जाता है या सात सिक्के को एक बार उछाला जाएगा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट टेल 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 कम से कम 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 से 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 चाहिए दो टेल चाहिए चाहिए क्या तो मेरे भाई क्या क्या संभावना हो सकती है तो एक जीरो की संभावना हो सकती है देखो अभी मैं लिख रहा हूं बस समझना जीरो आएगा एक टेल आएगा दो टेल आएगा ठीक है उसके बाद तीन टेल आएगा अब इसमें से हमें कौन कौन सा लेना है वो हम आपको बताएंगे ठीक है चार टेल हो जाएगा पांच टेल हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर और क्या हो जाएगा छः टेल्स हो सकते हैं या फिर सात टेल्स हो सकते हैं ठीक है अब मुझे यहाँ पर क्या चाहिए तो एटलीस्ट टू एटलीस्ट टू का मतलब क्या होता है पता है एटलीस्ट टू का मतलब कम से कम दो तो हमें ये चाहिए हमें ये चाहिए हमें ये चाहिए ये भी चाहिए ये भी चाहिए ये भी चाहिए और ये हमें नहीं चाहिए ये हमें नहीं चाहिए कम से कम दो के क्राइटेरिया में ही नहीं आते हैं अब दो तरह के लोग होते हैं एक मूर्ख होते हैं और एक महामूर्ख होते हैं

भाई कॉमन सेंस की बात है ना टोटल निकाल लो टोटल में से इन दोनों को घटा दो तो ये पूरी की संख्या निकल जाएगी अगर तुम्हें इन लोगों की ही काउंटिंग करनी है तो अलग अलग क्यों निकालते हो टोटल में से इन दो को माइनस कर दो पूरा का पूरा नीचे का निकल जाएगा अब टोटल कैसे निकालोगे पढ़ाए नहीं है बताओ पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए तो बोलोगे हाँ सर तो टोटल आउटकम हुआ कैसे निकलता है मुन्ना तो बोलोगे सर देखिए टोटल आउटकम का मतलब यहाँ पर कितने हैं तो दो का पावर सात और दो का पावर सात सर अभी कितना होगा पाँच बत्तीस छः चौंसठ ठीक है और सात हमारा कितना होगा तो एक सौ अट्ठाईस होगा कितना होगा सर तो एक सौ अट्ठाईस होगा एक सौ अट्ठाईस हमारे टोटल आउटकम है उसमें ज़रा इन दोनों का मान देख लें तो यहाँ बोलेंगे ये सेवन सी ज़ीरो है और ये सेवन सी वन है यहाँ पर सेवन सी जीरो का मतलब कितना होगा तो वन आएगा देखो यहाँ पर एनसी जीरो याद रखना मेरे भाई कभी भी भविष्य में एनसी जीरो का मान कितना होता है वन होता है और एन सी वन का मान कितना होता है तो एन होता है एन सी वन का मान कितना होता है तो एन सी वन का मान एन होता है तो सेवन सी वन का मान कितना होगा तो सात होगा ठीक है अब यहाँ पर मुझे एक बात बताओ यहाँ पर एन सी वन यहाँ पर देखो NC01 एन सी जीरो वन और एन सी वन हमारा एन होगा अब यहाँ पर मैंने क्या कहा कि महामूर्ख लोग होते हैं जो ये सारा कैलकुलेट करते हैं होशियार बच्चा क्या करेगा बोला एक सौ अट्ठाईस में यार केस बना तुम्हारा एक सौ अट्ठाईस में तुमको कितना नहीं लेना है आठ गो नहीं लेना है तो आठ गो नहीं लेना है तो मेरे भाई कितना केस लोगे तुम यहाँ तो बोलेगा देखो आठ गो तुमको नहीं लेना है एक सौ अट्ठाईस में से आठ घटा दो तो एक सौ बीस केसेस तुम्हारे बनेंगे कितने बनेंगे तो एक सौ बीस केस तुम्हारे बनेंगे कितने बनेंगे तो 120 केस बनेंगे तो जो आंसर दोगे तो यहाँ क्या बोलोगे तो बोलोगे कितना केस बना 120 कितने में बना 128 में चार से काटा 30 बार में या फिर आठ से काट लो सबसे बढ़िया आठ से काटोगे ठीक है तो 15 बार में और आठ से काटोगे तो 16 बार में 15 बटे सोलह ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना आंसर ठीक है आ जाइए चलिए तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं आज मेरे भाई डाइस के बारे में अब देखो डाइस में जो होता है वो दो केस बनते हैं यदि हम एक डाइस को फेंके तो हमारा क्या होगा और दूसरा यदि मेरे भाई यहाँ पर दो डाइस को फेंके तो हमारा क्या होगा ठीक है दोनों के ऊपर बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन बन सकते हैं कुछ हम आपको टाइप सिखाएंगे सबसे अच्छी बात आप लोगों के लिए ये है कि डाइस के नॉर्मल सवालों में परम्यूटेशन या कॉम्बिनेशन का जिक्र नहीं होता है एक्सटेंडेड लेवल के क्वेश्चंस में जो कि मैंने आपको मिसलिनियस में दे रखा है तो वहाँ परम्यूटेशन या कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल है लेकिन नॉर्मल सवालों में कहीं पर भी आपको ना पर लगाना है और ना आपको कम्बिनेशन लगाना है तो आप यहाँ से एकदम निजात हैं ठीक है ठीके? और आप यहाँ पर एकदम मुक्त हैं ठीक है ठीके? तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर देखो कितना प्यारा सा यहाँ छोटा सा साइन दे रखा है कहा गया कि वन अ डाइस इज थ्रोन वंस और जिस तरीके से ये हमने आपको दिया है ना सेम बड़ा प्यार तरीके से हमने फॉर्मूला बुक में भी जो है इन बातों का जिक्र किया हुआ है बहुत बढ़िया तरीके से फार्मूला बुक में मैंने प्रोबेबिलिटी समझाई है तो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा वहाँ पर होगा बोला गया वेन अ डाइस इज़ थ्रोन वंस जब किसी पासे को हम एक बार फेंकते हैं तो जब किसी पासे को हम एक बार फेंकते हैं तो मेरे भाई कहानी क्या होती है तो कहानी कुछ इस प्रकार होती है ठीक है कि कोई भी एक पासा है हमारे पास कोई भी एक डाइस है यहाँ पर कोई भी यहाँ पर मेरे भाई क्या है तो कोई भी एक पासा है कोई भी हमारे पास एक डाइस है तो अब ये डाइस की अगर हम बात करें तो डाइस के मेरे भाई क्या होते हैं तो डाइस में हमारे छः पहलू होते हैं यहाँ पर हमारा एक हो गया दो हो गया तीन हो गया इस तरीके से करके फिर पीछे चार फिर पाँच फिर छः फिर सात इस तरीके से कुल मिला के यहाँ पर कितना छः सात नहीं होता छः तक रहता है तो कुल मिला के जो हमारा सैम्पल स्पेस बनता है वो या तो एक आ सकता है दो आ सकता है तीन आ सकता है चार आ सकता है पाँच आ सकता है छः आ सकता है यानी कुल मिला के कितने होते हैं तो छः सैंपल स्पेस होते हैं अगर मेरे भाई आप रीजनिंग पढ़ेंगे तो रीजनिंग में आपको एक छोटी सी बात और बताई जाएगी कि डाइस के कभी भी अपोजिट फेसेस को जोड़ोगे तो सात आएगा एक के नीचे हमेशा छः मिलेगा दो के नीचे हमेशा पाँच मिलेगा और तीन के नीचे हमेशा चार मिलेगा ये रीजनिंग का मेरे भाई पार्ट है बट हमें इससे कोई मतलब नहीं है हमें इसके बारे में नहीं जानना है हमें बस इतना जानना है कि जब हम एक पासे को फेंकेंगे तो सैंपल स्पेस कितना होगा तो सैंपल स्पेस का मतलब क्या क्या यहाँ पर संभावनाएं हो सकती हैं, तो यहाँ पर ये यह छह संभावनाएं हो सकती हैं अब इसके ऊपर सबसे पहला सवाल क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी का पार्ट नंबर वन और इज थ्रोन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक पासे को फेंकते हैं तो क्या यहाँ पर प्रायिकता है कि वो संख्या जो आए मेरे भाई प्राइम नंबर आए जो संख्या जो आए मेरे भाई प्राइम नंबर आए तो पहले डाइस को हम एक डाइस को फेंकते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अच्छा हम एक डाइस को फेंके तो यहाँ पर कितने आउटकम्स बनेंगे दो डाइस को फेंके तो कितने आउटकम्स बनेंगे तीन डाइस को फेंके तो कितने आउटकम बनेंगे जैसे क्वाइन के केस में यहाँ पर क्या होता था कि क्वाइन वर्सेज डाइस की अगर हम बात करें कॉइन हो गया मेरे भाई और यहाँ पर डाइस हो गया तो अगर हम कॉइन की बात करते हैं तो यहाँ पर जो टोटल आउटकम्स होते हैं जो टोटल आउटकम्स होते हैं यहाँ पे दोस्त वो टोटल आउटकम्स हमारा कितना होता है तो बोलोगे दो का पावर एन होता है यानी अगर हम एक कॉइन फेंक रहे हैं तो एक कॉइन फेंकते हैं तो आउटकम हमारा कितना होता है दो का पावर एक यानी दो हो गया यानी या तो हेड आता है नहीं तो टेल आता है अगर हम दो क्वाइंस को फेंकते हैं यहाँ पर तो दो क्वाइंस के लिए केस कितना बनता है दो का पावर दो यानी चार आउटकम्स आते हैं अगर हम यहाँ तीन कॉइन फेंकते हैं तो मेरे भाई दो का क्यूब आ जाता है यानी आठ आ जाता है और इस तरीके से मेरे भाई ये कहानी हमारी चलते रहती है लेकिन वहीं डाइस के बारे में अगर हम पहुंचे तो डाइस में हमारा क्या होता है तो डाइस में जो कि छः सैंपल स्पेस होते हैं तो यहाँ पर छः का पावर कितना हो जाएगा एन हो जाएगा और एन हो जाएगा तो जैसे मानो यहाँ पर <coughs> अगर हम एक डाइस को फेंकेंगे तो एक डाइस में कितनी संभावनाएं निकलेंगे तो छः का पावर एक यानी कितनी छ संभावना छः हमारी यहाँ पर आउटकम हो गए यदि हम दो डाइस फेंकेंगे तो दो डाइस के केस में क्या होगा तो बोलेंगे सर छः का स्क्वायर छः का स्क्वायर यानी कितने तो छत्तीस पॉसिबिलिटीज़ छत्तीस आउटकम्स हमारे होंगे कितने आउटकम होंगे तो छत्तीस आउटकम हमारे होने वाले हैं ठीक है वो छत्तीस के छत्तीस आउटकम हम आपको लिखना सिखा देंगे कि कैसे लिखा जाता है फिलहाल आपको इतना जानना है छत्तीस अगर आप तीन फेंकोगे ऐसे ही कर करके मेरे भाई तो ऐसे ही यहाँ पर यह भी जाने वाला है यानी कभी भी सैंपल स्पेस का यहाँ पर क्या किया जाता है तो पावर चढ़ा दिया जाता है ठीक है अब यहाँ पर आते हैं तो क्या बोला गया तो बोला गया एक डाइस को हम फेंक रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि प्राइम नंबर है तो पहली बात एक डाइस को फेंकने में क्या क्या मिलता है एक दो तीन फिर चार फिर पाँच और फिर छः और हमसे बोला गया कि प्राइम नंबर है पहली बात प्राइम आप जानते हैं ना किसे कहते हैं प्राइम का मतलब अभाज्य संख्या जो या तो एक से कटे या फिर मेरे भाई खुद से कटे लेकिन धरती पे किसी और से ना कटे उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं दुनिया में मेरे भाई एक से लेकर पचास तक पंद्रह प्राइम नंबर होते हैं पचास से लेकर सौ तक दस प्राइम नंबर होते हैं तो एक से लेकर सौ तक पच्चीस प्राइम नंबर हो जाते हैं दुनिया में मात्र एक ही ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है और वो है मेरे भाई दो ठीक है बाकी सारे के सारे ऑड होते हैं उसके अलावा जितने भी प्राइम नंबर होते हैं वो छः के मल्टीपल से या तो एक ज़्यादा होते हैं या छः के मल्टीपल से एक कम होते हैं साथ में एक और बात एक ना ही प्राइम है और ना ही मेरे भाई कंपोजिट है तो इस बात को ध्यान रखना एक को यहाँ पर प्राइम की गिनती में मत काउंट करना अब आ जाते हैं मेरे भाई सवाल में तो बोला गया कि क्या प्रायिकता है कि आपका जो संख्या मिलेगा वो प्राइम मिलेगा तो पहली बात यहाँ पर प्राइम के बारे में हम बात करें तो कौन कौन मेरे भाई कितने प्राइम हैं तो दो हमारा एक प्राइम नंबर है तीन हमारा एक प्राइम नंबर है और पाँच हमारा एक प्राइम नंबर है यानी कितने प्राइम नंबर है तीन तो अगर तीन प्राइम नंबर है तो हम क्या बोलेंगे कितने प्राइम है तो तीन और टोटल हमारे आउटकम कितने हैं तो छः यानी आंसर हमारा कितना आएगा तो वन अपॉइंट टू आ जाएगा आंसर हमारा कितना आएगा तो बोलोगे सर वन अपॉइंट टू ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा करेक्ट आंसर है क्या हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा वो मेरे भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सर दो भी प्राइम नंबर है तीन भी प्राइम नंबर है पांच भी प्राइम नंबर है तो बोला गया सर तीन प्राइम नंबर है कितने लोगों में छह लोगों में सर तो यानी ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो करेक्ट आंसर होगा बहुत लोगों को यहाँ लग रहा होगा कि हम एक को भी ले लेते हैं तो नहीं भाई वन इज़ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट वन प्राइम नंबर नहीं है और नहीं है तो हम उसे न, मेरे भाई नहीं लेंगे यहाँ पे ठीक है समझ में आ गया बात यहाँ चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन देखें यहाँ पे आ जाओ चलो मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं अ डाइस इज थ्रोन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक पासे को हम फेंकते हैं तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि संख्या मल्टीपल दो की होगी या फिर तीन की होगी मतलब या तो संख्या दो से कटे नहीं तो तीन से कटे तो पहली जो जो संख्या आती है एक पासे को फेंकने में हम यहाँ पर उसे लेते हैं और हम यहाँ पर उसे देखते हैं तो बोला गया मल्टीपल ऑफ़ टू और मल्टीपल ऑफ थ्री क्या हो जाएगा मल्टीपल ऑफ़ टू हो गया या फिर मेरे भाई तीन हो गया तो पहले यहाँ पर दो से कटने वाली सारी संख्या देख लो दो से मेरे भाई कौन कौन कटेगा दो से दो कटेगा चार कटेगा छः कटेगा तो दो ले लिया चार ले लिया छः ले लिया अब तीन से कटने वाली संख्या तीन से कटने वाली तीन है और छः है तो छः तो ले चुके है, हैं मात्र यहाँ तीन लेना है ठीक है यानी यही वो चार संख्याएं हैं जो या तो दो से कटेगी नहीं तो तीन से कटेगी यही वो चार संख्याएं हैं मेरे भाई जो या तो दो से कटेगी या फिर तीन से कटेगी तो प्रायिकता हमारी यहाँ पर क्या हो गई कितनी संख्याएं हैं तो बोलोगे चार संख्याएं हैं कितनी संख्याओं में से तो बोलोगे छह संख्याओं में से तो यानी प्रायिकता इसकी जो हो गई वो कितनी हो गई तो दो बटे तीन की हो गई यहाँ पे कितनी प्रायिकता हो गई मेरे भाई तो दो बटे तीन की हो गई यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और डाइस इज थ्रोन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक मेरे भाई पासे को फेंकते हैं तो क्या प्रायिकता है कि संख्या हमारी चार से बढ़िया है क्या मेरे भाई संभावना है कि जो संख्या है वो हमारी चार से बड़ी आए तो चार से बड़ी आनी है मेरे भाई तो क्या होगा तो यहाँ बोलेंगे वन हो गया टू हो गया ठीक है वन हो गया टू हो गया थ्री हो गया फोर हो गया फाइव हो गया सिक्स हो गया क्वेश्चन में कहा गया कि क्या प्रायिकता है कि संख्या हमारी चार से बड़ी होनी चाहिए संख्या हमारी चार से बड़ी होनी चाहिए तो वही वाली बात है संख्या चार के बराबर भी नहीं होनी चाहिए चार से बड़ी होनी चाहिए तो हमें संख्या अगर चार से बड़ी चाहिए तो हम यहाँ पर इसे काउंट में लेंगे और इसे काउंट में लेंगे यानी हमारा आंसर कितना आएगा तो बोलेंगे सर दो संख्याएं ऐसी हैं जो चार से बड़ी हैं कितनी संख्याओं में तो संख्याओं में यानी कुल मिलाकर आंसर कितना आएगा तो एक बटे तीन आएगा कौन सा ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना ठीक है अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तीस नंबर सवाल उनतीस में तीन पार्ट थे तीस में भी मेरे भाई चार पार्ट है बोला गया और डाइस इज थ्रोन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक पासे को फेंका गया तो एक पासे को फेंका गया तो क्या होगा एक दो तीन चार पाँच और कितना हो जाएगा छः सबसे पहले गेटिंग एन ईवेंट नंबर क्या प्रायिकता है मेरे भाई की इसमें ईवेंट नंबर मिलेगा तो ईवेंट नंबर की प्रायिकता क्या हो जाएगी तो इवेंट नंबर एक है दो है तीन है कितने इवन इवन नंबर नंबर मेरे भाई किसे कहते हैं जो दो से कट जाए उसी को मेरे भाई क्या बोलते हैं तो इवन नंबर बोलते हैं ऐसी संख्या जो दो से कट जाए तो वो हमारे इवन नंबर कहलाती है तो क्या प्रायिकता है कि संख्या हमारी इवन हो इवन होने का मतलब यहाँ पर देखो तो कितनी संख्याएं इवन है, है तो बोलोगे दो संख्याएं इवन है, है कितनी संख्याओं में सॉरी दो नहीं तीन इवन है कितनी इवन है मेरे भाई यहाँ पर एक दो तीन तीन संख्याएं इवन है कितने में तो छः में यानी करेक्ट आंसर कितना होगा तो वन अपॉइंट टू हो करेक्ट आंसर कितना होगा तो मेरे भाई वन अपॉइंट टू हो जाएगा चलिए ये सेकंड वाले का आंसर देखते हैं गेटिंग एन ऑड नंबर क्या प्रायिकता है कि संख्या आपकी ऑड हो तो कितने ऑड है एक ऑड है एक ये ऑड है और एक ये ऑड है यानी बोलोगे तीन संख्याएं ऑड है, है कितने में छः में तो यानी प्रायिकता कितनी होगी आधे के जब आप एक पासे को फेंकते हैं आपको छह संख्या प्राप्त होती है उन छह संख्याओं में मेरे भाई यहाँ पर जो है तीन संख्या याद रखिएगा कि तीन संख्या आपकी ओड होती है और तीन संख्या मेरे भाई क्या होती है तो इवन होती है चलिए आ जाइए ठीक है नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर गेटिंग अ नेचुरल नंबर लेस देन सेवन सात से कम आने की मेरे भाई संभावना क्या है तो आप सर, देखो सात से कम आने की संभावना तो ये लीजिए सर मैंने पासा फेंका है पासा फेंकने के बाद मेरे पास ये मेरे रिजल्ट आए हैं अब इसमें मेरे भाई सात से कौन कौन सी संख्या कम है तो बोलोगे सर सारी की सारी संख्याएं हमारी कम है सारी की सारी संख्याएं हमारी क्या कर... तो सात से कम है तो यानी हम पूरा का पूरा संख्या ले लेंगे यानी छः के छः संख्याएँ कम है सात से तो आंसर कितना होगा छः बटे तो छः बटे छः हमारा कितना हो जाएगा मेरे भाई तो वन हो जाएगा इस बात को ध्यान रखिए यानी जब मैं एक पासे को फेंकूंगा यहाँ पे ठीक है जब मैं मेरे भाई एक पासे को फेंकूँगा यहाँ पे तो मेरे भाई सारे के सारे जो डिजिट आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं सात से कम आ रहे हैं और अगर ये सात से कम आ रहे हैं मेरे भाई तो प्रायिकता वन होती है और याद रखिएगा जब मेरे भाई प्रायिकता हमारी वन होती है तो उस इवेंट को हम क्या कहते हैं उस इवेंट को हम सर्टेन इवेंट कहते हैं यहाँ पर इसमें मेरे भाई फेल होने के कहीं पर कोई भी चांसेस नहीं होते हैं और ये एकदम पॉसिबल हंड्रेड परसेंट मेरे भाई क्या देता है तो हंड्रेड परसेंट रिजल्ट देता है इसे हम क्या बोलेंगे तो हम बोलेंगे सर इसे सर्टेन इवेंट बोलेंगे कि क्या प्रायिकता है कि सारी की सारी हमारी क्या आ जाए तो सात से छोटी आ जाए तो सारी की सारी से छोटी होंगी तो छः बटे छः यानी वन और इसे हम क्या बोलेंगे मेरे भाई तो इसे हम पर्टिकुलर तरीके से मेरे भाई सर्टेन इवेंट बोलेंगे यहाँ पर कहीं पर भी दूर दूर तक कोई भी फेलियर के चांसेस नहीं होते हैं अब उसके बाद पॉइंट नंबर फोर देखो गेटिंग अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन सिक्स गेटिंग अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन सिक्स तो यहाँ पर बोला गया मेरे भाई ठीक है कि हमें एक ऐसा नेचुरल नंबर दो जो छः से ज़्यादा हो जो क्या हो मेरे भाई तो छः से ज़्यादा हो तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्या कोई भी एक नेचुरल नंबर है जो छः से ज़्यादा है बताओ तो बोलोगे नहीं सर एक भी नेचुरल नंबर ही है जीरो अपॉन कितना हो जाएगा सिक्स और जीरो अपॉन सिक्स का मतलब ज़ीरो और इसको हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट यानी ये मेरे भाई यहाँ पर कभी भी संभव ही नहीं हो सकता है इस बात को ध्यान रखिए ये वही बात है कि यहाँ कहावत है ना बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए कहने का मतलब कि अगर आप नीम का या बबूल का पेड़ लगाते हैं और आप उसमें कामना करते हैं कि आम मेरे से इसमें से आम निकल जाए लीची निकल जाए कुछ और निकल जाए तो पॉसिबल ही नहीं है वो इम्पॉसिबल इवेंट है तो वहाँ पर एकता कितनी हो जाती है जीरो हो जाती है सारी संख्याएँ छः से छोटी हैं आप कहते हैं सात आने की क्या संभावना है कहाँ से आएगा भाई ज़िंदगी भर फेंक लो पासा तब भी नहीं आएगा तो जीरो पॉइंट सिक्स नौ आने की क्या संभावना है नहीं आ सकता है ठीक है समझ गए इस बात को यहाँ पर अब आ जाओ तो अभी आपने क्या पढ़ा तो अभी आपने पढ़ा एक डाइस को यदि हम फेंकते हैं तो क्या क्या प्रायिकता हो सकती हैं सिंगल डाइस में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है डबल डाइस में मेरे भाई सारे के सारे क्वेश्चन हमारे रहते हैं और जब हम दो 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 डाइसों को फेंकते हैं यहाँ पर ना तब उसके बाद मेरे भाई बहुत प्यारा प्यारा बहुत प्यारा प्यारा केस हमारा बनता है ठीक है तो ये हम कैसे लिखेंगे क्या लिखेंगे थोड़ा हम आपको समझाते हैं ये पूरा टेबल है बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं खुद से ये टेबल लिख लूँ तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा तो जैसे मानिए कि अगर हम दो डाइस को एक साथ फेंकें जब हम कितने डाइस को फेंकें तो दो डाइस को एक साथ फेंकें तो दो डाइस को अगर हम एक साथ फेंकेंगे तो हमारा जो टोटल आउटकम निकल कर आएगा तो वो टोटल आउटकम्स हमारा कितना निकल कर आएगा बताओ तो वो होगा छ का पावर दो छ का पावर दो का मतलब कितना हो जाएगा छत्तीस अब वो संख्याओं को हम कैसे लिखेंगे तो मेरे भाई कुछ इस प्रकार से हम लिखेंगे लाइन खींच के जैसे हम आपको हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल का कॉम्बिनेशन बताए थे तो वैसे हम आपको यहाँ पर इसका कॉम्बिनेशन बता देते हैं यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है सारी संख्या लिख देनी है एक हो गया दो हो गया तीन हो गया चार हो गया मेरे भाई फिर उसके बाद पाँच हो गया फिर उसके बाद छः हो गया यहाँ पर भी सारी संख्या लिख देनी है एक हो गया दो हो गया तीन हो गया चार हो गया पाँच हो गया और मेरे भाई कितना हो गया छः हो गया अब इनका कॉम्बिनेशन बनाना है जैसे कॉम्बिनेशन कैसे बनाना है तो वन को वन के साथ कॉम्बाइन करो यहाँ पे ठीक है फिर वन को टू के साथ कम्बाइन करो फिर यहाँ पर वन को थ्री के साथ कम्बाइन करो ऐसे तो वन 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 टू वन थ्री वन फोर हो गया फिर उसके बाद वन फाइव हो गया और फिर उसके बाद वन सिक्स हो गया इसका कहने का मतलब क्या है इसका कहने का मतलब है कि मान लेते हैं पहले वाले पासे में एक आया है तो दूसरे वाले में एक आया होगा पहले में एक आया है तो दूसरे में दो दू आया होगा पहले में एक आया तो दूसरे में तीन आया होगा पहले में एक तो दूसरे में चार पहले में एक दूसरे में पाँच पहले में एक दूसरे में छः यहाँ पर मेरे भाई समझ गए इस बात को लेकर क्लियर है ये पॉइंट आपका ठीक है अब यहाँ देखिए तो ये हमारी प्रायिकता धीरे धीरे बदल रही है ठीक है अब आ जाइए यहाँ पे दूसरा कैसे शुरू करेंगे तो टू है और वन है मेरे भाई तो ये टू वन हो जाएगा टू है और टू है मेरे भाई तो ये टू टू हो जाएगा फिर हमारा ऐसे ही टू थ्री हो जाएगा ऐसे ही हमारा टू फोर हो जाएगा ऐसे ही हमारा टू फाइव हो जाएगा ऐसे ही हमारा टू सिक्स हो जाएगा मेरे भाई सेम ऐसे ही हमारा चलेगा थ्री वन हो गया थ्री टू थ्री 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 फोर थ्री फाइव थ्री सिक्स फोर वन फोर टू फोर थ्री फोर फाइव फोर सिक्स फोर ठीक है फोर वन फोर टू फोर थ्री फोर 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 फाइव फोर सिक्स फाइव वन फाइव टू फाइव थ्री फाइव फोर फाइव 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 सिक्स सिक्स वन सिक्स टू सिक्स थ्री सिक्स फोर सिक्स फाइव सिक्स सिक्स और इसके बारे में मेरे भाई यहाँ पूरा का पूरा टेबल हमने बना दिया है तो जैसे मान लो यहाँ पर कि अगर आपको ये कहा जाता है कि आपने दो पासे को फेंका है तो दो पासे को फेंका है तो आप सारा का सारा यहाँ पर पॉसिबल आउटकम लिखिए तो एक से लेकर छ तक यहाँ लिख सकते हैं और एक से लेकर छ तक मेरे भाई यहाँ पर यहाँ लिखते हैं अब यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर इकतीस क्या बोला गया और डाइस इज थ्रोन टॉइस एक यहाँ पर पासे को दो बार फेंका जाता है तो वॉट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ सेवन वन थ्रोन टॉइस सात आने की मेरे भाई संभावना क्या है सात आने का मतलब कि दोनों को जोड़कर सात हम लेकर आ सकें समझ लो काफ़ी सारे सवाल बनते हैं जब दो बासों को फेंका जाता है ऐसे सवाल बनता है कि दोनों में सेम नंबर का आने का संभावना क्या है ठीक है पहले में ज़्यादा दूसरे में कम आने की संभावना क्या है पहले में कम दूसरे में ज़्यादा आने की संभावना क्या है दोनों को जोड़ने पर सात आई इसकी संभावना क्या है दोनों को जोड़ने पर नौ आए इसकी संभावना क्या है पहले में और दूसरे में इवन आए उसकी संभावना क्या है पहले में इवन दूसरे में और आए तो उसकी संभावना क्या है पहला प्राइम दूसरा कंपोजिट हो उसकी संभावना क्या है तो बीसन तरह के सवाल हमारे बन रहे होते हैं

प्राप्त संख्याओं के सम की प्रोबेबिलिटी पूछी जाए तो ध्यान रखें योग में से कम करें और टोटल नंबर ऑफ केसेस 36 में से डिवाइड करें ठीक है यदि सम की वैल्यू 6 से अधिक हो तो सम को 13 में से घटा के तेरह से 36 से डिवाइड करें आप बोलोगे सर हमको नहीं समझ में आया हमने कहा बिल्कुल समझ में आना भी नहीं चाहिए फिर हमारा क्या रूल है अगर ये आपके खुद से पढ़ने में समझ में आ गया तो हम बताएंगे आपको अभी कहानी क्या है जैसे मान लीजिए कि हमने दो पासे फेंके हैं और दो पासे फेंके हैं तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि दोनों का सम जो है वो कितना आना चाहिए दो आना चाहिए दोनों को जोड़ने पर दो आना चाहिए तो ये कब पॉसिबल हो पाएगा ये तब पॉसिबल हो पाएगा जब पहले पर भी वन हो और दूसरे पर भी वन हो फिर मैंने आपको यहाँ पर कहा ठीक है फिर मैंने आपको अच्छा ये तब तो पॉसिबल हो पाया जाएगा जब एक पर मेरे भाई पहले पर भी वन हो और दूसरे पर भी वन हो तो ऐसे कितने केस बनेंगे तो एक केस बनेंगे कितने केसेस में से छत्तीस केसेस में से तो इसीलिए इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी तो वन अपॉन थर्टी सिक्स हो जाएगी कितनी हो जाएगी तो वन अपॉन थर्टी सिक्स हो जाएगी अब आ जाइए मैं अगर दोबारा बोलूँ कि मैंने दो पासे फेंके हैं और दोनों को जोड़ने पर यहाँ तीन आना चाहिए तो तीन कैसे आ सकता है या तो पहला पासा एक आए दूसरे में दो आ जाए या उल्टा कर लेते हैं पहले में दो आ जाए और यहाँ पहले में इसमें एक आ जाए तो इसके नंबर ऑफ केस कितने बनेंगे तो इसके दो केसेस बनेंगे तो दो केसेस बनेंगे तो आंसर कितना होगा दो बटे छत्तीस मैं इसका ट्रिक भी बताऊँगा आपको आप पेशेंस रखें फिर मैंने कहा कि यार ना क्या, क्या प्रायिकता है क्या प्रोबेबिलिटी है कि तुम दो पासों को फेंको और जोड़ने पे चार आ जाए तो चार कैसे आ सकता है पहले में एक आएगा दूसरे में तीन आएगा या पहले में दो आएगा दूसरे में दो आएगा या फिर पहले में तीन आएगा और दूसरे में एक आएगा यही तीन संभावना बन सकती है तो वो तीन संभावना यहाँ लिखी गई है आउटकम कितने हैं तीन तो आंसर होगा तीन बटे में टोटल यानी तीन बटे में छत्तीस ठीक है ऐसे ही आपका सम पाँच आए इसकी क्या संभावना है छः आए इसकी क्या संभावना है सात आए यहाँ पर कैसे हो सकता है आठ कैसे हो सकता है नौ कैसे हो सकता है दस कैसे हो सकता है ग्यारह कैसे हो सकता है बारह कैसे हो सकता है अब यहाँ पर बात आती है कि यार इतना इतना सम बच्चा निकालेगा पेपर में बैठ के लिखेगा मानो मैंने ये कह दिया कि यार मैंने दो पास से फेंके हैं और दोनों को जोड़ने पर मेरे भाई आठ आए इसकी क्या प्रायिकता है तो क्या वो ऐसे सोचेगा यार पहले में दो आएगा दूसरे में देखो पहले में अगर मानो कि वो ये सोचता है एक आए तो दूसरे में देखो यहाँ पे दूसरे में सात आना चाहिए भाई सात तो कभी आता नहीं है तो क्या बोलेगा पहले में दो आए दूसरे में छः आए एक तो ये प्राइक ये आउटकम हो गया ठीक है पहले में मेरे भाई तीन आए और दूसरे में पाँच आए तो ये आउटकम हो गया हमारा यहाँ पर फिर उसके बाद यहाँ पहले में चार आए और दूसरे में चार आए एक तो ये हो गया मेरे भाई मतलब हमें क्या चाहिए तो हमें यहाँ पर सम कितना चाहिए तो सम हमारा एट चाहिए ठीक है अब उसके बाद इसका उल्टा कर दो, दो छः का उल्टा हमारा छः दो हो जाएगा तीन पाँच का उल्टा हमारा पाँच तीन हो जाएगा और इसका क्या ही उल्टा करोगे कितनी संभावना यानी कितने आउटकम्स आए तो पाँच तो आंसर जो देते हो वो क्या देते हो तो पाँच और टोटल कितना है छत्तीस और अगर आप देखोगे तो यहाँ पाँच बटे छत्तीस है तो इसके लिए मैंने है ना आप लोगों के लिए एक ट्रिक निकाल दिया और मैंने कहा कि सुनो तुम्हें पेपर में ये लिखने की ज़रूरत नहीं है क्या केस बनेगा क्या केस नहीं बनेगा ये ज़रूरत नहीं है आंसर निकालते वक्त क्या चाहिए होता है यही ना कि कितने आउटकम्स हैं और बट्टे में टोटल तो टोटल तो पता है कि छः का स्क्वायर छत्तीस होगा ये कितना आया इम्पोर्टेंट है कि ये कैसे आएगा ये कितना आएगा तो मैंने कहा कि यदि आज के बाद एग्जामिनर अगर तुम ये पूछता है कि सम हमारा अच्छे से छोटा है तो मेरे भाई छः या से छोटे वाले केस में एक माइनस कर देना जैसे अगर दो पूछेगा दो में से एक घटा दो एक आएगा तीन में से एक घटा दो दो आएगा चार में से एक घटा दो तीन आएगा पांच में से एक घटा दो चार आएगा छः में से घटा दो पाँच आएगा इसीलिए ये एरो आपको यहाँ से यहाँ दिया गया है कि यदि अगर ये पूछ लिया जाए कि तुम्हें तुम्हारा सम जो है वो छः या छः के से कम चाहिए तो छः या से छ से कम वाले केस में जो हमारा नंबर ऑफ़ केस बनता है अगर मैं नंबर ऑफ़ केस निकालना चाहता हूँ तो नंबर ऑफ़ केस निकालने के लिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा तो नंबर ऑफ़ केस निकालने के लिए हमेशा इसमें से कम करना पड़ेगा मैं आपसे यहाँ पर क्या कह रहा हूँ कि क्या संभावना है कि जो सम आए वो हमारी सात आए क्या संभावना है सम हमारी आठ है तो यदि मेरा सम हमारा छः अच्छे से कम होता है तो नंबर ऑफ केस को निकालने के लिए इसमें से एक माइनस कर देते हैं और यदि हमारा सम छः से बड़ा होता है यदि हमारा सम छः से बड़ा होता है तो हम उसको तेरह में से घटा देते हैं यानी क्या प्रायिकता है कि सम हमारा सात आए तेरह में से सात घटाओ नंबर ऑफ केस छः निकल के आएगा तेरह में से आठ घटाओ नंबर ऑफ केस पाँच निकल के आएगा तेरह में से मेरे भाई नौ घटाओ तो कितना आएगा तो चार आएगा तेरह में से दस घटाओ तो तीन आएगा तेरह में से एक घटाओ तो दो आएगा तेरह में से बारह घटाओ तो एक आएगा ये हमारा क्या बयान करता है तो ये हमारे नंबर ऑफ केसेस बयान करते हैं कि किस किस केस में सम हमारा कितना निकल कर आएगा ठीक है समझ में आ रहा है बात यहाँ पर आप ये वाला सात देखिए तो यहाँ तक याद रखिएगा छः तक कौन सा नियम लगाना है तो छः तक में यहाँ जो भी संख्या है उसमें से कम कर देना है और छः के बाद मेरे भाई क्या लगाना है तो तेरह में से कम करना है यानी आधा आधा भाग यहाँ बांट दिया है समझ में आ रहा है बात यहाँ पर, यहां पर यहां नहीं आ रहा है यहाँ पर मेरे भाई कहानी ये है देखो यहाँ पर कहानी यह है कि जो भी दिया गया उसमें से कम कर दो और यहाँ पर ऊपर वाले में कहानी किया सबको तेरह से कम कर दो ठीक है तो जैसे मान लीजिए कि मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ और मेरे भाई क्वेश्चन यहाँ पर मैंने ये पूछा कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो हमारा सम आए वो मेरे भाई टू आए क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो मेरा सम आए वो टू आए पहला क्वेश्चन क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो मेरा सम आएगा वो मेरे भाई तीन आएगा क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो मेरा सम आएगा वो फोर आएगा सारे सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूँ क्या प्रोबेबिलिटी है कि मेरा जो सम आएगा वो हमारा पाँच आएगा क्या प्रोबेबिलिटी है कि मेरा सम यहाँ पर छः आएगा क्या प्रोबेबिलिटी है कि मेरा सम यहाँ पर सात आएगा क्या प्रायिकता है मेरे भाई यहाँ पर कि सम मेरा आठ आएगा समझो मेरी बात को लेकर क्या प्रायिकता है कि मेरा जो सम है वो हमारा नौ आएगा क्या प्रायिकता है कि मेरा जो सम है वो है… मेरे भाई दस आएगा क्या प्रायिकता है कि मेरी सम जो है वो ग्यारह आएगी या क्या प्रायिकता है कि मेरा जो सम आएगा वो हमारा बारह आएगा यानी अगर मैं दो पासों को फेंकता हूँ तो क्या प्रायिकता है कि बारह से ज़्यादा तो हो नहीं सकता है पहले की भी मैक्सिमम कैपेसिटी छः है और दूसरे की भी मैक्सिमम कैपेसिटी छः है तो छः प्लस छः बारह आ सकता है यानी मैक्सिमम कितना आ सकता है बारह और मिनिमम जो आ सकता है वो कितना आ सकता है तो दो आ सकता है तो मैंने यहाँ कहा कि देखो भैया ऊपर में हम आउटकम लिखते हैं मैं नीचे में टोटल वैल्यू लिखते हैं तो जब भी हम दो डाइस को फेंकेंगे तो जब भी हम दो डाइस को फेंकेंगे तो जो टोटल आउटकम आता है वो यहाँ पर छः का स्क्वायर यानी कितना आता है छत्तीस तो नीचे छत्तीस रहेगा ये बात तो फिक्स है नीचे छत्तीस रहेगा ये बात तो फिक्स है मेरे भाई यहाँ पर ऊपर में क्या लिखेंगे तो ऊपर में यहाँ दो में से एक माइनस कर दो तो एक आ जाएगा यही बात क्या प्रायिकता है कि सब हमारा तीन आए तो नीचे हमारा छत्तीस रहेगा ये फिक्स है ऊपर में से एक माइनस कर दो तीन में एक माइनस कर दो दो हो जाएगा और दो हो जाएगा तो आंसर एक बटे अठारह आएगा ऊपर में मेरे भाई देखो यहाँ पे नीचे में तो छत्तीस आएगा ये फिक्स है नीचे में हमारा छत्तीस आएगा ये हमारा फिक्स है ऊपर में से एक माइनस कर दो चार में से एक माइनस कर दो तीन तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा एक बटे हो जाएगा ठीक है समझिए मेरे भाई यहाँ पर यहाँ पर क्या होगा ऊपर में मेरे भाई देखो नीचे में तो छत्तीस आना है, फिक्स है क्योंकि टोटल का मान तो छत्तीस है ऊपर में क्या होगा पाँच में से एक कम कर दो तो चार यानी आंसर कितना हो जाएगा एक बटे नौ हो जाएगा यहाँ पर नीचे में तो छत्तीस आना मेरे भाई फिक्स है इसमें से एक माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा पाँच हो जाएगा यानी छः तक आपको क्या करना होता है तो छः तक सिर्फ और सिर्फ एक माइनस करना होता है इसमें से एक माइनस इसमें से एक माइनस इसमें से एक माइनस इसमें से एक माइनस सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर जो है वो हम एक माइनस करेंगे लेकिन सात के बाद कहानी क्या होती है तो सात के बाद मेरे भाई कहानी यहाँ पर ये यह होती है कि यहाँ पर भी नीचे मेरे भाई कितना आएगा छत्तीस आएगा ये हमारा फिक्स है लेकिन यहाँ तेरह में से सात को घटा दो तेरह में से सात को घटाओगे तो कितना आएगा छः आएगा मेरे भाई तो आंसर कितना निकल के चला जाएगा वन अपॉन्ट सिक्स तेरह में से सात घटा दीजिए वन अपॉन्ट सिक्स सीधी सी बात है यहाँ पर क्या प्रायिकता है मेरे भाई कि सम हमारा आठ है तो नीचे छत्तीस आएगा फिक्स है तेरह में से आठ घटा दो तो कितना आ जाएगा पाँच क्या प्रायिकता है कि नौ आए तो छत्तीस आएगा वो फिक्स है तेरह में से नौ घटा दो तो चार यानी कितना आंसर आ जाएगा तो वन अपॉन्ट ठीक है क्या प्रायिकता है कि दस आए तो नीचे छत्तीस आएगा वो फिक्स है तेरह में से मेरे भाई दस घटा दो तो कितना हो जाएगा तीन हो जाएगा यानी आंसर एक बटे बारह मतलब मैं आपको सम का पूरा केस ही समझा देता हूँ ताकि भविष्य में कहीं कोई दिक्कत ना हो क्या प्रायिकता है कि सम ग्य ग्यारह आए तो मेरे भाई याद रखना नीचे छत्तीस आएगा फिक्स है तेरह में से ग्यारह घटा दो तो मेरे भाई दो आ जाएगा यानी एक बटे अट्ठारह और क्या प्रायिकता है कि मेरे भाई सम हमारा बारह है तो बोलेंगे सर देखिए नीचे छत्तीस आएगा फिक्स है तेरह में से बारह घटा दीजिए एक तो आंसर एक बटे छत्तीस हो जाएगा <coughs> क्लियर है ये बात यहाँ कोई दिक्कत की बात है तो ये जो सम वाला केस रहता है तो मुझे नहीं लगता कि आज के बाद सम जो है वो आपको कभी कोई परेशानी होगी कभी कोई दिक्कत होगी तो अब मुझे इस वाले क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए जो क्वेश्चन अभी तक आपको पहाड़ लग रहा था अब क्या वो क्वेश्चन आपको पहाड़ लग रहा है बढ़िए जरा और डाइस इज थ्रोन ट्वाइस एक सिक, एक पहलू को या तो एक डाइस को दो बार फेंक लो या दो डाइस को एक साथ फेंक लो मेरे भाई बात हमारा बराबर होगा तो क्या बोला गया डाइस इज थ्रोन ट्वाइस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गिविंग सेवन व्हेन थ्रोन ट्वाइस सात आने की मेरे भाई प्रायिकता यहाँ पर क्या है जल्दी से बता दो तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि सर देखिए सात आने की प्रायिकता क्या है जो सम हमारा सात आए तो सम अगर हमारा सात आए तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे तो बोलेंगे सर नीचे छत्तीस आएगा ये तो फिक्स है तेरह में से सात घटा दीजिए तेरह में से सात घटा देंगे तो कितना हो जाएगा छः तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा वन अपॉइंट सिक्स जो होगा सर वो करेक्ट आंसर होगा कौन सा ऑप्शन होगा ऑप्शन हो, नंबर डी चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे दीजिए फटाक देना कमेंट बॉक्स में बोला गया कि दो ढाई को आप एक साथ फेंकते हैं तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि सम आपकी आठ है प्रोबेबिलिटी क्या है समाप्त है हमने कहा बच्चों को ऐसा पढ़ा दिया कि वो जिंदगी में नहीं भूलेंगे नीचे उनको लिखना होता है कितना छत्तीस और ऊपर में तेरह में से आठ घटा देना होता है तो आ जाता है पांच यानी आंसर कितना आएगा तो पांच बटे छत्तीस आएगा आंसर कितना आएगा तो पांच बटे आएगा ठीक है चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ करते हैं अगला सवाल मेरे भाई यहाँ देखते हैं क्या बोला गया है नेक्स्ट क्वेश्चन कहा है कि दो डाइसों को दो पासों को एक साथ फेंका जाता है प्रायिकता ज्ञात करिए कि एटलीस्ट आपको कितना मिलेगा तो एटलीस्ट आपको नौ मिलेगा एटलीस्ट नौ no का मतलब जानते हैं क्या होता है एटलीस्ट नौ no का मतलब यहाँ पर यह होता है कि कम से कम नौ यानी कम से कम नौ का मतलब नौ भी चलेगा दस भी चलेगा ग्यारह भी चलेगा बारह भी चलेगा सब चलेगा मेरे भाई ठीक है कितना कितना मेरे भाई चलेगा तो नौ भी चलेगा दस भी चलेगा ग्यारह भी चलेगा और बारह भी चलेगा तो एटलीस्ट का मतलब क्या होता है कि कम से कम हमको नौ लाख रुपया चाहिए उसके ऊपर तुम जितना देना चाहो तो दे दो लेकिन एटलीस्ट हम नौ रुपया लेंगे एटलीस्ट हम नौ लाख रुपया लेंगे तो वही वाली बात है नौ चलेगा दस चलेगा ग्यारह बारह और वहीं एटमोस्ट होता है तो एटमोस्ट का मतलब यहाँ पर जैसे मानो मैं यहाँ काट के एटमोस्ट शब्द करता एटमोस्ट नाइन का मतलब जानते हो ज़ीरो को लेना होता वन को ना होता दो को लेना होता तीन को लेना होता चार को पांच को छ को सात को आठ को और नौ को कि भैया बस तक चाहिए इससे ऊपर हम नहीं ले सकते ज्यादा से ज्यादा मोस्ट मैक्सिमम नौ तक जा पाएंगे उससे ऊपर नहीं जा पाएंगे तो एटलीस्ट और एट मोस्ट में हमारा ये फर्क होता है ठीक है अब मैंने यहां पर कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरे जो सम आए वो नाइन है तो नाइन आए तो मेरे भाई केस क्या बनेंगे ये हमारा छः से ज्यादा है तो तेरह में से माइनस करो तेरह में से मेरे भाई यहाँ पर क्योंकि हमें देखना देखने ना केसेस हमारे कितने बनेंगे तो अगर हम यहाँ केसेस के बारे में चर्चा करें कि किस में कितने केस बनेंगे तो पहले एक बार नंबर ऑफ़ केसेस आप देख लीजिए नंबर ऑफ़ केसेस आप नहीं देखेंगे तो प्रॉब्लम होगा आपको तो जैसे मैं चाह रहा हूँ कि सम हमारा ये है तो उसके लिए पहले केसेस हमारे कितने बनेंगे जरा वो देखो तो ये हमारा छः से ज़्यादा है तो तेरह में से नौ घटाओ चार तेरह में से दस घटाओ तीन तेरह में से ग्यारह घटाओ दो तेरह में से बारह घटाओ इतना यानी कुल मिलाकर कितने केस हैं मेरे भाई तो कुल मिलाकर दस केस हैं तो कुल मिलाकर कितने केस है दस केस है तो दस केस बनेंगे कितने में छत्तीस में तो आंसर हमारा कितना होगा पांच बटे अठारह हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर कौन सा ऑप्शन होगा तो ऑप्शन नंबर सी का होना प्यार है <coughs> आ जाइए तो एटलीस्ट का मतलब मेरे भाई क्लियर हो गया अब आ जाओ यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्या है दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं प्रायिकता ज्ञात करिए कि एक डबलेट मेरे भाई मिले ठीक है ऑन द सेम नंबर अब यहाँ थोड़ा सा एक पॉइंट बताते हैं क्या होता है कि जैसे मानो यहाँ पर आपने दो पासों को फेंका है दो डाइस को आपने फेंका है तो ये कुल मिलाकर तीन कैटेगरी में बटता है ठीक है और तीन कैटेगरी में क्या बढ़ता है तो वो हम आपको समझा देते हैं क्या होता है क्या नहीं यहाँ पर एक पंद्रह हो गया यहाँ पर मेरे भाई छः हो गया और यहाँ पर ये पंद्रह हो गया ठीक है क्योंकि जब आप दो पासों को फेंकते हो तो दो पासों में जो आपका टोटल आउटकम जो निकल कर आता है तो ये टोटल आउटकम की कहानी यहां पर क्या होती है समझो रटना नहीं है मेरे भाई समझना है कि जो टोटल आउटकम्स निकल कर आते हैं वो छ का पावर दो यानी छत्तीस आउटकम निकल कर आते हैं कितने आउटकम निकल कर आते हैं तो छत्तीस आउटकम मेरे भाई निकल कर आते हैं उन छत्तीस आउटकम्स में से छ आउटकम्स हमारे ऐसे होते हैं आउटकम्स हमारे ऐसे होते हैं जिनमें पहला पासा और दूसरा पासा का वैल्यू सेम होता है जैसे वन वन हो गया दो दो हो गया तीन तीन हो गया मेरे भाई यहाँ पर फिर उसके बाद यहाँ चार चार हो गया फिर यहाँ पर पाँच पाँच हो गया और फिर यहाँ पर छः छः हो गया तो ये रहता है कि छः आउटकम तो ऐसे हैं जिनमें यहाँ पर दोनों केसेस में क्या होते हैं तो वैल्यू हमारी सेम होती है वैल्यू हमारी क्या होती है तो सेम होती है मेरे भाई ठीक है उसके बाद यहाँ पर जो है ये पंद्रह आउटकम्स ऐसे होते हैं पंद्रह केसेस कह लीजिए या पंद्रह आउटकम्स कह लीजिए इनमें क्या होता है कि पहली वाली संख्या स्मॉल होती है पहले पासे में आई प्राप्त संख्या स्मॉल होती है और दूसरे वाले में मेरे भाई लार्ज होती है बोलोगे सर ये कैसे जैसे मानो पहले पासा में एक आया दूसरे में दो आ गया पहले में एक आया दूसरे में तीन आ गया पहले में एक आया दूसरे में चार आ गया पहले में एक आया दूसरे में पाँच आ गया पहले में एक आया दूसरे में छः हो गया उसी तरीके से मानो पहले में दो आया तो दूसरे में तीन हो गया पहले में दो आया दूसरे में चार हो गया पहले में दो आया दूसरे में पाँच हो गया पहले में दो आया दूसरे में छः हो गया फिर उसी तरीके से पहले में तीन आया दूसरे में चार आ गया पहले में तीन आया दूसरे में पाँच आ गया पहले में तीन आया दूसरे में छः आ गया फिर ऐसे ही मेरे भाई बनेगा तो टोटल कुल मिलाकर ऐसे पंद्रह केसेस बनते हैं एक दो तीन चार पाँच पाँच चार नौ नौ तीन बारह बारह दो चौदह और चौदह और एक ठीक है पूरे के पूरे पंद्रह केस मैं लिख देता हूँ देखो यहाँ पर ठीक है यहाँ पर कि तीन छः हो गया फिर यहाँ पर जैसे मानो पहले में चार आया तो दूसरे में पाँच हो गया पहले में चार आया दूसरे में छः हो गया यहाँ पर पहले में पाँच आया दूसरे में छः हो गया तो ये मेरे भाई कुल मिलाकर ऐसा रहता है कि छः केसेस ऐसे होते हैं जहाँ दोनों पासिस पर की संख्या जो रहती है वो समान रहती है पंद्रह केस ऐसा होता है जहाँ पहला छोटा दूसरा बड़ा पहला छोटा दूसरा बड़ा पहला छोटा दूसरा बड़ा और उसी तरीके से मेरे भाई यहाँ पर जो पंद्रह केसेज होते हैं ना ठीक है ये हमारा क्या होते हैं तो पंद्रह आउटकम्स मेरे भाई ऐसे हो जाते हैं जहां पर मेरे भाई पहला बड़ा होता है और दूसरा छोटा होता है पहला मेरे भाई क्या होगा तो बड़ा होगा और दूसरा हमारा क्या होगा तो छोटा होगा यानी एक तरीके से अगर आप यहाँ पर प्राप्त संख्या सबको उल्टा कर दें रिवर्ट कर दें तो वो मेरे भाई ये वाला केस बन जाएगा कैसे रिवर्ट कर जाएगा ल, लर्न कुछ भी नहीं करना है बस मैं आपको समझा रहा हूँ कि पहला जैसे मानो छ होगा तो दूसरा हमारा पांच होगा पहला हमारा छ होगा दूसरा हमारा चार होगा पहला हमारा छह होगा दूसरा तीन होगा पहला छः होगा दूसरा दो होगा पहला छः होगा दूसरा एक होगा पहला हमारा पाँच होगा तो दूसरा हमारा चार होगा पहला पाँच होगा तो फिर ये तीन होगा पहला पाँच होगा तो फिर दो होगा फिर पाँच होगा तो फिर एक होगा फिर पहला चार होगा तो तीन होगा पहला चार होगा तो दो होगा पहला चार होगा तो एक होगा फिर मेरे भाई पहला तीन होगा तो ये दो होगा फिर ये तीन होगा तो एक होगा फिर ये दो होगा तो एक होगा यानी ये क्या केस बनता है मेरे भाई तो पहला बड़ा दूसरा छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा इस तरीके से करके तो छत्तीस केसेस बनते हैं छत्तीस केसेस में मेरे भाई छः केसेस एक दो तीन चार पाँच छः छः केसेज ऐसे होते हैं जिनमें दोनों के दोनों समान होते हैं पंद्रह स ऐसे होते हैं चार देखो पांच चार नौ तीन बारह दो चौदह और एक पंद्रह तो पंद्रह केस ऐसे होते हैं जिसमें पहला वाला छोटा दूसरा वाला बड़ा होता है और यहाँ पंद्रह केस ऐसे होते हैं पाँच चार नौ तीन बारह दो चौदह और एक पंद्रह पंद्रह केस ऐसे होते हैं जिसमें पहला बड़ा और दूसरा छोटा होता है थोड़ी आवश्यकता पड़ती है सवालों को सॉल्व करते वक्त और कोई बात नहीं होता है एक बार लिख देने से क्या रहता है चीज़ें याद रहती हैं थोड़ी ज़्यादा बेहतर समझ में आती हैं मैं हवा हवा में बोलता तो आप कम समझते हैं मैंने लिख दिया तो उससे आपकी समझदारी थोड़ी सी बढ़ गई बस वाली बात है आइए चलिए तो क्वेश्चन में कहा गया है कि दो पासों को साथ में फेंका जाता है तो प्रायिकता ज्ञात करिए कि डबलेट आए मतलब सेम नंबर बोथ साइड पर आए तो सेम नंबर बोथ साइड पर आए तो मेरे भाई ऐसे कितने केस बनेंगे तो दोनों पासे पर सेम नंबर आए ऐसे कितने केस बनेंगे तो छः कितने केस बनेंगे मेरे भाई तो छ केस बनेंगे तो छ केसेस बनेंगे कितने में छत्तीस में तो आंसर हमारा कितना होगा तो आंसर हमारा एक बटे छः होगा आंसर हमारा कितना होगा तो एक बटे छः होगा आंसर हमारा कितना होगा तो एक बटे छ होगा ठीक है समझ में आ रहा है बात यहाँ पे कोई परेशानी की बात है चलिए आ जाइए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं अगला सवाल हम लोग पढ़ते हैं अगला सवाल हमसे क्या बोला है बोला है कि यदि आप दो पासों को साथ में फेंकते हैं तो क्या प्रायिकता है कि अ मल्टीपल ऑफ टू ऑन वन साइड और मल्टीपल ऑफ थ्री ऑन अदर डाइस ये मेरे भाई पॉइंट पूछा गया है एक पासे पर दो का गुना जाना चाहिए और दूसरे पर मेरे भाई तीन का गुना जाना चाहिए पहले पर दो का मल्टीपल और दूसरे पर तीन का मल्टीपल ठीक है यहाँ पर एक पास से पर दो का मल्टीपल आ जाए ये ये लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मल्टीपल ऑफ़ टू ऑन वन डाइस एंड अ मल्टीपल ऑफ थ्री ऑन अदर डाइस मैंने कहा चलो बच्चों एक बार हम काम करते हैं ऐसा देखते हैं पहले पर दो का मल्टीपल दो होता है देखो संख्या मेरे पास कौन कौन सी होती है तो मेरे भाई संख्या हमारी यही तो होती है इसमें दो का मल्टीपल कौन कौन है तो ये है तो मैंने कहा पहले पर दो का मल्टीपल और दूसरे पर तीन का मल्टीपल तो दो तीन हो सकता है और क्या हो सकता है तो दो छः हो सकता है कि सर ये दो का मल्टीपल ये तीन का मल्टीपल ये दो का मल्टीपल ये तीन का मल्टीपल एक तो ये हो गया दो के साथ चार के साथ क्या क्या पेयर बनेगा तो चार का पेयर तीन के साथ बनेगा या चार का पेयर छः के साथ बनेगा ठीक है फिर उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें पहले पर दो का मल्टीपल दूसरे पर तीन का मल्टीपल पहले पर दो का मल्टीपल दूसरे पर तीन का मल्टीपल यानी तीन का मल्टीपल दो ही संख्या है तीन है या छः है तीन है या फिर छः है समझ में आया तो पहले पर दो का मल्टीपल दूसरे पर तीन का मल्टीपल पहले पर दो का मल्टीपल दूसरे पर तीन का मल्टीपल फिर दो का मल्टीपल दो तो हमने ले लिया आप किसको लेंगे चार तो चार के साथ तीन चार के साथ छः ये ले लिया अब छः छः के साथ तीन छः के साथ छः अब मेरे भाई अगर आपने ऐसा लिया है तो पहला हमारा दो का मल्टीपल तीन का मल्टीपल दो का मल्टीपल तीन का मल्टीपल तो जब मैंने दो के मल्टीपल देखे तो मैंने कहा दो का मल्टीपल दो ले सकते हैं चार ले सकते हैं छः ले सकते हैं Yeah. तीन का मल्टीपल मेरे भाई तीन ले सकते हैं छः ले सकते हैं तो एक बार ये दो की पेयरिंग दोनों के साथ करवाइए तो दो की पेयरिंग तीन के साथ भी हुई दो की पेयरिंग छ के साथ भी हुई फिर चार की पेयरिंग दोनों के साथ करवाइए चार की पेयरिंग तीन से भी हुई छः से भी हुई फिर छः की पेयरिंग दोनों से करवाइए तो हो गया अब मैंने जो केस कंसिडर किया उसमें क्या किया पहले वाले को दो का मल्टीपल बनाया और दूसरे वाले को तीन का मल्टीपल बनाया भाई यहाँ पर इसका उल्टा भी तो हो सकता है पहला वाला तीन का मल्टीपल और दूसरा वाला दो का भी तो मल्टीपल हो सकता है क्या कहानी में ट्विस्ट नहीं आ सकता है बोलो तो बोलोगे हाँ सर आ सकता है तो एक काम करिए जो जो आपने लिखा उसका उल्टा कर दीजिए दो तीन का उल्टा आप यहाँ पर क्या देखिए अब ऐसा भी तो कहा नहीं हो सकता है कि सर पहले हम तीन का मल्टीपल लेंगे तीन का मल्टीपल कौन है तो तीन और छः है और बाद में सर हम दो का मल्टीपल ले लेंगे जो कि दो चार और छः है तो एक बार तीन की पेयरिंग तीनों से होनी चाहिए तो सर पहला वाला तीन का मल्टीपल रहेगा दूसर रहे दूसरा वाला दो का मल्टीपल पहला वाला तीन का मल्टीपल रहेगा दूसरा वाला दो का मल्टीपल पहला वाला तीन का मल्टीपल रहेगा दूसरा वाला दो का मल्टीपल तो तीन की पेयरिंग हो गई सबके साथ अब छः की पेयरिंग करवाइए पहला वाला तीन का मल्टीपल दूसरा वाला दो का मल्टीपल पहला वाला तीन का मल्टीपल दूसरा वाला दो का मल्टीपल पहला वाला तीन का मल्टीपल दूसरा वाला दो का मल्टीपल बट याद रखिए कभी भी कोई भी संख्या रिपीट ना हो अगर वो रिपीट हो रही है तो उसे कंसिडर नहीं किया जाएगा छः छः यहाँ भी है छः यहाँ भी है तो एक बार इसको काट दीजिए क्यों क्योंकि ये रिपीट हुआ है एक और बात हम आपको बताएं तो आसान भाषा में आप यहाँ यह भी काम कर सकते थे कि छः छः के पहले ये जितने भी पाँचों के पाँचों टर्म हैं एक दो तीन चार पाँच इन सब को उल्टा कर दीजिए तो ये मिल जाएगा दो तीन का उल्टा ये रहा चार तीन का उल्टा ये रहा ठीक है उसके बाद दो छः का मेरे भाई उल्टा यहाँ पर ये रहा चार छः का उल्टा ये रहा छः तीन का उल्टा ये रहा तो ऊपर वाले को ही उल्टा करना था बट मैंने उतना आप लोगों को कहा नहीं मैंने सिर्फ कहा पहला दो का मल्टीपल तीन का मल्टीपल दो का मल्टीपल तीन का दो का मल्टीपल तीन का दो का मल्टीपल तीन, तीन का या फिर पहला तीन का मल्टीपल फिर दो का तीन का मल्टीपल दो का तीन का मल्टीपल दो का ठीक है इस तरीके से करके अब यहाँ पर मेरे भाई जो हमारी कहानी है वो हमारी कहानी क्या है बताओ प्रोबेबलिटी हमारी क्या है तो प्रोबेबिलिटी अगर हम बात करते हैं तो कितने केस है? एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री मेरे भाई, तो भाई यहाँ पर क्या कहा गया पढ़िए क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री में बोला गया दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं पहले पासे पर प्राप्त संख्या दूसरे पर प्राप्त संख्या से मेरे भाई अधिक होने की प्रायिकता क्या है पहला वाला ज़्यादा होना चाहिए दूसरा वाला कम होना चाहिए ऐसे मेरे भाई यहाँ पर कितनी कहानी बनती है पंद्रह याद है यहाँ पर मैंने अभी आप लोगों को ये पॉइंट समझाया है ना कि दो केसेस बनते हैं पहला वाला छोटा और दूसरा वाला बड़ा तो ऐसे पंद्रह आउटकम आते हैं या फिर पहला वाला बड़ा और दूसरा वाला छोटा तो यहाँ पर पंद्रह आउटकम आते हैं बताओ जल्दी से तो पहला वाला छः रखोगे तो दूसरा वाला उससे कम ले लेना फिर यहाँ छः में और कम ले लेना फिर और कम ले लेना इस तरीके से फिर छः के बाद अगली संख्या पाँच पाँच के बाद अगली संख्या चार चार के बाद अगली संख्या तीन तीन के बाद मेरे भाई दो यहाँ पर तो हम यहाँ पर आपको क्या बोले हैं समझिए इस वाले क्वेश्चन में यदि आप पहुँचते हैं तो आपको इस क्वेश्चन में कहा गया है कि आप दो पासों को साथ में फेंकते हैं वट इज़ द प्रोबिलिटी दैट द नंबर ऑन फर्स्ट डाइस इज मोर देन द नंबर ऑफ सेकेंड डाइस यानी मेरे भाई पहला वाला क्या होगा तो पहला वाला बड़ा होगा लार्ज होगा और दूसरा वाला मेरे भाई क्या होगा तो स्मॉल होगा कई सारे बच्चों को ये समझ में नहीं आया था तो चलिए मैं लिख कर बताता हूँ कि मैंने कैसे लिखा था लार्ज होने का मतलब पहले वाले को बड़ा से बड़ा करो पहले वाले को जितना बड़ा कर सकते हो उसको उतना बड़ा करो तो पहला वाला ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है छः हो सकता है अगर ये मेरे भाई छः होगा तो उससे एक कम तो सॉरी छः होगा तो ये सबसे मिनिमम एक होगा या फिर ये छः होगा तो ये दो हो सकता है या फिर ये छः होगा तो ये तीन हो सकता है या फिर ये छः होगा तो ये चार हो सकता है या फिर ये छः होगा तो ये पाँच हो सकता है ये छः होगा तो मेरे भाई छः नहीं लेंगे क्योंकि दोनों बराबर हो जाएंगे बोला गया अगली संख्या हमेशा इससे कम रहे तो ऐसे हमने लिख दिया मेरे भाई अब आ जाओ जब आपने पहले को छः ले लिया तो आपके पास क्या बचता है अब मेरे भाई छः तो ले लिया अब पाँच लेंगे तो हो सकता है पहला वाला पाँच हो पहला वाला पाँच हो तो दूसरा वाला इससे छोटा होगा तो इससे छोटा होगा तो या तो ऐसा हो सकता है कि पाँच के साथ आप एक ले लो या ऐसा हो सकता है पाँच के साथ आप दो ले लो या ऐसा हो सकता है पाँच के साथ तीन ले लो या ऐसा हो सकता है पाँच के, के साथ चार ले लो पाँच के साथ पाँच क्यों नहीं लेंगे भाई बराबर हो जाएगा कैसे ले लोगे तो नहीं ले सकते ना उसी तरीके से जब छः ले लिए पाँच ले लिए तो आप चार भी ले लो कि पहला चार ले लिए तो दूसरा एक पहला चार ले लिए तो दूसरा दो पहला चार ले लिए तो दूसरा तीन इस तरीके से करके और मेरे भाई नीचे हम और भी पॉइंट नहीं जा सकते हैं चार चार पे दोनों बराबर हो जाएंगे फिर उसी तरीके से पहला हम यहाँ तीन लेंगे तो दूसरा एक हो जाएगा पहला हम तीन लेंगे तो दूसरा दो हो जाएगा अब तीन तीन नहीं ले सकते हैं अब उसके बाद लास्ट बच गया जैसे छः पाँच चार तीन तो अगला क्या आएगा दो पहला दो लोगे तो इससे छोटी संख्या कौन होती है एक ही तो होती है यानी यहाँ पर कितने केस है तो पाँच यहाँ पर है चार यहाँ पर है तीन यहाँ पर है दो यहाँ पर है एक जब मेरे भाई सबको जोड़ोगे ना तो कुल मिलाकर तुम्हारे कितने केस बनेंगे तो पंद्रह केस बनेंगे तो इसीलिए मेरे भाई आंसर कितना होगा तो आंसर हो जाएगा तुम्हारा पंद्रह बटे साठ यहाँ पर यानी एक चौथाई हिस्सा वन अपॉन फोर वन अपॉन फोर क्या होगा सॉरी पंद्रह बटे साठ नहीं होगा ना ये पंद्रह बटे तो छत्तीस होगा तो पंद्रह बटे छत्तीस मेरे भाई तो तीन से पाँच बार में और तीन से तुम्हारा कितनी बार में तो बारह बार में फाइव अपॉन ट्वेल्व ऑप्शन नंबर सी थर्टी फोर नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है पढ़िए जरा तो क्वेश्चन में कहा गया है कि दो निष्पक्ष पासे फेंके जाते हैं वह संख्या जिसका सम दो या चार से विभाज्य हो तो ऐसी संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करिए ठीक है टू फेयर डाइस आर थ्रोन फाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर हु सम इज डिविजिबल बाई टू और फोर जोड़ने पर जोड़ने पर मेरे भाई यहाँ या तो दो आ जाए या फिर चार आ जाए दौड़ने पर या तो मेरे भाई दो का मल्टीपल हो या फिर चार का मल्टीपल हो तो जब हम दो पासों को मेरे भाई जोड़ते हैं जब हम दो पासों के संख्याओं को जोड़ते हैं तो या तो दो आ सकता है नहीं तो तीन आ सकता है नहीं तो चार आ सकता है नहीं तो पाँच आ सकता है छः आ सकता है सात आ सकता है आठ आ सकता है नौ आ सकता है दस आ सकता है ग्यारह आ सकता है बारह आ सकता है यही आ सकता है दो पासों को जोड़ने पर मेरे भाई यही वो सारी की सारी संख्याएं हो सकती हैं क्वेश्चन में कहा गया या तो मेरे भाई यहाँ पर दो का मल्टीपल हो या फिर वो चार का मल्टीपल हो या तो वो दो का मल्टीपल हो बोला गया ना टू फेयर डाइस आर थ्रोन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर हुज सम इज डिविजिबल भाई जिसका सम जैसे ये जो सम आ रहा है तो ये मेरे भाई सम जो है यहाँ पर वो डिविजिबल होगा या तो दो से और नहीं तो चार से अब एक होता है कि हम उसमें पर्टिकुलरली आपको केस बताएं यहाँ पर कि कितने केस बनेंगे सिर्फ केसेस के नंबर हम आपको दे दें या फिर एक मेरे भाई यहाँ पर ये हो सकता है कि हम उन केसेस को यहाँ पर लाकर दिखाएं समझ रहे हो कि ये केस बनता है ये केस बनता है ये केस बनता है ये केस बनता है तो आप यहाँ पर दोनों में क्या जानना चाहते हैं दोनों जानना चाहते हैं चलिए हम आपको दोनों बताएंगे मेथड नंबर वन पहले समझिएगा क्वेश्चन में यहाँ पर यह बोला गया यहाँ पर कि जो देखिए समझिएगा टू फेयर डाइस आर थ्रोन फाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर हु सम तो सम जो होगा मेरे भाई वो हमारा डिविजिबल होना चाहिए दो से या फिर चार से दो से या फिर चार से ठीक है stop, तो हमने कहा देखो ये जो सम है मेरे भाई या तो ये हमारा जो है डिविजिबल होगा दो, हो दो, हो हो दो, हो दो से ये सम हमारा होगा डिविजिबल दो से ये जो सम होगा डिविजिबल होगा दो से ये सम डिविजिबल होगा दो से ये सम डिविजिबल होगा दो से और ये सम डिविजिबल होगा मेरे भाई दो से यहाँ पे यानी मुझे मेरे भाई वो सारे केसेस चाहिए जहाँ पर जो सम होता है या तो दो से डिविजिबल हो नहीं तो चार से यानी मेरा सम टू लेना है सम फोर लेना है सम सिक्स लेना है सम एट लेना है सम टेन लेना है सम टना है मेरे भाई समझ रहे हैं मेरे बात को यहाँ पर हमें कितना लेना है मेरे भाई तो सम हमें कितना लेना है तो दो लेना है चार लेना है छ लेना है इस तरीके से करके मतलब जो हमने आपको दिया है अब मैंने कहा ना किया तो हम उनके अलग अलग पूरा का पूरा केस लिखें और नहीं तो मैंने आपको पढ़ा रखा है मेरे भाई सम टू वाला केस तो यहाँ पर बताओ सम टू हो गया फिर उसके बाद यहाँ पर सम फोर हो गया फिर उसके बाद यहाँ पर सम सिक्स हो गया फिर उसके बाद यहाँ पर सम एट हो गया और फिर उसके बाद यहाँ सम टेन हो गया और उसके बाद यहाँ पर सम ट्वेल्व हो गया ये सारे हमने आपको पढ़ा रखे हैं कि इसके केसेस कितने बनेंगे याद है कि अगर हमारा सम जो होता है मेरे भाई यहाँ पर दो होता है अगर हमारा सम जो होता है वो दो होता है तो दो के लिए क्या करेंगे दो में से एक घटा दो तो एक केस बनेगा चार में से एक घटा दो तीन केस बनेगा छः में से एक घटा दो पाँच केस बनेगा और यदि सम तुम्हारा छः से बड़ा हो जाता है तो तेरह घटाते हैं तेरह में से आठ घटा दो तो मेरे भाई कितना हो जाएगा तो पाँच केस बनेगा तुम्हारा टोटल तेरह में से दस घटा दो तो कुल मिलाकर तुम्हारा तीन केस बनेगा तेरह में से इतना घटा दो इतना बनेगा कुल मिलाकर अगर हम इन्हें जोड़ते हैं तो ज़रा जोड़ के देखिए कितना आएगा एक और तीन चार चार और पाँच नौ नौ पाँच चौदह चौदह तीन सत्रह सत्रह एक अठारह यानी अठारह केसेस बनेंगे तो अठारह केसेस बनेंगे तो हमारा आंसर कितना होगा तो बोलोगे सर अठारह और बट्टे में कितना हो जाएगा तो बट्टे में सर हो जाएगा छत्तीस यानी हमारा आंसर वन अपॉइंट टू आएगा ये हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं देखिए ये वाले सवाल में और इसमें फ़र्क क्या है इसमें कहा गया टू और फोर या तो दो से और नहीं तो चार से और मेरे भाई यहाँ पर बोला गया है टू एंड फोर मेरे भाई यहाँ पर जो दो से भी कटे और साथ में चार से भी कटे सिर्फ ऐसी संख्या मत ले लेना जो दो से कटे ठीक है सिर्फ ऐसी संख्या मत लेना है जो चार से मतलब जो दो से भी कटे और चार से भी कटे ऐसी संख्या आपको लेनी है तो आपने कहा ठीक है सर टू फेयर डाइस आर थ्रोन फाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर उस सम इज डिविज बाई टू एंड फोर तो हमने यहाँ पर कहा कि यार सम हमारा क्या क्या आ सकता है दो ठीक है जब दो पासों को फेंकते हैं तो सम हमारा दो आता है तीन आता है चार आता है छः आता है ठीक है मैं आपको सारे केसेज अभी समझाऊंगा दो हो गया तीन हो गया चार हो गया पाँच हो गया छः हो गया सात हो गया आठ हो गया नौ हो गया दस हो गया ग्यारह हो गया और मेरे भाई बारह हो गया क्वेश्चन में कहा है यहाँ पर टू एंड फोर तो टू एंड फोर टू एंड फोर से मुझे लग रहा है बेहतर मुझे दूसरा एग्जाम्पल समझाना चाहिए टू एंड फोर से मेरे भाई बेहतर पता है मुझे मैं पहले चाह रहा हूँ कि एक दूसरा एग्जाम्पल समझा दूँ रुक जाओ यहाँ पर टू एंड फोर से बेहतर जो होगा वो यहाँ पर ये होगा थ्री एंड फाइव ठीक है टू एंड फोर से मेरे भाई बेहतर होगा थ्री एंड फाइव हालांकि थ्री एंड फाइव तो आएगा नहीं ना यार क्योंकि पासे में इतना डिजिट जाता नहीं है ना बस दिक्कत ये है टू एंड फोर के जगह पर हम यहाँ ये यह लिख सकते हैं पता है टू एंड फोर के जगह टू एंड थ्री लिख सकते हैं मेरे भाई कि जो हमारा तीन से भी कटे और जो हमारा दो से भी कटे तो टू एंड थ्री लिखते हैं ये सबसे बढ़िया रहेगा टू एंड थ्री चलो यहाँ पर देखो अगर हम यहाँ पर इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि जो संख्या मेरे भाई दो से भी कटे और तीन से भी कटे अब दो से कटने वाली संख्या कौन कौन सी है तो दो से कटने वाली दो हो गई चार हो गई छः हो गई आठ हो गई दस हो गई तीन से कटने वाली कौन कौन सी संख्या हो गई तीन हो गई छः हो गई नौ हो गई बारह हो गई ठीक है तो जब मेरे भाई हम और लेते हैं तो और में लेने का मतलब क्या होता है दो के मल्टीपल भी ले लो तीन के भी मल्टीपल ले लो जो कॉमन है उसको एक बार काउंट करना और जब हम एंड मेरे भाई बात करते हैं तो एंड का मतलब सिर्फ और सिर्फ वही संख्या लेनी है जो दो से भी कट जाए और तीन से यानी दो और तीन का एलसीएम दो और तीन का एलसीएम कितना होता है छः यानी आपको छः लेना है छः ऐसी संख्या जो दो से भी कटेगी छः ऐसी संख्या जो तीन से भी कटेगी या फिर बारह बारह ऐसा है जो दो से भी कटेगा बारह ऐसा है जो तीन से भी कटेगा तो हम आपको वहीं समझा रहे हैं एंड का पावर मेरे भाई क्या होता है तो एंड का पावर यहाँ पर यह होता है कि मेरे भाई एंड जब आ जाए तो जा समझ लो एल्शियम लेना होता है ठीक है ऐसी संख्या है जो तीन से भी कटे और पाँच से भी तो तीन और पाँच का एल्शियम ऐसी संख्या जो सात से भी कटे और नौ से भी तो सात और नौ का एल्शियम ठीक है तो वही बात है डिविजिबल बाई टू एंड थ्री तो टू एंड थ्री का मतलब यहाँ पर क्या हो गया तो टू एंड थ्री का मतलब यहाँ पर एल्शियम लेना है किसका एल्शियम लेना है तो दो और तीन का दो और तीन कितना तो यहां जितने भी छः के मल्टीपल होंगे सबको उठा लो तो छः का मल्टीपल एक ये है और छः का मल्टीपल एक ये है, है। यानी हमें मेरे भाई क्या चाहिए तो सम हमें चाहिए सिक्स और हमें क्या चाहिए तो सम हमें चाहिए मेरे भाई बारह सम अगर छः चाहिए तो इसमें से देखो ठीक है एक कम करो तो कितना हो जाएगा पाँच हो जाएगा और छः से अगर ज़्यादा होता है तो तेरह कम करो तेरह में से बारह कम करो इतना हो जाएगा यानी कितने केसेस छः केसेस छः केसेस होंगे मेरे भाई तो आंसर कितना होगा तो बोलोगे सर छः बटे छत्तीस यानी सर हो जाएगा वन अपॉइंट सिक्स इज़ द करेक्ट आंसर ठीक है ये हमारा ध्यान रखेंगे सब कितना हो जाएगा तो वन अपॉइंट सिक्स जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ध्यान रहेगा मेरे भाई यहाँ पर चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं तो जो हमारा क्वेश्चन में ये एंड वाला क्वेश्चन था इसका आप आंसर बता दीजिए क्या बोला गया गया इस सवाल में कहा गया है है जिसका सम दो से से भी भी कट जाए और चार से भी. तो दो और तो का LCM. Common sense की बात है. क्या लेना है मेरे भाई यहाँ पर एलसीएम लेना है और किसका एलसीएम लेना है तो दो का और चार का दो और चार एलसीएम कितना होता है चार होता है यानी चार के जितने भी मल्टीपल है सब ले लो चार का मल्टीपल चार ले लो चार का मल्टीपल आठ ले लो चार का मल्टीपल बारह ले लो तीनों आपने ले लिया यहाँ पे ठीक है तीनों आपने ले लिए मेरे भाई ये जो मैं लिख रहा हूँ ये मैं सम लिख रहा हूं यहाँ पे कि दो पासों को फेंकने पे जो उनके सम आएंगे वो दो से लेकर बारह तक आ सकते हैं बारह से ज्यादा कभी भी सम नहीं आ सकता है तो क्वेश्चन में बोला गया टू फेयर डाइस आर थ्रोन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर हुज सम इज़ डिविजिबल बाई टू और फोर जिनके सम यहाँ पर दो से और चार से विभाजित हों तो ये पहले वो सारे सम होते हैं इनमें ये देखना है कि दो और चार से विभाजित कौन है यानी चार के सारे मल्टीपल लेने हैं चार के सारे मल्टीपल लेने हैं तो कौन कौन सा लेना है चार लेना है आठ लेना है और बारह लेना है तो मेरे भाई अगर हमारा सम चार आता है तो ऐसे कितने केसेस बनते हैं पहली बात अगर हमारा सम मेरे भाई आठ आता है तो ऐसे कितने केसेस बनते हैं अगर हमारा सम यहाँ पर बारह आता है तो ऐसे कितने केसेस बनते हैं समझिए पहली बात संख्या छः से छोटी होती है तो उसमें से एक कम करते हैं चार में से एक कम करो तीन आएगा और छः से बड़ी होगी तो तेरह कम करते हैं तेरह से आठ कम करो पाँच तेरह से इतना कम करो यानी कुल मिलाकर कितने केसेस बन गए नौ केसेस बन गए और नौ केसेस बन गए तो आंसर कितना आएगा तो नाइन अपॉन थर्टी सिक्स यानी हमारा हो जाएगा वन अपॉन फोर आपको जो सोल्यूशन मैंने दिया है वो थोड़ा सा मैंने डिफरेंट दिया है ठीक है तो इसी वजह से मैंने एक अलग यहाँ सॉल्यूशन बता दिया कि आपके पास कुल मिलाकर दो सॉल्यूशन हो जाएंगे एक सॉल्यूशन यहाँ पर ये यह हो जाएगा और एक जो मैंने आपके सीट में दी है वो मेरे भाई एक सॉल्यूशन हो जाएगा ठीक है तो ये हमारे पास पूरा का पूरा हमारे पास कार्ड है अभी आप देख सकते हैं और अभी हम लोगों ने इसको बॉक्स से निकाला है ठीक है आइए चलिए तो यहाँ पर ये यह कार्ड में पूरे के पूरे हमारे पास बावन पत्ते हैं और पहला इसमें गारंटी लिखा हुआ है फलाना फलाना जो भी है मेरे भाई ये सारा का सारा आप देख सकते हैं मैं थोड़ा करीब आ के आप लोगों को दिखाता हूँ आप ये देखिए सारे कार्ड्स हैं हमारे पास और आज हम लोग कार्ड के माध्यम से काफ़ी कुछ सीखने वाले हैं काफ़ी कुछ समझने वाले हैं ठीक है चलिए बहुत बढ़िया हालाँकि मुझे कार्ड वर्ड खेलना आता नहीं है मज़ा आ रहा है देख के बस ये वाली बात है ठीक है तो आइए मेरे भाई शुरू करते हैं सेशन को और क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्लेइंग कार्ड तो सबसे पहले अगर हम आपको कार्ड के बारे में बताएं ताश के पत्ते तो ताश के पत्ते के बारे में हम बताएं तो कुल मिलाकर ताश के कितने पत्ते होते हैं तो कुल मिलाकर मेरे भाई ताश के बावन पत्ते होते हैं कितने पत्ते होते हैं बावन यानी फिफ्टी टू और ये हमारे चार भाग में बटे होते हैं तेरह 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 और तेरह ठीक है तेरा जो होता है वो आपका यहाँ पर रेड डायमंड होता है रेड डायमंड की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो रेड डायमंड हमारा जो है वो हमारा ये वाला पार्ट हो गया देखो जिसके ऊपर ऐसा निशान है इसको लाल डायमंड बोलते हैं क्या बोलते हैं लाल डायमंड बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में बताना फिर उसके बाद यहाँ पर तेरह कार्ड जो होते हैं वो हमारे रेड हार्ट के होते हैं लाल हार्ट ठीक है रेड हार्ट अगर आप देखना चाहें तो ये हमारा रेड हार्ट हो गया आप देख सकते हैं यहाँ पर ठीक है इसको हम रेड हार्ट बोलते हैं ठीक है उसके बाद हमारा हो जाता है स्पीड यहाँ पर अगली स्लाइड में आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे ठीक है ये पूरा का पूरा हमने पूरा तेरह 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 और तेरह पूरे के पूरे बावन पत्ते जो है वो हमने सजा रखे हैं पहला वाला जो यहाँ पर था वो हमारा कौन सा था तो रेड डायमंड था रेड डायमंड अगर हम बात करेंगे तो इसको हम लोग रेड डायमंड कहते हैं दूसरा वाला जो है मेरे भाई वहां पर वो रेड हार्ट है ठीक है और इसे हम लोग रेड हार्ट कहते हैं जो कि मैंने आपको यहाँ सामने भी दिखा दिया कि देखो ये रेड हार्ट है उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो हम बोलेंगे सर तेरा कार्ड है स्पीड ठीक है जिसे हम काला पान कहते हैं स्पीड हो गया हमारा यहाँ पर और ये हमारा स्पीड है ठीक है क्या बोलते हैं काला पान बोलते हैं आप यहाँ देख सकते हैं तो ये हमारा स्पीड हो गया ठीक है उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा हो जाता है वो हमारा हो जाता है रेड जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं तो चिड़ी भी कहते हैं ठीक है यहाँ पर समझिएगा इस बात को लेकर तो रेड नहीं होता है ये ब्लैक होता है यहाँ पर गलती से रेड लिख रखा है इंग्लिश में क्लब बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं तो चिड़ी बोलते हैं ठीक है यहाँ पे और ये पूरा का पूरा तेरह अगर आप देखेंगे तो ये हमारा चिड़ी हो गया और मैं आपको यहाँ पर इसमें दिखा देता हूँ स्टार्टिंग में ही होगा आप यहाँ देख सकते हैं तो ये हमारा हो गया क्लब ठीक है तो डायमंड हो गया हार्ट हो गया स्पेड हो गया और क्लब हो गया तेरह 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 हो गए

मतलब गुलाम राजा और रानी ठीक है जैक किंग और क्वीन इनको बोलते हैं फेस कार्ड फेस कार्ड क्यों बोलते हैं क्योंकि इनके ऊपर फेस बना होता है इनके ऊपर एक चित्र बना होता है इसीलिए इनको फेस कार्ड कहा जाता है ठीक है और उसके बाद हमारा हो जाता है इक्का ए हो जाता है तो यानी नौ संख्याएं हो गई तीन हमारे फेस कार्ड हो गए और एक हमारा क्या हो गया मेरे भाई तो इक्का हो गया यहाँ पर तो वही बात हमने पूरा बढ़िया तरीके से यहाँ पर लिख रखा है कि हर किसी के अंदर में एक इक्का होता है ये नौ की नौ संख्याएं होती हैं और फेस कार्ड जो होते हैं वो मात्र तीन होते हैं राजा रानी और मेरे भाई यहाँ पर गुलाम ठीक है तेरह हमारे हो जाते हैं रेड डायमंड के देखो पूरा जो पत्ता होता है वो बावन होता है उसमें छब्बीस हमारे लाल होते हैं छब्बीस हमारे काले होते हैं लाल में मेरे भाई दो ही होता है एक तो आपका दिल जो है वो एक लाल है और यहाँ पर हीरा जो है वो मेरे भाई डायमंड है वो एक हमारा लाल है ब्लैक में आप कहेंगे तो काला पान हो गया और चिड़ी हो गई ये दोनों के दोनों हमारे ब्लैक होते हैं इस तरीके से ये पूरा का पूरा बावन पत्तों का बढ़िया तरीके से मेरे भाई यहाँ पर ठीक है इक्का बादशाह गुलाम बेगम बहुत शानदार है यहाँ पर बहुत अच्छी बात है मेरे भाई तो अब यहाँ पर आ जाते हैं सारी बातों को हम तरीके से समझते हैं इनको हम कहते हैं फेस कार्ड ठीक है एक हमारा गुलाम हो गया बादशाह हो गया और बेगम हो गई ठीक है इंग्लिश में अगर हम बात करेंगे तो ये जैक हो गया और बेगम जो है यहां पर उन्हें क्यून कहते हैं

अगर आप हार्ट को देखेंगे तो हार्ट में आपका एक इक्का हो जाएगा दो से लेकर दस तक संख्या हो जाएगी एक जैक हो जाएगा किंग हो जाएगा क्वीन हो जाएगा इनको हम तीनों को क्या बोलेंगे तो फेस कार्ड बोलेंगे इन्हें हम नंबर बोलेंगे और इसे हम इक्का बोलेंगे एस बोलेंगे इंग्लिश में यहाँ पे ए सी ई उसी तरीके से डायमंड की अगर हम बात करें तो डायमंड में भी सेम कहानी हमारा होगा वो तेरह पत्ते होंगे एक इक्का होगा नौ संख्याएं होंगी और तीन हमारे फेस कार्ड होंगे ठीक है नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो ऐसे ही क्लब होता है हमारा एक इक्का हो गया नौ संख्याएं हो गई तीन फेस कार्ड हो गए इसे हम बात करते हैं उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करेंगे तो ये हमारा स्पेड हो गया स्पेड में हमारा एक इक्का हो गया नौ संख्याएं हो गई और हमारा तीन क्या हो गया तो फेस कार्ड हो गया आइए चलिए उसके बाद हम बात करते हैं तो यहाँ पर सवाल जो है वो मेरे भाई पूछे जाएंगे बहुत तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से हम आपको जो है वो बताने वाले हैं चलिए तो मेरे भाई सबसे पहला यहाँ पर सवाल है और सबसे पहले सवाल के साथ यहाँ पर शुरुआत करते हैं ठीक है तो यहाँ पर सवाल में मेरे भाई बोला गया है कि कुल मिलाकर बावन पत्ते हैं और इस बावन पत्तों के अंदर से अगर हमारे ये मिश्रा जी हाँ ये मिश्रा जी यहाँ पास में आइए अगर इस बावन पत्तों में से यहाँ पर कोई भी आप एक पत्ता उठाइए देखना नहीं है पक्का देख लीजिए देखना नहीं है उठाना है इन्होंने एक पत्ता उठा लिया क्यों उठाए ना तो यहाँ पर क्या प्रायिकता है यहाँ पर कि ये जो पत्ता इन्होंने उठाया होगा ये पत्ता यहाँ पर इक्का होगा क्या प्रायिकता है अब सबसे पहले देखें यहाँ पर मिश्रा जी की किस्मत अच्छी रही तो क्या पता जो उठाया हो वो इक्का ही हो हालांकि देख लिया जाए क्या उठाया था तो इन्होंने रानी निकाला था आपको रानी से इतनी मोहब्बत का है बता ये बताइए पहले है निकलता है तो रानी निकलेगा जी कुछ और भी तो निकल सकता है कोई नहीं इसी रानी के लिए मेहनत करिए आप बढ़िया तरीके से ठीक है तो यहाँ पर मेरे भाई देखो सवाल यहाँ पे क्या है आइए तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला गया कि बावन पत्तों की एक गड्डी में से एक निकाला जाए तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी तो अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो सबसे पहले किसी भी घटना का जो प्रोबेबिलिटी होता है यहाँ पर इक्का लाने की जो प्रोबेबिलिटी है तो यहाँ पर क्या है तो कभी भी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या होती है कि जितनी भी टोटल वैल्यू होती है वो नीचे लिखेंगे टोटल हमारे पास कितने पत्ते हैं बावन पत्ते हैं टोटल हमारे पास कितने पत्ते हैं मेरे भाई तो बावन पत्ते हैं और उस बावन पत्तों में से मुझे यहाँ पर क्या निकालना है तो मुझे यहाँ पर इक्का निकालना है कहीं पर भी ऐसा मेंशन नहीं किया गया है कि वो इक्का लाल कलर का होना चाहिए कहीं पर ऐसा मेंशन नहीं किया गया कि वो इक्का काला कलर का होना चाहिए कहीं पर यह मैंशन नहीं किया गया कि वो इक्का जो है आपका स्पेड होना चाहिए हार्ट होना चाहिए मतलब देखो एक तो हो गया कि हम ये बोले इक्का आना चाहिए और एक हो गया कि हम ये बोले कि नहीं लाल इक्का आना चाहिए और एक मेरे भाई यहाँ पर यह हो गया कि नहीं लाल इक्का भी हमें

और उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि क्या प्रायिकता है कि जो हमारा इक्का होगा मेरे भाई यहाँ पर जो हमारा इक्का होगा वो लाल वाल ना होकर मेरे भाई क्या हो तो स्पेड हो यहाँ पे स्पेड आप जानते हैं हैं ना किसे कहते हैं? देख लीजिए अगर स्पेड के बारे में नहीं पता तो शुरू में थोड़ा हम लोग अपने टेबल पे चलते हैं और बढ़िया तरीके से समझते हैं ये आपका हार्ट हो गया ये हमारा डायमंड हो गया मेरे भाई ठीक है और यहाँ पर इसे कहते हैं काला पान को हम क्या कहते हैं तो काला पान को हम स्पेड कहते हैं तो हम आपको हर किसी का मेरे भाई लिख रहे हैं कि क्या प्रायिकता है कि वो यहाँ पर स्पेड हो दूसरा मेरे भाई यहाँ पर क्या प्रायिकता है यहाँ पर कि जो इक्का है हमारा वो हार्ट हो तीसरा हमारा यहाँ पर क्या प्रायिकता है कि जो हमारा इक्का आएगा मेरे भाई वो हार्ट भी नहीं होगा वो हमारा क्या होगा तो क्लब होगा ठीक है यहाँ पर और उसके बाद यहाँ पर क्या प्रायिकता है एक और सवाल लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो भी हमारा ये इक्का आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा तो वो हमारा डायमंड हो जाएगा तो एक ही के ऊपर हमने आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन दिए और इसी वजह से दिए कि ताकि आपको कंसेप्ट में जो है वो क्लैरिटी काफ़ी ज़्यादा मिले ठीक है Osionfish. अब समझिए पर सिर्फ इक्के के बारे में कहा गया अब ये कौन सा इक्का है ये किसी को नहीं पता है जैसे मैंने कहा यहां पर कि ये जो बावन पत्ते हैं हमारे ना तो ये बावन पत्ते में हमें क्या चाहिए तो बावन पत्ते में मेरे भाई हमें जो है ठीक है ये बावन पत्ते में सिर्फ इक्का आने की क्या संभावना है तो आप यहाँ बोलोगे सर देखो कुल मिलाकर यहाँ पर पत्ते कितने हैं तो कुल मिलाकर पत्ते बावन हैं और उसमें इक्के कितने हैं तो इक्के हमारे चार हैं तो यानी इसकी प्रायिकता कितनी हो गई तो एक वोटे तेरह हो गई उसके बाद यहां पर लाल कलर कर開, एक का इक्का ठीक है अब पहली बात यहाँ पर लाल कलर के मेरे भाई कितने होते हैं पत्ते मैंने यहाँ पर क्या कहा कि रेड डायमंड ठीक है तो ऐसा तो है नहीं मैं इसमें से क्या करूंगा काला वाला निकाल दूंगा लो भैया ऐसा नहीं होगा ना मेरे भाई यहाँ पर कि मैं जो है इसमें से यहाँ पर काला वाला पत्ता निकाल दूंगा सिर्फ लाल वाले वाले में खेलूंगा नहीं जब भी रखी जाएगी तो बावन पत्ती सात में रखी जाएगी और बावन पत्ती सात में रखी जाएगी तो मैं थोड़े से सिचुएशन को टफ करने के लिए बोलूंगा मुझे सिर्फ इक्का नहीं चाहिए मुझे तो यहाँ पर लाल वाला इक्का चाहिए अब आप बोलोगे सर देखो टोटल पत्ते कितने हैं अपने पास तो टोटल पत्ते हमारे पास बावन है ठीक है ये बावन में, में मेरे भाई लाल कलर का इक्का कितना होगा तो लाल कलर के दो इक्के होंगे लाल कलर के कितने होंगे दो इक्के होंगे एक यहाँ पर ये वाला जो कार्ड है मेरे भाई जो हार्ट है हमारा ये एक लाल होता है और एक हमारा जो डायमंड है मेरे भाई ये लाल होता है और बाकी बाकी यहाँ पर ये दोनों मेरे भाई क्या हो गए तो ये दोनों हमारे और बाकी ये दोनों हमारे क्या होते हैं तो ब्लैक होते हैं मैंने कहा लाल कलर का इक्का चाहिए तो क्या इसके पास सामर्थ्य होगा लाल कलर का इक्का देने के लिए क्या इसके पास सामर्थ्य होगा लाल कलर का इक्का देने के लिए नहीं होगा हो यानी ये लोग अपना लाल कलर का इक्का दे पाएंगे इसके पास एक इक्का होगा लाल कलर का इसके पास एक इक्का होगा लाल कलर का यानी मेरे भाई मात्र मैं दो ही पत्ते लेकर आ सकता हूँ लाल कलर के तो लाल कलर आने की संभावना कितनी है दो बटे यानी हो जाएगा हमारा एक बटे छब्बीस यहाँ पे समझ गए मेरी बातों को लेकर फिर उसके बाद बोलेगा कि ब्लैक कलर का इक्का आने की क्या संभावना है क्या ये ब्लैक कलर का इक्का दे पाएगा नहीं क्या ये ब्लैक कलर का इक्का दे पाएगा नहीं मात्र मेरे भाई दो ही ब्लैक कलर के इक्के आ सकते हैं तो पूरे के पूरे बावन पत्तों में पूरे के पूरे मेरे भाई बावन पत्तों में दो ही हमारे क्या होते हैं तो दो ही हमारे जो हैं वो ब्लैक कलर के इक्के होते हैं और उनकी संभावना मेरे भाई क्या होगी तो एक बटे हो जाएगी क्या संभावना हो जाएगी ये एक का दीजिए सामने जो रखा हुआ है ठीक है इसका भी एक का दीजिए ठीक है ये सामने भी है ठीक है हमारे पास सारे इक्के जो है वो आ चुके हैं आप यहाँ देख सकते हैं अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो क्या प्रायिकता है यहाँ पर कि स्पीड हो स्पीड मतलब जानते हैं ना किसको कहते हैं बताइए स्पीड का मतलब यहाँ पर क्या हो गया तो आप ज़रा सही से देखिए इसको हम बोलते हैं स्पीड क्या हो गया मेरे भाई यहाँ पर तो ये हमारा हो गया स्पीड अब बोला गया है कि क्या प्रायिकता है कि आपका स्पीड आए ठीक है मतलब प्रायिकता ये है कि ए, मतलब एक का स्पीड आए तो आप बोलोगे सर पूरे पत्ते हमारे कितने हैं तो पूरे बावन कलर के पत्ते हैं और इस बावन कलर के पत्ते में निकलौता यहीं ऐसा पत्ता है पेड़ है मेरे भाई और वो इक्का है स्पीड तो ऐसे तेरह पत्ते होते हैं उन तेरह पत्तों में इक्का जो होता है वो क्या होता है मेरे भाई तो एक ही होता है यानी क्या बोलोगे तो वन अपॉन फिफ्टी टू सर इसका आंसर कितना होगा तो वन अपॉन फिफ्टी टू होगा सर समझ में आ रहा है बात यहाँ पे चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो बोला गया है क्या प्रायिकता है मेरे भाई कि इक्का भी हो और साथ में यहाँ पर देखिएगा सब इक्का भी हो और वो हार्ट हो इक्का भी हो और मेरे भाई हार्ट हो तो पत्ते हमारे पास कितने हैं तो पूरे बावन हैं और उन बावन पत्तों में मेरे भाई ऐसे इक्के तो चार होते हैं एक हमारा इसका होता है एक हमारा इसका होता है एक इक्का इससे होता है एक इसका इसका तो इसका हिस्सा कितना होगा तो मेरे भाई मात्र एक होगा और वो हमारा कौन सा है तो वो हमारा यहाँ पर ये है सही तरीके से देखें यहाँ पे तो क्या बोलेंगे इसकी प्रायिकता तो एक हो जाएगी सर क्या बोलेंगे इसकी प्रायिकता सर तो एक हो जाएगी यहाँ पे ठीक है फिर उसके बाद हमारे क्लब के बारे में कहा गया तो क्लब में पूरे पत्ते हमारे कितने होते हैं तो क्लब में पूरे बावन पत्ते होते हैं कितने पत्ते होते हैं मेरे भाई तो बावन पत्ते चिड़ी जिसको हम कह सकते हैं ठीक है और उन बावन पत्तों में इक्का कितना होता है तो उन बावन पत्तों में मेरे भाई क्लब का सिर्फ एक इक्का होता है ये अपना एक बंदा भेजता है और मात्र इसके एक पर्सन होते हैं यानी इतना कैसा आंसर हो जाएगा तो वन अपॉइंट फिफ्टी टू हो जाएगा मेरे भाई ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर इक्का भी हो और क्या रहे डायमंड भी रहे इक्का भी हो और मेरे भाई क्या रहे यहाँ पर तो डायमंड भी रहे यानी ये वाला पत्ता पूरे के पूरे बावन पत्तों में इकलौता एक यही ऐसा पत्ता है जो डायमंड भी है और एक का भी है तो हमारे पास पत्ते कितने हैं तो पत्ते हमारे पास बावन हैं कितने पत्ते हैं तो बावन पत्ते हैं और उसमें मात्र एक ही ऐसा पत्ता होगा जो डायमंड भी होगा और एक का भी होगा तो इसकी संभावना कितनी है एक बटे बावन छोटी छोटी चीज़ों को यदि आप नहीं समझेंगे ना नहीं समझेंगे तो परेशानी मेरे भाई बहुत ज़्यादा ये लीजिए सर मिला दीजिए ठीक है तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल की बात हो जाएगी तो समझना पड़ेगा हमें लेकर कि हमसे इक्का पूछा है लाल कलर का इक्का पूछा है काला कलर का इक्का पूछा है या इनफैक्ट जो इक्का पूछा है वो डायमंड का पूछा है स्पेड का पूछा है क्लब का पूछा है हार्ट का पूछा है किसका पूछा है यहाँ पर ये सारी बातों को हमें समझना होगा तो फिलहाल हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन में और पहले क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि सिर्फ एक इक्का कि एक कार्ड बावन में से निकाला गया तो बताइए उसके

वो भी लाल रंग से तो पहली बात यहां पर छब्बीस कार्ड तो पहले ही कैंसिल हो जाते हैं छब्बीस कौन से मेरे भाई पूरे बावन पत्तों में छब्बीस पत्ता लाल होता है छब्बीस पत्ता काला होता है यहाँ पर एकदम स्ट्रिक्टली कह दिया गया उन्होंने ये नहीं कहा दस आने की प्रायिकता क्या है उन्होंने कहा दस तो लाना ही लाना है साथ में वो लाल कलर का होना चाहिए दस तो मेरे भाई लाना ही लाना है साथ में वो क्या होना चाहिए तो वो लाल कलर का होना चाहिए तो यहाँ पर ये मेरे हाथ में लाल कलर के तेरह पत्ते ये हो गए और लाल कलर के मेरे भाई तेरह पत्ते ये हो गए ये हमारा डायमंड हो गया और ये हमारा हार्ट हो गया समझ रहे हैं इस बात को लेकर यहाँ पे ठीक है डायमंड हो गया और मेरे भाई क्या हो गया तो हार्ट हो गया तो क्वेश्चन में बोला गया है कि दस आने की प्रायिकता क्या है तो जाहिर सी बात है एक दस इसके अंदर में होगा और एक दस हमारा इसके अंदर में होगा तो इसका आंसर हम क्या देंगे तो बोलेंगे सर देखिए दस आने की प्रायिकता कुछ इस प्रकार से हो जाएगी कि बावन पत्तों में यहाँ पर हमारा जो है दस कितना होगा तो दो होगा यानी करेक्ट आंसर कितना होगा सर तो एक बोटे होगा ठीक है अब है भाई अभी बताऊंगा तुम्हें कॉम्बिनेशन कहां लगेगा और कॉम्बिनेशन कहाँ नहीं लगेगा तो अभी थोड़ा पेशेंस रखो सारी बातें हम बताने वाले हैं ठीक है हमने बावन पत्तों में से एक के उठाने की बात कही है तो एक के उठाने की बात कही है तो अभी यहाँ कॉम्बिनेशन नहीं लगने वाला है एक पत्तों के लिए आप कॉम्बिनेशन नहीं लगाते हैं समझिए इस बात को लेकर तो मेरे पास पूरे के पूरे छब्बीस कार्ड थे और बावन कार्ड थे और बावन कार्ड में से मेरे भाई बोला गया था कि यहाँ पर जो दस आएगा रेड शूट का वो हमारा क्या आएगा तो एक दस जो है वो मुझे यहाँ पर इसमें मिलेगा और एक दस जो है मेरे भाई दूसरे वाले में मिलेगा यानी आंसर कितना होगा दो बटे बावन ठीक है अब नॉर्मली उसके बाद वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ फिफ्टी टू कार्ड व प्रोबेबेड कार्ड क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर यह कहा गया सभी के फेस कार्ड निकालिए ठीक है <coughs> क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर यह कहा गया कि बावन पत्तों में से मुझे एक पत्ता उठाना है तो क्या प्रायिकता है कि वो फेस कार्ड आए अब मेरे सामने कुल मिलाकर यहाँ पर आज मेरे सामने ये बावन पत्ते रखे गए हैं क्या रखा गया मेरे भाई तो बावन पत्ते रखे गए और ये बावन पत्तों में पूछा गया है कि क्या प्रायिकता है कि आप कोई भी एक कार्ड निकालते हैं तो मेरे भाई उसके ऊपर कोई चेहरा छपा हो तो पहली बात आपको ये बात समझना पड़ेगा कि जो चेहरा छपा होता है वो कितने होते हैं तो हर डेक में मतलब अगर हम बात करें हर यहाँ पर ग्रुप में आप ऐसे समझ लो तीन पत्ते हैं पहले ग्रुप में तीन दूसरे में तीन तीसरे में तीन चौथे में तीन यहाँ पर अगर ये बोलता कि वो फेस कार्ड लाल कलर का हो एक बोलता वो फेस कार्ड ब्लैक कलर का हो एक सिर्फ

फेस कार्ड तो हो लेकिन यहाँ पर किसका हो तो रेड कलर का हो यहाँ पे एक ये हो गया सवाल तीसरा मेरे भाई यहाँ पर यह है कि आप जो भी पत्ता उठा रहे हैं वो फेस कार्ड तो रहे कोई दिक्कत की बात नहीं है लेकिन वो पर्टिकुलरली हार्ट का हो अब मेरे भाई यहाँ पर क्या क्या संभावनाएं बन सकती हैं इस बात को आप समझिएगा यानी क्वेश्चन में क्या बोला गया तो क्वेश्चन में बोला गया कि फेस कार्ड होना चाहिए पहले वाले सवाल में कि सिर्फ फेस कार्ड देखो नीचे कभी भी रखोगे तो कितना रखोगे बावन क्योंकि आप जो चूज कर रहे हो कितने पत्तों में से कर रहे हो बावन पत्तों में से कर रहे हो कितने पत्तों में से कर रहे हो तो बावन पत्तों में से कर रहे हो और उसमें आपने सिर्फ डिमांड की है फेस कार्ड की आपने ये नहीं बोला कि वो फेस कार्ड लाल होगा आपने ये नहीं कहा वो फेस कार्ड काला होगा आपने ये नहीं कहा यहाँ पर कि डायमंड चाहिए आपने ये नहीं कहा गुलाम चाहिए मतलब चिड़ी वीड़ी कुछ भी आपने

रखे रहो मैं बता ठीक है तो लाल कलर के हमारे कितने फेस कार्ड होते हैं तो जरा देखो हमारे पास कुल मिलाकर बारह फेस कार्ड होते हैं तीन तीन छः तीन नौ और तीन बारह उस बारह फेस कार्ड में मेरे भाई छह जो हो गए वो हमारे लाल हो गए और छह जो हो गए वो मेरे भाई क्या हो गए तो काले हो गए तो क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर ये यह पूछा गया कि लाल कलर के फेस कार्ड क्या पूछा गया मेरे भाई यहाँ पर तो लाल कलर के फेस कार्ड तो यदि आप देखेंगे यहाँ पर तो बोलेंगे सर पत्ते तो मेरे पास अभी पूरे के पूरे बावन है उसमें लाल कलर का फेस कार्ड कितना होगा सिर्फ उनकी गिनती करो तो बोलोगे सर तीन लाल जो है वो हमें हार्ट से मिल जाएगा और तीन लाल हमें डायमंड से मिल जाएगा यानी कितने हो के कुल मिला के, तो हो गए। दो से हम काटेंगे तीन बार में और दो से हम काटेंगे छब्बीस बार में तो इसका आंसर मेरे भाई क्या होगा तीन बटे छब्बीस होगा एकदम आ जाइए नेक्स्ट हमारा बोला गया कि क्या प्रायिकता है कि जो आप फेस कार्ड उठा रहे हैं वो मेरे भाई हार्ट है तो भाई फिर से नीचे कितना रखेंगे बावन क्योंकि पत्ते हमारे पास कितने हैं तो बावन है अब उन बावन पत्तों में मेरे पास कंडीशन क्या है कि वो एक फेस कार्ड भी हो और साथ में वो एक हार्ट भी हो तो पहली बात हार्ट में मेरे भाई कितने पत्ते होते हैं तेरह और उन तेरह पत्तों में मेरे भाई यहाँ पर फेस कार्ड कितने होते हैं तीन होते हैं एक जैक एक क्वीन और एक किंग सर दिखाइए हार्ट दिल दिल दिखाओ दिल मुझे दिल दिल के तीन पत्ते हैं ठीक है बढ़िया है ये दिल का एक पत्ता हो गया हमारे पास और दिल के बाकी दो तो पहली बात तो पर ये दिल वाला मतलब हार्ट आप बात करेंगे हार्ट हार्ट के के पत्ते पत्ते होते हैं। पत्ते होते हैं हैं कितने तो मैं आपको हार्ट वाले ग्रुप में लेके चलता हूं। और हार्ट में हमारे पास कुल मिलाकर तेरह पत्ते होते हैं देखो ये तेरह पत्ते में एक तो दो से लेकर हमारा नौ तक दस तक हो गया फिर उसके बाद एक इक्का हो गया और ये हमारे तीन हो गए हमारे फेस कार्ड जो कि मेरे हाथ में अभी दिए गए हैं एक दूसरा और मेरे भाई यहां पर ये यह तीसरा समझ गए इस बात को लेकर तो बस गिनती उनकी गिननी है कि वो होते कितने हैं प्रायिकता तो आप खुद ब खुद लगा लेंगे प्रायिकता सिखाने वाला मैं कौन होता हूँ प्रायिकता तो आप खुद ही सीख लेंगे यहां पे तो बोलेंगे सर कुल कितने लोग थे बावन और उसमें से फेस कार्ड कितने हैं वो भी कौन से वाले हार्ट वाले तो हार्ट के फेस कार्ड कितने होते हैं तीन यानी आंसर कितना हो जाएगा मेरे भाई तो तीन बटे बावन ही आंसर होगा अगर कल के दिन यहाँ हार्ट के जगह क्लब होता तो भी आंसर तीन बटे बावन अगर हार्ट के जगह डायमंड होता तो भी आंसर

और कार्ड पर निम्न परिणाम प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है या तो लाल हो और नहीं तो यहां पर या तो लाल या तो राजा राजा नहीं कहेंगे अच्छा आइडर रेड और किंग बोला गया है कि मेरे भाई या तो उसकी प्रायिकता हो कि लाल हो और नहीं तो मेरे भाई यहाँ पर प्रायिकता हो किसकी कि वो किंग हो अब आप लोग सोचिए यहाँ पर क्या होगा आइदर रेड और हमारा क्या हो जाएगा तो किंग हो जाएगा समझ रहे हैं अब पहले मेरे भाई एक बात बताओ यहाँ पे हमें क्या चाहिए आइधर रेड चाहिए या फिर हमें चाहिए किंग तो पहले ये बात लाल कलर के पत्ते कितने होते हैं कुल मिलाकर यहाँ पर बोलो लाल लाल कलर के हमारे पत्ते कितने होते हैं ये बताओ तो बोलोगे सर लाल कलर के कुल मिला के हमारे 26 पत्ते होते हैं लाल कलर के हमारे पत्ते कितने होते हैं सर तो कुल मिला के हमारे 26 पत्ते होते हैं यहाँ पे उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करेंगे किंग हमारा कितना होता है ठीक है आप बैठ जाओ मैं देख लूंगा ठीक है उसके बाद हमारा किंग मेरे भाई कितना होता है तो कुल मिलाकर चार किंग होते हैं एक हमारा डायमंड में होता है एक हमारा हार्ट में होता है एक हमारा क्लब में होता है और एक हमारा स्पीड में होता है ठीक है हर किसी के पास अपना अपना एक राजा बैठा हुआ है जो पहरेदारी दे रहा है जो पूरे सिस्टम को चला रहा है तो बोला गया या तो तुम यार लाल लेकर आ जाओ कोई दिक्कत नहीं है और या तो तुम मेरे भाई क्या लेकर आ जाओ किंग लेकर आ जाओ अब यहां पर अगर हम बात करेंगे बिल्कुल एग्जैक्टली exactly, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ ठीक है कौन सा क्वेश्चन है आपका या तो लाल होना चाहिए और नहीं तो ठीक है बिल्कुल मैं आपको सारे पत्ते दिखा देता हूं यहाँ पे पत्ते दो यहाँ पे सारे के सारे ठीक है बिल्कुल आइदर रेड और किंग होना चाहिए ना यहाँ पे ठीक है अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में कहा गया आइदर रेड रेड वाले सारे पत्ते दोनों एक बार देखिए

देखते हैं कि आइदर रेड तो आइदर रेड मतलब लाल पत्ते होते कितने हैं तो लाल पत्ते हो गए मेरे भाई छब्बीस लाल पत्ते हमारे कितने हो गए तो छब्बीस हो गए और उसके बाद यहाँ पर किंग कितने हो गए तो चार हो गए तो यहाँ पर उन्होंने क्या कर दिया तो प्लस चार कर दिया मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था याद रखना कि एंड के लिए हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई और और के लिए हम क्या करते हैं तो प्लस करते हैं तो यहाँ पर और शब्द का इस्तेमाल है इसीलिए मैंने क्या किया है तो प्लस किया है अब 90 परसेंट लोगों की गलती क्या होती है कि वो सिर्फ 26 प्लस चार बटे इतना और इसमें गलत क्या है सही तो है सर आपने कहा था आइदर रेड होना चाहिए तो देखो छब्बीस पत्ते हमारे लाल होते हैं फिर उसके बाद आपने कहा किंग तो हर किसी के पास एक एक किंग है तो सर चार लिख दिया आंसर हमारा आ गया तीस बटे अब मैं बताता हूँ जब आप इसको काटोगे तो पंद्रह बटे छब्बीस आएगा बट सर आपने वहीं पर एक गलती कर दी आप ये बात को समझे नहीं कि जब आपने यहाँ पर ये पूरे के पूरे छब्बीस पत्ते ले लिए हैं तो इसके अंदर ऑलरेडी इनका राजा मौजूद है इनके अंदर ऑलरेडी इनका राजा मौजूद है तो राजा इनका मौजूद है तो आपको क्या करना पड़ेगा तो आपको मेरे भाई यहाँ पर दो माइनस करना पड़ेगा समझ गए मेरी बात को लेकर क्योंकि ये तेरह और तेरह पत्ते जो आपने लिए हैं ये छब्बीस पत्ते का मतलब क्या हो गया कि पहला वाला पूरा का पूरा तेरा लाल ले लिया दूसरा वाला मेरे भाई तेरह का तेरह आपने लाल ले लिया इसके अंदर इसका किंग ऑलरेडी है इसके अंदर इसका किंग ऑलरेडी है तो आप अलग से चार मत ऐड करो ना फिर या तो आप ऐसे लिख लो कि सर देखिए रेड का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि पूरे के पूरे 26 हमारे लाल हो गए वो 26 लाल में इक्का भी है गुलाम भी है बादशाह भी है बेगम भी है दो भी है दस भी है चार भी है यानी लाल में अंदर में सर हमने किंग भी ले लिया है लाल के अंदर में हमने क्या ले लिया है किंग ले लिया है अब मुझे जो किंग लेना है सर तो वो मैं किसका किंग अलग से लूँगा तो मैं ब्लैक वाले का लूँगा सिर्फ किंग और ब्लैक वाला में मेरे भाई कौन कौन सा है काला पान है और चिड़ी है यानी एक तरीके से यहाँ पर आपका काला पान हो गया और आपका चिड़ी हो गया यानी क्लब हो गया मेरे भाई यहाँ पर देख लीजिए एक आपका काला पानी स्पेड हो गया और एक मेरे भाई यहाँ पर क्या हो गया तो एक हमारा चिड़ी हो गया तो इसके अंदर में एक किंग हो गया और इसके अंदर में हमारा एक किंग हो गया ये दो हो गए क्योंकि जब हमने लाल कलर का पत्ता लिया था ना तो लाल कलर के पत्ते में जब मैंने पूरे के पूरे तेरह पत्ते लिए थे तो वहां पर किंग को मैंने ऑलरेडी इंक्लूड कर लिया था समझ गए यहाँ पर तो इस क्वेश्चन में हम यहाँ पर क्या बोलेंगे तो हम बोलेंगे सर देखो छब्बीस पत्ते ले लीजिए ठीक है और साथ में यहाँ पर एक स्पेड का और एक क्लब का दोनों का हमारा किंग ले लीजिए बट्टे में कितना हो जाएगा बावन तो आंसर हमारा आ जाएगा अट्ठाईस बटे बावन चार से यदि हम काटेंगे सात बार में और काटेंगे तेरह बार में तो सात बटे तेरह कौन सा ऑप्शन आएगा मेरे भाई तो बी आएगा कौन सा ऑप्शन आएगा हमारा तो बी आएगा क्लियर है ये बात यहाँ तो ये छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है आइए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या होना चाहिए मैंने और शब्द कहा था और के केस में हम क्या करते हैं प्लस और एंड के, के केस में क्या करते हैं मल्टीप्लाई इस बात को ध्यान रखना अब क्वेश्चन बोला गया बावन पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है और यहाँ पर निम्न परिमाण प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है कि ब्लैक भी हो और क्वीन भी हो ब्लैक एंड क्वीन और का मतलब पता है क्या होता है जैसे मानो या तो ये चलेगा और नहीं तो ये चलेगा इसीलिए हम दोनों को काउंट करते हैं और एंड का मतलब हमारे पास ऑप्शन नहीं होता एंड का मतलब यहाँ पर ये यह होता है कि ब्लैक होने के साथ साथ उसको क्वीन भी होना चाहिए जैसे मानो मैं आपको यहाँ पर दो बातें समझाता हूँ अगर मेरे भाई यहाँ पर रेड एंड किंग लिखा होता जैसे दो क्वेश्चन होते हैं एक हमारा क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पर ठीक है रेड और यहाँ पर क्या हो जाएगा किंग हो जाएगा एक तो हमारा यहाँ पर यह हो गया और दूसरा मेरे भाई यहाँ पर हो जाता है कि रेड एंड किंग यहाँ पे रेड भी हो मेरे भाई और किंग भी हो दोनों के आंसर हमारे कैसे डिफरेंस करेंगे वो देखिए तो मैंने यहाँ पर क्या कहा मैंने यहाँ पर कहा कि दोनों स्थिति में नीचे हम कितना लिखेंगे तो दोनों स्थिति में मेरे भाई हम लोग जो नीचे लिखने वाले हैं वो तो नीचे हम लोग बावन लिखने वाले हैं फिफ्टी टू निकले वाले हैं इसके नीचे भी फिफ्टी टू रहेगा और इसके नीचे भी कितना रहेगा फिफ्टी टू रहेगा यहाँ पर और का मतलब हमेशा होता है आप इसको भी काउंट करो और आप इसको भी काउंट करो यानी आपको दोनों को काउंट करना है तो आपने कहा सर हमने रेड की की काउंटिंग है तो निकल के आ पूरे 52 पत्तों में पत्ते हमारा लाल, तो 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 लाल वालों का किंग तो इसी के अंदर में आ गया था बस आप ब्लैक वालों का किंग लेकर आकर अलग से इसमें जोड़ दीजिए तो ब्लैक वाले किंग कितना देंगे तो पहला जो क्लब है वो अपना एक किंग भेजेगा और दूसरा जो स्पेड है काला

तो बोलोगे छब्बीस पत्तों में किंग कितने तो मेरे भाई उन 26 पत्तों में दो किंग है एक यहाँ पर देखो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ यहाँ पे ये हम लोग थोड़ा सा चलते हैं हमारे पास ये सबसे बड़े वाले फोटो में ये बड़े वाले फोटो में ये पूरे मेरे भाई पत्ते में लाल पत्ते कितने हैं तेरह और तेरह छब्बीस ठीक है और उसमें किंग कितना है तो एक किंग हमारा यहाँ पर डायमंड का और एक किंग हमारा किसका मेरे भाई हार्ट का तो लाल होने के साथ साथ लाल होने के साथ साथ मेरे भाई क्या होना चाहिए तो किंग भी होना चाहिए यहाँ पे तो बोलोगे सर कितना है सर तो दो कहानी है लाल होने के साथ साथ क्या होना चाहिए सर तो किंग भी होना चाहिए तो इसका आंसर आप मुझे बताइए कितना होगा कहा गया मेरे भाई यहाँ पे तो रेड एंड अ किंग रेड भी हो और मेरे भाई क्या हो तो किंग भी हो यानी रेड किंग आप कह सकते हैं तो कितना हो जाएगा दो बटेगा तो आंसर आंसर हमारा कितना आएगा? तो सर, आएगा। कितना आएगा आएगा तो आएगा आएगा तो 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 बोलोगे सर सर यहाँ पर ये यह वाला क्वेश्चन में हमसे जो बोला गया वो यहाँ पर यही कहा गया कि वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ फिफ्टी टू कार्ड पूरे के पूरे बावन पत्तों में से एक पत्ता निकालने की बात कही गई है तो क्या प्रायिकता है कि वो ब्लैक भी हो और क्वीन भी हो क्या प्रायिकता है कि वो ब्लैक भी हो मेरे भाई और यहां पर क्या हो तो क्वीन भी हो तो यहाँ पर क्या प्रायिकता है मेरे भाई कि वो यहाँ ब्लैक भी हो और क्वीन भी हो तो हम बात करते हैं सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक क्वीन सीधी सी बात है सर हम ब्लैक क्वीन लिखेंगे एंड का मतलब हो गया कि ये सेटिस्फाई हो और ये सेटिस्फाई हो ऐसा नहीं कर सकते सिर्फ इसको ले लिए ऐसा नहीं कर सकते सिर्फ इसको ले लिए ऐसा पत्ता लेना पड़ेगा जो काला होने के साथ साथ रानी भी होगी काली रानी लेनी है हमें यहाँ पर काली गुलाम लेनी आ, काली आ, बेगम लेनी है ठीक है तो ब्लैक क्वीन यहाँ पर लेनी है तो ब्लैक क्वीन मेरे भाई सिर्फ पत्तों में होता है जिंदगी में असल में ब्लैक बहुत कम लोग लेते हैं ठीक है <coughs> मुस्कुरा रहे हो तुम हैं गलत कह दिया क्या हमने बताइए पे बिल्कुल सही कहा हमने तो और क्या तो ब्लैक क्वीन की अगर हम बात करें तो पहली बात हमारे पास काले पत्ते होते कितने हैं तो बोलोगे सर काले पत्ते जो होते हैं वो हमारे बावन होते हैं पूरे कितने पत्ते होते हैं सर बावन हैं। उसमें काला कितना होता है तेरह और तेरह छब्बीस होता है और उन छब्बीस में यहाँ पर ऊपर वाले में एक यहाँ ब्लैक क्वीन है और नीचे वाले में एक ब्लैक क्वीन है यहाँ पे यह। समझ में आ रहा है तो काले पत्ते 26 हैं उसमें एक रानी ये रही और एक रानी ये रही मेरे भाई यानी कुल मिलाकर कितनी रानियां हो गई तो काली रानी कितनी है मेरे भाई बताओ काली रानी कितनी हो गई तो काली रानी हमारी दो हो गई तो इसका आंसर हम कितना देंगे मुन्ना जल्दी से बता दो ब्लैक क्वीन बोलोगे सर नीचे हमेशा बावन फिक्स है यहाँ काली होने के साथ साथ रानी भी होनी चाहिए यानी दो बटे बावन उत्तरवा कितना आएगा बाबूआ तो बता दो एक बटे छब्बीस मजा आ रहा है प्रोबेबिलिटी में चलिए आराम से धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे जना पहले समझ तो जाओ ठीक है आ जाओ क्वेश्चन नंबर सैंतीस में यहां पर देखते हैं सैंतीस नंबर सवाल में मेरे भाई क्या बोला गया ठीक है तो क्वेश्चन नंबर सैंतीस में कहा गया कि वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ फिफ्टी टू कार्ड तो बोला गया यहाँ पर बावन पत्तों की एक घटी में से एक पत्ता निकाला जाता है कार्ड पर निम्न परिणाम प्राप्त करने की प्रयिकता क्या है जैक क्वीन और किंग अब यहां पर फिर से ये शब्द देखो यहाँ पर और आ रहा है और आ रहा है का मतलब क्या करना है मेरे भाई तो और आने का मतलब इसको भी लो इसको भी लो और इसको भी लो ठीक है अब जैसे मानो तुम खाना खाने गए अभी पार्टी वार्टी में गए वहां पर पानी पूरी भी रखा हुआ है आइसक्रीम भी रखा हुआ है उसके बाद यहां पर मसाला डोसा भी रखा हुआ है मैंने कहा आप कुछ भी खा सकते हैं आप ये भी खा सकते हैं आप वो भी खा सकते हैं आप वो भी खा सकते हैं कोई लिमिटेशन नहीं है कि यह इसे खा खा लिए लिए तो दो नहीं खा पाएंगे अब आप मेरे भाई मन के ठहरे चार हजार साल के भूखे बैठे हुए ठीक है अपने हाथ का बना बना के खाए हुआ पक हो गया तो क्या बोलोगे बोलेंगे पहले दबाएंगे गोलगप्पा उसके बाद दबाएंगे पानी पूरी और लास्ट में कुछ मीठा हो जाए तो तीनों चाहिए ना यार तो और वही कहता है और कहता है हम तो सब लेंगे हमें 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 भी 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 चाहिए ये भी चाहिए ये भी चाहिए प्लस कर दो मेरे भाई यहाँ पर सबको समझ में आ रहा है बात और का मतलब क्या होगा हम छोड़ेंगे कुछ भी नहीं हम सब लपेट के लेके जाएंगे तो यानी उसको जैक भी चाहिए उसको क्वीन भी चाहिए और उसको किंग भी चाहिए अच्छा यहां पर कहा गया है मेरे भाई कि जो जैक चाहिए वो किस कलर का चाहिए किस कंपनी का चाहिए मतलब वो स्पेड हो हार्ट हो या ऐसा हो कहीं पर कोई चर्चा है? नहीं है उसने सिर्फ कहा जैक कोई भेदभाव नहीं किया अब ये बताओ कितने जैक होते हैं चार गड्ढियां होती हैं यहाँ पर चार ग्रुप होते हैं हर ग्रुप में एक जैक बैठा होता है ऐसे समझ लो यहां चार ग्रुप मैंने बना रखे हैं और ये चार सेना एक मगध की सेना हो गई एक पांडों की सेना हो गई मेरे भाई यहाँ पर एक पांड्यास की सेना हो गई राष्ट्रकुटू की सेना हो गई चारों की अपनी की सेना बैठी हुई और हर किसी के पास एक एक अपना जैक है तो जैक की हमारी संख्या कितनी हो गई चार और जहां

काटेंगे तीन बार में चार से काटेंगे तेरह बार में आंसर हमारा कितना है ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना अगला सवाल देखते हैं बावन पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है कार्ड पर निम्न परिणाम प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है नाइदर अ हार्ट नोर अ किंग भाई साहब एकदम दिल छेद के चला गया ना तो ये चलेगा ना तो वो चलेगा मतलब ना ही हार्ट होना चाहिए और ना ही किंग होना चाहिए ठीक है हार्ट नहीं चलेगा पहली बात तो हमने यहाँ पर कहा बहुत अच्छी बात है आंसर आप देखो आप नाइदर दो के तरीके से संभाल सकते हो एक तो यहाँ पर यह संभाल सकते हो कि सब कुछ आने की प्रायिकता कितनी होती है एक होती है सब कुछ आने की प्रायिकता कितनी होती है एक होती है उसमें से मेरे भाई आइदर और माइनस कर दो और नहीं तो सीधा नाइदर नॉर पे जंप कर जाओ मतलब ना तो लाल पान है और यहाँ पर ना ही राजा है तो यहाँ पर यह बात बोलो लाल पान हमारे कितने होते हैं हमारे यहाँ पर जो है एक तरीके से अगर हम बात करें तो हार्ट हमारा कितना होता है तो हार्ट हमारा कुल मिलाकर तेरह होता है ठीक है हार्ट हमारा कितना होता है कुल मिलाकर तेरह पत्ते है. ठीक है और उसके बाद हमारे किंग कितने होते हैं तो कहने को तो किंग हमारे कुल मिलाकर मेरे भाई चार होते हैं लेकिन उस चार में एक यहाँ पर इसके अंदर सम्मिलित है और तीन हमारे अभी अलग अलग बटे हुए हैं जैसे मानो मैंने एक ग्रुप को बुला लिया मैंने कहा यहाँ पर हार्ट वाले सारे के सारे आ जाओ हार्ट वाले इस कमरे में आके बैठ गए टोटल तेरह लोगों को मैंने बुलाया हुआ है मीटिंग के लिए नौ यहाँ पर संख्याएं हैं। एक जैक है एक क्वीन है और एक यहाँ किंग है और एक इक्का बैठा हुआ है ये तेरह लो, लोगों को बुला लिया मैंने कहा तुम लोगों को साफ मना कर रहा हूं मैं तुम लोग पार्टी में नहीं जाओगे ठीक है यहां पर तुम लोग अपनी अपनी एक्स के शादी में नहीं जाओगे तो नहीं जाओगे तो ये तेरह मेरी बात मान के बैठे हुए हैं तो ये नहीं जाएंगे भाई साहब ठीक है उसके बाद मैंने सभी राजाओं को संदेश दे दि दिया कि तुम्हें भी नहीं जाना है तो तुम्हें भी नहीं जाना है तो सभी राजाओं को संदेश जाएगा तो एक राजा तो मेरे पास में यहां बैठा हुआ है तो यानी वो तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा उसको मैंने सामने यहाँ पर बोल दिया उसको चिट्ठी भेजने की जरूरत नहीं है बाकी तीन राजा बच गए मेरे भाई तीन राजा किसके दो ब्लैक वाले के और एक हमारे

ठीक है आपका जैसे आएगा यहाँ पर ना तो ये आपका चार बटे तेरा आया है कोई दिक्कत की बात नहीं है तो ये चार बटे तेरा आपने कौन सा लिया देखो दो तरीके से होता है मेथड नंबर वन हम आपको बता देते हैं मेथड नंबर वन यहाँ पर ये यह बता देते हैं ठीक है कि हमारे पास हार्ट भी हो और हमारे पास मेरे भाई क्या हो तो हार्ट होने के साथ साथ हमारा किंग भी हो हार्ट होने के साथ साथ हमारा किंग भी हो तो बोलोगे सर हार्ट हमारे तेरह पत्ते किंग हमारे तीन पत्ते कुल मिलाकर कितना तो सोलह और सोलह बटे कितना हो जाएगा बावन तो यहाँ बोलोगे सर ये हमारा कितना हो जाएगा चार बटे तेरह तो ये हमारा हो गया आइदर हार्ट और किंग आइदर हार्ट और किंग और जब हमें आंसर निकालना है तो हम यहां पर क्या करेंगे तो वन में से फोर अपॉन थर्टीन को घटा देंगे तो हमारा हो जाएगा तेरह में से चार गया तो नौ बटे याद रखना जब भी नाइदर नोर का केस होता है तो टोटल प्रोबेबिलिटी

तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर देखिए कुल मिलाकर हमारे पास पत्ता कितना है तो वो हमेशा बावन ठीक है और बावन में से हमारे कितने लोग नहीं जाएंगे तो सोलह लोग नहीं जाएंगे तो यहां पर हमारा कितना हो जाएगा सर तो छत्तीस लोग तो जाएंगे तो यानी आंसर कितना होगा तो छत्तीस बटे बावन यानि कितना हो जाएगा नौ बटे तेरह तो आपको जिस तरीके से मेरे भाई यहाँ पर जाना है आप उस तरीके से जा सकते हैं और इसका आंसर मेरे भाई क्या कर सकते हैं तो इस तरीके से दे सकते हैं यानी मैंने कहा आपको दो तरीके हैं आपके पास नाइदर का केस निकालने के लिए एक हम आइदर और निकाल ले और वन में से माइनस कर दे या सीधा सीधा मेरे भाई यहां पर यह चल जाए आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहां करते हैं वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ फिफ्टी टू कार्ड बावन पत्तों में से एक पत्ता मुझे लेना है वट इज द प्रोबेबिलिटी डेट दैन इक्का के अलावा फिर वही बात इक्का नहीं चलेगा बाकी सब चलेगा इक्का नहीं चलेगा मतलब यही बात की नाइदर इस मतलब नहीं चाहिए भाई तो सेम तरीके से दो तरीका एक मेथड नंबर वन यहाँ पे ठीक है और मेथड नंबर वन क्या प्रोबेबिलिटी इक्का आने की क्या होगी तो यहां और मेरे भाई इक्का आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी तो बोलोगे सर बावन पत्तों में चार पत्ता हमारा इक्का होता है तो यानी उसके आने बोलेंगे तो 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 सर वन माइनस वन अपॉन तेरा कितना हो जाएगा तेरह ये गया तो बारह बटे तेरा मैं आपको दोनों मेथड क्यों बता रहा हूं आगे चल के बहुत काम में आने वाला है किसी भी चीज की नहीं आने की संभावना अगर जब भी निकालनी है ना तो उसके आने की संभावना निकालो और उसको एक में से घटा दो नहीं आने की संभावना अगर पता करनी है तो उसके आने की संभावना निकालो और एक में से मेरे भाई घटा दो यहाँ पर ये यह हो गया मेथड नंबर वन या फिर मेथड नंबर टू हम यहाँ क्या बोल सकते हैं तो मेथड नंबर टू बोल सकते हैं कि सर यहाँ पर अदर देन एस तो अदर देन एस निकालना है तो सर एक काम करो ये बावन पत्ते लो और इस बावन पत्ते में से पहले वो चार पत्तों को पहले ही निकाल के बाहर फेंक दो हर किसी का इक्का बुलाओ और उसको बाहर रूम में से निकाल दो तो हर किसी का इक्का बुलाया निकाल दिया तो बावन में से मैंने कितने निकाल दिए चार बचा कितना अड़तालीस बचा कितना मेरे भाई अड़तालीस तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर मेरा बारह बटे हाँ पे तो दो तरीके से हो सकता है या तो आप माइनस करके आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई कहा गया बावन पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है कार्ड पर निम्न परिणाम प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है लाल किंग होना चाहिए अब बताओ ठीक है मतलब ऐसा तुमको शॉर्ट दिए ना कि देखो सट्टा नहीं लगता है मार्केट में और क्या लगता है सर ये लीजिए बावन पत्ते इसमें से अगर आप लाल कलर का किंग निकाल दिए ना तो एक का हजार देंगे आप एक रुपया का सट्टा लगाइए हम आपको हजार रुपये देंगे इस वाला किस्मत मतलब भैया तुम्हारी संभावना क्या है जीतने की जैसे सिक्का का क्या संभावना होता है फिफ्टी फिफ्टी यहाँ तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा और इसकी संभावना क्या है जरा सोचो तो बोलोगे सर इसकी संभावना तो इतनी खतरनाक है सर इतनी खतरनाक है कि पूछो मत सर बावन पत्ते हैं और उस बावन पत्ते में किंग नहीं बोला गया है सर रेड कलर का किंग बोला गया है तो रेड कलर के कितने किंग होते हैं दो ही तो होते हैं एक हार्ट के पास होता है मेरे भाई यहाँ पर और दूसरा डायमंड के पास होता है समझ में आ गया बात यहाँ पर तो यानी दो यानी बावन पत्तों में से सर कोई दो पत्ता ऐसा होगा ये पूरे के पूरे हमारे पास बावन पत्ते छिपे हुए हैं ये देखिए ये तेरा पत्ता ये रहा ये तेरा पत्ता हमारे पास ये रहा तुम परेशान हो जाएगा आज तो पत्ता मिलाते मिलाते क्या बात है क्या बोलेगा आज पत्ता मिला रहे थे है? तो ये बावन पत्तों में सोचो किस्मत मेरे भाई यहाँ पे कि सिर्फ दो ही पत्ते ऐसे हैं हमारे पास सिर्फ दो ही पत्ते ऐसे हैं जो यहाँ पर लाल कलर के हैं और किंग हैं तो इसीलिए तो एक का हजार मिल रहा है अगर गेम इतना आसान होता तो एक का हजार क्यों मिलता है एक का दो मिलता है एक का तीन मिलता है एक का हजार का मतलब समझो कि खेल कितना रिस्की है यहाँ पे तो बावन पत्तों में दो पत्ता यानी आंसर कितना हो जाएगा भाई तो एक बटे हो जाएगा कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली आइए चलिए प्रश्न संख्या थर्टी पे चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं सिर्फ से मेंस में में क्वेश्चन आता 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 है 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 या प्री में भी आता है। दोनों जगह पर आता है मेरे भाई ठीक है आइए चलिए पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया लाल रंग के गुलाम बेगम बादशाह और इक्का हटा दिए जाते हैं शेष पत्तों में से एक पत्ता यदा वृक्ष रूप में निकाला गया है तो काली बेगम की प्रायिकता क्या है अब ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है मेरे भाई यहाँ पे ठीक है क्वेश्चन में क्या बोला गया कि जैक क्वीन किंग एंड एसेस ऑफ रेड कलर आर रिमूव्ड ये हटा दिया गया और उसके बाद यहां बोला गया फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड अ कार्ड इज ड्रॉन एट अ रैंडम फाइंड द प्रोबेबिलिटी द कार्ड ग्रोन इज ब्लैक अब ये सवाल है ना हम पत्ता में से मेरे भाई हम नहीं दिखाएंगे हम आपको फोटो में से दिखाएंगे फोटो ठीक है फोटो में से हम आपको दिखाते हैं देखिए आज हमारी मेरे भाई दुश्मनी हो गई और किस किस से दुश्मनी हो गई तो आज हमारी दुश्मनी हो गई इन लोगों से और हमने है ना किस किस से दुश्मनी हो गई देख लो मेरे मेरे भाई अरे ये कहाँ चले गए हम लोग हम इतना आगे कैसे बढ़ सकते हैं हाँ। मेरी दुश्मनी किससे हो गई तो मैं बता रहा हूँ मेरे भाई जैक से क्वीन से और किंग से और एस से हमने कहा भाई ठीक है और वो भी किस कलर वाले तो जैक क्वीन किंग एंड एस ऑफ रेड कलर आर रिमूव्ड बहुत शानदार तो लाल कलर वाले के पास हम गए और इसके मेरे भाई हमने ये हटा दिए तो देखो हम हटा दिए तो इसको हम वाइट कर देते हैं लाल कलर का हम जैक भी हटा चुके हैं यहाँ पर देखो ये पूरा मेरे भाई रिमूव कर दिए हैं ठीक है और लाल कलर का मेरे भाई ये भी हटा दिए जैक क्वीन और किंग गुलाम बेगम और बादशाह और साथ में मेरे भाई लाल कलर का इक्का भी हमने हटा दिया नहीं चाहिए मेरे भाई तुम्हारा इक्का तुम रखो अपने पास बहुत ज्यादा घमंड है तुम्हें नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए अब मेरे भाई बताओ मैंने कितने पत्ते हटाए तीन तीन छः सात और एक आठ अड़ताली बावन पत्तों में से मैंने कितने हटा दिए मेरे भाई आठ मैंने हटा दिए मेरे पास कितने बचे फोर्टी फोर पत्ते गिन के देख लो तेरह तेरह छब्बीस ठीक है और मेरे भाई छब्बीस हो गया और यहाँ पर कितना हो गया छब्बीस हो गया तीन तीन छे और तीन नौ 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 मेरे भाई तो छब्बीस और अठारह फौ्ट ऐसे भी कह सकते हो में में से और दो बावन में से और निकाल दो सर बचते हैं अब मेरे भाई क्वेश्चन में क्या बोला गया अच्छा पहले के क्वेश्चन में हमेशा नीचे बावन क्यों लेते थे क्योंकि मुझे बावन पत्तों में से सेलेक्ट करना होता था अब इसमें मेरे भाई हम नीचे में क्या लेंगे क्वेश्चन में बोला गया ना तो सबसे पहले आप यहां आंसर निकाल रहे हो तो आप बोलोगे सर पीछे हर जगह

क्या होनी चाहिए तो काली रानी होनी चाहिए काली रानी काली रानी कहाँ मिलेगी काली रानी एक कहाँ मिलेगी काली रानी ये मिलेगी यानी कितनी काली रानियाँ मिलेंगी मुझे दो काली रानियाँ ठीक है तीके? तो यहाँ पर हमें क्या चलेगा मेरे भाई दो काली रानी यानी एक हो गया और यहाँ पर हो गया बाईस यानी बेगम कितनी हो गई मेरे भाई बाईस तो आंसर कितना होगा वन अफ ट्वेंटी टू आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं थर्टी नाइन अब थर्टी नाइन एक हमारा बीच में ऐसे क्वेश्चन आ गया है हालांकि इसको आना नहीं चाहिए बट कोई बात नहीं कुछ समझाने के लिए मैंने क्वेश्चन दिया अभी टेंशन मत लो हमारा यहाँ पर जो है कार्ड वाला सिस्टम खत्म नहीं हुआ अभी कार्ड वाला सिस्टम जारी रखेंगे सिर्फ अभी एक छोटा सा क्वेश्चन हमने यहाँ बीच में दिया हुआ है कुछ समझाने के लिए फिर उसके बाद हम वापस से वहाँ पर चलेंगे तो एक क्वेश्चन में क्या बोला है अ बैग कंटेन थर्टीन वाइट एंड सेवन ब्लैक बॉल तेरह हमारे सफेद गेंदे हैं सात हमारी काली गेंदे हैं टू बॉल आर ड्रॉन एट अ रैंडम वट इज द प्रोबेबिलिटी दे आर दे आर ऑफ सेम कलर अब मेरे भाई इसको बनाने के दो तरीके हैं सेम कलर वाली कहानी अभी हम आपको पूरा एक्सप्लेन करने वाले हैं कि उनके आने की संभावना यहाँ पर सेम कलर की क्या है ठीक है इसको अभी होल्ड पे ही रखो अभी इसको नहीं करेंगे ठीक है इसको भी होल्ड पे रखो सेम कलर का एक अलग केस हम आपको बताएंगे अभी नहीं आएगा क्वेश्चन नंबर फोर्टी में क्या बोला गया पढ़िए जरा बावन पत्तों की एक गंडी में से यदा वृक्ष जो है यहाँ पर आधार पर एक पत्ता निकाला जाता है इसके बाद की प्रायिकता ज्ञात करिए कि यह पत्ता एक राजा या रानी है फिर से अ कार्ड इज ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम अ डेक ऑफ फिफ्टी टू कार्ड ठीक है देन फाइंड द सब्सिक्वेंट प्रोबेबिलिटी द कार्ड इज अ किंग और अ क्वीन फिर वही बात और और जब भी और आ जाए तो याद कर लेना कि तुम्हें एक पार्टी के लिए ऑफर किया गया था कि गोलगप्पे भी हैं मसाला डोसा भी है और आइसक्रीम भी है तुम क्या खाना पसंद करोगे तुमने छूटते क्या बोल दिया था हम तो सब खाएंगे सब खाएंगे भाई मतलब धीरे धीरे करके पहले गोलगप्पा फिर मसाला डोसा और फिर यहाँ पर ठीक है आइसक्रीम पहले पेट पूजा फिर काम दूजा वाली बात हो जाती है तो या तो मेरे भाई किंग हो या फिर यहाँ पर क्या हो क्वीन हो अब मुझे ये बताओ कितने राजा होते हैं बोलोगे चार और कितनी रानियां होती हैं तो बोलोगे चार यानी कुल मिलाकर सर चार राजा और चार रानी कुल मिलाकर कितने राजा तो चार राजा और मेरे भाई चार रानी तो बोलोगे सर पत्ते हमारे कितने हैं तो बावन पत्ते हैं और उसमें यहाँ पर चार राजा हैं और चार रानी हैं यानी हमारा हो जाएगा आठ बटे बावन कितना हो जाएगा आठ बटे बावन चार से हम काटेंगे मेरे भाई दो बार में और चार से हम काटेंगे कितनी बार में तेरह बार में आंसर कितना होगा तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली नेक्स्ट बात करते हैं नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है बावन पत्तों में से तीन पत्ते यहाँ पर जो है रेंडमली खींचे गए हैं रेंडमली का मतलब पता है क्या होता है कि पहले से तुम अपना मामला सेट करके नहीं बैठे हुए हो कि नहीं तुम अपने अकॉर्डिंग अरेंज करके बैठे हो कि शुरू के तेरह जो है ये थे बाद के तेरह ये थे बारह रेंडम का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि लीजिए फिर आपकी मेहनत को सर हम डबल कर देंगे कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे है परेशानी तो नहीं है अच्छा वेल शफल्ड डेक का मतलब क्या होता है वेल well शफल्ड का डेक का मतलब ऐसे होता है एकदम ठीक है पूरा एकदम मिला दिया बता सकते हो यहाँ पे रानी कहाँ है कौन कहाँ है इसको वेल शफल डेक बोलते हैं तो ये वेल शफल डेक होता है जब भी यहाँ पर बोला जाए ना वेल शफल डेक तो मेरे भाई यहाँ पर ये यह हो गया कि इसको ढंग से मिलाया गया है अब देखो यहाँ पर हम बादशाह मूवी वाले शाहरुख खान तो नहीं यही से, से करेंगे तो पता नहीं वो होगा वो सारा नकली का रहता है चिपकाया हुआ रहता है तो वेल शफल डेक ये होता है रैंडम का मतलब क्या होता है रैंडम का मतलब या तो हम नीचे से सरका लिए या फिर मेरे भाई हम ऊपर से ही से ले लिए या फिर ऐसे ले लिए अब जैसे मिश्रा जी आप आइए एक बार थोड़ा सा आइए 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 रैंडमली निकालना है इसमें से देखिए वेल शफल्ड क्या हो गया पता है मिश्रा जी ऐसे एकदम पूरा का पूरा इसको बोलते हैं वेल शफल्ड मिला दिया ना बेईमानी तो नहीं किया पूरा मिलाएं कि नहीं मिलाएं तो इसको वेल well शफल्ड हो गया अब रैंडमली इसमें से एक निकालिए ठीक है थीके? अब देखिए मिश्रा जी बहुत चालू आदमी है बीच से निकालते हैं ठीक है अब क्या निकला मिश्रा जी बताइए बहुत शानदार बैठिए आराम से फिर से रानी निकाल दिया यहाँ पर ये यह। पता नहीं इनकी रानी आने की संभावना कितनी तेज है तो सवाल बोला गया उसको रैंडमली उसी को बोलते कभी भी निकाल दिया कहीं से भी कोई भी वैल्यू निकाल दी तो थ्री डौन आ डौन आ डौन आ कार्ड आर ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम अ कार्ड फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस कार्ड अ क्वीन सॉरी किंग क्वीन एंड अ जैक अब बाबू देखो यहाँ पर मेरे भाई क्वेश्चन में क्या बोल देगा बढ़िया से यहाँ पर एंड शब्द और एंड का मतलब जान गए क्या होता है एंड का मतलब मेरे भाई होता है मल्टीप्लाई और का मतलब क्या होता है प्लस ठीक है और का मतलब क्या होता है प्लस और एंड का मतलब मेरे भाई क्या होता है मल्टीप्लाई यहाँ पर <coughs> ठीक है कि आपने जो बाउंड पत्ते निकाले तो क्या संभावना है उसके किंग आने की क्या संभावना है उसके क्वीन आने की और क्या संभावना है मेरे भाई यहाँ पर जैक आने की तो यहाँ से पूरा का पूरा जो केस आपका बनता है फिलहाल हम यहाँ पर क्वेश्चन की बात करते हैं और सवाल को हम यहाँ देखते हैं कॉम्बिनेशन के बारे में हमें सीखना है कि कॉम्बिनेशन यहाँ क्या है ठीक है कॉम्बिनेशन की बात अगर हम यहाँ पर करें तो कॉम्बिनेशन हमारा क्या होगा और क्या नहीं होगा ठीक है देखो कॉम्बिनेशन क्या होता है कॉम्बिनेशन मेरे भाई प्रोबेबिलिटी के बड़े बड़े सवालों को आसान तरीके से बनाने की जो है वो एक बहुत शानदार कला है ठीक है ऐसा नहीं है कॉम्बिनेशन हम डेफिनेट मतलब एक तरीके से जो है आ, मतलब मुश्किल सवालों में हम लगा सकते हैं बिल्कुल भी नहीं कॉम्बिनेशन आसान सवालों में भी हम लगा सकते हैं ठीक है कॉम्बिनेशन हम क्या लगा सकते हैं मेरे भाई तो आसान सवालों में भी लगा सकते हैं जैसे एक बार हम शुरू में चलेंगे तो यहां पर जो है अगर हम बात करेंगे तो कॉम्बिनेशन हम शुरू के सवालों में लगाएंगे जैसे मान लीजिए थर्टी सिक्स है कॉम्बिनेशन असल में कुछ और नहीं है मेरे भाई प्रायिकता के सवालों को हल करने की बहुत स्मार्ट विधि है जैसे आप अगर यहां पर देखें इस सवाल में तो क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स में ही देखिए तो बोला गया वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ फिफ्टी टू कार्ड वट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज एन एस यहां पर ठीक है तो बिल्कुल हम शुरू करते हैं यहां पर कॉम्बिनेशन से और यहाँ से सवालों को हम देखते हैं कि कुल मिलाकर मेरे भाई बावन पत्ते थे और उसमें से क्या संभावना है कि जो भी पत्ता हमने निकाला है वो इक्का है ये हमने आपको बताया था नॉर्मल मेथड से यदि मैं इसी सवाल को यहाँ पर कॉम्बिनेशन के माध्यम से करूंगा तो मैं यहाँ पर कॉम्बिनेशन के माध्यम से कैसे करूँगा ज़रा देखना थोड़ा सीरियस होकर पढ़ाई करते हैं अच्छे से बहुत मजाक मस्ती हो गई तो हमने यहाँ पर कहा कि देखिए कॉम्बिनेशन क्या है तो कॉम्बिनेशन जब भी कई सारी चीज़ों में से सेलेक्ट करने की बात होती है तो उसे हम कॉम्बिनेशन कहते हैं सेलेक्शन कहते हैं ठीक है जब मैंने भाई अरेंज करने की बात होती है तो परम्यूटेशन आता है और जब सेलेक्ट करने की बात होती है तो हम उसे कॉम्बिनेशन कहते हैं

टोटल पत्तों की संख्या कितनी है तो बोलोगे सर टोटल जो कार्ड है हमारे पास वो हमारे बावन है और इक्को की संख्या हमारी कितनी है तो इक्को की संख्या हमारी चार है तो मुझे बावन देखो तो टोटल हम कहाँ लिखते हैं नीचे तो बावन में से हमें कितना निकालना है एक निकालना है और इक्को की संख्या हमारी कितनी इक् की संख्या हमारी कितनी है तो फोर सी वन है मेरे भाई यहाँ पर तो ये हमारा ऊपर में हो जाएगा नीचे हमेशा हम टोटल वैल्यू को लिखते हैं और ऊपर जो हमें लेना है हम उसे लिखते हैं तो यहाँ पर जब आप इसे सॉल्व करोगे भाई मेरे तो आपका आंसर आपका कितना आएगा चार को मेरे भाई एक बार लिखना है याद रखो मेरे भाई चार को एक बार लिखना है तो चार फैक्टोरियल और नीचे में हमारा कितना हो जाएगा तो एक फैक्टोरियल

इस सवाल को बना सकते थे आज ही चलिए सेकेंड इसका पार्ट जो था यहाँ पर वो था कि टेन ऑफ ए रेड सूट ठीक है रेड सूट का क्या आना चाहिए टेन आना चाहिए एक काम करते हैं हम इसको कॉम्बिनेशन से बनाते हैं मेथड नंबर टू से मैं आपको समझाऊंगा कॉम्बिनेशन से ये सवाल कैसे बनेगा कैसे नहीं बनेगा आप यहाँ देखिए तो आपके पास टोटल पत्ते मेरे भाई कितने हैं तो बोलोगे सर टोटल तो पत्ते हमारे पास बावन है और उसके बाद लाल रंग का मेरे भाई यहां पर दस चाहिए लाल रंग का मेरे भाई कितना चाहिए तो लाल रंग का हमारा दस चाहिए तो मुझे पर बता दो लाल रंग के पत्ते छब्बीस होते, तो होते हैं तो इसका आंसर हम यहां पर कैसे देंगे तो वो देखो तो हम बोलेंगे सर बावन पत्तों में से मुझे जितना पत्ता पिक करना है अगर बावन में से आपको लेन, एक लेना है तो बावन सी वन बावन में से अगर आपको दो पत्ते लेने हैं बावन सी टू बावन में से आपको तीन पत्ते 52, 52 में से चार लेने हैं तो ठीक है उसके बाद मेरे भाई जो आपको पिक करना है वो क्या पिक करना है दस और मेरे भाई दस जो होता है वो कितनी बार आता है आप यहां पर ये यह बताओ तो आप प्रॉपर तरीके से बोलोगे कि सर देखिए टेन ऑफ रेड सूट टेन ऑफ ए रेड सूट हमारा कितना होगा सर तो मेरे भाई सर टेन ऑफ ए रेड सूट की अगर हम बात करें, तो लाल में टोटल संभावना पर आप सिर्फ को मत आप यहां पर के साथ साथ दस यानी ये हमारा कितनी बार होगा तो दो बार तो यानी उन दो पत्तों में से मुझे कितना उठाना है तो एक उठाना है तो इस तरीके से मेरे भाई हम यहाँ पर ये यह बोलते हैं यानी टोटल को हम कहा रखते हैं तो नीचे रखते हैं यानी बावन सीवन बावन पत्तों में से मुझे एक पत्ता उठाना है और साथ में यहाँ पर लाल कलर के दस में से मेरे एक उठाना है तो लाल कलर के दो दस होते हैं एक मेरे भाई हार्ट का होता है और एक हमारा स्पेड का होता है तो उन दो लोगों में से मुझे एक उठाना है दो को एक बार मल्टीप्लाई करना है यानी दो को एक तक लेके जाना है और नीचे मेरे भाई बावन को एक तक लेके जाना है तो दो बटे बावन भी आंसर कितना आएगा तो एक बटे छब्बीस आएगा यानी ऐसा नहीं है कि कॉम्बिनेशन हम दो पत्ते जब निकालते हैं हम तभी लगाएंगे हम कॉम्बिनेशन मेरे भाई शुरू से लगाते चले जाएंगे ठीक है हम यहाँ पर जितने भी सवाल पीछे मैंने आपको करवाए आप हर सवाल में प्रत्येक सवाल में, में मेरे भाई कॉम्बिनेशन लगा सकते हो तो अब जैसे मानो जो लास्ट क्लास में मैंने आपको जो क्वेश्चन करवाया था वो मैंने क्वेश्चन नंबर फोर्टी करवाया था वो मैंने क्या करवाया था क्वेश्चन नंबर फोर्टी करवाया था जैसे जैसे सवालों का हमारा लेवल बढ़ता चलेगा तो अपने कैलकुलेशंस को शॉर्ट करने के लिए और बहुत ज्यादा लेंथी प्रोसेस मेरे भाई ना करने के लिए हम वहाँ पर क्या इस्तेमाल करेंगे तो हम मेरे भाई वहां पर बहुत ही शानदार तरीके से कॉम्बिनेशन का प्रयोग करेंगे जैसे यहाँ पर अगर मानिए इस 40 नंबर सवाल को अगर हम इस तरीके से ना करके मेरे भाई हम कॉम्बिनेशन से करते ये हमारा मेथड नंबर वन था और मेथड नंबर टू हम यहाँ अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन हम क्या करेंगे तो बोला गया बावन पत्तों की एक गड्डी में से ठीक है कार्ड इज ड्रॉन अ रैंडम पैक ऑफ डेक ऑफ फिफ्टी टू कार्ड फाइंड द सब्सिक्वेंट किंग और क्वीन या तो मेरे भाई वो राजा है नहीं तो वो हमारी रानी है तो इतना तो मुझे पता है कि हमारे टोटल पत्ते कितने हैं बावन उसमें से राजा और रानी तो यहाँ पर देखो कितने शानदार तरीके से मेरे भाई आंसर लिख सकते हो पहली बात जीवन में याद रखना कि सर ने सिखाया था कि जब जब और आता है इसका मतलब क्या होता है तो इसका मतलब हमारा प्लस होता है तो हम यहां पर क्या बोलेंगे नीचे में सर बावन पत्ते हैं और उसमें से मुझे कितने पत्ते उठाने हैं एक उठाने हैं कि दो उठाने हैं तो क्वेश्चन में बोला गया अ कार्ड इज ड्रॉन यानी एक पत्ता उठाना है अगर एक उठाना है तो बावन सी वन दो उठाना है बावन सी टू तीन उठाना है बावन सी थ्री चार उठाना है बावन सी फोर अब ये जो मैं पत्ते हैं इस पूरे पत्ते में से मैं क्या निकालना चाहता हूँ तो मेरे भाई किंग निकालना चाहता हूँ या क्वीन निकालना चाहता हूँ ये बताओ मेरे भाई क्वीन होते किंग कितने होते

कोई दिक्कत की बात यहाँ कोई परेशानी की बात तो फोर सीवन की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी फोर हो जाएगी फोर सीवन की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी फोर हो जाएगी और यहाँ पर मेरे भाई फिफ्टी टू सी वन जो अगर हम बात करते हैं तो फिफ्टी टू सी वन की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी तो फिफ्टी टू हो जाएगी चार जमा चार हमारा आठ हो जाएगा और बट्टे में हमारा कितना हो जाएगा बावन यानी अगर हम काटेंगे तो दो बटे तेरह जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर तो आप लोगों को जो मैंने सोल्यूशन दिया हुआ है ना शीट में वो मैंने आपको ये वाला सोल्यूशन दिया हुआ है और जो लास्ट क्लास में मैंने समझाया था वो

और नहीं तो मेरे भाई वो क्या निकले तो जैक निकले हमने कहा देखिए इस सवाल को हम कॉम्बिनेशन से करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा ऐसा नहीं है कि हम इस सवाल को बिना कॉम्बिनेशन के नहीं कर सकते बड़े प्यार से बड़े मोहब्बत से बड़े आराम से हम उससे भी कर सकते हैं बट वो बहुत ज्यादा इसको लेंदी लेके जाएगा तो आप समझो यहाँ पर आपके पास किंग कितने होते हैं राजा कितने होते हैं तो बोलोगे चार आपके पास रानियां कितनी होती हैं, यहाँ पे बेगम कितनी होती है बादशाह कितना होता है चार गुलाम कितनी सॉरी यहाँ पर बादशाह चार उसके बाद यहाँ पर जो है आपका बेगम कितनी हो गई तो चार हो गई और अगर हम गुलाम की बात करते हैं जैक की बात करते हैं तो वो हमारा कितना हो गया तो चार हो गया अब जरा नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे चलते हैं तो बोला गया हम तीन कार्ड उठा रहे हैं और तीन कार्ड मेरे भाई यहाँ पर उठा रहे हैं तो क्या प्रायिकता है कि वो राजा आए रानी आए या फिर हमारा जैक आए तो सिंपल सी बात है यहाँ पर सबसे पहले जैसे हम जब भी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो नीचे हम यहाँ टोटल लिखते हैं टोटल मेरे पास बावन पत्ते हैं अगर मैं बावन में से एक उठाता हूँ तो बावन सी वन लिखा जाता है बावन में से दो उठाऊंगा तो बावन सी टू लिखा जाएगा बावन में से मैं कितने पत्तों को निकालने की बात कर रहा हूँ थ्री कार्ड्स को तो यहाँ कितना लिखा जाएगा तो तीन मेरे भाई लिखा जाएगा यहाँ पे कितना लिखा जाएगा यहाँ पे तो मेरे भाई यहाँ पर जो है बावन सी तीन लिखा जाएगा क्वेश्चन में हमसे बावन पत्तों में से बोला है कि जो भी आप तीन पत्ता निकालेंगे या तो किंग हो क्वीन हो और जैक हो तो यानी यहाँ पर चार पत्तों में से मेरे भाई एक पत्ता आपका आ आ आ सकता 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 है 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 प्रायिकता चार चार पत्तों पत्तों में में से से एक एक पत्ता पत्ता पर पर और जैसे हमसे यहाँ पर बोला गया है कि हम तीन पत्तों को निकाल रहे हैं किंग है क्वीन है या इतना है फोर सीवन फोर सीवन फोर सीवन फैक्टोरियल को थोड़ा सॉल्व करिए चार को एक बार लिखना है चार फैक्टोरियल चार को एक बार लिखना है चार फैक्टोरियल चार को एक बार लिखना है चार फैक्टोरियल अब यहाँ बावन सीतरी को तीन बार लिखना है तो बावन हो गया इक्यावन हो गया और उसके बाद मेरे भाई पचास हो गया और नीचे में हम क्या लिखेंगे तो नीचे में जो ये संख्या होती है उसका फैक्टोरियल तो उसका फैक्टोरियल यानी कितना हो जाएगा तीन इंटू दो इंटू एक हो जाएगा आइए यहां पर देखते हैं सॉल्व करिए तो आप बोलेंगे सर तीन से आपका ये कितनी बार में जाएगा तो सत्रह बार में और दो से आपका ये कितनी बार में जाएगा सर तो पच्चीस बार में यहाँ का सत्रह मैं थोड़ा इधर साइड में लिख दे रहा हूँ आप समझ जाएंगे इस बात को लेकर और कहीं पर कोई संख्या कटेगी तो बोलोगे हाँ सर चार से आपकी ये संख्या कट जाएगी कितनी बार में तेरह बार में जो कि मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ चार का चार गुना हमारा हो जाएगा सोलह सत्रह और तेरह हमारा कितना हो जाएगा दो सौ इक्कीस हो जाएगा यहाँ पे और उसके बाद लास्ट में हमें पच्चीस से गुना करना होगा ऊपर में हमारा आंसर आ जाएगा सोलह और बट्टे में पच्चीस का एक गुना पच्चीस दो पास में पच्चीस दो नहीं पचास और दो बाउन का दो पांच और यहाँ पर हो जाएगा हमारा फाइव फाइव टू फाइव इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई यहां पर देखना अगला सवाल हमसे क्या बोला गया 42 थोड़ा और बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे फाइन द प्रोबेबिलिटी दैन अ हैंड ऑफ थ्री कार्ड आर ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल डेक वट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज ऑल फेसिस कार्ड ये भी बड़ा प्यारा सा सवाल है कि इस बात की प्रायिकता ज्ञात करिए कि जब एक अच्छी तरह से फेटी हुई ताश की गड्डी से तीन पत्ते निकाले जाते हैं तो इसकी क्या प्रायिकता है कि सारे के सारे जो है मेरे भाई फेस कार्ड तो हमने यहाँ पर कहा सबसे पहले कि सर देखो जब भी हम प्रोबेबिलिटी लिखते हैं तो नीचे में हम क्या लिखते हैं टोटल और ऊपर में हमारा होता है पॉसिबल आउटकम यहाँ पर मेरे भाई पत्ते कितने हैं तो बावन और उसमें से मुझे कितने कार्ड निकालने हैं तीन कार्ड निकालने हैं तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा तो बोलूंगा सर बावन पत्तों में से मुझे तीन कार्ड निकालने हैं बावन पत्तों में से मुझे कितना निकालना है तीन कार्ड तो ये हो जाएगा बावन सी थ्री कितना हो जाएगा सर तो बोलेंगे सर बावन सी थ्री हो जाएगा अब उसके बाद मुझे यहाँ पर क्या करना है सारे के सारे फेस कार्ड होने चाहिए मुझे कहीं से सेलेक्ट तो नहीं करना है यहाँ पे ऐसा तो नहीं यहाँ पर कि जो है किंग में से मुझे सेलेक्ट करना है ऐसा तो नहीं मेरे भाई यहाँ पर क्वीन में से सेलेक्ट करना है तो मैं यहाँ पर कितना लिखूंगा तो मैं यहाँ बोलूंगा सर देखो चार लोगों में से मेरा तीन का सिलेक्शन लेना है चार लोगों में से मुझे कितना लेना है सर तो चार लोगों में से तीन का सिलेक्शन लेना है कोई दिक्कत की बात नहीं है फोर सी क्या हो जाएगा तो थ्री हो जाएगा यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बोलेंगे सर देखो ऊपर में चार को तीन बार लिखो तो चार को तीन बार लिखो मतलब चार इंटू तीन इंटू दो इंटू एक ठीक है और उसके बाद नीचे में तीन फैक्टोरियल लिखो तीन फैक्टोरियल का मतलब तीन इंटू दो इंटू एक हो गया ये मेरे भाई ऊपर वाले की कहानी बावन सीथरी का मतलब यहाँ पर क्या होता है बावन को तीन बार लिखना तो बावन इंटू इक्यावन इंटू मेरे भाई हो जाएगा पचास और यहाँ पर तीन फैक्टोरियल की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी तो तीन इंटू दो इंटू, इंटू एक हो जाएगी आपको पता है यहाँ पर कि ये नीचे वाली संख्या ये नीचे वाली संख्या को काट देती है तो इसीलिए जनरली हम लोग इसे कंसिडर नहीं करते हैं छोड़ के चलते हैं यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है ठीक अच्छा, है अब तो बारह सीतरी लेंगे यहाँ तो पे चार सीतरी नहीं लेंगे बारह सीथरी लेंगे क्योंकि कुल मिलाकर बारह फेस कार्ड होते हैं और बारह में से तीन लेने की बात कही गई है तो बारह सीतरी का मतलब बारह को कितनी बार लिखना है तो बारह को तीन बार लिखना है यानी हम बोलेंगे बारह इंटू एक ग्यारह इंटू हमारा दस और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा डिवाइडेड बाई तीन फैक्टोरियल तीन इंटू दो इंटू एक ठीक है तो ये पूरा का पूरा मेरे भाई इस पूरे के पूरे को यहाँ पर काट देगा अब बारह ग्यारह दस आया ऊपर में मेरे भाई कितना है तो बारह इंटू ग्यारह इंटू कितना हो जाएगा दस हो जाएगा और नीचे में हमारा कितना है तो बावन इंटू इक्यावन इंटू हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर पचास ठीक है अगर हम बात करते हैं जीरो से हमारा जीरो खत्म हो जाएगा और कहीं पर हम काट सकते हैं तीन से हम काट सकते हैं और इसे कितनी बार में हालांकि चार से काटिए आप तीन बार में चार से आपका कटेगा तेरह बार में और तीन से यदि आप काटेंगे तो आपका कटेगा सत्रह बार में ऊपर में आपका बड़े प्यार से बड़े मोहब्बत से मेरे भाई ग्यारह आ जाएगा और नीचे अगर सत्रह तेरह यहाँ पर दो सौ इक्कीस हो गया मेरे भाई और दो सौ इक्कीस को यदि आप पाँच से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर मेरे भाई आ जाएगा पाँच दस और मेरे भाई कितना है ग्यारह सौ पाँच ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली तो आप जरा सवाल देखो यहाँ पे बोला गया अ ग्लास जार कंटेन सिक्स वाइट एट ब्लैक एंड फोर रेड एंड थ्री ब्लू मार्बल अ सिंगल मार्बल इज चोजन एट अ रैंडम कोई भी एक गेंद निकाला जाता है मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पर यह थैला है और इस थैले के अंदर में पन्नी के अंदर में काफी सारी गेंदें रखी हैं और कोई एक गेंद इसमें से निकालना है तो जब भी कोई एक गेंद इसमें से निकालना है तो बोला गया है कि वॉट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज ब्लैक और ब्लू क्या संभावना है कि वो ब्लैक हो सकती है या वो ब्लू हो सकती है मैंने हमेशा कहा कि देखो मैं कंसेप्ट पे बिलीव कर रहा हूँ टाइप इस तो मैं आपको लेके चल रहा हूँ कंसेप्ट अभी आपका मेस में पूछा भी गया आप देख सकते हैं आप बोलेंगे सर देखिए प्रायिकता आप ही ने सिखाई है आपने नीचे क्या कहा है कि नीचे हमेशा टोटल लेके चलो और ऊपर में जो पिक करना है वो लेकर चलो तो पहली बात सर यहाँ पर देखिए टोटल हमारे पास गेंदे कितने हैं तो छठ हो, हो गया चार हो गया तीन हो गया तो छः और आठ चौदह चौदह चार अठारह अठारह तीन इक्कीस तो सर कुल मिलाकर इक्कीस गेंदे हैं जैसे पहले बावन पत्ते होते थे यहाँ पर इक्कीस गेंदे

तो आप बोलेंगे यार ब्लैक गेंदे हैं कितनी तो बोलोगे आठ और उस आठ में से मुझे निकालना कितना है तो एक तो यहाँ पर क्या बोलोगे एट सी वन बोलोगे क्या बोलोगे एट सी वन ठीक है उसके बाद यहाँ पर और दूसरा क्या निकालना है ब्लू ब्लू मेरे भाई कितनी गेंदे हैं तो तीन नीली गेंदे हैं कितनी गेंदे हैं तो तीन नीली गेंदे हैं और उन तीन में से आपको निकालना कितना है तो मेरे भाई एक निकालना है अब एक बात बताओ दिल से यहाँ पे कि यहाँ पर एंड लगा है कि और लगा है तो बोलोगे सर इंग्लिश में और लगा है और हिंदी में यहाँ पर जो है है या लगा हिंदी में या हो या फिर इंग्लिश में और हो बहुत शानदार तरीके से मेरे भाई यहाँ तो मतलब तो 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 तीन लिख दिया वन है तो कुछ और लिखने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर इक्कीस को मेरे भाई एक बार लिखना है तो सिर्फ इक्कीस लिख दिया और नीचे कुछ और लिखने की आवश्यकता नहीं है तो बड़े प्यार से बड़े मक्खन से

इनमें से सर कोई भी गेंद यहाँ पर रेड नहीं है इसकी क्या संभावना है अब मैंने कहा यार हमें रेड नहीं चाहिए हमें क्या चाहिए रेड चाहिए नहीं चाहिए यहाँ पे तो एक तो होता है कि रेड आने की संभावना हो गया देखो दो तरीके के मेथड आपको मैंने बता रखा है कि रेड आने की संभावना क्या है वो निकाल लो और उसको वन में से मेरे भाई माइनस कर दो ये हो गया मेरे भाई यहाँ पे और दूसरा ये होता है कि नहीं रेड नहीं आए इसकी संभावना क्या है रेड नहीं आने की संभावना अगर हम डायरेक्ट निकालते हैं तो अगर रेड नहीं आने की संभावना है तो वही बात है कुल मिलाकर गेंदे कितने हैं तो हमारी चौदह गेंदे हैं चौदह में से हमें कितना पिक करना है तो दो पिक करना है और क्वेश्चन में, में मेरे भाई बोला गया कि नन ऑफ द बॉल आर रेड तो एक बार हम रेड को छोड़ के बाकी दोनों को अगर हम ले यहाँ पर ठीक है कि हमें यहाँ पर जो है लाल गेंद लेनी ही नहीं है मेरे भाई कुल मिला के जो है ये नहीं ले सकते तो मतलब आठ ले सकते हैं एट सीटू आप यहाँ ले सकते हैं वो ज्यादा सही रहेगा तो आप बोलेंगे सर आठ को दो बार लिखना है तो यहां बोलेंगे एट इंटू सेवन और यहाँ पर नीचे का टू फैक्टोरियल हमारा आ ही जाएगा यहाँ फोर्टीन सी टू हो गया तो हो जाएगा फोर्टीन इंटू थर्टीन अपॉन में कितना हो जाएगा टू फैक्टोरियल वही बात है मेरे भाई आठ सत छप्पन आप इसको काटोगे तो प्रॉपर तरीके से देखो सात से आपका दो बार में कटेगा दो से आपका चार बार में तो ये हमारा हो जाएगा फोर अपॉन थर्टीन कितना हो जाएगा फोर अपॉन थर्टीन इतना आएगा जैसे अगर आप माइनस के साथ जाओगे तो वन माइनस नाइन अपॉन थर्टीन आपको करना पड़ेगा तब जाकर फोर अपॉन थर्टीन आएगा वही एक अलग केस हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहां करते हैं अगला सवाल देखते हैं सेम तरीके से अब बैक कंटेंट टू रेड थ्री ग्रीन एंड टू ब्लू बॉल टू बॉल आर ड्रॉन एट रैंडम वट इज द प्रोबेबिलिटी नन ऑफ द बॉल इज ब्लू कोई भी गेंद उसमें ब्लू नहीं होनी चाहिए तो सेम तरीके से हम यहां पर बोलेंगे कि सर देखिए नीचे में हम क्या लिखते हैं तो नीचे में हम टोटल लिखते हैं टोटल हमारा कितना है तो दो हो गया फिर हमारा तीन हो गया फिर हमारा दो हो गया टोटल हमारा कितना हो गया सर सात सात में से हम एक गेंद निकाल रहे हैं कि दो गेंद निकाल रहे हैं तो टू बॉल आर ड्रॉन तो यहां पर बोलेंगे सर सेवन सी टू हो गया कितना हो गया सर सेवन सी टू हो गया एक होता है यहाँ पर कि क्या प्राइगता है कि वहां सिर्फ लाल आए और एक होता है कि क्या प्रायिकता है कि लाल ना ला आए जैसे मैं आपको क्वेश्चन में बोल रहा हूं दो बातें यहां कि वट इज द प्रोबेबिलिटी नन ऑफ द बॉल drawn इज ब्लू कोई भी गेंद उसमें नीली ना हो तो अगर नीली लेनी हो मेरे भाई तो हम क्या बोलेंगे बोलेंगे सर देखिए दो नीली गेंदे हैं और यहां टू -सी -टू लेते हैं तो सिर्फ और सिर्फ और किसकी प्रायिकता निकलती है नीली आने की और मेरे भाई यहाँ पर अगर हम बात करते हैं नीली ना हो हमें वो लेना है तो नीली ना हो तो आप नीली को मत लीजिए और बाकी मेरे भाई इन दोनों को लीजिए तो बोलेंगे सर पांच गेंदे हैं इसमें से मुझे कितना उठाना है तो दो उठाना है बहुत साधारण भाषा में आसान भाषा में पाँच को मेरे भाई आपको कितनी बार लिखना है दो बार तो आप बोलेंगे सर फाइव इंटू फोर डिवाइडेड बाई कितना तो टू फैक्टोरियल और यहाँ पर मेरे भाई सात को आपको दो बार लिखना है तो सेवन इंटू सिक्स डिवाइडेड बाई कितना तो टू फैक्टोरियल ये हमारा टू फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल को खत्म करेगा उसके बाद आप काटेंगे तो दो से आपका दो बार में दो से आपका तीन बार में तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा टेन अपॉइंट ट्वेंटी वन इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो आएगा वो सही आएगा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखो नेक्स्ट हमारा पचास नंबर एक थैले में तीन लाल गेंदे हैं पांच पीली गेंदे हैं सात गुलाबी गेंदे हैं एक थैले में से एक गेंद जो है वो निकाली जाती है तो या तो गुलाबी या लाल रंग की होने की प्रायिकता क्या है फाइन द प्रोबेबिलिटी दैट इज पिंक और रेड इन कलर मैंने आपको क्या कहा कि जब और आता है तो मेरे भाई क्या करते हैं तो प्लस करते हैं याद रखना इस बात को तो यदि सवाल में हम आंसर निकालेंगे तो हम यहाँ क्या बोलेंगे तो बोलेंगे सर नीचे में देखिए हम टोटल लेंगे नीचे में कितना लेंगे सर टोटल लेंगे तो यहाँ पर नीचे टोटल लेंगे तीन प्लस पांच आठ आठ और सात मेरे भाई पंद्रह तो हमारे पास कितनी गेंदे हैं तो बोलेंगे सर पंद्रह गेंदे हैं और पंद्रह में से कितनी उठानी है तो एक उठानी है पंद्रह में से दो उठानी होगी तो मेरे भाई पंद्रह सी टू लिखेंगे पंद्रह में से तीन उठाना होगा तो पंद्रह सी टू लिखेंगे तीन लिखेंगे यहाँ पे जिस तरीके से होगा अब क्वेश्चन में कहा गया कि यार या तो पिंक हो और नहीं तो रेड हो तो पहले पिंक आने की संभावना तो पिंक आने की संभावना तो आप बोलोगे सर कितने हमारे पिंक बॉल हैं तो बोलोगे सात पिंक बॉल हैं तो सात पिंक बॉल हैं तो सेवन सी वन हम लिखेंगे क्या लिखेंगे सेवन सी वन क्योंकि एक गेंद निकाल रहे हैं तो एक हो गया उसके बाद यहाँ पर चूंकि और आया है या फिर हिंदी में यह आया है तो हम प्लस करेंगे फिर बात करते हैं रेड की तो मेरे भाई यहाँ पर कितना है तो बोलेंगे सर 3C1 यहां बोलेंगे। कभी भी एन सी वन होता है मेरे भाई तो यहाँ एन एन c1 होता है तो मेरे भाई यहाँ पर एन और यहाँ पंद्रह c1 होता है तो पंद्रह यानी ऊपर में मेरे भाई कितना होगा दस और नीचे में हमारा हो जाएगा पंद्रह आंसर हमारा कितना आएगा दो बटे तीन आएगा तो ऐसा सवाल कभी भी अगर आ जाए कि क्या प्रायिकता है यहाँ पर कि वो संख्या लाल हो या पीली हो या नीली हो या जो भी हो तो जब भी और का केस आता है तो हम यहाँ पर क्या करते हैं हम वहां पर मेरे भाई उनको जोड़ देते हैं ठीक है आ जाओ क्वेश्चन नंबर 51 भी देखो यहाँ पर 51 भी सेम तरीके से है कि एक थैले में छह लाल गेंदे हैं चार हरी गेंदे हैं आठ पीली गेंदे हैं थैले में से कोई भी यहाँ तीन गेंदे निकाली जाती हैं है कि हमारी दो गेंदे लाल हो और एक गेंद मेरे भाई हरी हो ये बड़ा प्यारा सवाल हो जाता है और इसमें थोड़ा सा बच्चा फंसता है मैंने कहा ना थोड़ा थोड़ा करके हम आपका जो लेवल है वो बढ़ाते चलेंगे कि अ बैग कंटेन सिक्स रेड बॉल फोर ग्रीन बॉल एंड यहाँ पर एट येलो बॉल थ्री बॉल आर ड्रोन एट अ रैंडम फ्रॉम द बैग वट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बैग ठीक है बैग में यहाँ पे दो हमारी लाल हो और एक हमारी ग्रीन हो तो एक बार मैं आपको यहाँ रेड की संख्या लिख देता हूँ उसके बाद यहाँ थैले में हमारी जो ग्रीन है वो लिख देता हूँ आपको यहाँ काफ़ी कुछ पता चल जाएगा और उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर येलो लिख देता हूँ मैंने कहा ना कॉम्बिनेशन से चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाती हैं लाल की संख्या छः है ग्रीन की संख्या मेरे भाई यहाँ पर चार है येल्लो की संख्या हमारी तीन है कभी प्रायिकता अगर आपको निकालनी होती है तो आप किस तरीके से निकालते हैं तो क्वेश्चन में मेरे भाई कहा गया कि दो गेंदे हमारी लाल होनी चाहिए और एक गेंद हमारी नीली होनी चाहिए देखो जब भी सेलेक्शंस की बात आती है तो सेलेक्शन में हमारा टोटल कभी नहीं बदलता है कभी भी मेरे भाई यहाँ पर जो है वो टोटल कभी नहीं बदलता है टोटल जो रहेगा वो हमारा सेम रहेगा आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं टोटल जो रहेगा वो सेम रहेगा तो आप यहाँ देखो छः चार दस तीन तेरह कुल गेंदे कितनी हैं आपके पास तो बोलोगे सर हमारी कुल मिलाकर गेंदे तेरह हैं और हमने उसमें से जो पिक किया है वो एक गेंद हम निकाल रहे हैं दो निकाल रहे हैं तीन निकाल रहे हैं तो बोला गया है कि हम यहाँ दो लाल गेंद और एक यहाँ पर जो है हरी गेंद यानी कुल मिलाकर हम तीन गेंदे निकाल रहे हैं तो यहाँ पर हम कितना लिखेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे बारह सी थ्री लिखेंगे मेरे भाई कितना लिखेंगे यहाँ पर ठीक है अच्छा येलो आठ है छः चार और आठ हो गया क्या अच्छा ठीक है तो यहाँ पर छः चार दस आठ आथ, अठारह लिख लीजिए आप यहाँ पर कि कुल मिलाकर हमारी अठारह गेंद है येलो की संख्या आठ है तो अठारह सीतरी हमने लिख दी यहाँ पे कि सर कुल मिलाकर हमने यहाँ पर कितनी गेंद है? तो अठारह गेंदों में से हम यहाँ पर तीन गेंदों को उठाने की बात करते हैं अब जरा इसमें देखिए तो ये 18 गेंदों में से जो आप तीन गेंदे पिकअप कर रहे हैं तो वो किस प्रकार की गेंदे हैं क्या सारी की सारी तीनों के तीनों आप लाल ले रहे हो अगर तीनों के तीनों आप लाल लेते प्रैक्टिकली बताना मुझे मेरे भाई यहाँ पर अगर आप सारे के सारे मेरे भाई लाल लेते तो आप यहाँ पर क्या लिखते तो बोलते सर छह गेंदे हैं और मुझे तीनों के तीनों क्या चाहिए तो लाल चाहिए तो सी सिक्स लिखते अगर आप सारे के सारे यहाँ पर ग्रीन लेते तो बोलते चार में से मुझे तीन उठाने हैं अगर आप सारे के सारे मेरे भाई येल्लो लिखते आप यहाँ पर तो क्या लिखते हैं एट थ्री लिखते बट इंपॉर्टेंट यहाँ पर वो नहीं है आपसे यहाँ पर कहा गया समझिए कॉम्बिनेशन के पैटर्न को समझिए आप यहाँ पे आपसे यहाँ पर कहा गया कि आपको क्या उठाना है दो गेंदे लाल की उठानी है तो मेरे भाई आपके पास लाल में अवेलेबल कितना है छः और उसमें से कितना उठाओगे दो उठाओगे उसके बाद मेरे भाई एक बॉल आप ग्रीन का उठाओगे ग्रीन में आपके पास है कितने चार उसमें से उठाना कितना है वन अब यहाँ पर आपको मैंने कई बार समझाया दोस्त मेरे भाई ठीक है कि यार अगर और होता है सवाल में तो प्लस करते हैं और अगर एंड होता है मेरे भाई तो मल्टीप्लाई करते हैं हिंदी में या होता है तो प्लस करते हैं और और होता है तो जोड़ते मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जैसे एवम हो गया या फिर एंड हो गया मेरे भाई यहाँ पर एंड इस संख्या और इस संख्या को जो ब्रिज है जो कनेक्ट कर रही है दोनों स्टेटमेंट को यानी रेड को और ग्रीन को वो कौन है तो एंड है और एंड का मतलब क्या होता है तो मल्टीप्लाई होता है यानी यहां पर इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई करेंगे छह को दो बार लिखना है दोस्त यहाँ पे तो छह इंटू तुमने पांच लिख दिया और नीचे में दो फैक्टोरियल का मतलब दो होता है इन चार को एक बार लिखना है तो तुमने मेरे भाई चार लिख दिया और नीचे में वन हो गया नेक्स्ट यहाँ पर अठारह को तीन बार लिखना है तो तुमने कहा सर अठारह लिख लो सत्रह लिख लो और यहाँ सोलह लिख लो सर उसके बाद यहाँ पर तीन फैक्टोरियल का मतलब हो जाएगा तीन इंटू हो जाएगा ठीक है अगर हम बात करेंगे तो यहाँ देख लीजिए दो से आप काटेंगे इसको दो बार में ठीक है कभी भी ध्यान रखना न्यूमरेटर न्यूमरेटर को काटता है डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर को काटता है अगर आप आगे चाहते हो और काटना कटिंग कुटिंग करना तो आप मेरे भाई काट सकते हो कोई दिक्कत की बात नहीं है जैसे आप यहाँ तीन से और दो से छः तीन और दो छ हमारा कितनी बार में काटेगा तीन बार में अब आपको पता है कि जब भी कोई फ्रैक्शन हमारा कुछ इस प्रकार होता है ए अपॉन बी को हम डिवाइड करते हैं सी अपॉन डी से पहला और आखिरी वाला मल्टीप्लाई और यहाँ बीच में मल्टीप्लाई पहले वाले को आखिरी वाले से मल्टीप्लाई करो छः का पाँच गुना तीस तीस का दो गुना साठ तो सिक्सटी को हम यहाँ वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिक्सटी ही आएगा और ये बीच वालों को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो सत्रह का तीन गुना इक्यावन और इक्यावन इंटू मेरे भाई कितना हो जाएगा तो 16 हो जाएगा आप इसे अगर और काटना चाहते हैं तो आप इसे काट लीजिए कोई दिक्कत नहीं है जैसे आप चार से काटेंगे चार बार में और आप चार से काटेंगे पंद्रह बार में आप तीन से काटेंगे पांच बार में तीन से काटेंगे सत्रह बार में तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा तो पाँच बटे हो जाएगा ये हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए फॉर आओ कभी हवेली पे अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फिफ्टी थ्री देखिए जैसे जैसे हम आपको कराते जा रहे हैं आप सीखते चलो उसके बाद हम आपको डिटेल में एटलीस्ट हो गया और बाकी सारे केसेस होंगे सब बताएंगे बोला गया एक बैग में तीन लाल गेंदे हैं छह सफेद गेंदे हैं और यहाँ सात काली गेंदे हैं तीन गेंदे यदा वृक्ष आधार पर निकाली जाती हैं तो इस बात की प्रायिकता ज्ञात करिए कि तीनों गेंदे हमारी काली होंगे बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन कि सर लाल की जो संख्या है वो हमारी कितनी है तो लाल की संख्या हमारी तीन है वाइट की जो संख्या है वो हमारी कितनी है सर तो है उसके बाद ब्लैक की जो संख्या है वो हमारी कितनी है तो सात है बोला गया थ्री बॉल आर ड्रॉन एट रैंडम द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द थ्री बॉल आर ब्लैक सारी की सारी गेंदे जो हैं वो हमारी ब्लैक है तो कभी भी मेरे भाई जब हम आंसर निकालते हैं तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे तो बोलेंगे देखो कितनी गेंदे हैं सात और छ तेरह तेरह और तीन हमारी सोलह और यहाँ सोलह गेंदों में हमें कितना पिक करना है एक दो तीन क्या पिक करना है मेरे भाई तो बोलोगे सर यहाँ पर तीन पिक करना है तो कितना हो जाएगा सोलह सी थ्री हो जाएगा कितना हो जाएगा तो सोलह सी थ्री हो जाएगा अब यहाँ पर बात करते हैं ठीक है जो गेंद हम पिक करना चाहते हैं वो तो कैसा गेंद पिक करना चाहते हैं क्या सारा का सारा हम लाल उठाना चाहते हैं सारा हम व्हाइट उठाना चाहते हैं सारा हम ब्लैक उठाना चाहते हैं कैसा तो बोलोगे सर सारी की सारी गेंदे जो हैं तीनों के तीनों हमारी ब्लैक चाहिए तो ब्लैक हमारे पास कितनी है सात और उसमें से मुझे उठानी कितनी है थ्री उठानी है सात को तीन बार लिखना है तो यहाँ सात इंटू छः इंटू पाँच लिखेंगे और नीचे में कितना आ जाएगा तो नीचे में हमारा तीन फैक्टोरियल ठीक है यहाँ सोलह को तीन बार लिखना है तो हो जाएगा सोलह इंटू पंद्रह इंटू हमारा चौदह और नीचे में हमारा हो जाएगा यहाँ पर तीन फैक्टोरियल ये पूरा का पूरा इससे ख़त्म करेगा अब जब खत्म कर देगा तो उसके बाद यहाँ देखिए पाँच से हमारा कितनी बार में हो जाएगा तो बोलेंगे सर तीन बार में यहाँ साइड में लिख लीजिए और सात से हमारा कितनी बार में हो जाएगा दो बार में तो यहाँ साइड में दो से हम काटेंगे प्रॉपर तरीके से दो और तीन मिलकर मेरे भाई पूरा का पूरा छे को उड़ा देंगे तो उड़ा देंगे तो मेरे भाई ऊपर में कुछ भी बचा तो बोलोगे नहीं वन और नीचे में कितना बचा तो सोलह तो आंसर कितना आ जाएगा वन अपॉन सिक्सटीन ऑप्शन नंबर सी फॉर का होना प्यार है कितना हो जाएगा तो सर सी फॉर सिक्सटीन को होना प्यार है तो जब भी मेरे भाई ऐसा सवाल आता है हमारे सामने कि क्या प्रायिकता है कि वो काली रहे क्या प्रायिकता है कि वो लाल रहे क्या प्रायिकता है कि वो हरी रहे तो नीचे हमेशा टोटल लिखना होता है और ऊपर में अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो सिर्फ वही वैल्यू लिखेंगे जो हमें आवश्यकता है मेरे भाई ठीक है अब यहाँ पर समझिए एक और सवाल की तरफ आइए क्वेश्चन नंबर फोर आपका ठीक है पहले हम ये कर लेते हैं उसके बाद जो जो हमने छोड़ा हुआ है हम लोग उसे कवर करेंगे अच्छे से इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया एक टोकरी में तीन नीली गेंदे हैं चार लाल गेंदे हैं यदि बेतर बेतरबीब ढंग से टोकरी के तीन गेंदे निकाली जाती हैं तो तीन के तो ये तीनों या तो नीले या लाल होने की कितनी संभावना अब इसका आंसर मुझे लगता है बहुत प्यार तरीके से आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं हमने आपको कंसेप्ट सिखा दिया और यहाँ पर आप उसका आंसर दे पाएंगे कि सर अब बास्केट कंटेन थ्री ब्लू फोर रेड ठीक है यहाँ पर सही तरीके से बात करते हैं तो ब्लू की हमारी कितनी गेंदे हैं तो तीन गेंदे हैं उसके बाद सर लाल की हमारी कितनी गेंदे हो गई तो लाल की हमारी चार गेंदे हो गई वो लगे थ्री बॉल आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बास्केट वट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर आइदर ब्लू और रेड आपको और वाले केस में पता करना है ना भाई की और वाला केस में क्या होता है बताओ ऐसा तो है नहीं आपको कि और वाले केस में मेरे भाई आपको पता नहीं है कि आप क्या नहीं कर सकते हैं और वाले केस में बड़ा सिंपल सा रहता है हमारा कि हमें प्लस करना होता है और अगर एंड रहे तो मेरे भाई मल्टीप्लाई करना होता है तो बस वही क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर है आप देखो कुल मिलाकर कितनी गेंदे हैं तो सात तो बोलोगे सर सात गेंदे हैं और इसमें से मुझे कितना उठाना है तो तीन उठाना है कितना उठाना है सर तीन तो यहाँ कितना लिखेंगे सेवन सी थ्री ठीक है उसके बाद या तो वो मेरे भाई ब्लू हो या तो वो मेरे भाई क्या हो तो रेड हो या तो वो मेरे भाई क्या हो ब्लू हो नहीं तो वो मेरे लिए क्या हो तो रेड हो तो यहाँ पर ब्लू आने की संभावना क्या है तो बोलोगे सर देखो तीन गेंदे हैं और मान लीजिए कि उठाया हमने तीनों के तीनों ब्लू निकल गई तो ये हो सकता है और चूंकि आ गया अच्छा रेड की बात तो सर चार गेंदे हैं और उसमें से उठा ली तो सारी की सारी रेड निकल गई तो ये संभावना है और बीच में क्या कर देंगे सर तो प्लस कर देंगे क्यों प्लस कर

चार को हमें तीन बार लिखना है तो चार को तीन बार तो चार इंटू तीन इंटू दो और मतलब क्या होता है सात को तीन बार लिखना सात इंटू छ इंटू पाँच और उसके बाद तीन फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है तीन इंटू दो इंटू मेरे भाई एक होता है बहुत तरीके से यहाँ पर सारी बातें आप लिखेंगे किस ये हमारा एन सी एन है एन सी एन का मतलब वन फैक्टोरियल होता है सर थ्री यानी चार को तीन बार लिखना है तो चार को हमने तीन बार फैक्टोरियल दो से दो फाइव हो गया ठीक है तीन और दो से आपका ये पूरा का पूरा खत्म तो नीचे हमारा कितना हो गया तो नीचे हमारा सेवन इंटू फाइव हो गया पांच से हमारा पांच कटेगा एक बार में तो फाइनली आंसर जो आएगा वो कितना कौन सा ऑप्शन करायेगा तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली हमारा करेक्ट आंसर आएगा नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 55 में क्या बोला गया पढ़िए अ बॉक्स कंटेन फाइव ग्रीन फोर येलो थ्री व्हाइट मार्बल द ठीक है थ्री मार्बल आर ड्रॉन एट रैंडम व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दे आर ऑफ सेम कलर अब यहाँ मैं आपको थोड़ा सा सेम कलर का जो कंसेप्ट है वो हम आपको बताते हैं सेम कलर के ऊपर कुल मिलाकर मेरे भाई चार क्वेश्चन है और यहाँ पर सेम कलर जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है देखो दो क्वेश्चन हमारे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं कि जैसे हम यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि एक यार यहाँ बॉक्स है इस बॉक्स के अंदर में यहाँ पर कुछ जो है लाल कलर के मार्बल हो गए कुछ मेरे भाई यहाँ पर ब्लू कलर के हो गए कुछ यहाँ पर ऐसे हो गए तो अब मैंने आपसे इतना पूछ लिया कि बताओ लाल आने की संभावना क्या है आपने वो बता दिया नीले आने की संभावना क्या है आपने वो बता लाल और नीले आने की संभावना क्या है मेरे भाई आपने वो भी क्लियर कर दिया मैं अगर आपसे यहाँ पर ये बोल दूँ कि उनमें से दो लाल आ जाए एक नीली आ जाए उसकी संभावना क्या है तो आपने वो भी बता दिया बढ़िया तरीके से आपने सारे मेरे भाई एग्जांपल्स आपने क्लियर कर दिए ठीक है मैं एक बार आपको जो है रिविजन करवा दे रहा हूँ यहाँ पर कि मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया है तो जैसे मैंने आपको तीन तरह के सवाल करवाए हैं पहला मेरे भाई सवाल देखो यहाँ पर जैसे मानो मैंने कहा एक बॉक्स में लाल मेरे भाई सात गेंदे हैं ब्लू आपकी एक तरीके से पांच गेंदे हैं और मान लीजिए येलो जो हो गई वो आपकी मान लीजिए यहाँ पर तीन गेंदे हो गए ठीक है मैंने यहाँ पर क्या था कि क्या प्रोबेबिलिटी है पहली बात यहाँ पर क्वेश्चन नंबर वन यहाँ पर कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि सारी की सारी गेंदे लाल आए एक वो सवाल बनता है दूसरा मेरे भाई सवाल यहाँ बनता है क्या प्रोबेबिलिटी है सारी की सारी गेंदे ब्लू हो तीसरा मेरे भाई यहाँ पर ये सवाल बनता है क्या प्रोबेबिलिटी है सारी की सारी गेंदे मेरे भाई येल्लो हो ठीक है यहाँ पर तो मैंने सिर्फ कितना बॉल पिक किया है तो मेरे भाई एक बॉल पिक किया है और मैंने एक बॉल पिक किया है तो मैं चाहता हूँ कि वो एक बॉल की मेरे भाई क्या प्रायिकता है कि वो एक जो बॉल मैंने निकाला है वो लाल हो वो एक बॉल जो निकाला है वो ब्लू हो या वो एक बॉल जो मैंने निकाला है वो येल्लो हो एक मेरे भाई क्वेश्चन नंबर ये अगर मैं चाह रहा हूँ कि दो बॉल निकालना मेरे भाई तो दो बॉल में यहाँ पर मैं आपसे आप पूछ रहा हूँ बॉल हमारे लाल हो क्या प्रायिकता है मेरे भाई कि यहाँ पर वो दोनों के दोनों बॉल हमारे ब्लू हो क्या प्रायिकता है कि वो दोनों के दोनों बॉल जो हो वो मेरे भाई क्या हो तो येल्लो मैं आपको सारा केस ग्लोजरी जिसको बोलते हैं कि पूरा एंड मेरे भाई समझाना

एक उसके अंदर में मेरे भाई ब्लू हो और एक उसके अंदर में कितना हो तो येल्लो हो क्या प्रायिकता है मैंने बोर्ड पर काफी सारे सवाल अभी आपके सामने लिख दिए एक थोड़ा ये लिख दिया एक थोड़ा ये लिख दिया एक थोड़ा ये लिख दिया ताकि आपको बहुत बढ़िया तरीके से क्लैरिटी मिले सवालों को लेकर अब हम लोग हर किसी को सॉल्व करना शुरू करते हैं लाल आने की संभावना क्या है तो नीचे हमेशा टोटल लिखा जाता है नीचे हमेशा क्या लिखा जाता है टोटल सात तीन दस दस और पांच पंद्रह तो पंद्रह है उसमें से कितनी गेंदे उठा रहे हो तो एक गेंदे तो यहाँ कितना लिखोगे पंद्रह सी वन लिखोगे यहाँ पे कितना लिखोगे तो पंद्रह सी वन लिखोगे उसमें लाल आने की संभावना क्या है तो लाल मेरे भाई कितनी गेंदे हैं सात और उसमें से निकालनी कितनी है तो एक यानी कितना हो जाएगा सेवन सी वन अपॉन फिफ्टीन सी वन मेरे भाई यहाँ पे क्लियर है जब एन सी वन आप लिखते हैं तो यहाँ पर हो जाता है एन और जब भी एन सी वन लिखते हैं तो हो जाता है यानी इसकी आंसर कितनी होगी तो सात बटे पंद्रह यहाँ पे कितना होगा मेरे भाई तो सात बटे पंद्रह चलिए आ जाइए क्या प्रायिकता है कि जो आपने एक गेंद निकाली है वो यहाँ पर ब्लू हो तो बोलोगे सर सेम तरीके से टोटल कितना गेंद है पाँच सात बारह तीन पंद्रह तो पंद्रह में से मुझे कितना निकालना है तो एक निकालना है ठीक है और उसमें ब्लू आने की प्रायिकता तो तो मतलब मतलब तो वो हमारी जो गेंद निकालेंगे वो क्या हो तो सर यहाँ पर ब्लू हो समझते चलना अभी सबसे मेन इंपॉर्टेंट सभी बात जो है वो मेरे भाई अभी है उसके बाद यहाँ गेंद के बारे में बता रहा हूँ मैं फिर उसके बाद येल्लो की बात करते हैं कितनी गेंदे हैं हमारे पास तीन पाँच आठ और सात पंद्रह पंद्रह में से निकालनी कितनी है तो एक निकालनी है ठीक है और क्या प्रायिकता है कि वो येल्लो हो तो येल्लो की कितनी गेंदे हैं तीन गेंदे उसमें से निकालना कितना है तो वन तो बोलोगे सर ऊपर में तीन आएगा नीचे में पंद्रह आएगा आंसर हमारा कितना हो जाएगा वन अपॉन्ट फाइव अभी मैं आपको सेम कलर फिर उसके बाद डिफरेंट कलर और फिर उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर जो है एटलीस्ट और एटमोस्ट का भी केस हम आपको पूरा समझाएंगे आइए अब यहाँ पर मेरे भाई बोला गया कि यदि हम दो गेंदे निकालते हैं तो क्या प्रायिकता है कि दोनों के दोनों हमारी जो है वो हमारी रेड निकले तो मैंने कहा नीचे देखो पहले नीचे तुम्हारे तो पास प्रायिकता क्या है कितनी गेंदे हैं तो बोलोगे पंद्रह अब पंद्रह में से तुम्हें एक निकालनी है दो तो, तो बोलोगे पंद्रह सीटों निकालना है सर कितना निकालना है तो पंद्रह सीटों निकालना है और लाल हमारे पास कितनी है तो लाल हमारे पास सात है तो लाल हमारी कितनी हो जाएगी तो सेवन सीटू हो जाएगी मैं आपको सिर्फ यहाँ लिख के बता रहा हूँ कॉम्बिनेशन सॉल्व आप खुद कर सकते हैं ये इतना मैं जानता हूं यहाँ पे तो आप सॉल्व कर लीजिएगा क्योंकि मुझे और भी काफी सारे एग्जांपल्स देने हैं हाँ लिखना क्या है वो हम आपको बता रहे हैं आप आ जाइए दो गेंदे हमने निकाली है तो क्या प्रायिकता है कि मेरे भाई ब्लू होंगी तो यहाँ पर कुल मिलाकर पंद्रह गेंदे हैं यहाँ देखते हैं। चलो नीचे हम क्या लिखते हैं तो नीचे हम टोटल लिखते हैं तो बोलोगे कि सर देखिए कुल मिलाकर यहाँ पर जो है वो पंद्रह गेंदे हैं पंद्रह में से निकालनी कितनी है तो दो गेंदे निकालनी है तो नीचे हमारा टोटल हो गया और उसके बाद हमसे बोला गया उसमें ब्लू आने की प्रायिकता कितनी है तो ब्लू गेंदे हैं कितनी तो पांच गेंदे ब्लू की हैं जिसमें से हमें निकालना कितना है दो तो हम लिखेंगे सर फाइव सी टू ठीक है आ जाइए चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं येलो आने की संभावना तो वही बात है पंद्रह गेंदे हैं और पंद्रह में से मुझे निकालनी कितनी है तो दो निकालनी है और उसमें येलो आने की संभावना मेरे भाई क्या है तो हम बोलेंगे सर तीन गेंदे हैं उसमें से मुझे कितना निकालना है तो दो निकालना है यानी थ्री सी टू कितना हो जाएगा फिफ्टीन सी हो जाएगा ठीक है आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा अपने तरीके से कोई दिक्कत नहीं आइए चलिए तीन गेंदों वाले में हम थोड़ा चलते हैं और तीन गेंदों के हम केस को देखते हैं यहाँ पर कि तीन गेंदों का केस हमारा क्या बोलता है तीन गेंदों का मेरे भाई केस यहाँ पर यह है कि हम तीन गेंद अब निकालना चाह रहे हैं जिसमें दो लाल हों और मेरे भाई यहाँ पर क्या हो तो एक ब्लू हो और याद रखिएगा और और का केस का केस 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 है 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 किसका मेरे भाई तो और का केस है यहाँ पर ठीक समझिए इस बात को लेकर यहाँ पर जैसे क्वेश्चन में बोला जाता है ना यहाँ पे और आईदर और आप नहीं भी लगाओगे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं जैसे मैं यहाँ पर आपको समझा दूँ कि इफ थ्री बॉल आर ड्रॉन एट अरेंडिंग फ्रॉम द बास्केट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द थ्री बॉल आर आईदर रेड और ब्लू या फिर ठीक है यहाँ पर या तो तीनों के तीनों क्या हो तो रेड हो या फिर तीनों के तीनों मेरे भाई क्या हो तो ब्लू हो उस केस में ये केस लगाते हैं और एक जो हमने आपको दूसरा पढ़ाया था वो हमारा यहाँ पर वो डिफरेंट था जिसमें हमने ये किया था वो मेरे भाई यहाँ पर एंड वाला केस होता है यहाँ पर एंड वाले केस में हम क्या करते हैं तो मल्टीप्लाई तो जैसे मानो यहाँ पर जो आपका केस लगेगा मैं आपको डिफरेंट केसेस बता दे रहा हूँ प्रॉपर तरीके से जो हम यहाँ कर रहे हैं अगर जैसे मानिए तीन केंद आप उठा रहे हैं तो फिर उस केस में आप यहाँ और नहीं लगा सकते उस केस में आपको यहाँ पर

ऑल थ्री बॉल्स ठीक है यहां पर मैं अगर लिखू यहां पे तो आर आइदर आर आइदर ठीक है रेड हो मेरे भाई या फिर यहां पर ब्लू हो और या फिर यहाँ येलो हो तो एक हमारा क्वेश्चन ये बनता है कि जो मैंने तीनों के तीनों गेंदे उठाई या तो वो लाल हो तीनों के तीनों या फिर वो ब्लू हो या फिर यहाँ पर ये हो अब इधर और आ गया और नहीं तो मेरे भाई दूसरा जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन हम लगाते हैं डिफरेंट कॉम्बिनेशन कैसे लगाते हैं जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा उसके अंदर दो लाल हो और उसके बाद यहाँ पर क्या हो तो एक हमारा येल्लो हो मानो यहाँ पर ये यह कॉम्बिनेशन अब वही बात है भाई देखो यहाँ पर क्या है या तो तीनों के तीनों लाल या तीनों के तीनों ब्लू या तीनों के तीनों येल्लो अब ऐसा तो है नहीं आईदर और के केस में कि तीन तीन छ तीन नए गेंदे निकाल लेंगे मेरे भाई तीनों तो निकालना पड़ेगा ना तो नौ तो निकाल नहीं सकते हैं तो यहाँ पर इसको समझो आइदर रेड का मतलब नीचे हमेशा क्या लिखते हैं तो टोटल हमारे पास टोटल है कितने गेंदे मेरे भाई तो यहाँ पर पंद्रह पंद्रह में से हमें लेनी कितनी है तो तीन गेंदे

और येल्लो ने कहा मेरे पास तीन है और मेरे के पूरे के पूरे तीन लेके चले जाओ तो आइदर और का दोस्तों जब भी हमारा केस बनता है कि तीनों के तीनों गेंदे या तो लाल नहीं तो ब्लू और नहीं तो येल्लो तो हम क्या करते हैं प्लस करते हैं ठीक है अब आ जाओ मेरे भाई यहाँ पर तीन गेंदे मैंने निकाली है बट मैं थोड़ा नखड़े वाला इंसान हूँ मेरे कॉम्बिनेशन थोड़े अलग है मुझे दो लाल चाहिए या फिर एक येल्लो चाहिए तो मैं यहाँ पर कैसे करूंगा तो सेम मैं कहानी बोलूंगा कि यार पंद्रह गेंदे हैं उसमें से मुझे तीन निकालनी है दो लाल एंड वन येल्लो तो मेरे भाई लाल है कितना तो बोलोगे सर सेवन सी और इसमें से कितना उठाना है दो येल्लो की बात करते हैं तीन येल्लो है उसमें से कितना उठाना है इतना और एंड का मतलब मेरे भाई क्या हो जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ठीक है इस बार ऐसा नहीं है कि तीनों के तीनों लाल हो या तीनों के तीनों येलो नहीं कॉम्बिनेशन सर कॉम्बिनेशन मेरे भाई दो हमको लाल चाहिए एक हमको येलो चाहिए दोनों चाहिए एंड का मतलब क्या होता है तो मल्टीप्लाई होता है कोई दिक्कत की बात है कोई परेशानी की बात है यहाँ तो समझिए यह। कोई इश्यू तो नहीं है यहाँ पे आज ये चलिए अब आगे बढ़े यहाँ पे अब इसमें हम आपके बाद इसको लेकर चलते हैं आपको देखो तीन केस अभी भी हमारे बच जाते हैं और वो तीन केस क्या के है तो सबसे पहला मेरे भाई यहाँ पर बचता है एक केस हमारे एटलीस्ट का कौन सा बचता है तो एटलीस्ट का बचता है उसके बाद यहाँ पर हमारा केस बचता है सेम कलर का और उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर कौन सा बचता है तो सेम कलर के बाद यहाँ पर डिफरेंट कलर का और ये प्यारे प्यारे क्लेस हैं अगले दस मिनट में निपट जाएंगे बढ़िया तरीके से मैं आपको समझा देते हैं तो एटलीस्ट का इसके अंदर में क्वेश्चन है हम आपको थोड़ा एटलीस्ट के पास लेके चल रहे हैं जैसे क्वेश्चन नंबर फिफ्टी हो गया एटलीस्ट का हो गया एक हमारा ये वाला क्वेश्चन 52 को देखिए पहले आप 52 को जब आप देखेंगे तो एक एटलीस्ट का मेरे भाई जो है वो अंदाजा आपको लग जाएगा इस क्वेश्चन में कहा गया बैक कंटेंट फोर व्हाइट बॉल फोर रेड बॉल एंड टू ग्रीन बॉल

और एक कोई दूसरा कलर हो अदर कलर हो या फिर मेरे भाई दोनों के दोनों क्या होने चाहिए तो ग्रीन होने चाहिए और बाकी यहाँ पर अदर कितना हो तो ज़ीरो हो ये बात समझना है यहाँ पर कि जीरो जो हो मेरे भाई अदर हो एटलीस्ट का मतलब हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि कम से कम ठीक है कम से कम यहाँ लिया कम से कम जो है यहाँ पर जो है हमको एक ग्रीन तो चाहिए ही चाहिए यहाँ पे अब जैसे मान लीजिए कि एक हमारा ये थैला मेरे भाई रखा हुआ है और इस थैले के अंदर में क्या है तो चार वाइट गेंदे हैं चार लाल गेंदे हैं और यहाँ है ग्रीन बॉल है इसमें से मैं रैंडमली दो गेंदे उठा रहा हूँ तो क्या प्रायिकता है कि उसके अंदर कम से कम से एटलीस्ट मेरे भाई यहां पर एक बॉल जो हो वो तो ग्रीन हो चाहो तो एक का एक पूरा ग्रीन हो जाए या फिर चाहो तो मेरे भाई दोनों का दोनों ग्रीन हो तो क्या प्रायिकता है इसकी क्या संभावना है हम बोलेंगे देखो एटलीस्ट वाले केस में हमारे पास क्या होता है एक ऑप्शन तो यहाँ पर यह होता है कि हम इसका अलग निकाले इसका अलग निकाले और उसके बाद मेरे भाई दोनों को जोड़ें या जो सबसे बेस्ट तरीका होता है वो यहाँ पर यह होता है कि ग्रीन नहीं आने की संभावना ग्रीन नहीं आने की संभावना को वन में से घटा दो ठीक है ग्रीन के नहीं आने की संभावना को मेरे भाई क्या करो तो वन में से मेरे भाई घटा दो दैट इज द बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर कि सर उसमें से ग्रीन जो है सर वो हमें चाहिए ही नहीं चाहिए सर यहाँ पर इस बात को समझिए ग्रीन नहीं आने की संभावना को यदि हम उसमें से घटा देंगे तो हमारे लिए कितना अच्छा रहेगा ये बताओ तो हम क्या हो जाएगा एटलीस्ट वन वाले केस में हमेशा इस बात को ध्यान रखो कि अलग अलग निकालने से बेहतर है यहाँ पर जैसे एक ग्रीन हो गया वन अदर हो गया दो ग्रीन हो गया ये हो गया तो मेथड नंबर वन हमें ये सिखाता है कि आप दोनों को इंडिविजुअल बेसिस पर टैकल करो इंडिविजुअल पे ये इतना कि इसकी प्रायिकता प्रायिकता निकालो निकालो फिर 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 उनको जोड़ करो या फिर जो बेस्ट हमारा, हमारा क्या हो गया घटा दो यहाँ पर ग्रीन के प्रायिकता को घटा दो? तो दो सबसे बढ़िया रहेगा यहाँ तो एटलीस्ट वन बॉल का केस आपका निकल जाएगा तो आप यहां पर बोलोगे कि सर देखिए वन हो गया उसके बाद ग्रीन नहीं आने की संभावना मतलब वन में से यहां पर ग्रीन नहीं आने की संभावना प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑफ नॉट नॉट गेटिंग ग्रीन 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 ठीक है यहां पर आप निकाल दीजिए तो ग्रीन नहीं आने की संभावना हमारी क्या है तो बोलोगे सर ग्रीन ना आए जैसे मैं कह रहा हूं यार कम से कम मेरे हाथ में एक ग्रीन तो आए और मैं कहता हूं यार ग्रीन ना आए ना वो सारे केसेस निकाल दोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि कम से कम यहां पर एक ग्रीन तो जरूर आए ठीक है समझ रहे हो मेरी बात को यहाँ पे मैं क्या चाहता हूं कि इसमें से क्या प्रायिकता है कि कम से कम एक जो गेंद निकालू वो ग्रीन हो तो उसके लिए मैंने क्या कहा कि वन में से टोटल केस वन होता है उसमें से ग्रीन नहीं आने की संभावना को घटा दो तो यहां पर मेरे भाई यहां ये यह हो जाएगा कि ग्रीन आने की संभावना एटलीस्ट वन का केस निकल जाएगा तो नॉट ग्रीन का केस क्या होगा तो बोलोगे सर टोटल हमारे पास बॉल कितने हैं तो चार चार आठ और दो दस और दस गेंदों में से मुझे निकालना कितना है दो तो ये हमारा हो जाएगा इतना उसमें से मेरे भाई नॉट ग्रीन का केस हमारा कितना बनेगा तो नॉट ग्रीन में हम ग्रीन को नहीं लेते हैं जिसको हम नॉट बोलते हैं उसको हम नहीं लेते हैं नो no रेड का मतलब रेड को लो ही मत नो no येलो का मतलब येलो को मत लो नो ब्लू का मतलब ब्लू को मत मतलब। लो तो नो no रेड मतलब नो no ग्रीन का मतलब फिर कितना लेना है आठ और इन आठ में से मेरे भाई कितना उठाना है हमें तो दो उठाना है यहाँ समझेंगे तो वन माइनस एट सी टू एट को कितनी बार दो बार तो एट इंटू सेवन अपाउन कितना हो जाएगा टू फैक्टोरियल और टेन सी टू का मतलब मेरे भाई हो जाएगा टेन इंटू नाइन अपॉन कितना टू फैक्टोरियल तरीके से मेरे भाई सॉल्व करेंगे दो फैक्टोरियल से दो फैक्टोरियल हमारा खत्म हो जाएगा दो से हम काटेंगे चार बार में दो से हम काटेंगे पाँच बार में तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ढंग से मेरे भाई सात चौके अट्ठाईस हो गया और मेरे भाई यहाँ पैंतालीस हो गया पैंतालीस में से 28 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा पैंतालीस में से मेरे भाई 28 घटा देंगे तो सत्रह बटे पैंतालीस से आपका करेक्ट आंसर आएगा तो याद रखिएगा कि मैंने आपको सिखाया था एक और एग्जाम्पल हम आपको एटलीस्ट पर कराते हैं 42 का सेकंड नंबर क्वेश्चन आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा क्योंकि यहाँ पर काफी सारी चीज़ों को हम कलेक्ट करते हैं जैसे यहाँ देखिए कि इस बात की प्रायिकता ज्ञात करिए कि जब एक अच्छी तरीके से फेटी गई गड्डी में से तीन पत्तों को मेरे भाई निकाला जाता है यहाँ पर तो क्या प्रायिकता है कि एटलीस्ट वन किंग मिले तो एटलीस्ट वन किंग का मतलब क्या होगा एक किंग भी आ सकता है दो किंग भी आ सकता है और तीनों के तीनों किंग आ सकते हैं एक किंग दो कोई और दो किंग एक कोई और या तीनों के तीनों किंग आ सकते

कुल मिलाकर हमारे पास पत्ते कितने होंगे कुल मिलाकर हमारे पास पत्ते कितने होंगे तो बोलोगे सर यहाँ पर देखिए फाइंड द प्रोबेबिलिटी देन हैंड ऑफ थ्री आर ड्रॉन कितने पत्ते हम निकाल रहे हैं तो तीन पत्ते हम इसमें से निकाल रहे हैं और प्रायिकता क्या है यहाँ पर तो नो किंग तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बोलूंगा कि यार कोई भी किंग हमको नहीं चाहिए कोई भी किंग मेरे भाई हमको चाहिए तो नहीं चाहिए हमको कोई भी किंग नहीं चाहिए अब एक बात बताओ मेरे भाई यहाँ पर ठीक है यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि हमको कोई किंग ही नहीं चाहिए तो भाई किसी का किंग कब नहीं आएगा जब वो उस पत्ते में मौजूद ही नहीं होगा तो अगर मैं यहाँ पर में से निकाल के जैसे एक क्वेश्चन मैंने आपको कहा था कि मैं अगर इस पत्ते में से निकाल दू देखो इसके अंदर मेरे भाई अगर किंग रहेगा तब तो डिस्टर्ब मारेगा ना लेकिन अगर मैं इसके अंदर से पूरा का पूरा मेरे भाई किंग ही निकाल के फेंक दू तो क्या किंग आने की संभावना बचेगी एक परसेंट भी मेरे भाई नहीं बचने वाली है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे किंग को रखेंगे कि नहीं रखेंगे बिल्कुल भी नहीं रखने वाले यहाँ पे इस बात को समझिए हम यहाँ को किंग को मेरे भाई रखने ही नहीं वाले तो हम बोलेंगे कि यार हमारे पास टोटल पत्ते कितने हैं तो देखो नो no किंग टोटल पत्ते हमारे पास बावन हैं और बावन में से मुझे तीन का सिलेक्शन करना है कितने करना है तीन का और किंग ना आए तो किंग ना आए तो मेरे भाई बावन पत्तों में से कितने पत्ते किंग होते हैं चार पत्ते तो यहाँ पर मेरे भाई नो रखेंगे तो बावन में से मुझे तीन तो तो निकालने और यहाँ बोला गया है नो किंग क्या बोला गया है मेरे भाई यहाँ पर तो नो किंग बोला गया तो नो किंग का मतलब कितना पत्ता हो गया अड़तालीस और उसमें से तीन निकालना तो यहाँ पर वही बात बोलेंगे कि सर वन माइनस फोर्टी एट सी थ्री और डिवाइडेड बाई कितना हो हो जाएगा जाएगा पे ठीक है तो ये हो जाएगा इतना 48 को तीन बार लिखना है तो यहाँता सैतालीस इंटू कितना हो जाएगा 40 यहां पे और का मतलब क्या हो गया? तो बावन इंटू इक्यावन इंटू कितना हो जाएगा पचास ठीक है नीचे का तीन फैक्टोरियल और नीचे का तीन फैक्टोरियल मैंने पहले ही काट दिया है तो उसके लिए आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है अगर हम देखेंगे तो तीन से हम मेरे भाई काटेंगे सोलह बार में और तीन से हम काटेंगे यहाँ पर कुल मिला के और यदि हमें काटने की आवश्यकता हम चार से काट लेंगे चार बार में चार से हम काट लेंगे तेरह बार में और अगर हम काटे तो दो से हम काट लेंगे तेईस बार में दो से हम काट लेंगे पच्चीस बार में तो यहाँ पर कुल मिलाकर हमारा क्या होगा तो वन माइनस चार तेईस का चार गुना मेरे भाई बानवे हो जाएगा इंटू हमारा हो जाएगा सैतालीस ठीक है सत्रह तेरह हमारा हो जाएगा दो सौ इक्कीस और इंटू हमारा हो जाएगा मेरे भाई पच्चीस अगर हम देखेंगे तो मल्टीप्लाई करो सैतालीस का आपका इतना गुना हो जाएगा आप अगर मल्टीप्लाई करोगे सात इंटू दो आपका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो नाइनटी टू और फोर्टी सेवन का सात दोनी चौदह एक हमारा ये हमारा हो गया तिरसठ और हमारा आठ ठीक है इकहत्तर इकहत्तर का दो सात पास में नौ चौके छत्तीस छत्तीस बयालीस सैंतालीस फोर थ्री टू फोर हमारा ऊपर में आ गया और नीचे में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे मेरे भाई तो नीचे में हमारा क्या हो जाएगा 25 का एक गुना पच्चीस और दो पच्चीस दोनी बावन दो इतना पाँच पच्चीस दोनी पचास और यहाँ पाँच पचपन तो 5000 देखो इसको मैं यहाँ ले जाओ पाँच में से हालांकि यहाँ पर 5525 हमारा एक ही ऑप्शन में है और ऑप्शन नंबर ए है तो हम डायरेक्टली आंसर दे सकते हैं बाकी इसका एक गुना पाँच हज़ार पाँच सौ इतना पाँच में से तीन गया इतना और यहाँ इतना बारह सौ बटे हमारा इतना आंसर आ जाएगा जो हमारा करेक्ट आंसर होगा

फोर्टी सिक्स तरीके को समझिए यहाँ पर कि क्या बोला गया है एक थैले में छह सफेद चार काली गेंदे हैं दो गेंदे को यदा रूप से यादिक यादिक है ना यादृक्षिक रूप से मेरे भाई निकाला जाता है तो प्रायिकता ज्ञात करिए कि वे एक रंग के होंगे हम इसे मेरे भाई दो तरीके से कर सकते हैं एक हमारा मेथड नंबर वन है और एक हमारा मेथड नंबर मेरे भाई कितना रिमोट का है एक हमारा मेथड नंबर टू है ठीक है हम यहाँ पर दोनों तरीके से मेरे भाई लिख सकते हैं कहीं कोई परेशानी की बात नहीं ठीक है आइए चलिए सबसे पहले हम आपको मेथड नंबर वन एक्सप्लेन करते हैं कि मेथड नंबर वन यहाँ पर क्या है हमसे यहां पर बोला गया कि व्हाइट कलर की तुम्हारे पास कितने गेंदे हैं तो व्हाइट कलर की मेरे भाई यहाँ पर छे गेंदे हैं और यहाँ पर ब्लैक की मेरे भाई कितने गेंदे हैं तो ब्लैक की हमारी छह गेंदे हैं कितनी गेंदे हैं तो छह गेंदे हैं व्हाइट की छे हो गई और ब्लैक की हमारी कितनी हो गई सॉरी oh, ब्लैक की हमारी मेरे भाई चार है कि सिक्स वाइट एंड फोर ब्लैक सिक्स वाइट एंड फोर ब्लैक हमें दो गेंदों को निकालना है और दो गेंदों को निकालना है तो क्या प्रायिकता है कि वो मेरे भाई सेम कलर की होंगी ठीक है यहाँ पर एक ही रंग के दोनों के दोनों होंगे तो मैंने कहा बहुत बढ़िया मेथड नंबर वन मैं आपको बता रहा हूँ सेम कलर का मतलब क्या हो गया तो सेम कलर का मतलब यहाँ पर यह हो गया कि जैसे मानो मैंने गेंदे निकाली और मैंने दो गेंदे निकाली तो क्या पता वो दोनों की दोनों व्हाइट हो गई हो क्या पता मेरे भाई कि जैसे मानो इस थैली के अंदर यार दोस्त ऐसे समझो कि थैली के अंदर कुछ गेंद रखी हुई है और मैंने है ना इसके अंदर हाथ लगा के मैंने बॉल निकाला और दो बॉल निकाली और दोनों की दोनों मेरे क्या निकल गई तो दोनों की दोनों व्हाइट क्योंकि मुझे प्रोबेबिलिटी क्या चाहिए कि बोथ आर ऑफ सेम कलर तो सेम का मतलब मैं दो गेंदे निकालूंगा दोनों सेम कलर के निकलेगी अब या तो वो व्हाइट निकलेगी या फिर मेरे भाई यहां पर क्या निकलेगी तो ब्लैक निकलेगी मतलब यहां पर या आ गया और या जहां पर आता है वहां क्या होता है प्लस होता है जहां और आता है वहां क्या होता है प्लस होता है तो आप बोलोगे सर या तो कंडीशन ऐसा होगा कि छह वाइट गेंदों में से आपकी दो वाइट गेंदे निकल जाए या ऐसा होगा चार ब्लैक गेंदों

अंदर में हाथ डाला तो मुझे थोड़ी पता था कि, इसके था कि या तो ब्लू सॉरी या तो, आ सकता है, नहीं, तो ब्लैक, ब्लैक व्हाइट बाद में ब्लैक आ जाए तो इसीलिए तो या तो ये हो सकता है नहीं तो ये हो सकता है और बट्टे में कितना तो टोटल टोटल हमारी कितनी गेंदे हैं टेन सी टू मेरे भाई ठीक है अब यहां पर आ जाइए इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे अभी हम मेथड नंबर वन बता रहे हैं तो छः को दो बार लिखना है तो यानी सिक्स इंटू फाइव डिवाइडेड बाई कितना टू फैक्टोरियल कह लीजिए ठीक है प्लस यहाँ पर चार को दो बार लिखना है तो चार इंटू तीन डिवाइडेड बाई कितना मेरे भाई टू फैक्टोरियल और यहाँ कितना हो जाएगा दस को दो बार लिखना है तो दस इंटू नौ डिवाइडेड बाई कितना मुन्ना टू टू फैक्टोरियल हर किसी के नीचे टू फैक्टोरियल है तो टू फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल खत्म आप देखोगे तो सर तीस हो गया और बारह हो गया तीस बारह हमारा बयालीस होता है और यहाँ पर हमारा नब्बे होता है 6 को हम काटेंगे तो सात बार में 6 से हम काटेंगे पंद्रह बार में सेवन अपॉन फिफ्टीन हमारा करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली अब ये मैंने आपको बताया है मेरे भाई किस में तो ये हमने बताया आपको प्रॉपर तरीके से मेथड नंबर वन इसका अब थोड़ा सा हम आपको इसका मेथड नंबर टू का भी ज्ञान देते हैं थोड़ा एकदम डिफरेंट बिना कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल किए अगर कोई पर्सन इसको बनाना चाहता है तो मेरे भाई बिना कॉम्बिनेशन के वो कैसे बना पाएगा तो बिना कॉम्बिनेशन के वो कुछ इस प्रकार से बना पाएगा कि उसको अपना दिमाग लगाना होगा जैसे मानो मेरे बैग में मेरे भाई यहाँ पर दस गेंदे ये रखी हुई हैं छे वाइट की रखी है चार ब्लैक की रखी है ठीक है पहले मैं यहाँ चाहूंगा कि यहाँ पर जो है दोनों यहाँ पर क्या हो तो यहाँ पर वाइट हो मैं वो निकाल दूँ। फिर उसके बाद यहाँ पर मेरे भाई क्या हो जाए तो यहाँ पर जो है हमारा ब्लैक हो जाए ठीक है तो मैं यहाँ पर कैसे बोलूंगा तो मैं यहाँ पर कुछ इस प्रकार से बोलूंगा कि देखो यार कंडीशन क्या हो सकता है कंडीशन यहाँ पर ये यह हो सकता है कि जब मैंने उस थैली में हाथ रखा तो मेरे दोनों के दोनों वाइट निकल जाए तो दोनों के दोनों वाइट निकल जाए तो ऐसे समझ लो उस थैली में जैसे मानो मैंने पहली बार इसके अंदर में हाथ लगाया और जब मैंने पहली बार इसके अंदर में जब हाथ लगाया तो इसके अंदर दस गेंदे रखी हुई थी उसमें से जो मैं पहला कलर निकालूंगा तो वो मेरे भाई क्या होगा वाइट यानी दस में से कितनी प्रायिकता होगी तो छः होगी

आप ऐसे समझ लीजिए छः में से आपने एक निकाल लिया तो बचा कितना पाँच तो यहाँ पर ये कहानी होती है कि पहली गेंद के लिए तो दस अपॉर्चुनिटी है उसमें से हमने छः निकाल लिया कि दस गेंदें थी और उसमें से कोई भी छः गेंद हमारी क्या होती थी तो वाइट होती थी अब एक उसमें से वाइट बॉल निकाल लिया तो इसीलिए इसमें भी एक कमी हो गई और इसमें भी एक कमी हो गई और आंसर कितना फाइव अपॉन नाइन ये किसकी प्रोबेबिलिटी है तो वाइट आने की अब हम बात करते हैं यहां पर दूसरे वाले कंडीशन में कि ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी क्या है तो सेम तरीके से दस गेंदे उस थैली में थी अब एक काम करते हैं ब्लैक काला केस लेते हैं या तो व्हाइट हो सकता है नहीं तो ब्लैक हो सकता है तो जिस तरीके से आपने व्हाइट का केस लिया उसी तरीके से आप ब्लैक का केस लीजिए अब इसके अंदर सारी गेंदे रखी हुई हैं दस और मैं कह रहा हूं कि मुझे ब्लैक का सिलेक्शन करना है किसका सिलेक्शन करना है ब्लैक का तो यहाँ दस गेंदे मेरी भाई रखी हुई हैं इसमें से मुझे क्या निकालना है ब्लैक तो यहाँ दस में से ब्लैक की अपॉर्चुनिटी कितनी है चार है ठीक है अब मैंने यहाँ पर हाथ लगा के एक गेंद निकाल के बाहर मैंने रख दिया अब इसके अंदर कितनी गेंदे बची हुई हैं तो आप बोलोगे सर इसके अंदर नौ गेंदे बची हुई हैं और उसमें ब्लैक हमारा कितना है तो इसमें से कम यानी इतना है तो बोथ वाइट हो उसकी ये प्रायिकता है बोथ यहाँ पर ब्लैक हो उसकी ये प्रायिकता है कंडीशन मेरे भाई क्या हो सकती है तो कंडीशन या तो बोथ वाइट या फिर बोथ ब्लैक हो सकती है मतलब या तो ये हो सकता है और नहीं तो ये हो सकता है तो मेरे भाई जब इनके बीच में और आता है तो और का मतलब क्या होता है प्लस होता है कि हम इस संख्या को इस संख्या के साथ हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर जब आप इसको जोड़ेंगे तो आप यहाँ देखिए वैल्यू आपकी कितनी आ रही है तो बोलोगे सर ये वैल्यू हमारी तीस बटे है और ये वैल्यू कितनी है तो बारह बटे नब्बे फाइनल आंसर के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे सर या तो हमारा बूथ व्हाइट का काम का चलेगा या फिर सर हमारा क्या, क्या करेगा तो बूथ ब्लैक का काम चलेगा यानी कितना हो जाएगा सर तो यहाँ पर हो जाएगा सर बयालीस बटे नब्बे ठीक है बयालीस बटे कितना हो जाएगा सर तो बयालीस बटे नब्बे हो जाएगा छः से काटेंगे सात बार में छ से काटेंगे पंद्रह बार में आंसर हमारा कितना आएगा तो सात बटे पंद्रह तो ये छोटी सी बात को आपको मेरे भाई ध्यान रखना था जैसे या तो ये नहीं तो ये उसी तरीके से मेरे भाई यहाँ पर या तो ये नहीं तो ये ठीक है तो बहुत ही शानदार तरीके से आपने इसको दूसरे मेथड से भी सीखा कि दस गेंदों में छह गेंदे पहले थी एक निकालने के बाद नौ गेंदों में पांच बच गई तो ये हमारा बूथ वाइट हो गया बूथ ब्लैक का मतलब दस में चार गेंदे ब्लैक की थी एक निकाल दिया तो अब नौ में तीन गेंदे बची ये हो गया और या तो ये नहीं तो ये का मतलब क्या होता है दोनों जोड़ना होता है बोलोगे सर आपने मेथड नंबर टू क्यों बताया आई विल एक्सप्लेन यू ठीक है कि मेथड नंबर टू मेरे भाई बताने का रीजन क्या था ठीक है फिलहाल हम आपको जो ये मेथड बताए हैं आप इसको मेरे भाई अप्लाई कर सकते हो और अप्लाई करो तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर जो है आपका यहाँ पर फिफ्टी थ्री मेरे भाई रखा हुआ है और बचा कर हमने फिफ्टी फाइव जो है वो रखा है आपको सेम कलर वाला क्वेश्चन इसीलिए मेरे भाई ताकि आप यहाँ पर अप्लाई कर पाओ आ जाओ चलो नेक्स्ट यहाँ पर देखो नेक्स्ट यहाँ क्या बोला गया है इट मार्बल द मार्बल आर ट्रॉन एट्रेंड वट इज द प्रोबेबिलिटी दे आर ऑफ सेम कलर क्या प्रायिकता है मेरे भाई की वो सेम कलर के हैं मैंने आपको कहा कि आप चाहो तो मैथड नंबर वन लगा लो चाहो तो मैथड नंबर टू लगा लो चाहो तो मैथड नंबर number... कोई भी लगा लो कोई दिक्कत नहीं मेथड नंबर वन के अनुसार क्वेश्चन में मेरे भाई क्या बोला गया एक बॉक्स में पांच हरे चार पीले और तीन सफेद मार्बल है तीन कान से जो है वो यहाँ से निकाले जाते हैं क्या ऐसा है होना कि एक ही रंग के हों तो क्या पता तीनों के तीनों हरे हों तो अगर तीनों के तीनों हरे हों तो यहाँ पर क्या होगा पांच में से मेरे भाई तीनों के तीनों हरे हों तो फाइव सी थ्री उसके बाद यहाँ पर चार पीले हों क्या पता चारों पीलों में से मेरे भाई तीन हमारा हरा हो तो यहाँ पर इतना हो जाएगा उसके बाद तीन सफेदों तो मेरे भाई यहाँ पर क्या पता तीनों के तीनों हमारे सफेद हो तो ये हो जाएगा ठीक है समझ में आ गया बात नहीं ठीक है तो हमारा पांच ग्रीन हो गया चार येलो हो गया और तीन व्हाइट हो गया और टोटल हमारे कितने मार्बल हैं तो टोटल बारह मार्बल है बारह में से हमें कितना उठाना है हम या तो ये ले सकते हैं नहीं तो ये ले सकते हैं नहीं तो ये ले सकते हैं कभी भी भविष्य में अगर आईदर और में देखो जैसे और में और एंड में अगर कन्फर्मेशन लेना हो ना कि यार क्या आएगा क्या नहीं आएगा तो मैं बताता हूं अगर मेरे भाई यहाँ पर तीन मार्बल हैं तो नीचे वाले को मेरे भाई देखो यहाँ पर सबके पास तीन होता है और में हमेशा नीचे वाले में तीन होता है लेकिन एंड का मतलब यहाँ पर ये यह हो जाता है कि नीचे वाले सभी को जोड़ने में तीन आना चाहिए तो यहाँ पर नीचे वाले में वन 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 याद रखना मेरे भाई और में क्या होता है और में एक तो हमारा प्लस होता है और दूसरा यहाँ पर कि जैसे ये संभव है तो ये तीन होगा ये संभव है तो तीन होगा ये संभव है तो तीन होगा लेकिन वहीं अगर एंड रहे एंड का मतलब हमें एक इसका चाहिए एक इसका चाहिए एक इसका चाहिए तो वन 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 और इन सब का टोटल मिलाकर तब थ्री हमारे बॉल के बराबर बनता है और बीच में मेरे भाई यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है इस बात को ध्यान रखें क्लियर है ये बात तो हमने कहा पांच में से या तो ये तीनों के तीनों होंगे सेम कलर के या चार में से ये तीनों के तीनों होंगे सेम कलर के या तीन में से ये तीनों के तीनों होंगे सेम कलर के डिवाइडेड बाई इतना तो यहाँ पर क्या होगा पाँच को तीन बार लिखना है तो हम बोलेंगे पाँच इंटू चार इंटू तीन डिवाइडेड बाई कितना थ्री फैक्टोरियल फिर उसके बाद यहाँ चार को तीन बार लिखना है चार इंटू तीन इंटू दो डिवाइडेड बाई कितना तीन फैक्टोरियल फिर उसके बाद तीन को तीन बार लिखना है तो तीन इंटू दो इंटू एक डिवाइडेड बाई कितना तीन फैक्टोरियल उसके बाद यहाँ बारह सी थ्री का मतलब क्या होता है बारह इंटू एक ग्यारह इंटू दस डिवाइडेड बाई कितना तो तीन फैक्टोरियल क्लियर है दोस्त यहाँ पे ये तीन फैक्टोरियल तीन फैक्टोरियल तीन फैक्टोरियल तीन फैक्टोरियल सबके खत्म सबका मेरे भाई उड़ जाएगा और हमारा इतना पार्ट बचेगा अब अगर इस पार्ट में आप देखोगे तो क्या आप कुछ कॉमन काट सकते हो तो बोलोगे सर देखो काटने को तो बहुत कुछ काट सकते हैं जैसे हम छे जो है वो हर जगह से काट सकते हैं हर किसी के पास छः मौजूद है यही होता है थोड़ी सवाल को सॉल्व करने की कला जैसे इसके पास तीन और दो है इसके न्यूमरेटर में इसके पास तीन और दो है इसके न्यूमरेटर में इसके पास तीन यहाँ है और दो से इसे काटोगे तो दो बार अच्छा में तो यहाँ से छ उड़ा लिया यहाँ से छः उड़ा लिया यहाँ से छः उड़ा लिया और यहाँ से भी उड़ा लो कितनी बार में दो बार में अब देखोगे तो ये तुम्हारा कितना हो गया तो दस हो गया ये मेरे भाई चार हो गया और ये हमारा एक हो गया और डिवाइडेड बाई कितना तो ग्यारह इंटू दो बाईस बाईस इंटू हमारा दो हो जाएगा कुल मिलाकर मेरे भाई पंद्रह बटे कितना दो सौ बीस अगर हम पांच से काटेंगे तो तीन बार में और पांच से काटेंगे तो चवालीस बार में यानी आंसर हमारा कितना आएगा तो ऑप्शन नंबर डी फॉर आएगा तो ये छोटी छोटी बातों को मेरे भाई ध्यान रखिएगा आप यहां कि अगर मान लीजिए कि हम सेम कलर जब भी उठाते हैं तो सेम कलर की यहाँ पर कहानी क्या होती है तो सेम कलर की मेरे भाई कहानी ये हो जाती है ये हो जाती है हो जाती है अब बात आती है यहाँ पर सेम कलर में एक जगह और कि अब डिफरेंट कलर अगर निकालना हो तो यहाँ पर क्या बात करोगे तो यहाँ पर जो है थर्टी नाइन है और थर्टी नाइन के बाद हमारा फोर्टी सेवन नंबर क्वेश्चन हमें देखना है जो कि सेम कलर और डिफरेंट कलर पर आधारित है तो जरा थर्टी नाइन नंबर क्वेश्चन को देखो क्या बोला गया है कहा गया कि एक बैग में तेरह सफेद और सात काले गेंदे हैं और बेतरबीब तरीके से दो गेंदे निकाली जाती हैं इसमें एक ही रंग के होने वाली संभावना क्या है और मुझे नहीं लगता यहाँ पर कि जो है इसको बनाने में कहीं कोई कष्ट होगा कहीं कोई दिक्कत होगा सीधी सी बात है मैं अगर सिंपल सा एक क्वेश्चन बोलूँ यार कि मेरे पास सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपको इस तरीके से कर देता हूँ कि मेरे पास तेरह वाइट बॉल है ठीक है और यहाँ पर सेवन ब्लैक बॉल है और मैंने इसके अंदर से क्या उठा लिया तो मैंने यहाँ से दो बॉल उठा लिए प्रोबेबिलिटी क्या है मेरे भाई यहाँ पर कि दोनों के दोनों बोथ ठीक है दोनों के दोनों या तो मेरे भाई आइर हमारा क्या हो तो आप देखिए दोनों सवाल एक ही हैं आइधर वाइट हो दोनों के दोनों या फिर मेरे भाई यहाँ पर और हमारे क्या हो तो और हमारे ब्लैक हो चाहे जो मैंने यहाँ लिखा है वो चाहे वो जो मैंने यहाँ लिखा है वो मेरे भाई दोनों सेम है एक पैसे का कहीं पर कोई भी अंतर नहीं है कि या तो वो वाइट हो या तो वो ब्लैक हो अब एक बात बताओ मैंने यहाँ पर दो गेंदे निकाली निकाले मानो दोनों के दोनों वाइट निकल गए तो इसका मतलब कितना है कि गेंदों में कितनी वाइट है तो तेरह गेंदों में दो वाइट है उसके बाद यहाँ पर दोनों के दोनों मानो ब्लैक निकल गई तो सात गेंदे थे से कितनी ब्लैक हो गें। तो दो हो गई तो तेरह गेंदों में मेरे भाई यहाँ पर दो जो है वो वाइट हो गई और सात गेंदों में मेरे भाई यहाँ पर ये यह दो के दो ब्लैक हो गई डिवाइडेड बाई कितना टोटल ठीक है टोटल हमारा कितना है तेरह प्लस सात हमारा बीस सी टू हमारा बात खत्म यहाँ पे बात खत्म भाई क्योंकि जब ये होगा तो ये नहीं होगा जब ये होगा तो ये नहीं होगा इधर और केस तो हमें यही बताता है ठीक है अब यहाँ पर देखो तो क्या बोलोगे तो बोलोगे सर समझिए तेरह सीटों का मतलब तेरह को कितनी बार लिखना है तो दो बार लिखना यानी तेरह इंटू बारह और डिवाइडेड बाई कितना तो दो फैक्टोरियल प्लस सेवन सीटू का मतलब सेवन इंटू सिक्स डिवाइडेड बाई कितना मेरे भाई तो दो फैक्टोरियल उसके बाद यहाँ बीस सीटों का मतलब कितना होता है तो बीस इंटू उन्नीस डिवाइडेड बाई कितना तो दो फैक्टोरियल सेम कहानी करना ये ये और ये हमारा खत्म हो जाएगा और यदि हम कहीं पर काट रहे हैं तो और काट लो नहीं काटते तो कोई दिक्कत की बात नहीं है बोलोगे सर देखिए यहाँ पे बारह तेरह हमारा हो जाता है एक सौ छप्पन और यहाँ सात तक हमारा कितना होता है बयालीस वन नाइन्टी एट कुल मिलाकर सर जो है यदि हम एक सौ छप्पन में आपको बयालीस को जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा वन नाइन्टी एट और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा तो उन्नीस दूनी अड़तीस थ्री एटी हो जाएगा अगर हम यहाँ काटते हैं सर प्रॉपर तरीके से दो से काटते हैं तो दो से हमारा ये 99 बार में कटेगा और दो से हमारा सर 190 बार में कटेगा यानी करेक्ट आंसर कितना आएगा तो ऑप्शन नंबर डी अगर मेरे भाई इसी क्वेश्चन में सेम कलर ना पूछकर नेक्स्ट हमारा इसी में डिफरेंट कलर पूछ लिया होता इसी में यहाँ पर क्या पूछ लिया होता तो इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा एग्जामिनर का दिमाग घूमता और वो यहाँ बोलता कि क्या प्रायिकता है मेरे भाई यहाँ पर इस क्वेश्चन को रिप्लेस करके और यहाँ सेम कलर शब्द को हटा के ठीक है इनको एक ही रंग के नहीं अलग रंग के अलग रंग के ठीक है तो यहाँ पर मान लीजिए कि डिफरेंट कलर पूछ लेता आपसे यहाँ पर भी जो है वो बोलता कि यार क्या प्रायिकता है कि वो सारे के सारे जो हैं वो डिफरेंट कलर के हों अलग, अलग अलग रंग के हों अलग अलग रंग के हों तो मेरे भाई अलग अलग कैसे बोलोगे तो बोलोगे सर देखिए पूरी प्रायिकता कितनी होती है एक और उसमें से हम माइनस क्या करेंगे ठीक है तो उसमें से मेरे भाई माइनस करेंगे हम यहाँ पर ठीक है पूरी प्रायिकता होती है एक की सर उसमें से यहाँ पर माइनस करेंगे सेम कलर को तो हमारा डिफरेंट कलर आ जाएगा समझ रहे हो जैसे मानो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं तो आप यहाँ पर बोलोगे कि सर अगर पास निकालना है तो टोटल में से फेल माइनस कर दो बोलते हो कि नहीं कि सर अगर जैसे मानिए पास निकालना है तो पास निकालने के लिए हम क्या करते हैं तो पास निकालने के लिए हम टोटल में से क्या करते हैं टोटल में से फेल माइनस कर देते हैं या फिर हम उल्टा भी कह सकते हैं कि कभी भविष्य में अगर फेल निकालना है तो यहाँ टोटल में से क्या माइनस करेंगे टोटल में से पास माइनस करेंगे तो मेरे भाई वही बात है यहाँ पर डिफरेंट कलर होने का मतलब क्या होता है तो डिफरेंट कलर होने का मतलब यहाँ पर यह हो गया कि यदि आपको कभी भविष्य में डिफरेंट कलर निकालना है तो डिफरेंट कलर का मतलब यहाँ पर आप जो है वन में से क्या करो तो सेम कलर माइनस कर दो वन में से क्या करो तो सेम कलर माइनस कर दो अब बोलोगे वन क्यों क्योंकि प्रोबेबिलिटी मतलब कि ना, तो तो ना तो हंड्रेड परसेंट वन बन जाता है ठीक है तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा तो यहाँ पर हमारा ये वन हो जाएगा तो यानी डिफरेंट कलर निकालना है तो वन माइनस सेम कलर वन माइनस और सेम कलर अभी पीछे कितना आया था तो नाइनटी नाइन अपॉन वन नाइन नाइन्टी नाइन अपॉन कितना हो जाएगा तो एक सौ नब्बे हो जाएगा अब एक सौ नब्बे में से नाइन्टी नाइन को मेरे भाई घटा दो यहाँ पर क्या हो जाएगा वन नाइन्टी माइनस नाइनटी नाइन अपॉन कितना एक सौ नब्बे तो मेरे भाई यहाँ कितना हो जाएगा तो बोलोगे सर नाइन्टी वन अपॉन वन नाइन्टी ये जो होगा ये हमारा करेक्ट आंसर होगा सर बिल्कुल सही उत्तर होगा फोर्टी सेवन नंबर क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर क्या बोला गया है जरा देखो तो मेरे भाई यहाँ पर यह बोला गया है

ठीक है ये मेरे भाई एक बैग मेरे पास एक पोटली रखी हुई है और इस पोटली के अंदर में यहाँ पर क्या है तो यहाँ पर इस पोटली के अंदर में पर्टिकुलरली एक ये बैग हो गया और यहाँ पर एक जो है यहाँ पर फिर एक दूसरा बैग हो गया ठीक है अब इस बैग के अंदर में अगर हम बात करें तो दो बैग है पहले में तीन रेड है और चार ब्लू है तीन हमारा क्या है तो मेरे भाई रेड है और हम बात करते हैं तो चार हमारा ब्लू है ठीक है दूसरे में यहाँ पर पांच रेड है और यहाँ पर कितना है तो दो ब्लू है हमसे कहा गया और एक बैग ये हो गया एक बैग ये बोला गया वन बॉल फ्रॉम ईच ऑफ़ द बैग फाइंड द प्रोबेबिलिटी बोथ बॉल आर ऑफ सेम कलर दोनों में से एक, एक में से एक गेंद उठाते हैं इसमें से एक गेंद उठाते हैं और इसमें से एक गेंद उठाते हैं अब आप मुझे प्रायिकता बताइए कि मेरे भाई यहाँ पर जो प्रायिकता है वो यहाँ पर सेम कलर के आने की क्या है तो मैंने कहा यार सेम कलर के आने की तुम बात करते हो बड़े आसान तरीके से हम यहाँ निकाल सकते हैं सेम कलर की प्रायिकता मान लो मेरे भाई यहाँ पर मैं आपको यहाँ मेथड नंबर वन से ना बता के मेथड नंबर टू से बताता हूँ मेथड नंबर वन भी हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं लेकिन वो बहुत गंदा इक्वेशन बनेगा उससे बढ़िया आप लोग इसको मैथड नंबर वन से समझ लोगे ठीक है तो जैसे मानो यहाँ पर क्या हो गया मानो यहाँ पर दोनों के दोनों हमारे रेड निकल के आ गए दोनों के दोनों क्या निकल के आ गए रेड निकल के आ गए तो अगर दोनों के दोनों रेड निकल के आ गए तो क्या होगा प्रायिकता किस तरीके से जैसे यहाँ पर हमने रेड के कितने बॉल है मेरे भाई तीन बॉल है और यहाँ पर हमारे रेड के कितने बॉल है पांच तो यहाँ से मैंने मानो कि जैसे क्या हुआ कि दो अलग अलग थैली रखी गई है एक हमारी ये थैली हो गई और दूसरी हमारी मान लो ये थैली हो गई ठीक है दूसरी हमारी ये थैली हो गई ठीक है अगर हम बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर दोनों हमारे पास एक एक थैली हो गई ये हमारा पहला है कि तीन लाल बॉल हैं और चार ब्लू बॉल हैं और ये मेरे भाई पाँच लाल हैं और उसके बाद ब्लू हैं बोला गया एक गेंद इसमें से निकालो एक गेंद इसमें से निकालो दोनों हमारे सेम होने चाहिए तो मैंने कहा यार इसमें से जो मैं बॉल निकालूंगा ना तो मैंने पहले अभी किसकी बात कर रहा हूँ मैं बोथ रेड की तो यहाँ से रेड आने की संभावना कितनी है कितनी गेंदे हैं आपके पास में तो बोलेंगे सर यहाँ पर कितनी गेंदे हैं तो सात गेंदे हैं कितनी गेंदे हैं तो सात गेंदे हैं उसमें रेड आने की प्रायिकता कितनी है तो तीन है उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर हमारी कितनी गेंदे हैं तो बोलोगे सर यहाँ भी हमारी सात गेंदे हैं और उसमें रेड आने की प्रायिकता कितनी है तो पाँच है तो ये क्या निकल जाएगा बोथ रेड निकल जाएगा कि हमने यहाँ से निकाला तो भी रेड मिल गया और यहाँ से निकाला सर तो भी रेड मिल गया बोलोगे सर यहाँ बीच में मल्टीप्लाई क्यों किया है क्योंकि मुझे एक यहाँ से चाहिए और एक यहाँ से चाहिए और जब मुझे दोनों से चाहिए होता है तो मैं बीच में क्या करूँगा मल्टीप्लाई सर आपसे प्रोबेबिलिटी पढ़ने के बाद कॉन्फिडेंस लेवल पीक पर चला गया है चलिए बहुत अच्छी

जब मैंने इसमें हाथ लगाया तो गेंदे कितनी मौजूद है सात और उसमें ब्लू हमारी कितनी है तो दो है ठीक है अच्छा मुझे एक यहां से भी चाहिए और एक मुझे यहां से भी चाहिए तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो, तो आठ बटे उनचास हो जाएगा कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर तो आठ बटे उनचास हो जाएगा समझना अब मैंने क्या कहा या तो मेरे भाई ऐसा हो सकता है कि दोनों रेड आ जाए या ऐसा हो सकता है कि दोनों ब्लू आ जाए ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों रेड और दोनों ब्लू एक साथ आ जाएं, फिर तो टू प्लस टू हमारा फोर हो जाएगा अब जैसे देखो मल्टीप्लाई जब लगाते हैं तो इन दोनों को जोड़कर जैसे एक गेंद यहां से एक गेंद यहां से तो दो निकलनी चाहिए यहां पर मल्टीप्लाई लगा हो गया एक और एक लो, दो आनी चाहिए अगर मानो ऊपर वाले को नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दिया फाइनल आंसर में मेरे भाई क्या हो गया मल्टीप्लाई कर दिया फाइनल आंसर का मतलब जैसे मानो रेड वाले को मल्टीप्लाई कर दिया तुमने ब्लू वाले के साथ तो मेरे भाई ये दो गेंद और दो गेंद मिलकर चार गेंद हो जाएंगे तो कई बच्चे बोलते हैं कि आप यहाँ पर मल्टीप्लाई किए हैं बहुत अच्छी बात है समझ में आए क्योंकि एक यहां से ले रहे हैं एक यहां से ले रहे हैं और जो बैंड का केस बनता है तो मल्टीप्लाई आता है लेकिन जब लास्ट में आंसर निकालते हैं तो रेड और ब्लू को आप जोड़ क्यों देते हैं इसीलिए या तो हम रेड लेकर आ सकते हैं नहीं तो ब्लू लेकर आ सकते हैं ये भी दो है ये भी दो है अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो टू और टू फोर हो जाएंगे मुझे चार गेंद नहीं चाहिए दो ही चाहिए या तो मुझे रेड दे दो नहीं तो मुझे ब्लू दे दो मैं जिंदगी में संतुष्ट रहूंगा कोई कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी यहाँ पे तो मैंने कहा ठीक है रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है तो पंद्रह बोटे ऊंचा से ब्लू आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है आठ बोटे ऊंचा से यदि मैं दोनों को जोड़ दूंगा तो मेरी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी बटे उनचास हो जाएगी सिंपल सी बात है ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अब यहाँ पर हम बात करें कि हमारा मेरे भाई डिफरेंट कलर की बात हो कि डिफरेंट कलर की प्रायिकता क्या है डिफरेंट कलर की मेरे भाई यहाँ पर प्रायिकता क्या हम कैसे बोलेंगे अभी मैंने आपको समझाया था कि यार जब भी डिफरेंट कलर निकालना होता है ठीक है जैसे अभी डिफरेंट आपको निकालना हो तो अभी बताया था कि अगर डिफरेंट निकालना होगा दोस्त तो क्या बोलोगे तो बोलोगे सर डिफरेंट निकालने के लिए टोटल में से क्या माइनस कर दो सेम माइनस कर दो टोटल में से क्या माइनस कर दो सेम तो टोटल हमारा कितना होता है वन और सेम कलर लाने की प्रायिकता क्या है सर तो सेम कलर लाने की प्रायिकता सर तेईस बटे उनचास है कितना है सर तो तेईस बटे उनचास है तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो उनचास में से तेईस चला जाएगा तो कितना हो जाएगा ट्वेंटी सिक्स अपॉइन्ट फोर्टी नाइन इज़ द करेक्ट आंसर कौन सा ऑप्शन है सर तो ट्वेंटी सिक्स अपॉइंट फोर्टी नाइन डी फॉर देवसेना कितना हो जाएगा तो ट्वेंटी सिक्स अपॉइंट उनचास हमारा करेक्ट आंसर अब मैं आपको थोड़ा बढ़िया तरीके से बढ़िया पॉइंट में आपको क्लियर करता हूँ मैं इससे बढ़िया लेवल का आपको एग्जाम्पल देता हूँ बढ़िया लेवल का जी हाँ बिल्कुल मैं आपको यहाँ एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मेरे पास दो थैली नहीं है मेरे भाई अब मेरे पास तीन पोटली है और मैंने यहाँ पर क्या किया है तो मैंने यहाँ पर इसके अंदर में पांच ब्लू बॉल रखे हुए हैं ठीक है दो मैंने यहाँ पर रेड बॉल रखे हुए हैं और मान लो यहाँ पर एक मैंने ग्रीन बॉल रखा हुआ ठीक है एक क्यों रखूंगा भाई तीन रखूंगा यहाँ पे क्यों एक रखूंगा मैं दूसरी मेरे पास एक और थैली है थोड़ा सा बढ़िया तरीके का इसके अंदर मैंने छह ब्लू गेंदे रखी हुई हैं ठीक है ठीके? यहाँ पर चार मेरे भाई मैंने रेड गेंदे रखी हुई हैं और मैंने यहाँ पर चार जो है वो ग्रीन गेंदे रखी हुई हैं और यहाँ पर मेरे भाई तीसरा जो केस है यहाँ पर ऐसा है कि मैंने आठ मान लो ब्लू गेंदे रखी हुई हैं पांच मेरे भाई रेड गेंदे यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ सात मेरे भाई ग्रीन गेंदे मौजूद है ठीक है ये हमारा है मैंने कहा यार है ना अब है ना मेरे को तीन गेंदे निकालनी है इसमें से भी एक निकालना है इसमें से भी एक निकालना है इसमें से भी एक निकालना है और मुझे बस ये बता दो कि मैं हर किसी में से एक, एक गेंद निकालूंगा तो यहाँ पर जो है वो मेरा सेम कलर का क्या होगा और मेरे भाई दूसरी बात यहाँ पर डिफरेंट कलर क्या होगा मैंने जिंदगी में कोई चीज़ तो भाई आप लोगों को रटवाया नहीं है ना ना मैं जिंदगी में कभी कोई भी बात रटवाऊंगा भाई कभी नहीं रटवाऊंगा तो मुझे बस यहाँ पर यह बता दो कि सेम कलर क्या होगा और मेरे भाई डिफरेंट कलर क्या होगा मैंने लाइफ में कभी नहीं रटवाया ना मैं कभी रटवाऊंगा ठीक है आप बोलोगे सर सेम कलर पता है क्या है आप यहाँ कलर देखिए जरा कितने कलर हैं आपके पास ब्लू है रेड है है ग्रीन है। तो सर या तो तीनों के तीनों गेंद आपके रेड रेड निकलेंगे और पर पर भाई है ना आप इसको चार रेड मार यहां पर कितना मार चार मारो 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 कितना फिलहाल के लिए सर या तो तीनों के तीनों, के तीनों कलर जो है वो आपके रेड होंगे या तीनों के तीनों ब्लू होंगे या तीनों के तीनों क्या होंगे ग्रीन होंगे तो मैंने यहाँ पर कहा कि मानो यहाँ पर सारे ऑल यहाँ पर सारे के सारे अगर मानो कि ब्लू होते हैं सारे के जो मैंने निकाली है सारी की सारी ब्लू है तो मेरे भाई यहां कितनी गेंदे हैं पांच चार नौ और तीन बारह तो बारह गेंदों में सॉरी यहाँ पर माफ करना हा सही मैं लिख रहा हूं इस थैले में जब मैं हाथ लगाता हूं तो इसके अंदर में कुल मिलाकर बारह गेंदे होती हैं और उस बारह गेंदों में रेड आने की संभावना कितनी सॉरी ब्लू आने की संभावना कितनी होती है तो पांच यानी जब मैं इसमें से एक गेंद निकालूंगा सिर्फ एक गेंद के लिए बात कर रहा हूं मैं कि जब मैं इसमें से एक गेंद निकालूंगा तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो गेंद मेरी ब्लू हो तो बोलोगे सर बारह बॉलों में पाँच की प्रोबेबिलिटी है ठीक है उसके बाद अगर मैं इसमें हाथ लगाऊंगा क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो बॉल मेरे भाई ब्लू हो तो बोलोगे छः चार दस चार चौदह तो बोलोगे सर यहाँ चौदह और चौदह में कितनी गेंदे ब्लू हैं तो इतना ठीक है उसके बाद सर अगर मैं इसमें हाथ लगाऊंगा तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो हमारी ब्लू हो तो बोलोगे सर आठ सात पंद्रह पाँच बीस यानी कितना हो जाएगा सर बीस और उसमें ब्लू आने की संभावना कितनी आठ और बीच में क्या करेंगे मल्टीप्लाई क्यों मल्टीप्लाई करेंगे भाई इसी वजह से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि मुझे एक यहां से भी चाहिए एक यहां से भी चाहिए और एक यहां से भी चाहिए तो जब मुझे तीनों जगह से एक एक चाहिए एंड का केस बनता है तो बीच में हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं तो सारे के सारे ब्लू हों तो ये हमारा हो जाएगा फिर उसके बाद मेरे भाई ब्लू के बाद अगर मान लीजिए कि सारे के सारे रेड निकल जाए तो रेड निकल जाए तो यहां पर क्या होगा तो रेड की अगर हम बात करते हैं तो जैसे मानो मैंने इसके अंदर हाथ लगाया और रेड बॉल निकालने की कोशिश की तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि रेड निकले तो बोलोगे सर बारह गेंदों में बारह गेंदों में रेड आने की संभावना कितनी है तो चार है उसी तरीके से यहां पर यहाँ पर कितने गेंदे हैं तो यहाँ पर चौदह गेंदे हैं और चौदह में रेड आने की संभावना कितनी है चार है वहां पर मेरे भाई कितना है बीस गेंदे हैं और बीस में आने की संभावना कितनी है तो पांच है तो ये हमारा क्या निकल जाएगा तो ऑल रेड का निकल जाएगा नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ऑल ग्रीन की मेरे भाई बताना जरा तो क्या बोलोगे बोलोगे सर ग्रीन आने की संभावना इसमें कितनी गेंदे है? 12, और ग्रीन आने, आने की संभावना कितनी है तो सात है यहाँ पर सर हमारा ऑल ब्लू निकल गया ऑल रेड निकल गया ऑल ग्रीन निकल गया अब सर वही बात है मैं क्या बोलूंगा या तो मुझे ब्लू ला दे दो या मुझे रेड ला दे दो या मुझे ग्रीन दे तो मुझे कोई भी दे दो चलेगा यहाँ पर ठीक है तो इसको हम क्या बोलते हैं इक्वेशन नंबर वन यहाँ पर क्या बोलेंगे नंबर टू और यहाँ पर क्या बोलेंगे इक्वेशन थ्री। तो जब आपको इसमें फाइनल आंसर निकालना होगा ना तो फाइनल आंसर निकालने के लिए एक में दो को जोड़ो और यहां पर कितने को जोड़ो तीन को ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा कैलकुलेशन आप खुद कर लेना सॉल्व आप खुद कर लेना इसमें मेरी आवश्यकता नहीं पड़ेगी ठीक है ऑप्शन रहता तो मैं सॉल्व कर देता आप लोगों के लिए पूरा बढ़िया तरीके से लास्ट में मैच करवा देता ऑप्शन नहीं है तो छोड़ो यहां पे खुद से कर लेना ये तो मेरा सेल्फ मेड क्वेश्चन था आप लोगों के लिए तो जब यहां निकालना होता क्या करते तीनों को जोड़ देते हैं अच्छा उसके बाद डिफरेंट कलर का आंसर निकालने के लिए क्या करते तो वहीं काम वन माइनस क्या हो जाता सेम कलर तो यहाँ जो भी तुम्हारा सेम कलर का आंसर आता मेरे भाई यहाँ पर वन में से उसको माइनस कर देते तो तुम्हारा क्या निकल के आ जाता तो डिफरेंट कलर निकल के आ जाता तो ये छोटी छोटी बातों का दोस्त यहाँ पर ध्यान रख रहे हैं आपको तो मुझे लगता है कि अब सेम कलर और डिफरेंट कलर में बहुत उम्दा लेवल का कंसेप्ट आपका क्लियर है कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी अब आज ये दो सवाल हैं जनाब आपके एक हमारा ये फोर्टी टू फोर्टी थ्री फोर्टी फोर है ये हमारे कुछ कार्ड वाले क्वेश्चन हमारे रह गए थे अब ये कार्ड वाले क्वेश्चन जो है ये हम लोग समझ लेते हैं और उस कार्ड वाले क्वेश्चन के बाद तो हम लोग आगे बढ़ेंगे और उसके बाद नेक्स्ट पार्ट को हम लोग सीखेंगे यहाँ पे तो क्वेश्चन में क्या बोला गया पर्सन ड्रॉ थ्री कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली टू रेड कार्ड बहुत आसान सवाल भाई इतना तुम इस लेवल का पढ़ा दिए कि अभी इस वाले क्वेश्चन का तो मेरे भाई आंसर दे ही सकते हो ठीक है एग्जैक्टली टू रेड कार्ड बहुत ही प्यारा तो बोला गया पर्सन ड्रॉ थ्री कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ फिफ्टी टू कार्ड गेटिंग एग्जैक्टली टू रेड कार्ड अब यहाँ देखो मेरे भाई सबसे पहले ये जो बावन कार्ड हमारे होते हैं तो ये बावन कार्ड में मेरे भाई क्या होता है तो बावन कार्ड में हमारे कितने होते हैं तो छब्बीस हमारे रेड कार्ड होते हैं और यहां पर मेरे भाई छब्बीस हमारे ब्लैक कार्ड होते हैं ठीक है छब्बीस हमारे क्या होते हैं तो ब्लैक कार्ड होते हैं हमसे पूछा गया कि यार है ना मैं तीन गेंदे निकाल रहा हूँ सही से देखिएगा यहाँ पे तीन गेंदे वो निकालता है या तीन गेंद आप गेंद आप कार्ड को मान लो कि भैया है ना इसके अंदर जैसे मानो मैं यहां पर 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 समझो 26 लाल गेंदे हैं और 26 ब्लैक गेंदे हैं इसके अंदर में 26 लाल गेंदे हैं और 26 ब्लैक गेंदे हैं मैं तीन गेंदे उसमें से निकालता हूँ तीन गेंदे मैं उसमें से निकालता हूँ क्या प्रोबेबिलिटी है क्या प्रायिकता है कि उन तीन गेंदों में दो जो हो दो एग्जैक्टली मिनिमम एट लीस्ट एट मोस्ट फलाना ठिकाना कुछ भी नहीं एग्जैक्टली exactly, दो लाल गेंद हो तो भैया दो लाल गेंद होगा तो एक कौन सा कलर होगा ब्लैक ही होगा ना यार कॉमन सेंस की बात है तीन गेंदे निकालता हूं जिसमें से मुझे दो लाल ही चाहिए तो एक ब्लैक चाहिए पांच गेंदे निकालूंगा दो लाल चाहिए इसका मतलब तीन ब्लैक चाहिए पांच गेंदे निकालूंगा तीन लाल चाहिए इसका मतलब तीन लाल तो मेरा दो क्या चाहिए ब्लैक चाहिए बीस गेंदे इसमें से निकाल रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पर मानो मुझे उसमें से सिर्फ चार लाल चाहिए तो यानी सोलह मुझे ब्लैक चाहिए तो एग्जैक्टली का मतलब यही होता है ठीक है तो मैंने यहाँ पर क्या कहा कि मेरे भाई हमें कितना रेड चाहिए तो हमें यहाँ दो रेड चाहिए तो अगर दो रेड चाहिए और मैं निकाल कितनी गेंद दे रहा हूं तीन तो दो रेड निकलेगी तो एक मेरे भाई क्या निकलेगी तो ब्लैक निकलेगी यहाँ पे यानी मुझे ये भी चाहिए और मुझे ये भी चाहिए तो मेरे भाई आंसर में आप मुझे बताओ पहली बात है रेड के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी तो यहाँ छब्बीस में से दो तो क्या बोलोगे छब्बीस सी टू बोलोगे ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी तो छब्बीस सी वन बोलोगे मैंने आपको कहा था कि जब ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट हो या ऐसे समझ लो दोनों को जोड़ने पे अगर टोटल आ जाए तो बीच में क्या आता है मल्टीप्लाई इसका मतलब मुझे ये भी चाहिए और ये भी चाहिए ये आसान भाषा में कह लो सर कि अगर लाल भी चाहिए और ब्लैक भी चाहिए तो मल्टीप्लाई करते हैं लेकिन अगर कंडीशन ऐसा हो या तो तुम ये ले लो नहीं तो तुम ये ले लो तो प्लस लेकर आते हैं तो ये हमारा हो गया सर कि ये हमारी प्रोबेबिलिटी है और कितने कार्ड्स में या कितने गेंदों में तो में से बावन में से कितने उठाने हैं तीन उठाने हैं तो ये लिख लिया मेरे भाई छब्बीस इंटू पच्चीस और बट्टे में कितना आएगा तो मेरे भाई दो फैक्ट्री इंटू यहां पर 26 को एक टर्म तक लिखना है तो 26 और बट्टे में कितना एनसी वन का मतलब ही होता है एन सी वन का मतलब मेरे भाई कितना होता है तो एन होता है डिवाइडेड बाई जना बावन सी थ्री तो बावन का मतलब बावन इंटू इक्यावन इंटू पचास और बट्टे में क्या हो जाएगा तीन फैक्टोरियल तीन मतलब तीन इंटू दो इंटू एक सॉल्व कर लो भाई तुम्हारा आंसर आ जाएगा कहाँ पड़े हो चक्कर में देखो यहां तुम्हारा आंसर आ चुका है देखो न्यूमरेटर न्यूमरेटर को काटता है डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर को काटता है इसका हर इसके हर को काटेगा इसका अंश इसके अंश को काटेगा मेरे भाई ढंग से ठीक है और मेरे भाई और काट सकते हो तो यहाँ पर ये यह काट सकते हो अच्छा पच्चीस से जैसे मेरे भाई यहाँ पर तुम दो बार में काट सकते हो ठीक है अब मैं और काटने को तो काट सकता हूँ लेकिन आप कन्फ्यूज ही आ जाएंगे इसीलिए हम नहीं काटेंगे हालांकि काटने को एक और वैल्यू बताऊँ कैसे काट सकते हैं देखो थोड़ा सा अगर काटोगे तो जैसे दो से तुमने इसको काट लिया कितनी बार में तेरह बार में और तीन से न, काट लिया तुमने कितनी बार में तो मेरे भाई सत्रह बार में तो यहाँ ऊपर में क्या बचा सिर्फ और सिर्फ तेरह यहाँ कुछ बचा तो नहीं यहाँ क्या बचा सत्रह 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 इंटू दो हमारा चौंतीस तो आंसर कितना आएगा तेरह बटे चौंतीस हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्टी वाला जो कार्ड वाला है

ठीक है कि हम उसको कॉन्टिन्यूसली रिप्लेस कर रहे हैं उसके जगह पे हम किसी और को लेके आ रहे हैं तो हमारा टोटल कभी बदलेगा नहीं बदलेगा जैसे आपके क्लास के चार लड़कों को मैंने बाहर भेज दिया उनके जगह पे चार नए बुला दिए तो टोटल कभी आपका बदलने नहीं वाला है टोटल आपका सेम रहता है तो विथ रिप्लेसमेंट में जो टोटल वैल्यू होती है वो सेम रहती है तो क्वेश्चन में कहा गया कि एक व्यक्ति यहाँ से तीन पत्ते निकाल रहा है कितने में से तो बावन में से प्रायिकता क्या है कि सारी की सारी रेड कार्ड होंगी तो मेरे भाई सबसे पहले यहाँ पर आपको मैं छोटी सी बात बताता हूँ कि हमें कितने कार्ड चाहिए तीन कार्ड चाहिए और सारी की सारी तो जब मैं इसमें पहली बार हाथ लगाऊंगा जब मैं इसमें पहली बार हाथ लगाऊंगा उसमें मेरे भाई यहाँ पर कितने कार्ड होंगे तो बोलोगे पहली बार गुरुदेव जब आप इसमें हाथ लगाओगे ना तो उसके अंदर में बावन कार्ड होंगे और उस बावन में यहाँ पर जो है रेड कितना होगा तो बोलोगे छब्बीस होगा सर कितना हो जाएगा तो सर छब्बीस होगा ठीक है। फिर मैंने एक लाल कार्ड देखा अच्छा ठीक है फिर उसके बाद तीसरी बार हाथ लगाऊंगा तो तो कितना होगा तो बावन होगा, इसमें होगा, तो 52 होगा। और इसमें कितने होंगे तो छब्बीस पत्ते होंगे बोलोगे विथ रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट में फर्क क्या है तो मेरे भाई ये जो सवाल है ना तुम्हारा ये देखो ये सवाल है मेरे भाई यहां पर विथ रिप्लेसमेंट का ये सवाल हमारा कितना है तो ये सवाल मेरे भाई विथ रिप्लेसमेंट का है अगर यही सवाल आप विदाउट में करते ना तो विदाउट में बताता हूँ क्या होता बावन पत्ते थे उसमें से कितने हो गए छब्बीस आपके लाल हो गए अब क्या होगा कि जो लाल था आपने उसमें से निकाल के अपने जेब में रख लिया उसके जगह पर किसी को बैग में नहीं रखा तो अब जेब में रख लिया तो अब अब उसमें उसमें कितने कितने पत्ते बच गए तो अब मेरे उसमें कितने बच तो मेरे भाई यहां बोलोगे इसमें इसमें से से एक एक कम तो इसमें से भी एक कम तो भी कितना हो जाएगा 25. फिर वो कटवा निकाल के फिर अपने जेबों में डाल लिये तुम अब इसमें से भी एक कम हो जाएगा तो इक्यावन तो से कितना हो जाएगा पचास और इसमें से कम हो गया तो कितना हो जाएगा चौबीस तो यही दो केस बनता है विथ रिप्लेसमेंट का मतलब घड़ा भरता रहेगा भरता रहेगा भरता

कि सर हम विदाउट रिप्लेसमेंट चाहते हैं तो विदाउट रिप्लेसमेंट चाहते हैं तो बस हो गया सवाल सॉल्व यार ये कोई सवाल है एक बटे कितना हो गया दो यहाँ पर एक बटे हो गया दो और यहाँ पर हो गया एक बटे दो तो आंसर कितना हो जाएगा एक बटे आठ बात का तुम तो। यानी ऑप्शन या नंबर क्या होगा तो सी होगा चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या बोला गया प पर्सन ड्रॉ थ्री कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ फिफ्टी टू कार्ड एक व्यक्ति बावन पत्तों में से तीन पत्ते निकालता है क्या प्रायिकता है मेरे भाई कि नन ऑफ द कार्ड इज एन एस उनमें से कोई भी कार्ड इक्का नहीं है कोई भी कार्ड इक्का नहीं है कोई भी पत्ता इक्का नहीं है मैंने आपसे क्या कहा था इक्का आने की संभावना में से टोटल में से इक्का आने की संभावना घटा दो जैसे पर 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 अगर मुझे यहाँ पर यह पता करना है कि नन ऑफ द कार्ड इज एस तो मेरे भाई नो एस no का मतलब यहाँ पर क्या होता है तो नो no एस का मतलब वन माइनस एस होता है बात खत्म हम यहां पर ऐसे कर सकते हैं कि सर अगर मान लीजिए कि सर नो no एस हमें निकालना है तो नो no एस को निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे वन माइनस एस कर देंगे एक तो सर

कि जब भी रिप्लेसमेंट की बात आए ना तो रिप्लेसमेंट में इतना समझ लेना कि जो पहला टर्म आएगा उसी को बार बार रिपीट करना है तीन बार रिप्लेसमेंट बोले तो उसको पावर तीन कर दो क्यूब कर दो जैसे मानो वन अपॉइंट टू का क्यूब कर देते तो तुम्हारा वन अपॉइंट एट आ जाता तो रिप्लेसमेंट में क्या होता है कि पहली बार जो आता है उसको उतना पावर दे देते हैं जितनी बार रिपीट हुआ है तीन बार रिप्लेसमेंट किया तो पावर में तीन चार बार किया तो पावर में चार पाँच बार किया तो पावर में पाँच इस तरीके से आप यहाँ पर कर सकते हो तो रिप्लेसमेंट में एक ही टर्म को कंटिन्यूसली बार बार रिपीट किया जाता है तो पहला टर्म निकाल लो उसकी पावर लगा दो तो बाकी सारे निकल जाते हैं अब इसमें बोला कि यार तुमने ना तीन कार्ड निकाले हैं तीन कार्ड निकाले हैं तो प्रोबेबिलिटी बताओ इक्का ना है मैं चाहता हूँ इसमें इक्का ना आए आप लोग मुझे बताओ क्या करना चाहिए मैं चाहता हूं कि यार ना आप आओ आप इसमें से कार्ड निकालो और कोई भी कार्ड निकालो बट इक्का ना आए ठीक है मैं चाहता हूँ आप कभी नहीं हारो मैंने दुनिया के आगे ये कह रखा है कि एक इंसान ऐसा है कि अगर ये इसमें निकालेगा ना तो इक्का कभी आएगा ही नहीं और मैं आपको सही साबित करना चाहता हूँ मैं क्या करूँगा मैं मेरे भाई आपकी इज्जत को बचाने के लिए इसके अंदर के सारे इक्के निकाल के फेंक दूंगा अब इसमें इक्का रहेगा ही नहीं और अगर इसमें इक्का नहीं रहेगा तो गारंटी कहता हूं कि आप कोई भी कार्ड निकालोगे उसमें इक्का नहीं मिलेगा यानी अगर मैं चाहता हूं कि इक्का ना आए तो उसके लिए मुझे इसके सारे इक्के क्या करने होंगे फेंक देने होंगे निकाल के ठीक है तो वही वाली बात है यहाँ पर कि सर इसमें से बावन कार्ड में से आपने चार फेंक दिए या समझ लीजिए चार इक्के थे तो इक्का कितना नहीं था तो अड़तालीस ठीक है तो वही वाली बात है सर कि इक्का ना आए यहां पर नो एस तो नो एस का मतलब क्या हो गया कि बावन पत्तों में अड़तालीस पत्ता इक्का नहीं है चार पत्ता अगर इक्का बोलेगा कि मुझे देखो अगर एस चाहिए तो एस के लिए बोलूंगा बावन में कितना है तो चार और नो एस का मतलब यहाँ पर कितना है बावन में कितना नहीं है मेरे भाई तो अड़तालीस तो ऐसे समझ लो एस चाहिए तो ये लो नो एस चाहिए तो मेरे भाई यहाँ पर ये लो बस ठीक है अच्छा ये प्रोसेस कितनी बार रिपीट हुआ है कितने कार्ड आपने निकाले हैं तीन तो इसको कितनी पावर लगा दो तीन मेरे भाई अगर आपने चार निकाले होते तो चार लगा दो पांच निकाले होते पांच निकाल दो बस तो चार से काटोगे तो बारह बार में चार से काटोगे तेरह बार में बारह का क्यूब कितना होता है सत्रह सौ अट्ठाईस और तेरह का क्यूब होता है इक्कीस सौ संतानवे करेक्ट आंसर मेरे भाई कौन सा है तो ऑप्शन नंबर आओ कभी हवेली पे तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सिक्स जरा देखिए मिसलिनियस सवालों का जो लेवल है वो मेरे भाई थोड़ा सा ऊपर होगा बाकी सवालों के तुलना में और इनमें जो कंसेप्ट भी इस्तेमाल होंगे थोड़े बढ़िया लेवल के कंसेप्ट हमारे इस्तेमाल होंगे तो थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना है यहाँ पे

यदि हम दो फलों को यादृक्षिक रूप से चुनते हैं तो इसकी क्या प्रायिकता है कि ये दोनों संतरे हैं या दोनों दोषपूर्ण नहीं अब अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास क्या है तो हमारे पास एप्पल भी है और हमारे पास ऑरेंज भी है कुछ उसमें डिफेक्टिव भी हैं और कुछ उसमें नॉन डिफेक्टिव भी हैं तो मैं ऐसा एक टेबल आप लोगों के लिए बना देता हूँ ठीक है मैं ऐसा एक टेबल आप लोगों के लिए बना देता हूँ यहाँ पे देखिएगा ज़रा सबसे पहली बात यहाँ पर जो है बात करते हैं यहाँ पे तो कुल मिलाकर हमारे पास कितने ऑरेंजेस हैं तो आप बोलोगे सर देखो एक व्यक्ति के पास दस एप्पल है जिसमें से तीन जो है एप्पल डिफेक्टिव है तो एक बात बताओ यदि उसके पास तीन एप्पल डिफेक्टिव है तो यहाँ कितना नॉन डिफेक्टिव होगा तो बोलोगे सर सात नॉन डिफेक्टिव होगा डिफेक्टिव का मतलब खराब होना होता है फिर उसके बाद वहाँ पर उसके पास बीस जो है वो संतरे हैं जिसमें से पांच संतरे खराब तो यदि उसके पास, पास पांच संतरे मेरे भाई खराब हैं तो कितने खराब नहीं है तो वो है पंद्रह दस सेव है तीन खराब है तो सात खराब नहीं है बीस संतरे हैं पांच खराब है तो पंद्रह नहीं है क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है ज़रा देखिए तो क्वेश्चन में हमसे कहा है कि व्हाट इज़ द प्रोबिलिटी आइदर बोथ द आइदर बोथ आर ऑरेंजेस या तो दोनों के दोनों क्या होने चाहिए तो ऑरेंज होने चाहिए या फिर मेरे भाई दोनों के दोनों क्या होने चाहिए तो नॉन डिफेक्टिव होने चाहिए मतलब मेरे पास एक थैला है उसके अंदर में मेरे भाई सेफ भी है उसके अंदर में ऑरेंज भी है उसके अंदर कुछ डिफेक्टिव आइटम्स भी हैं तो जब मैं उसमें से पिक करूंगा तो क्या प्रायिकता होगी सबसे पहली बात कि दोनों जो हैं हमारे यहाँ ऑरेंज होंगे या फिर हमारे दोनों के दोनों नॉन डिफेक्टिव होंगे सबसे पहली बात यहाँ आप देखेंगे तो और है और मेरे भाई और का मतलब क्या होता है तो प्लस होता है और का मतलब क्या होता है तो प्लस होता है इस बात को ध्यान रखना आप यहाँ पे और का मतलब क्या होता है प्लस होता है तो बूथ आर ऑरेंज ऑरेंज होने की प्रायिकता क्या है सबसे पहले मेरे भाई आप यहाँ पर यह देखो तो पहली बात ऑरेंज हमारे पास है कितने देखो ये हमारे पास टोटल दस है और ये हमारे पास टोटल बीस है तो अगर हम ऑरेंज होने की प्रायिकता देखते हैं तो हमारे पास ऑरेंज कितने हैं तो बोलोगे कि सर ऑरेंज आपके पास कितने हैं तो ऑरेंज को आप देखिए तो आपके पास बीस ऑरेंज है तो मुझे बीस ऑरेंज में से कितना चूज करना है तो बीस ऑरेंज में, में से मुझे दो चूज़ करना है समझ रहे हैं बात को लेकर यहाँ बोला गया वी चूज़ टू फ्रूट एट रैंडम यदि हम दो फल निकालते हैं तो मेरे भाई बीस में से हमें कितना निकालना है तो दो निकालना है तो ये किसके लिए हो जाएगा तो ऑरेंज फिर उसके बाद बोलता है कि बोथ आर नॉन डिफेक्टिव क्या प्रायिकता है मेरे भाई कि दोनों नॉन डिफेक्टिव हों तो नॉन डिफेक्टिव अगर आप देखोगे तो नॉन डिफेक्टिव आपके पास कितने फल हैं तो यहाँ पर बाईस फल हैं पंद्रह है और सात है यानी कुल मिलाकर हम बोलेंगे बाईस सीटू हो जाएगा कि बाईस फलों में से मुझे दो फल निकालने हैं लेकिन मेरे भाई यहाँ एक गड़बड़ी हो गई और यहाँ गड़बड़ी क्या हो गई जब हमने ऑरेंज की संख्या को लिया तो भी ये पंद्रह को हमने काउंट कर लिया और जब हमने नॉन डिफेक्टिव को लिया तो भी ये पंद्रह को काउंट कर लिया आप यहाँ देख सकते हैं ये चीज़ दो बार ओवरलैप हो गई है एक बार इधर से काउंट करते वक्त काउंट हो गया है और एक बार ऊपर से काउंट करते वक्त काउंट हो गया है तो ये वैन डायग्राम का केस बन गया वेन डायग्राम में ऐसे होता है ना यहाँ पर कि ये दो चीज़ें ओवरलैप कर जाती हैं तो हम क्या बोलते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए फिर उसके बाद यहाँ क्या बोलते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी और उसके बाद ये जो बीच वाला पार्ट होता है जो दो बार ओवरलैप होता है उसको हम यहाँ पर माइनस कर देते हैं कि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तो ये हमारा नंबर ऑफ ए था ये हमारा नंबर ऑफ बी था और बीच वाली संख्या हमारी दो बार काउंट हो गई तो उसको माइनस करना पड़ेगा ठीक है तो यहाँ पर क्या बोलेंगे तो यहाँ पर बोलेंगे सर ये माइनस करो पंद्रह यानी यहाँ पर हो जाएगा पंद्रह सीटू जो होगा वो क्या होगा तो माइनस हो जाएगा आउट ऑफ टोटल हमारे कितने हैं तो बोलोगे दस एप्पल है और बीस ऑरेंज है यानी टोटल हमारे कितने हैं तो तीस हैं और मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा तीस सी टू यहाँ पे तो पहला हमने जो पिक किया वो हमने ऑरेंज पिक किया है दूसरा हमने नॉन डिफेक्टिव पिक किया है और माइनस किया है उसको जो मेरे भाई दो बार डबल काउंटिंग हो गई है अब यहां पर अगर हम बात करते हैं तो यहां पर जो है हम देखते हैं थोड़ा तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे तो बीस सी का मतलब बीस को कितनी बार लिखना तो दो बार लिखना तो बीस इंटू डिवाइडेड बाई कितना मेरे भाई दो फैक्टोरियल आ जाओ बाईस सीटों का मतलब बाईस को दो बार लिखना तो बाईस इंटू इक्कीस डिवाइडेड बाई दो फैक्टोरियल ठीक है पंद्रह सीटों का मतलब होता है हमारा पंद्रह इंटू चौदह डिवाइडेड बाई कितना तो दो फैक्टोरियल ठीक है उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा तीस सीटू तीस का मतलब वही हो गया तीस इंटू उनतीस और डिवाइडेड बाई कितना तो दो फैक्टोरियल जो हमारे कॉमन डेटा है हम क्या करेंगे उसे काट देंगे जैसे हमारा अब दो हो गया दो हो गया दो हो गया दो हो गया ठीक है उसके अलावा हम न्यूमरेटर से भी हर किसी के काट सकते हैं और न्यूमरेटर से कैसे काट सकते हैं जैसे मानो दो से हमने इसे काटा दस बार में दो से हमने यहाँ पर काटा ग्यारह बार में दो से हमने काटा सात बार में और दो से हमने काटा पंद्रह बार में ठीक है और कोई कटिंग फिलहाल हम करने की स्थिति में नहीं है तो हम यहाँ बोलेंगे सर दस इंटू उन्नीस यानी कितना एक सौ नब्बे हो जाएगा ग्यारह इंटू इक्कीस सर कितना हो जाएगा तो दो सौ इकतीस हो जाएगा सर ठीक है और यहाँ पर पंद्रह का सात गुना कितना हो जाएगा तो एक सौ पाँच हो जाएगा डिवाइडेड बाई यहाँ पर कितना हो जाएगा तो पंद्रह का नौ गुना एक सौ पैंतीस पाँच तेरह पास में पंद्रह गुना तीस और तेरह कितना हो जाएगा तो फोर थर्टी फाइव हो जाएगा ठीक है अब यहाँ ऊपर में देखिए तो ऊपर में आपको क्या मिलेगा तो ऊपर में यदि आप बात करेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर एक सौ नब्बे और दो सौ इकतीस हमारा कितना हो गया तो दस इसको दे दो तो दो सौ और चार सौ इकतालीस चार सौ इकतालीस आपका तीन सौ कितने के करीब में आ जाएगा आपका कुल मिलाकर आपका जो है ये तीन सौ सोलह के करीब में सही लिखा हमने एक हो गया दो एक तीन हो गया हमारा सही है कोई दिक्कत नहीं होने से पंद्रह छः नब्बे पंद्रह सात एक सौ पाँच ठीक है बिल्कुल मेरे भाई 316 सो हो जाएगा आपका 316 सो और बट्टे में कितना हो जाएगा 435 हो जाएगा ऐसे भी आप देखो 11 में से पांच गया तो क्या कि अंक पे छह आना चाहिए ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है जिससे सवाल को आप देखिए किसी परीक्षा में ए और बी के उत्तीर्ण होने की प्रायिकता ए के उत्तीर्ण होने की प्रायिकता इतनी है बी के उत्तीर्ण होने की प्रायिकता इतनी है उनमें से कम से कम एक परीक्षा में उत्तीर्ण कर जाए आपको याद है कल मैंने कहा था कि एटलीस्ट वन का केस हमारा कैसे बनता है बताइए एटलीस्ट वन का केस हमारा कैसे बनेगा बताओ तो मैंने कहा था अगर कभी भी तुम्हें एटलीस्ट वन का केस निकालना हो कभी भी तुम्हें मेरे मेरे भाई एटलीस्ट वन का केस निकालना हो कि कम से कम एक का प्राप्त हुआ या एक जो है मेरे भाई पास हुआ है तो क्या बोला एटलीस्ट वन पास तो एटलीस्ट वन पास के लिए आपको क्या करना पड़ेगा तो आपको मेरे भाई टोटल में से क्या करना होगा टोटल में से फेल की संख्या को घटा देना होगा ये ऐसे कह दीजिए कि सर टोटल में से नो पास हम माइनस कर देंगे तो हमारा हो जाएगा कि सर मान लीजिए कोई बच्चा पास ही नहीं हुआ है मान लीजिए कि सर कोई भी बच्चा जो है वो पास नहीं हुआ है नो पास है सर ठीक है नो पास का हम यहाँ क्या करते हैं टोटल में से घटा देते हैं अब बोलोगे सर ये कैसे बनेगा क्या बनेगा तो देखते चलो टोटल कभी भी अपने आप में क्या होता है तो वन होता है जैसे पास प्लस फेल कितना हो जाएगा वन परसेंटेज में अगर हम बात करेंगे तो पास वाले को फेल वाले के साथ जोड़ दोगे तो सौ परसेंट कहलाएगा और प्रोबेबिलिटी में अगर बात करोगे तो पास में फेल को जोड़ दोगे तो मेरे भाई वन हो जाएगा ठीक है उसके बाद यहाँ पर माइनस कर देंगे नो पास के बारे में तो यहाँ पर पास करने वाले बच्चे कितने हैं तो पास देखो यहाँ पर ए के पास होने की संभावना दो बटे तीन है यानी तीन बार में दो बार वो पास हो जाता है तो फेल कितनी बार होगा थ्री माइनस टू यानी वन अपॉन थ्री हो जाएगा मेरे भाई तो ये हमारे ए के फेल होने की संभावना है और उसके बाद यहाँ पर बी के फेल होने की संभावना कितनी है चार में से तीन घटा दो यानी एक बटे हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो एक में से एक बटे बारह अगर हम घटा देंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा ग्यारह बटे बारह जो कि यहाँ पर क्या होगा तो एटलीस्ट वन का केस हमारा हो जाएगा और ये हमारा सही उत्तर होगा आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है वो भी इसी तरीके का सवाल है और वो भी आपको सेम पैटर्न पर करना है अपना पैटर्न नहीं बदलना है तीन छात्रों को एक समस्या दी जाती है जिसे हल करने की संभावना क्रमशः एक बटे दो एक बटे तीन और एक बटे चार है ये क्वेश्चन को सॉल्व करने की संभावना है क्या संभावना है कि समस्या हल हो जाए क्या संभावना है कि समस्या हल हो जाए देखो तो इसमें कई सारे केसेस बनते हैं जैसे हो सकता है पहला बच्चा सॉल्व कर ले बाकी दोनों ना कर पाए पहला ना करे बाकी दोनों कर पाए पहला और तीसरा ना करे दूसरा कर पाए तो मतलब क्वेश्चन को मुझे किसी भी हाल में सॉल्व करवाना है यानी ये भी कही कहीं ना कहीं एटलीस्ट वन का केस बन जाता है ये भी क्या हो जाता है मेरे भाई यहाँ पर तो एटलीस्ट वन का केस बन जाता है अ प्रॉब्लम इज गिवन टू थ्री स्टूडेंट हु इट आर वन बाई टू वन बाई थ्री वन बाई फोर रेस्पेक्टिवली वट इज द प्रोबेबिलिटी दै प्रॉब्लम विल भी सॉल्व तो अगर मेरे भाई यहाँ पर आप चाहते हो न कि यार प्रोबाबिलिटी क्या है कि सवाल देखो अक्सर क्या होता है सेम डेटा दिए गए होते हैं जैसे मानो सॉल्व होने की प्रायिकता दी है और सॉल्व होने की ही प्रायिकता पूछी है आपसे ठीक है तो उस केस में यदि आपको मेरे भाई सॉल्व का निकालना है data, तो मैंने आपसे एक ही बात कहा था सॉल्व निकालना है तो क्या करना पड़ेगा टोटल में से आपको माइनस करना होगा किसको नॉट सॉल्व को टोटल में से किसको माइनस करना होगा तो नॉट सॉल्व को मेरे भाई माइनस करना होगा तब जाकर आंसर आएगा टोटल आपका कितना है तो वन है नॉट सॉल्व की बात करते हैं दो में एक बार ये सॉल्व कर देता है तो टू माइनस वन यानी मेरे भाई एक बार ये सॉल्व नहीं कर पाएगा उसके बाद तीन में से एक बार सॉल्व कर देता है तो थ्री माइनस वन यानी टू बाई थ्री हो जाएगा नॉट सॉल्व हो जाएगा ठीक है चार में से एक सॉल्व कर देता है तो फोर माइनस वन यानी कितना हो जाएगा थ्री बाई फोर नॉट सॉल्व हो जाएगा ठीक है तो इसके नहीं होने की सॉल्व होने की प्रायिकता एक बटे दो इसके नहीं सॉल्व होने की प्रायिकता दो बटे तीन इसके नहीं सॉल्व होने की प्रायिकता तीन बटे चार है अगर हम एक में से नॉट सॉल्व निकाल देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा मेरे भाई सॉल्व होने की प्रायिकता हमारी निकल जाएगी तो यहां पर सही से देखिए तीन से तीन खत्म दो से दो खत्म तो हमें क्या माइनस करना है one one four, और one one का आंसर हमारा कितना हो जाएगा थ्री बाई फोर हो जाएगा जो कि करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी का होना प्यार है पढ़िए आप लोग इस सवाल को पढ़िए बहुत ही आसान सवाल है द प्रोबेबिलिटी दैट थ्री स्टूडेंट ए बी एंड सी सॉल्व अ प्रॉब्लम आर थ्री बाई सेवन फाइव बाई नाइन एंड वन बाई फाइव रेस्पेक्टिवली वट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व सेम कहानी यहाँ पर है और जो मैंने आपको अभी पीछे करवाया था मेरे भाई सेम डिट्टो वही क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया था इस बार के मेन्स में दो हजार तेईस में कि यार तीन छात्र हैं ए बी और सी उनके द्वारा समस्या को हल करने की प्रायिकता तीन बटे सात है पाँच बटे नौ है और एक बटे पाँच है तो समस्या के हल हो जाने की प्रायिकता हमारी क्या होगी चलिए तो क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोला गया बोला गया व्हाट इज़ द प्रॉल्टी दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व तो अगर सॉल्व करने की बात करते हैं तो हम यहाँ पर एक बार नॉट सॉल्व देखते हैं कि नॉट सॉल्व हमारा कितना होगा तो नॉट सॉल्व के लिए हम क्या बोलेंगे तो वन माइनस देखो यहाँ पे सॉरी हमसे बोला गया कि प्रॉब्लम क्या प्रायिकता है कि प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाए तो प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाए तो सॉल्व होने की जो प्रायिकता होगी वो हमारी क्या होगी तो वन माइनस नॉट सॉल्व होगा क्या होगा तो वन माइनस नॉट सॉल्व होगा यहाँ पर अब उसकी अगर हम बात करते हैं वन माइनस नॉट सॉल्व तो यहाँ पर देखिए पहले व्यक्ति सात बार में तीन बार सॉल्व कर देता है तो कितनी बार सॉल्व नहीं करेगा चार बटे सात दूसरा व्यक्ति नौ में पाँच बार सॉल्व कर देगा तो कितनी बार नहीं करेगा चार बटे नौ करेगा तीसरा व्यक्ति यहाँ पर पाँच में एक बार सॉल्व नहीं करेगा तो हो जाएगा हमारा चार बटे हो जाएगा यह हमारा हो गया यहाँ पर ठीक है आपर, अब अगर हम आगे बात करते हैं तो वन माइनस चार का क्यूब कितना हो जाएगा तो चार का क्यूब हमारा चौंसठ हो गया और यहाँ पर कितना हो जाएगा पैंतालीस का मेरे भाई सात गुना तो अगर हम पैंतालीस का सात गुना देखेंगे तो सात चुप के अठाईस सात पच्चीस पैंतीस तीन सौ पंद्रह आ जाएगा तो यहाँ पर हम कितना लिखेंगे 315 उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा 315 में से 64 आप घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ये आपका हो जाएगा ठीक है कुल मिलाकर से 251 अपॉन कितना 315 इज द करेक्ट आंसर कौन सा ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है आइए यहाँ पर एक और क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा है वो देखिए साठ नंबर सवाल एक आदमी और उसकी पत्नी का एक ही पद पर दो रिक्तियों के लिए साक्षात्कार में शामिल होते हैं पति के चयन होने की प्रायिकता इतनी है और पत्नी के चयन होने की प्रायिकता इतनी है उनमें से केवल एक के चुने जाने की प्रायिकता क्या है ये बड़ा प्यारा सवाल हो जाता है और बहुत आसान सवाल हो जाता है मेरे भाई ठीक है कि जैसे मानो आप हस्बैंड और वाइफ दोनों के दोनों का इंटरव्यू में आपके मेरे भाई सेलेक्ट होने की संभावना इंग्लिश में पढ़ लीजिए अ मैन एंड हिज वाइफ अपीयर इन अ इंटरव्यू फॉर टू वैकेंसीज इन द सेम पोस्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हस्बैंड सिलेक्शन इज 1/7 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइफ सिलेक्शन इज 1/5 व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड कोई एक मेरे भाई सेलेक्ट हो मेरे पास एक ही सीट है मैं एक ही सिलेक्शन दे सकता हूँ अगर मैं हस्बैंड को सेलेक्ट करूँगा तो वाइफ़ को नहीं करूँगा अगर मैं वाइफ को करूँगा तो हस्बैंड को नहीं करूँगा तो वो वाली मेरे भाई बात हो जाती है तो यहाँ कंडीशनस क्या बनेंगे यानी मुझे दो संभावनाओं में से कोई एक पिक करना है एनी वन वाली केस हमारे यहाँ पर आ जाती है तो एनी वन वाले केस को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे ज़रा आप लोग यहाँ पर वो देखिए जैसे एक एक तरीके से ऐसे समझ लीजिए कि सर इसका आंसर किस तरीके से हो सकता है तो इसका आंसर ऐसे हो सकता है कि सर यदि हम लोग हस्बैंड को सेलेक्ट करेंगे ना तो हम लोग वाइफ को सेलेक्ट नहीं करेंगे और यदि सर हस्बैंड को नहीं सेलेक्ट करेंगे तो हम वाइफ को सेलेक्ट करेंगे यानी सर यहाँ पर यह केस बनेगा अच्छा इस केस में थोड़ा ढंग से समझना मेरे भाई यहाँ पर क्या क्या हो सकता है और कैसे कैसे हो सकता है जैसे मानो कि इंटरव्यू में दोनों लोग आए हस्बैंड भी आया और वाइफ भी आई हस्बैंड भी आया और वाइफ भी आई तो यहाँ पर ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ ये चाहिए और ये नहीं चाहिए यानी मुझे ये पूरा का पूरा ग्रुप चाहिए उसमें है ना मुझे दोनों के फॉर्म में साइन करने पड़ेंगे इसके फॉर्म में एक्सेप्टेट करना पड़ेगा इसके फॉर्म में रिजेक्टेड करना पड़ेगा तो इसके बीच में क्या आएगा तो मल्टीप्लाई आएगा यानी कहने का मतलब जब हम एंड लेकर आते हैं तो हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई और जब हम और लेकर आते हैं तो मेरे भाई हम क्या करते हैं प्लस करते हैं ठीक है यानी मुझे हसबैंड के पेपर पे भी साइन करना पड़ेगा वाइफ के भी पेपर पे साइन करना पड़ेगा इसके पे एक्सेप्ट का मोहर लगाना पड़ेगा इसके पे रिजेक्ट का मोहर लगाना पड़ेगा ये पॉइंट नंबर वन हो गया दूसरा केस मेरे भाई जब हस्बैंड का सिलेक्शन ना हो और वाइफ का सिलेक्शन हो जाए तो इसके पेपर पे रिजेक्टेड का मोहर लगाना पड़ेगा इसके पेपर पे एक्सेप्टेड का मतलब ये दोनों चाहिए अब यहाँ पर बात करते हैं मेरे भाई क्या होता है यहाँ पर ठीक है बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर इन दोनों केसेस में से कोई एक पॉसिबल होगा ऐसा नहीं होगा कि ये भी पॉसिबल हो जाए और ऐसा नहीं होगा कि ये भी पॉसिबल हो जाए अगर दोनों के दोनों केस मेरे भाई पॉसिबल हो गए तो हस्बैंड का भी सिलेक्शन हो जाएगा और वाइफ का भी सिलेक्शन हो जाएगा यानी जब ये पॉसिबल एग्जिस्ट करेगा तो ये नहीं करेगा और जब ये करेगा तो ये नहीं करेगा तो इनके बीच में आएगा प्लस मेरे भाई जब भी यहाँ पर ऐसा होता है कि एक के होने की संभावना होती है जैसे मानो या तो ये होगा नहीं तो ये होगा जैसे ऐसे समझ लो कि लाल कलर है मेरे भाई और ब्लू कलर है तो यहाँ रेड एग्जिस्ट कर रहा है तो ब्लू नहीं या ब्लू कर रहा है तो रेड नहीं और इन दोनों में कोई केस एक जो है वो मेरे भाई एग्जिस्ट करेगा यहाँ पे इस बात को ध्यान रखना ठीक है तो आ जाओ चलो सवाल को देखते हैं जरा यहाँ पे तो हमने यहां पर कहा कि ए के सेलेक्ट होने की संभावना वन बाई सेवन है तो यहाँ पर ए अगर हमारा सेलेक्ट होगा तो ए की प्रोबेबिलिटी लिखो सेलेक्ट होने की तो बी की प्रोबेबिलिटी लिखो रिजेक्ट होने की बी के प्रोजेक्ट मतलब यहां वाइफ वाइफ का सेलेक्ट होने का पॉसिबिलिटी कितना है वन अपॉइन फाइव पांच में वाइफ एक बार सेलेक्ट हो जाती है तो कितनी बार नहीं होगी तो बोलोगे सर चार बार नहीं होगी यहाँ पे कितनी बार नहीं होगी तो चार बार नहीं होगी तो यानी हस्बैंड सेलेक्ट होगा तो वाइफ रिजेक्ट होगी हस्बैंड सेलेक्ट होगा तो वाइफ यहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगी प्लस यदि वाइफ सेलेक्ट हो गई यदि हस्बैंड मेरे भाई रिजेक्ट हो गया ठीक है तो अब सात में एक बार सात में एक बार हस्बैंड सेलेक्ट हो रहा है सेवन माइनस वन यानी छः बार क्या हो जाएगा तो वो मेरे भाई रिजेक्ट हो जाएगा हस्बेंड सेलेक्ट वाइफ रिजेक्ट अब हस्बैंड रिजेक्ट तो मेरे भाई यहाँ पर क्या लेंगे हस्बैंड रिजेक्ट का मतलब सेवन माइनस वन सिक्स सिक्स अपॉइन्ट फाइव तो अब हस्बैंड रिजेक्ट हो गया तो वाइफ क्या हो जाएगी सेलेक्ट हो जाएगी और वाइफ का सिलेक्शन का संभावना कितना है तो वन अपॉइंट फाइव तो बड़े प्यार तरीके से समझना पड़ेगा ए अगर सेलेक्ट है तो बी रिजेक्ट है या ए रिजेक्ट है तो बी सेलेक्ट है ए का सिलेक्शन लिखना तो बी का रिजेक्शन लिखना ए का रिजेक्शन लिखना तो बी का सेलेक्शन लिखना मेरे भाई तो ये हो जाएगा हमारा कुल मिलाकर चार बटे पैंतीस और ये हमारा हो जाएगा छः बटे पैंतीस मेरे भाई हो जाएगा हमारा दस बटे पैंतीस तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमने बोला कि आंसर कितना आएगा? दो बटे सात आएगा ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आज ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं और अगला सवाल क्वेश्चन नंबर देखते हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से सवाल को बना पाएंगे ठीक है आ एक भाई और एक बहन एक कार्यालय में दो रिक्त पदों के विरुद्ध साक्षात्कार के लिए आते हैं भाई के चयन होने की प्रायिकता इतनी है और बहन के चयन होने की प्रायिकता इतनी है उनमें से केवल एक को चुने जाने की प्रायिकता क्या होगी सिर्फ एक को चूज करने की यहाँ पे प्रायिकता क्या होगी ठीक है समझिएगा इस बात को लेकर अब ब्रदर एंड अ सिस्टर अपियर फॉर अ इंटरव्यू अगेंस्ट टू वैकेंट पोस्ट यहाँ पे ठीक है इन एन ऑफिस द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्रदर सलेक्शन इज वन बाई दैट ऑफ सिस्टर सेलेक्शन इज इतना व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन ऑफ देम सिर्फ 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 एक मेरे भाई यहाँ पर कोई भी सिलेक्ट हो पाए ओनली वन ऑफ देम की अगर बात की गई है इस क्वेश्चन के पहले जो है मैं आपको थोड़ा सा जो है आपको यहाँ पर समझाऊंगा देखो एक तो यहाँ पर यह हो सकता है कि जो मैंने आपको तरीका बताया आप उससे कर लो आगे चलकर इसमें और भी काफ़ी काफ़ी प्यारे प्यारे सवाल हैं हम ये भी कर सकते हैं अभी बट फिलहाल आप इसको देखिए इसको बताइए ओनली वन ऑफ देम के सेलेक्ट होने की बात हुई है कैसे बोलेंगे तो बोलेंगे सर देखिए जब ब्रदर सेलेक्ट होगा सर तो सिस्टर नहीं होगा यहाँ पर ठीक है इस बात को समझना पड़ेगा कि सर जब ब्रदर सेलेक्ट होगा तो सिस्टर नहीं होगी इनके बीच में क्या आएगा मल्टीप्लाई और जब ब्रदर रिजेक्ट होगा सर तो हो सकता है सिस्टर सेलेक्ट हो जाए इनके बीच भी में मल्टीप्लाई सर या तो ये वाला केस एग्जिस्ट करेगा या तो ये वाला केस तो बीच में क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा इस बात को ध्यान रखिएगा सर तो ब्रदर के सेलेक्ट होने की संभावना क्या है भाई के सेलेक्ट होने की संभावना क्या है तो भाई के सेलेक्ट होने की संभावना वन बाई है तो यहाँ पर कितना लिखेंगे तो बोलेंगे सर ये वन बाई फाइव हो गया यहाँ पे और सिस्टर के सेलेक्ट नहीं होने की संभावना लिखनी है ये सिस्टर के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी है तो नॉट सेलेक्ट का प्रोबेबिलिटी क्या होगा तो तीन में से एक घटा दो यानी टू बाई थ्री तो नॉट सेलेक्ट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी तो टू बाई थ्री हो जाएगी मेरे भाई उसके बाद बोला गया ब्रदर के सिलेक्ट नहीं होने की संभावना तो नहीं होने की संभावना पाँच में से एक चला गया मेरे भाई तो यहाँ पर कितना हो जाएगा तो पाँच में से एक चला गया तो फोर अपॉन फाइव हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पर बोला गया कि सिस्टर के सेलेक्ट होने की संभावना ले लो तो सिस्टर का सेलेक्ट होने का संभावना कितना है तो वन बाई थ्री है सिंपल सी बात है मेरे भाई इसके जीतने की तो इसके हारने की और इसके हारने की तो उसके जीतने की ये वाली कहानी हमें करनी है तो यहाँ बोलेंगे सर ये दो बटे हो जाएगा और ये हमारा चार बटे पंद्रह हो जाएगा ठीक है हम अगर बात करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा छ बटे पंद्रह तीन से काटेंगे दो बार में तीन से काटेंगे पांच बार में टू अपॉन फाइव हमारा करेक्ट आंसर आएगा क्या कोई ऑप्शन है क्या टू अपॉन फाइव तो बिल्कुल मेरे भाई ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है और यही हमारा बिल्कुल सही उत्तर है सत्य उत्तर है आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और अगला सवाल मेरे भाई यहाँ पर देखते हैं एक और क्वेश्चन आपके सामने है ठीक है यहाँ पर क्वेश्चन में मेरे भाई बोला गया है ए सेवेंटी फाइव परसेंट मामले में सच बोलता है बी अस्सी परसेंट मामले में सच बोलता है इनकी क्या प्रायिकता है कि एक ही घटना का वर्णन करते हुए एक दूसरे का खंडन करेंगे एक दूसरे का खंडन करेंगे का मतलब जानते हैं इंग्लिश में भी पढ़ देता हूं मैं कि ए स्पीक Truth in 75% फाइव परसेंट ऑफ़ द केस एंड बी इन एटी परसेंट ऑफ़ द केस वॉट इज प्रोबाबिलिटी दैट दे आर लाइकली टू कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर नरेटिंग द सेम मुझे अभी भी याद है कि ये हमारे आर एस अग्रवाल के नौवीं क्लास में और मेरे भाई ग्यारहवीं क्लास में ये एग्जाम्पल हमारे दिए गए थे इसमें कहने की बात क्या होती है देखो जैसे दो लोग मेरे पास आते हो और दो लोग मेरे पास आते हो तो एक को सच बोलने की चांसेस क्या है एक व्यक्ति उसमें पचहत्तर परसेंट मामलों में सच बोलता है पच्चीस परसेंट तो वो झूठ बोलता ही बोलता है और दूसरा उसकी महिला मित्र आती है तो वो उससे थोड़ी सी ज्यादा ईमानदार है वो मेरे भाई अस्सी परसेंट मामलों में सच बोलती है ठीक है वो कितनी मामलों में सच बोलती है तो अस्सी मामलों में सच बोलती है अब यहाँ पर क्या होगा मैं बोलूंगा अगर मैं एक सवाल दोनों से पूछूं एक ही सवाल और उसी समय दोनों से पूछूँ तो क्या प्रायिकता है कि एक दूसरे का खंडन करेंगे खंडन करने का मतलब क्या होगा यदि एक सच बोलेगा तो दूसरा झूठ बोलेगा या पहला झूठ बोलेगा तो वो सच बोलेगा इसको बोलते हैं खंडन करना खंडन करने का मतलब हो गया कि कॉन्ट्राडिक्ट जैसे कि अगर मैं हाँ हूँ तो आप ना हो या आप हाँ हो तो मैं ना हो मतलब हमारे मतभेद हो हमारे विचारों में क्लैश हो हमारे विचारों में कलह कलेश हो मतलब यहाँ पर कोई अग्रही ही ना करे उसको बोलते हैं खंडन करना तो जाहिर सी बात है यहाँ पर दो लोग हैं मेरे भाई यहाँ ए है और बी है तो जब हमारा ए सच बोलेगा तो हमारा बी क्या होगा तो बी हमारा झूठ बोलेगा और अगर हमारा ए झूठ बोलेगा तो बी हमारा क्या होगा सच बोलेगा तो इसी को बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्ट करना कि क्या अप्रायिकता है मेरे भाई कि वो दोनों एक दूसरे की बातों को यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे एक दूसरे की बातों को काटेंगे अब जब ये सच बोलेगा तो ये झूठ बोलेगा तो मुझे तो दोनों चाहिए यहां पे तो इसीलिए बीच में क्या करूंगा मल्टीप्लाई जब ये झूठ बोलेगा और ये सच बोलेगा तो भी मुझे दोनों चाहिए तो बीच में क्या करूंगा मल्टीप्लाई या तो मैं इस केस को कंसिडर कर सकता हूं नहीं तो मैं इस केस को कंसिडर कर सकता हूं तो इसलिए बीच में क्या आ जाएगा प्लस इंग्लिश में एंड और हिंदी में और हो तो हम मल्टीप्लाई लगाते हैं इंग्लिश में और और हिंदी में या हो तो मेरे भाई प्लस लगाते हैं इस बात का ध्यान रखना ये जब सच बोलेगा तो ये झूठ बोलेगा या ये झूठ बोलेगा तो सच बोलेगा तो उस केस में ये भी चाहिए और यहाँ पर ये दोनों में ये भी चाहिए लेकिन इन दो लोगों में मेरे भाई कोई भी एक केस हमें चाहिए तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या लिखते हैं तो प्लस लिखते हैं तो ये हमारा आंसर हो गया अब ये हमारा आंसर हो गया तो हम जरा यहाँ बात करते हैं पहली बात जो ये परसेंटेज है आपका तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलो क्योंकि प्रोबेबिलिटी के 90 परसेंट सवाल जो होते हैं वो हमारे फ्रैक्शन से ही बनते हैं तो 75 परसेंट को अगर हम तोड़ेंगे तो 75 बटे सौ परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे तोड़ना होता है पता है ना आपको जैसे मानिए 75 परसेंट है मेरे भाई तो हम इसे क्या बोलेंगे 75 परसेंटेज को हटा दो तो नीचे 100 आ जाएगा तो बोलोगे सर तीन बटे चार हो जाएगा यानी अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा किसके बराबर है तो तीन बटे चार के बराबर है और अस्सी का मेरे भाई हो गया चार बटे 5, तो ये हमारा चार बटे के बराबर है समझ में आ गया तो यहाँ पर बोला गया पचहत्तर परसेंट मामलों में ये सच बोलता है ये पचहत्तर परसेंट मामलों में सच बोलता है तो यानी कितना हो जाएगा तो बोलोगे सर ये इसका सच बोलने की प्रायिकता है ठीक है ये हमारा क्या पचहत्तर परसेंट मामलों में सच बोलता है तो थ्री बाई फोर हो जाएगा और बी अस्सी परसेंट मामलों में सच बोलता है तो यहाँ पर जब इससे सच बुलवाना तो इससे झूठ बुलवाना यानी बी की अगर बात करोगे यहाँ पर तो बी का तुम्हारा कितना है तो पांच बार झूठ बुलवाया अब हम ए से झूठ बुलवाते हैं अब हम से मेरे भाई क्या करेंगे तो झूठ बुलवाएंगे तो चार बार में तीन बार ये सच बोलता है तो झूठ तो कितनी बार बोलेगा तो झूठ हमारा बोलेगा मेरे भाई एक बार कितनी बार में तो चार बार में ठीक है अब ए हमारा क्या कर रहा है तो ए हमारा झूठ बोल रहा है तो अब बी से क्या करेंगे तो सत्य बुलवाएंगे तो बी हमारा सच कितनी बार बोलेगा तो चार बटे पांच तो बी हमारा सच कितनी बार बोलेगा तो चार बटे पांच हो जाएगा मेरे भाई बहुत तरीके से बहुत प्यार से यहाँ पर समझिए तो ऊपर हो जाएगा तीन बटे बीस हो जाएगा यहाँ पे और नीचे अगर हम बात करेंगे तो चार बटे कितना हो जाएगा चार बटे बीस हो जाएगा दोनों को यदि हम जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा तो सात बटे बीस हो जाएगा इस बात का ध्यान रखना कौन सा ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली और चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ पर करते हैं और अगला सवाल यहाँ देखो उस सेम उसी तरीके का है और मेरा उम्मीद है कि आप सभी से आप मतलब अभी आंसर फटाक देना दे देंगे बिना किसी देरी के ए स्पीक द ट्रूथ इन सिक्सटीन परसेंट केस एंड बी स्पीक द ट्रूथ इन फोर्टी परसेंट केसेज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे विल कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर इन अ केस यानी ये साठ परसेंट मामलों में सच बोलता है बी चालीस परसेंट मामलों में सच बोलता है क्या प्रायिकता है कि एक दूसरे का वो खंडन करेंगे तो एक दूसरे का खंडन करेंगे, मतलब पहली बात, ये 60 का दो बटे पांच हमारा ये हो जाएगा यहाँ पर ये सच बोलने की प्रायिकता इसकी कितनी है ये सच बोलने की प्रायिकता इस कितनी है क्या मेरे भाई प्रायिकता है यहाँ पर कि दोनों में से यहाँ पर जो मतलब जब भी कोई बात बोले तो यहाँ पर खंडन हो ठीक है जैसे मानो मैं यहाँ पर ए और बी से पूछूंगा तुम दोनों घूमने गए थे तो दोनों बोलेंगे हाँ सर पता चले ए तो घूमने गया था लेकिन बी घूमने नहीं गई थी ठीक है और ए घूमने किसी और के साथ गया था समझ रहे हैं जैसे हमारे ये सोहेल भाई साहब हो गए सोहेल आ गए और उनकी महिला मित्र आ गई हमने इनसे पूछा कि बताइए आप में से दोनों में से मूवी देखने कौन गया था तो सोहेल बोले सर हम दोनों गए थे ठीक है सोहेल ने क्या बोला कि सर हम दोनों गए थे यहाँ पर मूवी देखने ठीक है पता चला कि यहाँ पर इनकी महिला मित्र जो है वो मूवी देखने नहीं गई थी और ये वाकई में मूवी देखने गए थे लेकिन ये मूवी देखने अपने महिला मित्र के साथ नहीं गए थे किसी और के महिला मित्र के साथ ये गए थे अब बाद में इनकी कुटाई हुई सो अलग बात है समझ रहे हैं बात को लेकर तो यहाँ पर एक तरीके से खंडन करने का मतलब क्या हुआ कि सोहेल ने तो सच बोला है वो तो बेचारा मूवी देखने गया है लेकिन उनकी महिला मित्र नहीं गई ठीक है बट उन्होंने भी बोल दिया हाँ सर हम गए थे क्यों ताकि भैया ये रहे कि हाँ दोनों अलग अलग नहीं गए तो मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पर एक व्यक्ति ने सच बोला है दूसरे ने क्या बोला है झूठ बोला है और मुझे दोनों के आंसर की रिक्वायरमेंट है तो मैं मल्टीप्लाई करूँगा दूसरा केस पहला हमारा झूठ बोल दे और दूसरा हमारा सही बोल दे तो भी मुझे दोनों चाहिए यहाँ पे अब या तो ये संभावना एग्जिस्ट करेगा नहीं तो ये संभावना एग्जिस्ट करेगा तो बीच में मुझे क्या चाहिए प्लस चाहिए समझ में आ गया बात यहाँ पे तो बहुत आसान तरीके से मेरे भाई हम लोग इसको टैकल कर सकते हैं और पेपर में सीधा सीधा आंसर दे सकते हैं कि ए हमारा सच बोलेगा तो ए हमारा कितना सच बोलेगा तो पांच मामलों में तीन मामलों में वो सच बोलता है और हमारा बी जो है वो क्या बोलेगा झूठ बोलेगा तो बी पांच में दो मामलों में सच बोलता है तो कितने मामलों में झूठ बोलेगा फाइव माइनस टू यानी थ्री अपॉन फाइव तो ये हमारा ए का सच बोलना और ये हमारा बी का झूठ बोलना प्लस अब ए से झूठ बुलवा दो पाँच में से तीन माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा दो बटे पाँच हो जाएगा और ए से झूठ बुलवा दिया तो बी से अब सच बुलवा दो बी हमारा सच कितना बोलेगा तो मेरे भाई दो बटे पाँच बी हमारा सच कितनी बार बोलेगा दो बटे पाँच कुल मिलाकर ये हमारा हो जाएगा नौ बटे पच्चीस और हमारा ये हो जाएगा चार बटे पच्चीस यदि हम दोनों को जोड़ेंगे तो मेरे भाई कितना हो जाएगा तेरह बटे पच्चीस हो जाएगा और ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा, तो आएगा कौन सा ऑप्शन आएगा तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली ठीक है ऑप्शन नंबर बी पर क्या हो जाएगा मेरे भाई तो बाहुबली हो जाएगा यहाँ पे ये यह हमारा करेक्ट आंसर है आ जाइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम यहाँ करते हैं और अगला सवाल देखते हैं जो कि हमारा मेन्स में आया है और इसीलिए मैंने इसके ऊपर इतने सारे क्वेश्चन जो हैं वो आप लोगों के लिए लगाए हैं आप जरा देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर तो क्वेश्चन में क्या बोला गया, गया जो मेज़ का है कि ए सात में पांच बार सच बोलता है और बी नौ में आठ बार सच बोलता है ए सात में पांच बार सच बोलता है और बी नौ में आठ बार सच बोलता है इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वे एक ही कथन को कहते हुए एक दूसरे का खंडन करेंगे जो हमने आपको पढ़ा है एकदम उसी के ऊपर में कि क्या प्रायिकता है कि एक दूसरे का खंडन करेंगे यानी एक सच बोलेगा तो दूसरा झूठ बोलेगा या एक झूठ बोलेगा तो दूसरा मेरे भाई यहाँ पर सच बोलेगा ठीक है यहाँ पर ए स्पीक ट्रुथ फाइव ऑफ फाइव आउट ऑफ सेवन टाइम तो अगर हम ए की बात करते हैं तो ए हमारा क्या है तो सात में से कितनी बार बार सच बोलेगा बोलेगा तो पांच सर सात में से वो पांच बार सच बोल रहा है ए स्पीक ट्रुथ फाइव आउट ऑफ सेवन टाइम पांच बार वो सच बोलता है मेरे भाई कितनी बार में तो सात बार में और बी की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो बी की अगर हम बात करेंगे तो बी जो है यहाँ सच बोलता है कितना एट आउट ऑफ नाइन टाइम एट जो है आउट ऑफ कितना तो नाइन टाइम ये मेरे भाई यहाँ पर इसके ट्रुथ बोलने की संभावना है सच बोलने की संभावना है कि इसके सच बोलने की संभावना क्या हो गई बार बार में बार, और इसके सच बोलने की संभावना यहाँ पर क्या हो गई तो इसके सच बोलने की संभावना नौ बार में आठ बार ठीक है मैंने कहा यार कॉन्ट्राडिक्ट करना है कॉन्ट्राडिक्ट करना है मतलब क्या होगा एक सच बोलेगा तो बी झूठ बोलेगा या ए झूठ बोलेगा तो बी सच बोलेगा ये बात को हमेशा ध्यान रखना कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब ही यहाँ पर यही होता है कि ए हमारा सच बोले तो बी हमारा क्या बोले झूठ बोले या फिर ए हमारा झूठ बोले तो मेरे भाई बी हमारा सच बोले यहाँ पर बीच में इनके मल्टीप्लाई यहाँ पर भी मल्टीप्लाई मतलब इसका भी होना ज़रूरी है इसका भी होना ज़रूरी है और इन दोनों में से कोई एक होना ज़रूरी है तो प्लस ए के सच बोलने की प्रायिकता क्या है तो पाँच बटे सात तो यहाँ पर हम पाँच बटे सात रखेंगे और बी के झूठ बोलने की प्रायिकता नौ में से आठ घटा दो मेरे भाई तो एक बटे नौ हो जाएगा हमारा प्लस मेरे भाई एक के झूठ बोलने की संभावना सात में से पाँच निकाल दीजिए तो आपका दो बटे सात हो जाएगा और बी के सच बोलने की संभावना तो बी के सच बोलने की संभावना हमारी कितनी हो जाएगी तो आठ बटे नौ हो जाएगी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पाँच बटे तिरसठ है आपका और अगर आप देखेंगे तो यहाँ सोलह बटे तिरसठ है कुल मिलाकर मेरे भाई हमारा इक्कीस बटे तिरसठ हो जाएगा और इक्कीस बटे तिरसठ को यदि हम काटेंगे तो एक बटे तीन कहलाएगा कौन सा ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करते हैं अगला सवाल हम देखते हैं 65 नंबर सवाल बड़ा प्यारा सवाल है बहुत अच्छा सवाल है देखिए 17 आवेदकों में से आठ लड़के हैं और नौ लड़कियां हैं नौकरी के लिए दो व्यक्तियों का चयन किया जाना है नौकरी के लिए दो लोगों का चयन किया जाना है प्रायिकता ज्ञात करिए कि चुने गए व्यक्तियों में से कम से कम एक लड़की होगी यह बड़ा इंपॉर्टेंट है ठीक है आउट ऑफ इसवेंटी एप्लीकेंट हमारे पास सत्रह लोग आए इस कमरे में अभी सत्रह लोग बैठे हुए हैं इसमें से आठ लड़कों को मैंने इधर बिठा दिया है और नौ लड़कियों को मैंने इधर बिठा दिया है तो एट बॉय एंड नाइन गर्ल टू पर्सन आर टू बी सिलेक्टेड फॉर द जॉब दो लोगों को मुझे सेलेक्ट करना है ठीक है बोला गया फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ द पर्सन विल बी अ गर्ल मैं आपको इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफरेंट वे में लेके चलाऊँ चलेगा बताओ चलेगा कि नहीं चलेगा कल मैंने आप लोगों को याद करिए एक ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था कि एक थैली के अंदर में मेरे भाई जैसे मानो यहाँ पर एक थैला हो गया टो, पोटली हो गया कुछ भी हो गया इसके अंदर में मान लीजिए यहाँ पर कि दस क्या है तो दस हमारी रेड गेंदे हैं और हमारी पाँच जो है यहाँ पर ब्लू गेंदे हैं मान लीजिए यहाँ पे कि पांच हमारी क्या है तो ब्लू गेंदे हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया है यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है कि दो बॉल को हमें पिक करना है याद करिए कि दो बॉल को हमें पिक करना है तो मेरे भाई क्या प्रोबेबिलिटी है कि एटलीस्ट क्या प्रोबेबिलिटी है याद करिए एट लीस्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा तो एटलीस्ट यहाँ पर जो है वन बॉल जो होगा वो मेरे भाई कितना होगा तो एटलीस्ट वन बॉल जो होगा वो हमारा ब्लू होगा क्या प्रायिकता है मेरे भाई की कम से कम एक गेंद जो होगा वो हमारा नीला होगा तो एटलीस्ट वन बॉल ब्लू हमने आपको करवा रखा है अब एटलीस्ट वन बॉल ब्लू में मैंने आपको दो मेथड दिए थे अगर आपको याद होगा तो एक हमने आपको मेथड नंबर वन बताया था और एक हमने आपको मेथड नंबर टू बताया था मेथड नंबर वन मैंने कैसे बताया था याद होगा तो मेथड नंबर वन का थोड़ा लंबा चौड़ा हिसाब किताब बना था मैंने कहा था यार इसके अंदर से दो गेंदे मुझे निकालनी है दो गेंदे मुझे निकालनी है जिसमें कम से कम एक गेंद तो मुझे यहाँ पर क्या चाहिए तो कम से कम एक गेंद जो है वो मुझे ब्लू चाहिए एटलीस्ट वन तो यानी अगर एक मेरे भाई ब्लू होगा तो यहाँ पर एक ब्लू होगा तो दूसरा एंड तो यहाँ पर वन क्या होगा तो एक हमारा अदर होगा कॉमन सेंस की बात है कि एक अगर गेंद ब्लू होगी तो दूसरा मेरे भाई कोई और रंग का होगा या फिर अगर हम बात करें या फिर अगर हम बात करें तो हो सकता है यहाँ पर कि दोनों के दोनों ब्लू हो और मेरे भाई जीरो जो हो वो यहाँ पर क्या हो अदर हो और डिवाइडेड बाई कितना तो डिवाइडेड बाई टोटल अगर आपको अच्छे से पता होगा तो कल मैंने ये इस तरीके से करवाया था वन ब्लू होने का मतलब क्या होता है कितने ब्लू हैं तो पाँच हैं उसमें से मुझे एक उठाना है तो फाइव सी वन उसके बाद एंड का मतलब मल्टीप्लाई एक अदर होने का मतलब क्या है रेड यानी हमारा दस रेड में से मुझे कितना उठाना है एक उठाना है यानी मेरे पास एक ब्लू होगा और एक हमारा क्या होगा तो रेड होगा उसके बाद प्लस यहाँ पर दो ब्लू चाहिए तो ब्लू हमारे कितने हैं पाँच है और उसमें से कितना चाहिए दो चाहिए तो फाइव सी टू और यहाँ पर जो है जीरो अदर के लिए आप मल्टीप्लाई करो ना करो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है तो आप इसे ऐसे रहने दो तो, कोई नुकसान आपका नहीं है टोटल की अगर हम बात करेंगे कुल मिलाकर कितनी गेंदे हैं पंद्रह गेंदे हैं तो क्या हो जाएगा पंद्रह सीटू हो जाएगा एक बार हम इसे सॉल्व कर लेते हैं फिर मैं आपको सेकंड मेथड से भी इसको बता दूंगा कि सेकंड मेथड से हमने कैसे किया था तो फाइव सीवन का मतलब पाँच को कितनी बार लिखना एक बार लिखना टेन सीवन का मतलब दस को कितनी बार लिखना तो एक बार लिखना ठीक है फाइव सी टू का मतलब क्या हो जाएगा पाँच को मेरे भाई दो बार लिखना तो पाँच इंटू चार और डिवाइडेड बाई दो तो ये हमारा इतना हो गया नीचे में अगर हम बात करते हैं पंद्रह को दो बार लिखना तो पंद्रह को दो बार लिखना मतलब पंद्रह इंटू चौदह और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा दो हो जाएगा ये हमारा कितनी बार में काटेगा सात बार में अगर देखोगे तो ये पचास है और प्लस हमारा दस यानी ऊपर कितना हो जाएगा तो साठ हो जाएगा और नीचे अगर हम बात करेंगे तो पंद्रह का सात गुना कितना हो जाएगा तो एक सौ पांच हो जाएगा अगर हम इसको लास्ट में सॉल्व करेंगे तो पंद्रह से मेरे भाई चार बार में और पंद्रह से हमारा सात बार में ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा आज गया यहाँ पे फोर सेवन आ गया ये हमने एक मेथड तो से सॉल्व किया जो कि हमने कल बहुत ही डिटेल में बताया था एटलीस्ट वन एटलीस्ट टू एटलीस्ट थ्री सारे केसेस हमने आपको पढ़ाए थे अब मानू कि किसी के मन में विचार हुआ कि नहीं भाई हमको इसे नहीं बनाना बहुत लंबा जा रहा है तो मैंने अभी सुबह भी आते एक ही बात कहा था कल भी मैंने एक ही बात कहा था परसों भी मैंने एक ही बात कहा था कि मेरे भाई अगर भविष्य में कभी भी अगर एटलीस्ट निकालना पड़े क्या निकालना पड़े कि एटलीस्ट वन निकालना पड़े यहाँ पे कभी भी अगर एटलीस्ट वन निकालना पड़े तो याद रखना टोटल तो में से नो का माइनस कर देना यहाँ पे ठीक है जैसे मानो कि अगर आप ये चाह रहे हो कि एटलीस्ट एक बॉल ब्लू हो एटलीस्ट हमारा क्या हो तो एक बॉल ब्लू हो या एटलीस्ट वन ब्लू बॉल हो तो एटलीस्ट वन ब्लू बॉल के लिए मेरे भाई हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि जो आपकी टोटल प्रायिकता होती है जैसे वन है उसमें से माइनस कर दो यहाँ पर नो no ब्लू को वन में से क्या माइनस कर दो वन में से माइनस कर दो नो no ब्लू को तुम्हारा आंसर आ जाएगा अब नो no ब्लू का मेरे भाई केस कैसे बनता है तो यहाँ पर एक बात बताओ यदि मैं इस में से ब्लू कलर जैसे मैं चाहता हूँ यहाँ पर तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास यहीं पुराना सा थैला है और मैंने यहाँ पर कहा कि मैं चाहता नहीं कि इसके अंदर कोई भी नीली गेंद आए कोई भी ब्लू कलर की गेंद आए तो मैं क्या करूँगा पहले ही ब्लू वाले को निकाल के बाहर कर दूंगा जैसे मैं ताश के पत्तों में चाहता ही नहीं कि इक्का है तो इक्का मैं निकाल के बाहर कर दूंगा मैं चाहता ही नहीं वहाँ पर गुलाम आए तो गुलाम निकाल के बाहर कर दूंगा तो मैं चाहता ही नहीं कि मेरे भाई ब्लू आए तो मैं क्या करूँगा ब्लू निकाल के बाहर यानी ब्लू नहीं आएगा तो यहाँ पर कितने गेंद होंगे दस और उसमें से मुझे कितने उठाने हैं दो और नीचे हमारा कितना होगा तो नीचे పంద్ర और नीचे हो जाएगा हमारा सी टू यदि आप इसे देखेंगे तो बोलेंगे सर दस ठीक है दस को दो बार लिखना है तो यहां कितना हो जाएगा टेन इंटू नाइन डिवाइडेड बाई टू फैक्टोरियल और यहां पर पंद्रह को दो बार लिखना है तो बोलेंगे सर पंद्रह इंटू चौदह डिवाइडेड बाई टू फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल से हमारा टू फैक्टोरियल जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा पांच से यदि आप काटेंगे तो दो बार में और पांच से यदि आप काटेंगे तो तीन बार में तीन से काटेंगे तो आपका तीन बार में और दो से मेरे भाई काटेंगे तो कुल मिलाकर सात बार में तो यहां आंसर आ जाएगा वन माइनस थ्री बाई सेवन और यहां पर सात में से तीन घटा दिया जाएगा मैंने मानो सेम तरीके से ये पोर्टली हो गई हमारी हम पोटली का ही एग्जांपल लेते हैं अपना हमारे पास कितने है? तो आठ बॉयज हो गए मान लो यहां पर और उसके बाद हमारी गर्ल्स कितनी हो गई तो गर्ल्स हमारी नौ गर्ल्स हो गई एक तरीके से यहां पर ठीक है अब उसके बाद यहाँ बोला गया है टू पर्सन आर टू बी सेलेक्टेड फॉर द जॉब दो लोगों को मुझे इसमें से चाहिए कि भैया नौकरी देनी है तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट लीस्ट एट लीस्ट वन ऑफ द पर्सन विल बी ए गर्ल कम से कम एक लड़की, लड़की। कम से कम एक पर्सन जो है वो लड़की हो कम से कम एक जो है वो लड़की हो यानी एट लीस्ट वन गर्ल हो तो ऐट लीस्ट वन गर्ल हो तो चाहो तो इससे भी कर लो और चाहो तो इससे भी कर लो जिससे भी आपका दिल करे जिससे भी आपका इच्छा करे वो आप उससे कर सकते हैं जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला गया कि हो सकता है मेरे भाई की एक जब लड़की होगी तो दूसरा वाला कैंडिडेट कौन सा होगा तो दूसरा वाला कैंडिडेट वो मेरे भाई बॉय होगा क्योंकि मुझे दो लोगों का सिलेक्शन करना है तो अगर मैं एक लड़की लूंगा तो जाहिर सी बात एक लड़का लूंगा या फिर मैं दोनों के दोनों लड़की ले लूंगा टू गर्ल्स ले लूँगा मैं तो यहाँ बॉयज़ कितने हो जाएंगे तो जीरो हो जाएंगे और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा तो डिवाइडेड बाई हमारा टोटल हो जाएगा ये हमारा हो गया मेरे भाई मेथड नंबर वन जब एक लड़की को चूज़ करने की बात आएगी तो नौ लड़कियों में से एक को चूज़ करना है तो नाइन एंड का मतलब मल्टीप्लाई होता है बॉय को चूज करने की बात आएगी तो एट हो जाएगा दो गर्ल को चूज करने की बात आएगी तो हमारा नाइन सी टू हो जाएगा जीरो के लिए कुछ मत लिखो ऐसे रहने दो तो। डिवाइडेड बाई टोटल नौ और आठ कितना हो जाएगा सत्रह और सत्रह में से कितना सेलेक्ट करना है तो दो करना है अब अगर आप देखोगे तो एन सी वन का मतलब कितना हो जाएगा एन एन सी वन का मतलब मेरे भाई कितना हो जाएगा एन और नाइन सी टू हो जाएगा हमारा कितना तो बोलेंगे सर देखिए नाइन सी टू का मतलब यहाँ पर हो गया नाइन फैक्टोरियल और नौ को कितनी बार लिखना है दो बार तो नाइन इंटू एट और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा दो सत्रह सीटू का मतलब कितना होता है सत्रह को दो बार लिखना है और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा तो डिवाइडेड बाई हो जाएगा आपका दो यहाँ पर आपको हम सारे मेथड से बता देते हैं कोई दिक्कत नहीं है आप दो से इसे काटो इस तरीके से कोई आंसर कोई प्रॉब्लम नहीं है आप अगर देखोगे तो ये बेहतर है और ये हमारा कितना है तो छत्तीस है बेहतर को और छत्तीस को जोड़ोगे तो हमारा कितना हो जाएगा तो मेरे भाई एक सौ आठ हो जाएगा और नीचे हमारा 17 इंटू आठ है कोई दिक्कत की बात नहीं है आप चार से काटो तो यहाँ पर चार से मेरे भाई कुल मिला के सत्ताईस बार में और चार से हमारा दो बार में तो आंसर आपका हो जाएगा ट्वेंटी सेवन अपॉन में थर्टी फोर इज द करेक्ट आंसर कहीं पर कोई ऑप्शन है तो जी ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना है यही हमारा सही उत्तर है ठीक है तो ये हमने एक मेथड से किया मेथड नंबर वन किया कि एटलीस्ट वन अगर बोले तो यानी एक लड़का और एक लड़की लेना है या दो लड़का और जीरो लड़की लेना है दो लड़की और जीरो लड़का लेना है एक तो ये हो गया और दूसरा मेरे भाई यहाँ पर जो कि आपके मैंने शीट में दे रखा है सोल्यूशन बना के वो हमारा है उसके अंदर में आप देखोगे तो आपको मिलेगा कि एटलीस्ट वन के केस को मैंने कैसे समझाया है वो थोड़ा सा मेरे भाई डिफरेंट ठीक है वो हमारा मेथड नंबर टू है जो मैंने आपको आपके शीट में आंसर की मैं एक्सप्लेन किया है मेथड नंबर टू में कि यार अगर मुझे एटलीस्ट वन गर्ल चाहिए ना क्या चाहिए एटलीस्ट वन गर्ल चाहिए कि एक लड़की तो हो ही हो तो याद रखना मेरे भाई टोटल में से यानी वन में से नो गर्ल को कटा दो कि गर्ल आने की प्रायिकता जो है वो यहाँ क्या हो तो टोटल हमारी वन है ठीक है अब यहां पर अगर आप समझेंगे तो नो गर्ल का मतलब क्या होता है नीचे हमेशा टोटल लिखते हैं तो सत्रह लोगों में से हमें दो लोगों को सेलेक्ट करना है वो होगा नो गर्ल का मतलब क्या होता है नो गर्ल का मतलब गर्ल को आप लो ही मत यहाँ पे तो गर्ल को नहीं लोगे तो कितने हो जाएंगे आठ लड़के हो जाएंगे और उस आठ में से मुझे कितना चूज करना होगा तो यहाँ पर दो चूज करना होगा तो नो गर्ल का मतलब गर्ल को मत लीजिए सिर्फ बॉयज को लीजिए आप यहां पर देखेंगे तो बोलेंगे एट का मतलब कितना आठ को मेरे भाई दो बार लिखना तो आठ इंटू और डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल और सी टू का का मतलब होता है है कितना तो फैक्टोरियल 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 इस दो फैक्टोरियल ने दो फैक्टोरियल का नाश कर दिया है। उसके बाद यहाँ तो 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 चौतीस में से सात मेरे भाई जाएगा तो कितना सत्ताईस और ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और यहाँ पर मेरे भाई अगला सवाल देखते हैं अगला सवाल बड़ा प्यारा सवाल है और ये यहाँ पर मेरे भाई बेस्ट है किसके ऊपर में तो वेंडाग्राम के ऊपर में इस सवाल को देखते लग गया कि ये वेंडाग्राम का सवाल है वेंडाग्राम पर भी काफ़ी अच्छा अच्छा सवाल मेरे भाई आता है जिसको हम कर सकते हैं सवाल को पहले पढ़िए क्या बोला गया दो मित्र हिमांशु और नमन एक परीक्षा में सम्मिलित होते हैं हिमांशु की परीक्षा उत्तीर्ण करने की प्रायिकता इतनी है नमन के परीक्षा उत्तीर्ण करने की प्रायिकता इतनी है दोनों के परीक्षा में उत्तीर्ण मेरे भाई इसकी हिंदी जो है वो इनकम्प्लीट है इसकी हिंदी कंप्लीट नहीं है तो मैं आपको इंग्लिश पढ़ लेता हूं उसके बाद उसकी हिंदी समझा दूंगा

उसके बाद नमन संभावना नमन मेरे भाई पास हो जाए उसकी संभावना कितनी है तो एक बटे दस है और दोनों के दोनों मेरे भाई पास हो जाए उसकी संभावना कितनी है तो पचास है एक बटे पचास है तो बोला गया यहाँ पर कि सिर्फ और सिर्फ कोई एक ओनली वन कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन ऑफ देम विल क्वालिफाई ओनली वन का मतलब यहाँ पर क्या होता है तो ओनली मन का मतलब यहां पर यह होता है कि भैया कोई एक व्यक्ति जैसे एक पास हो तो दूसरा फेल हो या दूसरा पास हो तो पहला फेल बट यहां पर यह वाला डेटा जो है ना अगर यह नहीं दिया गया होता तो हम लोग उसी तरीके से बनाते जैसे पहले बनाते थे इसको पास करते तो इसको फेल करते या इसको फेल करते तो इसको पास करते जैसे पीछे कि हस्बैंड होने के पास हस्बैंड के क्वालिफाई होने की संभावना इतनी है और वाइफ के क्वालिफाई होने की संभावना इतनी है क्या प्रायिकता है कि कोई भी एक नौकरी लेके जाएगा तो हस्बैंड पास होगा तो वाइफ फेल होगी या हस्बैंड फेल होगा तो वाइफ पास बट जब ये बीच में दिया का करते लेकिन वो जो एक दो परसेंट का केस होता है उसमें आप मेरे भाई फ्रैक्शन से सवालों को नहीं बनाते उसमें परसेंट लेके बनाते हो जैसे डायग्राम का कभी भी कोई भी सवाल है तो आप उसको मेरे भाई किससे बनाओगे तो परसेंट से लेकर बनाओगे अब ये डायग्राम पर कैसे आधारित है तो देखो यहाँ पे ये हमारा हो गया पूरा का पूरा वेन डायग्राम इसके अंदर में हो गए आपके दो प्यारे प्यारे सर्कल एक हमारा ये सर्कल हो गया और दूसरा मेरे भाई उसी के पड़ोस में एक दूसरा वाला सर्कल हो गया जरा वो भी देखिए ये हमें दो सर्कल लेके प्रॉपर तरीके से चलना है कहीं पर कोई बिना परेशानी के बिना किसी दिक्कत के इसमें क्या बोला गया ज़रा पढ़िए तो क्वेश्चन में बोला गया यहाँ पर एक हिमांशु है तो ये वाला बक्सा हिमांशु के लिए है और ये वाला बक्सा जो है वो मेरे भाई नमन के लिए है ठीक है ये वाला हिमांशु के लिए ये वाला नमन के लिए जब बोला गया हिमांशु के क्वालिफाई होने की संभावना तो ये पूरा हिमांशु में आ जाएगा नमन के क्वालिफाई होने की संभावना तो पूरा का पूरा नमन में आ जाएगा और जब बोला गया बोध के क्वालिफाई होने की संभावना तो बोध की मेरे भाई यहाँ पर यह बोथ आ जाएगा ये हमारा बोथ आ जाएगा ठीक है एग्जामिनर हमसे क्या चाहता है तो ओनली वन चाहता है मैं थोड़ा वेंडाग्राम के बारे में आपको बताता हूँ कि वेंडाग्राम होता क्या है तो जैसे मान लीजिए कि जब भी आप कोई वेंडाग्राम बनाते हैं तो वेंडाग्राम मेरे भाई यहाँ पर काफी सारी बातों को रिप्रेजेंट करता है जैसे मान लीजिए कि एक शहर है और उसमें दो प्रकार के लोग हैं कुछ लोगों को मेरे भाई क्रिकेट पसंद है कुछ लोगों को फुटबॉल पसंद है ठीक है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जैसे मान लो यहाँ पर मैं कलर कर रहा हूँ तो ये जो हमारा पहला बक्सा हो गया ये पूरा का पूरा पहला ये हमारा किसके लिए है तो ये पूरा मेरे भाई क्रिकेट के लिए है पूरा का पूरा किसके लिए है तो पूरा का पूरा हमारा क्रिकेट के लिए है ठीक है कौन सा है तो ये लाल कलर से जो बाउंड्री मैंने की है ना ये पूरा का पूरा किसके लिए है तो पूरा का पूरा मेरे भाई क्रिकेट के लिए है अब दूसरा जो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ यहाँ पे आप ऐसे समझना ये जो दूसरा मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है ये दूसरा हमारा किसके लिए है तो जो ये हरा कलर से मैं यहाँ पर कर रहा हूँ जिसकी बाउंड्री मैंने यहाँ पर ब्लू कलर से की हुई है तो दूसरा वाला मेरे भाई फ़ुटबॉल के लिए है दूसरा वाला डेटा किसके लिए है तो दूसरा वाला हमारा फुटबॉल के लिए ठीक है अब बीच वाला डेटा मेरे भाई दोनों के पास आ गया तो बीच वाला डेटा दोनों के पास क्यों आया क्योंकि मेरे भाई वो दोनों का डेटा था तो ये जो बीच वाला होगा ये हमारा बूथ होगा और बूथ को मैं क्या बोलूँगा तो बूथ के लिए यहाँ पर बोलूँगा कि भैया ये वो लोग हैं जिनको क्रिकेट भी देखना पसंद है और जिनको फुटबॉल भी देखना पसंद है तो यहाँ पर ये बूथ क्रिकेट एंड फुटबॉल हमारा हो जाएगा कि सर ये क्या हो गया बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल ये हमारा क्या होगा ओनली क्रिकेट मतलब ये पूरा का पूरा क्रिकेट है ये पूरा का पूरा फुटबॉल है और यहाँ बीच में हमारा क्या हो जाएगा तो क्रिकेट एंड फुटबॉल अब अगर मैं यहाँ पर एक तरीके से बात करूँ और मैं यहाँ पर ये यह बोलूँ कि भाई मुझे सिर्फ उन लोगों की आवश्यकता है जो एकदम कट्टर समर्थक हो क्रिकेट के उनको फुटबॉल से मतलब ही नहीं है तो बोलोगे सर ये पूरा गांव क्रिकेट का फ़ैन है लेकिन ये वाला जो पार्ट है ना सर ये अफेक्टेड है और ये अफेक्टेड पार्ट है ये सर फुटबॉल भी इसको पसंद करता है मतलब ये फुटबॉल को भी पसंद करता है तो मैंने कहा नहीं मुझे कट्टर समर्थक चाहिए सिर्फ और सिर्फ किसके क्रिकेट के तो बोलोगे सर ये वाला पार्ट जो है यहाँ पे देखिए ये वाला जो पार्ट हो जाएगा सर ये वाला पार्ट सिर्फ इतना वाला पार्ट यहाँ यहाँ ये यह इतना वाला पार्ट सिर्फ ये ओनली क्रिकेट है सर ये ओनली क्रिकेट है इसका एक भी पर्सन ऐसा नहीं है जो फुटबॉल को लाइक करता है तो ये ओनली क्रिकेट है इसको क्या बोलते हैं सर ये वाले पार्ट को तो बोलेंगे सर ये हमारा ओनली क्रिकेट है सिर्फ क्रिकेट इसको क्रिकेट के अलावा कुछ नहीं चाहिए उसी तरीके से जब मैं इस गांव में पहुंचा तो इस गांव में दो तरह के लोग थे एक सिर्फ और सिर्फ फुटबॉल को पसंद करते थे और एक फुटबॉल प्लस क्रिकेट दोनों तो को पसंद करते थे मैंने कहा मुझे सिर्फ फुटबॉल वाले चाहिए सिर्फ फुटबॉल ओनली फुटबॉल तो आपने कहा सर पधारो हमारे देश यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है सर जो पिंक कलर से मैंने बनाया है सर ये वाला पार्ट हमारा क्या होगा तो ओनली फुटबॉल होगा क्या होगा तो ओनली यहाँ पर फुटबॉल हो जाएगा सर ये बात को ध्यान रखना है ओनली क्या होगा तो फुटबॉल होगा आज हमारे साथ कुछ उसी प्रकार की स्थिति है सिर्फ और सिर्फ ओनली हिमांशु की बात करें तो ओनली हिमांशु हमारा ये होगा। या फिर अगर ओनली नमन की बात करें तो ओनली नमन हमारा मेरे भाई यहाँ पर यह होगा सिर्फ हिमांशु पास हो जाए उसकी संभावना इतनी है सिर्फ नमन पास हो जाए यहाँ पर उसकी संभावना इतनी तो बोला गया फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन ऑफ देम विल द एग्जाम कोई एक हमारा क्वालिफाई करेगा तो कोई एक हमारा क्वालिफाई करेगा तो इसका मतलब यहाँ पर या तो ओनली हमको हिमांशु लेना है समझना मेरी बात को लेकर कि सिर्फ हिमांशु आ जाए मेरे भाई यहां पर और नहीं तो मेरे भाई क्या हो जाए तो यहां पर ओनली हिमांशु लेंगे और नहीं तो यहां पर ओनली क्या लेंगे तो ओनली नमन लेंगे इन दोनों में कोई एक लेंगे ठीक है यहाँ पर डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा तो डिवाइडेड बाई यहाँ टोटल हो जाएगा यहाँ पे सर ओनली वन के केस में कि सर या तो हम क्या लेंगे तो ओनली हिमांशु या लेंगे ओनली अमन क्योंकि जब ये लेंगे तो ये नहीं लेंगे और ये लेंगे तो ये नहीं लेंगे हिमांशु ले लिया तो नमन की क्या आवश्यकता फिर ओनली वन ना होके वो तो टू हो गया ना ओनली वन का मतलब क्या होता है कि दोनों में से कोई एक लो तो अगर हिमांशु लोगे तो नमन मत लेना या नमन लोगे तो हिमांशु मत लेना ठीक है अच्छा ओनली हिमांशु का मतलब मुझे समझ में आता है कि आप समझ पा रहे होंगे ओनली हिमांशु में सिर्फ हिमांशु आना चाहिए नमन का अंश नहीं आना चाहिए और ओनली नमन में सिर्फ नमन आना चाहिए हिमांशु का अंश नहीं आना चाहिए तो अब हम लोग थोड़ा समझते हैं पहली बात यहाँ पर हिमांशु की क्वालिफाई करने की तो एक बटे बीस एक बटे बीस को हम परसेंट में कैसे लिखते हैं तो एक बटे बीस को परसेंटेज में लिखने के लिए सौ से यहाँ पर गुना करेंगे तो मेरे भाई हो जाएगा पाँच परसेंट ठीक है तो ये हमारा क्या हो गया तो कंप्लीट हिमांशु हो गया नमन की बात हम करेंगे तो नमन हमारा कितना हो गया तो एक बटे दस उसको यदि परसेंट में लिखना है तो सौ से गुना कर दो तो मेरे भाई वो आ जाएगा तुम्हारा दस परसेंट और मेरे भाई बूथ की अगर हम बात करेंगे बोध की तो बूथ हमारा एक बटे पचास कितना है तो सौ है तो यहाँ बोलोगे सर देखो ये दो से करो तो दो यानी आपको पता है क्या है पूरा कंप्लीट हिमांशु पाँच है ये पूरा एक सर्कल हमारा कितना है तो पूरा ये सर्कल हमारा पाँच परसेंट है ठीक है नमन हमारा कितना है तो ये पूरा नमन का सर्कल हमारा कितना है तो दस है ठीक है और यहाँ बोथ हमारे कितने हैं तो बोथ हमारे मेरे भाई दो हैं बोथ हमारे कितने हैं तो बोथ की वैल्यू हमारी दो है इस बात को ध्यान रखना कि बोथ हमारे कितने हैं तो बोलोगे सर बोथ की वैल्यू हमारी कितनी है सर तो दो है यहाँ पर ये जो बोध बीच में जो आता है ना ये वैल्यू हमारी दो है अब एक बात बताओ ओनली वन का मतलब क्या होता है तो ओनली वन जो आप निकालते हो जैसे ओनली क्रिकेट निकालते हो क्रिकेट में से बोथ घटा देते हो तो ओनली क्रिकेट आता है फुटबॉल में से बोथ घटा देते हो तो ओनली फुटबॉल आता है मेरे भाई सेम तरीके से आपको यहां पर काम करना है आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि सर टोटल जो है यहां पर देखिए टोटल हिमांशु कितना है पाँच है और बोध कितना है सर तो बोध की वैल्यू अगर आप देखोगे सर पे तो बोध की वैल्यू दो है तो यहाँ पर पाँच में से दो घटा दोगे तो सिर्फ और सिर्फ ओनली हिमांशु निकल के चला आएगा पूरे हिमांशु में से निकाल दो ओनली हिमांशु चला जाएगा पूरा नमन कितना है दस है और उस दस में से दो घटा दो तो ओनली नमन निकल के चला आएगा और वो कितना होगा तो आठ होगा पूरा पूरा ये पांच है पांच में से दो निकाल दिया तीन आ गया पूरा पूरा दस है दस में से दो निकाल दिया आठ आ गया मैंने यहां पर क्या कहा था कि मुझे ओनली हिमांशु चाहिए पर हिमांशु के पास होने की संभावना 30 परसेंट हो गया उसके बाद ओनली नमन की संभावना 8 हो गया और टोटल 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 जो होता होता है वो अपने आप में में कितना होता है? टोटल का मतलब कंप्लीट 100 टोटल में ये तीनों थोड़ी लेंगे टोटल का मतलब कंप्लीट डेटा जैसे बावन पत्ते हैं तो बावन अपने आप में सौ है उसी तरीके से सौ परसेंट तो हमारा आंसर कितना होगा ग्यारह बटे और ऊपर का परसेंट नीचे का परसेंट कट जाएगा तो आंसर कितना आएगा ऑप्शन नंबर ए आएगा ऑप्शन कितना आ जाएगा मेरे भाई यहाँ पर तो ए आ जाएगा तो ये छोटी सी बात का हमें ध्यान रखना था छोटे से पॉइंट का ध्यान रखना था कि ये ओनली वन वाला शब्द हमें कैसे परेशान कर सकता है तो पूरा कंप्लीट हिमांशु में से बूथ निकाल दो ओनली हिमांशु निकल जाएगा कंप्लीट नंबर में से बूथ निकाल दो तो मेरे भाई यहाँ पर ओनली नमन निकल जाएगा तो ओनली हिमांशु ले लिया ओनली नमन ले लिया अच्छा इन दोनों को लेते वक्त इस बात का ध्यान रखना प्लस होना चाहिए अगर मल्टीप्लाई लगा दिए तो इसका मतलब तुम ये भी ले रहे हो और ये भी ले रहे हो ये गलती मत करना

पाकिस्तान के कप जीतने की प्रायिकता एक बटे पांच है ऑस्ट्रेलिया की कप जीतने की प्रायिकता एक बटे छ है इसकी क्या प्रायिकता है कि तीन टीमों में से कोई एक भारत पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया विश्व कप जीते जाहिर सी बात है यार विश्व कप कोई एक ही टीम जीतेगा भारत जीतेगा या पाकिस्तान जीतेगा या ऑस्ट्रेलिया जीतेगा नोट में लिखा गया है ओनली वन टीम कैन वर्ल्ड कप तो ये आपको समझने की भी आवश्यकता है कि कोई एक ही टीम हमारी जीत सकती है इसको हम किस तरीके से लिखेंगे तो मेरे भाई समझना इस बात को लेकर जैसे मानो यहाँ पर यह होगा कि या तो हमारा जो है वो इंडिया जीतेगा बहुत शानदार तरीके से या फिर मेरे भाई हो सकता है कि पाकिस्तान जीतेगा ठीक है और मैं प्लस अभी साइन नहीं दे रहा हूँ या तो हो सकता है पाकिस्तान जीतेगा या फिर हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगा ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये भी जीत जाएगा ये भी जीत जाएगा ये भी जीत जाएगा ऐसा नहीं होगा ना अगर मेरे भाई तीनों के तीनों जीतते हैं तो बीच में क्या लगाते मल्टीप्लाई क्योंकि यहां पर यह प्रायिकता है कि किसी एक को जीतना है तो जब भी किसी एक को जीतने की बात आती है और की बात आती है तो और के केस में हम यहाँ क्या लगाते हैं तो बीच में हम प्लस लगाते हैं अब ये बताओ इंडिया के जीतने की प्रायिकता एल्सियम है? तो है. है? तो है. है? तो है. लेते हैं तो एल्सियम हमारा कितना आएगा तो साठ आएगा चार का मेरे भाई पंद्रह गुना पांच का ये बारह गुना और छ का हमारा ये दस गुना तो कुल मिलाकर हम बोलेंगे पंद्रह बारह सत्ताईस दस सैतीस बटे साठ जो होगा वो हमारा क्या होगा तो करेक्ट आंसर होगा कौन सा ऑप्शन होगा तो ऑप्शन नंबर सी फॉर का होना प्यार है आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला सवाल हम यहां देखते हैं अगला सवाल हमारा क्या है बड़े प्यार तरीके से देखिए बोला गया टू लेटर आर चोजन फ्रॉम इंग्लिश अल्फाबेट वट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर बॉवेल यहाँ पर कि अंग्रेजी वर्णमाला में से दो अक्षर चुने गए हैं क्या प्रायिकता है कि दोनों के दोनों स्वर जैसे कि आपको पता है कि आपके अंग्रेजी अल्फाबेट में कुल मिलाकर 26 हमारे स्वर्णमाला होते हैं मतलब यहाँ पर 26 आपके वर्णमाला हो गए पूरे के पूरे और ये 26 में हमारे यहाँ पर जो होते हैं देखिए अल्फाबेट आपके कितने होते हैं तो मेरे भाई अल्फाबेट जो हो गया आपका ये कुल मिलाकर छब्बीस हो गए इस छब्बीस में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो हो गए पांच हमारे क्या हो गए तो वोवेल हो गए और उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर जो है इक्कीस हमारे क्या हो गए तो कॉन्सोनेंट हो गए क्या हो गए तो कॉन्सोनेंट हो गए क्वेश्चन में कहा गया कि अंग्रेजी वर्णमाला में से आप यहाँ पर शब्दों को चयन करना चाहते हैं ठीक है कि आप कितने लेटर उठाना चाहते हैं तो आप दो लेटर उठाना चाहते हैं तो उसमें क्या प्रायिकता है कि दोनों के दोनों मेरे भाई क्या आ जाएं तो वॉवल आ जाए ठीक है तो पहली बात हमारा नीचे जो होता है हमेशा जब हम नीचे बात करते हैं तो नीचे हम क्या लिखते हैं टोटल टोटल कितने शब्द हैं तो मेरे भाई छब्बीस शब्द हैं और उसमें से मुझे कितने उठाने हैं तो दो उठाने हैं तो नीचे कितना लिखेंगे छब्बीस C2 ठीक है कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर तो छब्बीस C2 हो जाएगा ठीक है समझ में आ रहा है बात यहाँ पर कितना हो जाएगा तो हमारा छब्बीस सीटू हो जाएगा इस बात को ध्यान रखो यहाँ पर ठीक <tickly> है कि यहां 26 में से एक उठाना है तो एक लिखेंगे 26 में से दो उठाना है तो दो लिखेंगे 26 में से तीन उठाना है तो तीन लिखेंगे तो यहां पर जो है 26 में से दो उठाना है तो हम कितना लिखेंगे दो लिखेंगे उसके बाद क्वेश्चन में बोला गया है यहां पर कि दोनों जो आप उठा रहे हैं वो क्या प्रायिकता है कि वॉवेल हो जैसे याद करिए क्वेश्चन नंबर फोर्टी जो था आपका उसमें यह कहा गया था कि क्या प्रायिकता है कि सारे के सारे कार्ड आपके फेस कार्ड हों तो हम क्या करते थे ऊपर में बारह फेस कार्ड में से हम दो फेस कार्ड लेते थे बारह में से हम तीन फेस कार्ड लेते थे बारह में से चार फेस कार्ड लेते थे तो उसी तरीके से यहाँ पर मेरे भाई क्या बोला गया तो यहाँ पर बोला गया कि आप जितने भी उठा रहे हैं वो सारे के सारे वॉवल होने चाहिए तो वॉवल हमारे पास है कितने पाँच हैं और मुझे उसमें से लेने कितने हैं दो लेने हैं पाँच वॉवल में से दो लेने हैं पाँच में से तीन लेने हैं पाँच में से चार लेने जितने वॉवल लेने हैं आप यहाँ पर उतना लिखेंगे तो ऊपर वो होता है कि जिसमें से सलेक्शन लेना होता है और नीचे हमारा क्या हो जाता है टूट टोटल सी टू का मतलब क्या हो गया कि पाँच को दो बार मल्टीप्लाई करना और नीचे हमारा क्या हो जाएगा टू फैक्टोरियल और छब्बीस सी टू का मतलब होता है मेरे भाई छब्बीस को दो बार मल्टीप्लाई करना और नीचे हमारा क्या हो जाएगा दो फैक्टोरियल यदि हम बात करेंगे तो हम यहां पर इस संख्या से इस संख्या को मेरे भाई काटेंगे पाँच से हम काटेंगे कितनी बार में पाँच बार में दो से काटेंगे दो बार में और दो से काटेंगे तेरह बार में तो इसका आंसर हमारा कितना आ जाएगा तो इसका आंसर हमारा दो बटे मेरे भाई कितना आ जाएगा पैंसठ आ जाएगा और ये हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो हमारा बिल्कुल सही होगा मैं आपको इसके ऊपर दो तीन एग्जाम्पल समझाता हूँ जैसे मान लीजिए यहाँ पर कि अल्फाबेट के ही केस को आपको समझा दिया जाए और अल्फाबेट पे काफ़ी सारे क्वेश्चन बनाया जाए तो अल्फाबेट में हमारे क्या क्वेश्चन बनेंगे देखिए अल्फाबेट में सबसे पहले जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन ये बन जाए कि हमने यहाँ पर कितने पिक किए हैं दो पिक किए हैं कितने लेटर लिए हैं तो मुझे यहाँ पर दो जो है दो लेटर मुझे लेने हैं और दो लेटर में क्या प्रायिकता है मेरे भाई कि यहाँ पर दोनों के दोनों जो हो वो मेरे भाई क्या हो तो वॉवेल हो एक सवाल हमारा ये हो गया दूसरा मेरे भाई सवाल मैंने जैसे आपको यहाँ पर यह बना दिया कि हमने यहाँ दो लेटर लिया है और यहाँ क्या प्रायिकता है कि दोनों के दोनों के जो हो वो हमारे कॉन्सोनेंट हो हो ठीक है तीसरा मेरे भाई यहां पर यह सवाल गया कॉन्सोनेंट हो गया, गया ठीक है क्या हो गया तो कॉन्सोनेंट हो गया तीसरा मेरे भाई जैसे मान लीजिए यहाँ पर यह सवाल हमने बना दिया आपको कि हमने यहाँ तीन लेटर लिए हैं हमने क्या लिए हैं तो मेरे भाई तीन लेटर लिए हैं उसमें क्या प्रायिकता है कि दो हमारे वॉवेल आ जाए और उसके बाद यहाँ पर एक हमारा आ जाए एंड हमारा क्या हो जाए तो वन हमारा कॉन्सोनेंट हो जाए अलग अलग चीज़ों को अलग अलग तरीके से आप समझो यहाँ पे यहाँ पर हमने दो उठाएं दोनों के दोनों वॉवल चाहिए यहाँ दो उठाएं दोनों के दोनों कॉन्सोनेट चाहिए यहाँ तीन उठाएं जिसमें दो वॉवल चाहिए और एक कॉन्सोरेंट चाहिए अभी मैं आपको और का केस मैंने इसमें नहीं डाला मैं आपको अभी आपको और का भी केस समझा दूंगा तो सबसे पहली बात यहाँ पर हमें पता है कि यहाँ नीचे क्या लिखना होता है टोटल टोटल अल्फ़ाबेट कितने हैं तो छब्बीस हैं और उस छब्बीस में से मुझे मेरे भाई कितने उठाने हैं तो दो लेटर उठाने हैं तो मैं लिखूंगा छब्बीस सी टू तीन उठाने होते तो छब्बीस सी तीन चार उठाने होते छब्बीस सी चार इस तरीके से करके मेरे भाई हम यहाँ लिखते हैं उसके बाद मुझे यहाँ पर पिक क्या करना है तो दोनों के दोनों वॉवेल पिक करना है कितना पिक करना है दोनों के दोनों वॉवल अल्फाबेट में याद रखना है मेरे भाई के अल्फाबेट में हमारा इक्कीस कॉन्सोनेंट होता है ठीक है और उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर पांच वॉवेल होते हैं एकदम ये कार्ड्स की तरह है अगर आप अल्फा को कार्ड या बॉल की तरह लोगे ना तो भाई मेरे बहुत प्यार तरीके से बता पाओगे इस बात का ध्यान रखना तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए दो के दो वोवेल चाहिए तो वॉवेल हमारे कितने हैं पाँच है और उसमें से मुझे चाहिए कितना तो दो चाहिए तो आंसर हो जाएगा फाइव सी और इसको मेरे भाई आप सॉल्व कर लेना आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर यदि हम देखते हैं कि लिखना कैसे है तो लिखने की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा हम कितना मेरे भाई कार्ड 26 में से कितना कार्ड ले रहे हैं तो 26 में से हम दो कार्ड ले रहे हैं तो नीचे हम कितना लिखेंगे तो नीचे हम लिखेंगे छब्बीस सी टू ठीक है और ऊपर में हम बात करते हैं तो हमें क्या चाहिए दो कॉन्सोनेंट चाहिए तो ये बताओ कॉन्सोनेंट हमारे पास कितने हैं तो कॉन्सोनेंट हमारे पास 21 हैं तो उस 21 में से मुझे कितने चाहिए दो चाहिए तो मैं यहां लिखूंगा इक्कीस टू यानी वॉवेल चाहिए होगा तो वॉवेल में से दो निकालो कॉन्सोनेट चाहिए होगा तो कॉन्सोनेंट में से दो निकालो जैसे आपको किंग चाहिए होता था चार किंग में से एक किंग चाहिए तो फोर सी वन लिखते थे फेस कार्ड चाहिए होता था तो बारह में, में से एक फेस कार्ड चाहिए तो बारह सी वन लिखते थे उसी तरीके से ऊपर में हमेशा वो पार्ट लिखते हैं कि जिस ग्रुप में से मुझे निकालना हो मुझे यहाँ पर वॉवल के ग्रुप से निकालना है तो वॉवल का ग्रुप दूंगा मुझे कॉन्सनेंट के ग्रुप से निकालना है तो कॉन्सनेंट का मैंशन करूंगा किंग का निकालना है किंग हो गया क्वीन हो गया इस तरीके से करके यहाँ पे ठीक है अब यहाँ पर आ जाता है एंड का केस कि भैया एंड में बच्चा कैसे सॉल्व करे एंड में भी उसको परेशान नहीं होना है नीचे का टोटल कभी बदलेगा नहीं बदलेगा आप यहाँ पर 26 कार्ड में से कितने कार्ड निकाल रहे हो तीन लेटर मेरे भाई निकाल रहे हो तो क्या बोलोगे सर 26 अल्फ़ाबेट में से सर मैं तीन अल्फ़ाबेट निकाल रहा हूँ तो नीचे हो जाएगा छब्बीस सी नीचे कितना हो जाएगा सर छब्बीस सी थ्री हो जाएगा चार निकालेंगे छब्बीस सीचा और पाँच निकालेंगे छब्बीस सीचा इस तरीके से करके ठीक है उसमें मुझे यहाँ पर क्या चाहिए तो मुझे यहाँ पर ये भी चाहिए और मुझे यहाँ पर ये भी चाहिए जब मेरे भाई दो लोग हमें चाहिए होते हैं तो हम यहाँ पर एंड का केस देखते हैं और वो मल्टीप्लाई होता है ठीक है और मेरे भाई या तो मुझे ये चाहिए और नहीं तो मुझे ये चाहिए तो वो हमारा और का केस बनता है और उसमें हमें प्लस की रिक्वायरमेंट होती है तो अगर मुझे दोनों चाहिए तो एंड आएगा और एंड के साथ मल्टीप्लाई आएगा और यदि मुझे ये चाहिए या, या यदि मुझे ये चाहिए तो वो मेरे भाई और का केस हो जाएगा और उसके अंदर में मेरे भाई प्लस आता है तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए हमें ये भी चाहिए और हमें यहाँ पर ये भी चाहिए दोनों चाहिए तो वॉवेल का चैन हम किस में करेंगे वॉवल में से तो पांच में से हमें कितने उठाने, है, तो उठाने है। तो तो हम हैं दो उठाने हैं और कॉन्सनेट का चयन हम किसमें से करेंगे मुझे तो मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर हमारा कितना आ जाएगा? तो इतना, इंटू, इतना, इतना, भाई इतना और आप इसको मेरे भाई सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा मैं थोड़ा आपको और बढ़िया लेवल का क्वेश्चन लेकर चलता हूं और यहां पर थोड़ा सा अल्फाबेट में और भी क्वेश्चन आपको दिखाते हैं मान लीजिए कल के दिन अल्फाबेट में आपका कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए समझिए इस बात को लेकर सारे केसेस हमारे अल्फाबेट में हमारे कितने हो गए तो बोलेंगे सर अल्फाबेट में हमारे क्या होते हैं तो अल्फाबेट में सर हमारे कुल मिलाकर 21 हमारे क्या हो जाते हैं तो 21 हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं ठीक है और हमारे पांच जो होते हैं सर वो क्या होते हैं तो पांच हमारे वॉवेल होते हैं ठीक है अगर यहाँ पर हम बात करते हैं तो सबसे पहले सर अगर आप देखेंगे इक्कीस कॉन्सोनेंट पाँच वॉवल तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे सर यहाँ पे समझिएगा इस बात को लेकर तो एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि हमने यहाँ पर चार लेटर निकाला है हमने क्या निकाला है चार लेटर निकाला है और उस चार लेटर में हमें एक वॉवल चाहिए ठीक है और यहाँ पर क्या चाहिए तो तीन हमारा कॉन्सोनेंट चाहिए तो हम उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे मेरे भाई ठीक है एक ये सवाल हो गया ठीक है दूसरा मेरे भाई यहाँ पर यह हो गया कि हम यहाँ पर जो है चार लेटर निकाल रहे हैं क्या निकाल रहे हैं तो चार लेटर निकाल रहे हैं और उसमें एटलीस्ट मेरे भाई कम से कम यहाँ पर एटलीस्ट जो हो यहाँ पर वन वॉवल हो तो हमारा क्या होगा ये सवाल हो गया फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या हो गया कि हम यहाँ पर चार लेटर तो निकाल रहे हैं ठीक है लेकिन उस चार लेटर में मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा तो चार लेटर में एटलीस्ट कम से कम यहाँ पे कम से कम मेरे भाई क्या हो तो कम से कम यहाँ पर दो वॉवल मौजूद हो क्योंकि एटलीस्ट का भी हम आपको केस समझा देंगे ना तो आपको काफी ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा अब ये देखो मेरे भाई यहाँ पूछा गया तो हम कैसे सॉल्व करेंगे तो बोलेंगे सर देखिए यहाँ पर आंसर आपको देना है और आंसर आपको देना है तो सर नीचे हमेशा क्या रहेगा तो टोटल रहेगा ये बताइए छब्बीस कार्ड में से हम कितने को चूज करने की बात कर रहे हैं 26 लेटर में से मुझे चार चाहिए तो छब्बीस तीन चाहिए तो छब्बीस सी थ्री दो चाहिए तो छब्बीस सी टू इस तरीके से करके अब मुझे यहाँ पर एक वॉवेल और तीन कॉन्सोनेट लेना है अच्छा यहाँ पर कोई बात नहीं यहाँ थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा ये छब्बीस सीवन नहीं होगा यहाँ पर जो है <laughs> यहाँ पर जो है मेरे भाई यहाँ पर छब्बीस सीवन नहीं होगा बिल्कुल यहाँ थोड़ा सा आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा इक्कीस सीवन होगा क्योंकि हमारे कॉन्सोनेंट कितने होते हैं इक्कीस होते हैं तो इक्कीस में से एक को लेके आना होता है कोई बात नहीं ठीक है समझ गया कि सर पाँच वॉवल में से इतना लेना है और इक्कीस में से हमें इतना लेना है आ जाओ यहाँ पर चलो तो यहाँ पर हम समझते हैं ठीक है यहाँ पर देखिए हमें एक वॉवल लेना है और तीन कॉन्सोनेंट लेना है तो यानी पांच वॉवल में से हमें कितना चाहिए तो एक चाहिए ठीक है और तीन कॉन्सोनेंट हमें चाहिए तो 21 कॉन्सोनेंट में से हमें कितना चाहिए तो 21 में से हमें तीन चाहिए क्या मुझे दोनों चाहिए या सिर्फ एक पर्सन चाहिए मुझे ये बताओ आप बोलोगे सर आपको दोनों चाहिए तो यदि मुझे दोनों चाहिए तो मैं बीच में क्या करूँगा मेरे भाई तो बीच में मैं मल्टीप्लाई का साइन लगाऊंगा बीच में मैं क्या लगाऊंगा मल्टीप्लाई का साइन कि मुझे यहाँ पर ये भी चाहिए और मुझे यहाँ पर ये भी चाहिए दोनों चाहिए तो इसी वजह से मेरे भाई क्या लगाएंगे तो मल्टीप्लाई लगाएंगे अभी हम आपको और काफी सारे केसेस देंगे एटमोस्ट का भी केस हम आपको दे देंगे या फिर और का भी केस दे देंगे आप उसके लिए निश्चिंत रहिए ठीक है चलिए काम करते हैं पहले हम आपको है ना एटलीस्ट वाला हम बाद में बताते हैं पहले हम आपको यहाँ पर जो है जैसे मैंने आपको यहाँ पर जो है एंड का केस बता दिया कि मेरे भाई एक वॉवल और तीन कॉन्सनेट लेने हैं अब हम आपको और का केस बता देते हैं मान लीजिए कि हमने यहाँ चार लेटर निकाला तो मैंने आपसे कहा कि ये चारों के चारों या तो वॉवेल हो मेरे भाई यहाँ पर ठीक है या फिर चारों के चारों मेरे भाई क्या हो तो चारों के चारों हमारे कॉन्सोनेंट हो ठीक है मेरे भाई क्या हो जाए तो कॉन्सोनेंट हो जाए इस बात को समझना समझ गए यहाँ पर कि सर चारों के चारों या तो सर वॉवल निकल जाए या चारों के चारों क्या निकल जाए कांस्टेंट अब यहाँ पर इन दोनों में से कोई एक वैल्यू उठाना है तो और के केस में हम क्या करेंगे तो बोलेंगे सर बड़ा प्यारा सा आंसर हो जाता है नीचे तो पूरा 26 में से आप कितना लेने वाले हो 26 में से चार लेने वाले हो तो छब्बीस सी फोर लिख दो सर नीचे कितना लिख दो सर यहाँ पर छब्बीस सी फोर लिख दो उसके बाद आप यहाँ देखो सर यहाँ चार लेटर जो उठा रहे हो या तो आपके चारों के चारों वॉवल हों तो मैं क्या बोलूँगा मेरे पास वॉवल है कितने पाँच और उसमें से मुझे कितने चाहिए चार ये केस हो सकता है कॉन्सोरेंट की बात है तो 21 कॉन्सोरेंट है उसमें से मुझे कितना चाहिए चार तो ये हो सकता है या तो मैं ये लूंगा नहीं तो मैं ये लूंगा अगर मैंने एंड की तरह दोनों ले लिया तो देखो वन प्लस थ्री को जोड़ने में फोर आता है लेकिन फोर प्लस फोर को जोड़ने में मेरे भाई एट हो जाएगा इसी वजह से हम आपको समझाते हैं कि एंड में दोनों की यहाँ पर जरूरत होती है और जब दोनों की जरूरत होती है तो मल्टीप्लाई आता है लेकिन और के केस में क्या होता है या तो इसकी रिक्वायरमेंट हो नहीं तो इसकी रिक्वायरमेंट हो मतलब दोनों में से कोई एक और जब दोनों में से कोई एक आ जाएगा जब और आ जाएगा तो बीच में क्या लगा देंगे प्लस लगा देंगे तो मेरे भाई यहां पर ये यह कहानी हो जाएगी ठीक है अब जरा हम आपको दूसरे एग्जाम्पल पर लेके चलते हैं यहां पर एटलीस्ट का केस हम आपको समझा देते हैं फिर उसके बाद हम आपको एटमोस्ट का भी केस समझा देंगे यानी पूरे अल्फाबेट का हमने आपके सामने वर्णन कर दिया मेरे भाई कि किस तरीके से हमें पूरे अल्फाबेट को लेके चलना है सेम क्वेश्चन हमारा रहेगा यहाँ पे और हमारा जो है थोड़ा केस बदल जाएगा और क्या क्या पॉइंट होंगे जरा समझना मेरे भाई यहाँ पर सेम सवाल रहेगा चार लेटर हैं और चार लेटर में मुझे यहाँ पर least, मुझे यहाँ पर पर एटलीस्ट क्या चाहिए तो मुझे यहाँ पर एटलीस्ट मेरे भाई कम से कम यहाँ पर एक वॉवेल चाहिए ठीक है यहाँ पर मेरे भाई एटलीस्ट कम से कम कितने वॉवल चाहिए मुझे तो यहाँ पर एटलीस्ट हमें दो वॉवल चाहिए ठीक है अब मुझे बताओ यहाँ पर कि क्या होगा कहानी कैसे होगा जैसे यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला गया कि 26 अल्फाबेट हैं आपके उसमें से आपने चार लेटर को उठाया है तो क्या संभावना है क्या प्रायिकता है यहाँ पर कि कम से कम उसके अंदर एक वॉवल हो या कम से कम उसके अंदर दो वॉवल हो मैंने यहाँ पर कहा है मेरे भाई बढ़िया तरीके से समझना हम यहाँ पर क्या बोलेंगे तो बोलेंगे सर देखो एटलीस्ट वन वॉवल का मतलब जानते हो क्या होगा सर एटलीस्ट वन वॉवल का मतलब एक वॉवल हो और जीरो कॉन्सोनेंट हो एक तो ये केस बनेगा मेथड नंबर वन यहाँ पे दो मेथड से मैंने आपको बता रखा है एक मेथड नंबर वन एक मेथड नंबर टू तो पहले हम आपको मेथड नंबर वन से थोड़ा इतलाह करते हैं तो एक वॉवल हो और जीरो कॉन्सोनेंट हो सर समझ रहे हैं मेरी बात को कि सर हमें एक वॉवल चाहिए एंड यहाँ पर कितने चाहिए तो तीन कॉन्सोनेंट चाहिए या फिर सर हमारा या फिर देखो या फिर या फिर का मतलब हो जाता है प्लस या तो ये सेट चलेगा नहीं तो सर हमारा दो वॉवल और दो कॉन्सोनेंट चलेगा सर ठीक है या फिर हमारा ऐसा होगा सर तीन वॉवल चलेगा और हमारा कितना एक कॉन्सोनेंट चलेगा या फिर हमारा चौथा कंडीशन क्या हो सकता है सर या फिर हमारा नेक्स्ट कंडीशन हो सकता है कि हमारे चार वॉवेल हो और हमारा जीरो कॉन्सोनेंट हो और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा सर डिवाइडेड बाई हमारा टोटल यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है अच्छे तरीके से मैंने बता रखा है कि वॉवल की संख्या यहाँ पर बढ़ाते चलो और कॉन्सोनेंट की संख्या तुम यहाँ पर डिक्रीज करते चलो इसको लिखने का तरीका जो है वो ये है कि एक वॉवेल यानी पांच वॉवेल हैं और उसमें से मुझे एक वॉवेल चाहिए एंड का मतलब होता है दोनों चाहिए तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कॉन्सोनेंट का मतलब इक्कीस कॉन्सोनेंट में से मुझे कितना चाहिए तो तीन चाहिए हो गया प्लस दो वॉवेल की बात करते हैं तो पाँच वॉवेल में से कितने वॉवेल लेने हैं दो और कॉन्सोनेंट की बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर तो इक्कीस कॉन्सोनेंट में से कितने कॉन्सोनेंट लेने हैं तो दो प्लस यहाँ पर तीन वॉवेल की बात है तो पाँच वॉवेल में से कितने वॉवेल लेने हैं मेरे भाई तो तीन लेने हैं यहाँ पर समझना यहाँ यहां पर इस बात को ठीक है और ठीक है तो यहां पर तीन वॉवल का मतलब पांच में से तीन ले लिया और यहां पर कॉन्सोनेंट का मतलब इक्कीस में से कितना ले लिया तो मेरे भाई एक ले लिया प्लस यहां पर क्या हो जाएगा प्लस यहां पर हो जाएगा चारों के चारों वॉवेल हो मेरे भाई तो पांच वॉवल में से आप चार वॉवेल ले लो और मल्टीप्लाई इक्कीस कॉन्सोनेंट में से आप यहां जीरो कॉन्सोनेंट लो ठीक है तो यहां वोवेल एक था यहां वोवेल दो था यहां वोवेल तीन था यहां वोवेल हमारा चार था और यहां वी फोर मैंने लिख दिया मतलब V4 का मतलब समझ जाओ यहां पर ये यह है है ठीक यहां पर भी मैंने गलती से हर जगह पर जो है v, v, v लिख दिया तो आप समझ जाओ कि यहां पर वी नहीं है मेरे भाई ये सारे के सारे क्या हैं तो सारे के सारे सी हैं वो थोड़ा एक्सप्लेन करने के चक्कर में कि जैसे पांच में से दो ले लिया या पांच में से तीन ले लिया इस तरीके से करके तो बहुत शानदार तरीके से समझिएगा पांच वोवेल में से एक वोवेल और एक किस कॉन्सोनेट में से तीन कॉन्सोनेट पांच वॉवेल में से दो वोवेल और इक्कीस टोटल, टोटल हम बात करते हैं मेरे पास है, और छब्बीस है? तो कौन सा मेथड हो जाएगा तो ये हमारा मेथड नंबर वन हो जाएगा जो मैंने आपको बता रखा है इसी को सॉल्व करने का मेथड नंबर टू भी आपको बताया है कि मेरे भाई इसका मेथड नंबर टू हमारा कितना होता है मेथड नंबर टू हमारा क्या होता है तो मेथड नंबर टू होता है कि वन माइनस क्या हो जाएगा तो वन माइनस मेरे भाई यहां पर नो वोवेल अगर हम वन माइनस नो वॉवेल कर देंगे ना तो सबसे बढ़िया हमारा आंसर निकल जाएगा फिर एटलीस्ट वन वॉवल होगी नहीं बोलोगे सर वन माइनस नो वॉवल क्या होता है मेरे भाई कोई वॉवल चाहिए ही नहीं जैसे मानो मेरे पास छब्बीस लेटर हैं और मैंने वॉवल लोगों को पहले कमरे के बाहर निकाल दिया तुम लोग मत आना तुम्हारी आवश्यकता नहीं है तो मेरे पास कौन बच गया कॉन्सोनेंट बच गया ठीक है तो मैं यहां पर क्या करूंगा कि अब मुझे इक्कीस कॉन्सोनेंट में से मेरे भाई यहां पर चार कॉन्सोनेंट चूज करने हैं और डिवाइड बाय यहाँ पर 26 में से मेरे भाई चार चूज करने हैं या तो इसको सॉल्व कर लो तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा या इसको सॉल्व कर लो मेरे भाई तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा तो ये छोटी सी बात जो है ये आपको समझने की आवश्यकता है 0.00001 परसेंट का भी कंफ्यूशन आपके मन में नहीं रहना चाहिए इस बात को ध्यान रखो यहाँ पे क्लियर है अब आ जाते हैं यहाँ पर इसमें कि चार लेटर में एटलीस्ट हमारे क्या हो तो एटलीस्ट हमारे दो वोवेल हो तो एटलीस्ट दो वोवेल हो तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा तो एटलीस्ट दो वोवेल का मतलब यहाँ पर ये यह हो गया कि मेरे भाई हमारा दो वोवेल हो और हमारा क्या हो तो दो कॉन्सनेंट हो या फिर या फिर तीन वॉवल हो मेरे भाई और हमारा क्या हो तो एक कॉन्सनेंट हो ठीक है या फिर मेरे भाई चार वॉवल हो हमारा और हमारा क्या हो एक कॉन्सनेट हो और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा तो डिवाइडेड बाई हमारा टोटल जीरो हो मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा जीरो कॉन्सोनेट ठीक है चार वॉवल के साथ हमारा क्या हो जाएगा तो जीरो कॉन्सनेट और डिवाइडेड बाई मेरे भाई क्या हो जाएगा टोटल यदि हम देखते हैं दो वॉवल की बात तो यहाँ पर कितने वॉवल हैं तो बोलेंगे पांच वॉवल में से हमें कितने लेने हैं तो दो लेने हैं और कॉन्सोनेंट हमें दो लेने हैं मेरे भाई तो 21 कॉन्सोनेंट में से मुझे कितने लेने हैं तो दो लेने हैं ठीक है या तो ये कंडीशन पॉसिबल होगा या फिर पांच वोवेल में से मुझे कितना लेना है तो तीन लेना है और उसके बाद मेरे भाई 21 कॉन्सोनेंट में से मुझे कितना लेना है तो एक लेना है या फिर पांच में से सारे के सारे मुझे यहाँ पर आप इसको मेरे भाई सॉल्व कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा बोलोगे सर इसका कोई शॉर्ट मेथड नहीं है इसका भी शॉर्ट मेथड है अगर आप मेथड नंबर टू की तरह इसे भी बनाना चाहते हो तो आप इसे भी बना सकते हो लेकिन उस केस में फिर मेथड नंबर टू के अकॉर्डिंग आप जाओगे तो आपको यहाँ पर जो है एटलीस्ट टू के केस में मेरे भाई यहाँ पर एटलीस्ट टू के केस में एटलीस्ट अगर टू वोवेल आपको निकालने हैं तो एटलीस्ट टू केस में मेरे भाई आपको वन में से दो चीजें माइनस करनी होंगी वन में से मेरे भाई एक तो नो वोवेल को माइनस करना होगा आपको ठीक है आपका आंसर क्या आएगा मैं बता देता हूँ एटलीस्ट टू वोवेल का अगर आपको निकालना है तो वन में से मेरे भाई यहाँ पर क्या माइनस करना होगा तो एक तो आपको यहाँ पर नो वोवेल माइनस करना होगा कि कोई वोवेल ना आए उसकी प्रायिकता और उसके बाद यहाँ पर वन वोवेल माइनस करना होगा ठीक है क्योंकि एटलीस्ट टू का मतलब क्या होता है कि कम से कम हमारा एक से शुरुआत हो तो कम से कम एक से शुरुआत हो इसका मतलब हमें जो कम से कम दो से शुरुआत हो इसका मतलब ना मुझे जीरो वॉवल चाहिए ना मुझे एक वॉवल चाहिए तो टोटल में से नो वेल और वन वॉवल को मेरे भाई घटा दो तो हमारा आंसर आ जाएगा ठीक है समझ में आ गया बात यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है तो मेरे भाई बता दीजिए अब आ जाओ नेक्स्ट मेरे भाई अब अगले पार्ट पर बढ़ते हैं और अगला पार्ट हम यहाँ देखते हैं तो हम अपना क्वेश्चन देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर नाइन हमसे क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर देखिए बोला गया है कि अ वर्ड कंसिस्ट ऑफ नाइन लेटर फाइव एंड फोर वोवेल अब ये थोड़ा अलग ही वर्ड है मतलब ये इंग्लिश अल्फाबेट के बारे में बात नहीं हुई है इसमें किसी वर्ड के बारे में बात हुई है हो सकता है कोई एक ऐसा वर्ड हो उस वर्ड के अंदर में यहाँ पर नौ लेटर का वो वर्ड हो और उस नौ लेटर के वर्ड में पांच कॉन्सोनेट हो और हमारे चार वोवेल हो पांच हमारे कॉन्स

जैसे मानो तुमने अल्फाबेट लिया है पहले अल्फाबेट का बता देते हैं यहाँ पे ठीक है अल्फाबेट में मेरे भाई यहां पर जैसे मान लीजिए कुल मिलाकर आपके छब्बीस अल्फाबेट है तो इक्कीस आपके कॉन्सडेंट हो गए और मेरे भाई पांच आपके वोवेल हो गए मान लीजिए कि क्वेश्चन में यहाँ पर ऐसा बोला जाए एट मोस्ट टू वोवेल पढ़ा चुके हैं आपको पहले भी यहाँ पे कि एट मोस्ट हमें दो वोवेल चाहिए मान लीजिए या पहले हम शुरुआत करते हैं यहाँ पर कि एट मोस्ट हमारा चलो दो ही वोवेल के साथ ठीक है फिर तुम लोग डाउट करोगे एट मोस्ट पहले वन वोवेल हम कर लेते हैं उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा ठीक है और हमने यहाँ कितने लेटर पिक किए हैं तो मानो हमने यहाँ पर तीन जो है यहाँ पर लेटर पिक किए हैं और तीन लेटर में कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा एटमोस्ट हमारे वन वॉवल एटमोस्ट हमारा क्या हो जाएगा वन वॉवल दूसरा सवाल मेरे भाई यहाँ पर यह होगा ठीक है दूसरा थोड़ा सा हम दूर लिख देते हैं यहाँ पे दूसरा सवाल ये होगा कि हमने यहाँ तीन लेटर को पिक किया है और उस तीन लेटर में मेरे भाई यहाँ पर जो है एटमोस्ट हमें कितना चाहिए तो एटमोस्ट हमें यहाँ पर जो है ठीक है कुल मिलाकर कितने चाहिए तो दो चाहिए, कितने चाहिए तो दो चाहिए 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 तो तो दो दो एटमोस्ट एटमोस्ट कुल मिलाकर अब में क्या फर्क है तो मतलब 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 थ्री का मतलब ज्यादा से ज्यादा तीन वोवेल तो यहाँ पर एटमोस्ट वन वोवल तो एटमोस्ट वन वोवल का केस क्या होगा जीरो क्योंकि मुझे तीन लेटर उठाने हैं तो मैं अगर एक भी वॉवेल नहीं लूंगा तो सारे के सारे कॉन्सोनेंट लूंगा तो जीरो वॉवेल तीन कॉन्सोनेंट उसके बाद मेरे भाई या तो ये केस बनेगा और नहीं तो एक वॉवेल और साथ में मेरे भाई उसके दो कॉन्सोनेंट हमारा ये केस बनेगा या तो ऐसे कर लो तो तीन लेटर तुम्हारे आ जाएंगे या ऐसे कर लो तो तीन आ जाएंगे बोलोगे सर इससे आगे नहीं बढ़ेंगे इससे आगे नहीं बढ़ेंगे और इसीलिए नहीं बढ़ेंगे क्योंकि मुझे तीन लेटर से ज़्यादा लेना ही नहीं है तीन लेटर से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लेना है तो इतना डिवाइडेड बाई मेरे भाई क्या हो जाएगा तो टोटल समझना मेरी बात को जीरो वॉवेल का मतलब पाँच वॉवेल में से बिल्कुल कुछ भी नहीं लेना है और तीन कॉन्सोनेंट में से मेरे भाई कितना लेना है तो एक लेना है सॉरी तीन कॉन्सोनेंट नहीं मेरे भाई कुल मिलाकर कितने कॉन्सोनेंट है 21 कॉन्सोनेंट है उसमें से मुझे कितना लेना है तो उसमें से मुझे तीन लेना है तो पांच वोवेल में से कुछ भी नहीं लेना और 21 कॉन्सोनेंट में से तीन लेना है या तो ये हो नहीं तो मेरे भाई यहाँ पर क्या हो नहीं तो दूसरा ये हो कि पांच वोवेल में से मेरे भाई एक वोवेल लो और यहाँ पर 21 कॉन्सोनेंट में से मेरे भाई दो कॉन्सोनेंट लो और डिवाइडेड बाई टोटल टोटल की अगर हम बात करते हैं तो टोटल हमारा दोस्त क्या है तो टोटल की हम बात करेंगे तो 26 में से मुझे कितने लेने हैं तीन आप इसको सॉल्व करो आपका आंसर आ जाएगा तो एटमोस्ट वन के केस के में मेरे भाई यहाँ पर इस तरीके से हम सवाल को बना पाएंगे आइए चलिए दूसरी वाली पार्ट की हम बात करते हैं एटमोस टू की बात करते हैं एटमोस टू में हमारा क्या होगा एटमोस टू के केस में मेरे भाई यहाँ पर या तो जीरो वॉवल और यहाँ यहाँ पर कितना हो जाएगा कितने लेने हैं तीन लेटर तो जीरो वॉवल लेंगे तो तीन हम कॉन्सोनेंट लेंगे या फिर हम यहाँ पर एक वॉवल लेंगे मेरे भाई और हम कॉन्सोनेंट कितने लेंगे तो हम दो कॉन्सोनेंट लेंगे या एटमोस्ट मतलब मैक्सिमम हम दो तक पहुँच सकते हैं या फिर हम दो वॉवल और यहाँ पर एक कॉन्सोनेंट लेंगे इस तरीके से कि कुल मिलाकर हमें तीन चाहिए यहाँ पर भी तीन यहाँ पर भी तीन यहाँ पर भी तीन और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा तो डिवाइडेड बाई हमारा टोटल हो जाएगा ठीक है जीरो वॉवल का मतलब पांच यहाँ पर वॉवल में से मुझे एक भी नहीं चाहिए और यहाँ तीन कॉन्सोनेंट का मतलब 21 कॉन्सोनेंट में से मुझे तीन चाहिए या तो ये संभावना हो सकती है नहीं तो पांच वॉवल में से मुझे यहाँ पर एक वोवेल चाहिए और उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा तो उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर इक्कीस कॉन्सोनेंट में से मुझे कितने चाहिए तो दो चाहिए या फिर पांच वॉवल में से मुझे कितने चाहिए दो चाहिए और इक्कीस कॉन्सनेंट में से मुझे कितना चाहिए तो एक चाहिए डिवाइडेड बाई मेरे भाई टोटल टोटल हमारा कितना है तो छब्बीस अल्फ़ाबेट है और उसमें से हमें कितना चाहिए तो छब्बीस में से हमें तीन चाहिए तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं तो मोस्ट वन भी आप लिख सकते हैं एट मोस्ट टू भी आप लिख सकते हैं कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है कोई परेशानी की बात नहीं है देखो एटलीस्ट में हम क्यों लगाते हैं क्यों सेकंड मेथड लगाते हैं जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा मुझे यहाँ पर जो है दस अल्फाबेट को उठाना है या दस लेटर को उठाना है और दस लेटर में मुझे भाई यहाँ पर क्या है तो दस लेटर में मैंने यहाँ पर कहा कि मुझे एटलीस्ट समझना मेरी बात को तो यहाँ पर मैंने कहा कि एटलीस्ट मुझे एक वॉवल तो चाहिए ही चाहिए एक मेरा ये सवाल हो गया और दूसरा मेरे भाई यहाँ पर यह सवाल हो गया कि एटमोस्ट वन वॉवल चाहिए एट मोस्ट क्या हो गया तो ऐट मोस्ट वन वॉवल चाहिए अब यहाँ पर समझो या दो दो कर लेते हैं वो ज़्यादा अच्छा रहेगा एटलीस्ट या एक एक ही रहने तो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है अब दस लेटर में मतलब ऐसा हो सकता है कि वॉवेल हो गया कॉन्सनेंट हो गया ऐसा हो सकता है कि जीरो वॉवेल एक ये एक है तो मेरे भाई कितना देखो यहाँ पे ऐसा होगा कि सारे जीरो वॉवेल हो और दस के दस कॉन्सनेंट हो एक वॉवेल हो नौ कॉन्सनेंट हो दो वॉवेल हो मेरे भाई यहाँ पर ठीक है तो मेरे भाई और दस लेटर मत करो आप यहाँ पर मैक्सिमम कितना रखो तो पाँच रखो कितना रखो मेरे भाई तो पाँच लेटर रखो यहाँ पर भी आप कितना रखो तो पाँच रखो ठीक है तो जीरो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा तो जीरो हो जाएंगे और हमारे पांच कॉन्सोनेंट एक वॉवल तो चार कॉन्सोनेट दो वॉवल तो तीन कॉन्सोनेंट तीन वॉवल तो दो कॉन्सोनेंट ये चार होगा तो ये एक होगा ये पांच होगा तो जीरो होगा यही केस मेरे भाई यहाँ पर भी अप्लाई होगा यहाँ पे देखिए जो सेट ऑफ वैल्यूज बनते हैं वो यहीं बनते हैं अब एटलीस्ट में क्या होता है मेरे भाई जैसे मानो मैंने कहा एटलीस्ट वन वॉवेल कम से कम एक वॉवल तो ये भी काउंट करना होता है 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 और ये भी काउंट करना होता है अब इसमें पांच अलग, अलग अलग लोगों की काउंटिंग करने से बेहतर है कि मेरे भाई हम यहाँ पर सेकेंड मेथड लगाएं और इस टोटल में से मेरे भाई इस टोटल में से मात्र इसको माइनस कर दें तो ये चार लोग आ जाएगा मेथड नंबर वन में क्या होता है हम हर किसी की काउंटिंग अलग अलग करते हैं और मेथड नंबर टू में क्या होता है टोटल में से इसको माइनस कर देते हैं तो ये हमारे चार लोग आ जाते हैं तो इसीलिए इसका मेथड नंबर टू जो रहता है वो ज़्यादा अच्छा रहता है समझ में आ रहा है बात यहाँ पे इसीलिए इसका मेथड नंबर टू ज़्यादा अच्छा रहता है बट एट मोस्ट में हम क्यों कोई दूसरा मेथड नहीं लगाते हैं एट मोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा एक वोवल ज्यादा से ज्यादा एक वोवल यानी या तो हमारा ये केस बनेगा मेरे भाई और नहीं तो हमारा ये केस बनेगा एट मोस्ट का मतलब बस यही हो गया ज्यादा से ज्यादा एक ज्यादा से ज्यादा एक का मतलब ये दो केस तो फिर मुझे क्या जरूरत है सेकेंड मेथड लगाने की फिर मैं यहाँ इस टोटल में से बाकी लोगों को क्यों माइनस करने जाऊँगा मुझे सिर्फ शुरू के दो लेने मैं नहीं शुरू दो को लेकर जोड़ दूंगा तो इसीलिए इसमें सेकेंड मेथड की आवश्यकता नहीं है तो मुझे लगता है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद जीवन में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी एटलीस्ट और एटमोस्ट के केस में एटलीस्ट दो बोले या एटलीस्ट वन बोले तो वन के बाद से सारे लेने होते हैं एटलीस्ट दो बोले दो के बाद से सारे लेने होते हैं एटलीस्ट तीन बोले तीन के बाद से सारे लेने होते हैं तो सारे लेने से बेहतर है टोटल में से जो छूट गया उसको माइनस कर दो ठीक है उसी तरीके से यहाँ पर एटमोस्ट वन वॉवल की बात है तो एटमोस्ट मन मतलब जादा से जादा ही आपको वन तक लेना है तो फिर सारे लेकर घटाने का मतलब एक वर्ड के अंदर नौ लेटर है पांच कॉन्सोनेंट है और चार वॉवल है की संख्या हमारी कितनी है तो पांच है और वॉवेल की संख्या हमारी कितनी है तो चार है उसमें हमसे कहा गया द प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन वन वॉवल विल बी सिलेक्टेड हम यहाँ पर कितने लेटर ले रहे हैं तीन लेटर ले रहे हैं और तीन लेटर में मेरी भाई क्या प्राइकता है कि एक से ज्यादा वोवेल हमारा सेलेक्ट होगा ठीक है, मोर देन वन चाहिए तो यहाँ पर देखो कहानी क्या होगी वॉवल हो गया हो गया, हम कितने लेटर उठा रहे हैं? तो बोलोगे मतलब कम कम दो या फिर दो से ज्यादा हम तीन वॉवल भी ले सकते हैं और कॉन्सनेट कितना लेना पड़ेगा जीरो यही होगा ना मोर देन वन का मतलब क्या होता है मोर देन वन का मतलब मेरे भाई दो यानी कम से कम दो वॉवल हो और अगर दो वॉवल है तो कॉन्सनेट कितना होगा एक या फिर मेरे भाई तीन वॉवल और कॉन्सनेंट कितना होगा तो जीरो ठीक है ये हम केस लेंगे तो यही दो केस हमें काउंट करना है बस कि सर एक तो ये बनेगा दूसरा ये बनेगा बनने को तो कुछ इस प्रकार से कहानी बनती देखो बनने को सही मायने में देखोगे तो जीरो वोवेल यहाँ पर तीन कॉन्सोनेंट वन वॉवल टू कॉन्सोनेंट टू वॉवल वन कॉन्सरेंट थ्री वॉवेल जीरो कॉन्सरेंट ये बढ़ते जाता है ये कम होते जाता है बोला गया प्रोबेबिलिटी डेथ मोर देन वन वॉवेल विल बी सिलेक्टेड एक से ज्यादा वॉवेल तो यानी एक से ज्यादा मतलब ये वाला केस और ये वाला केस यही दोनों केस हमें लेने हैं कि मोर देन वन वॉवेल तो मोर देन वन वॉवेल का मतलब यहाँ पर आंसर मेरे भाई कितना हो गया दो वॉवेल एक कॉन्सनेंट क्या हो जाएगा दो वॉवेल और एक हमारा कॉन्सरेंट तो हम इसको लिखेंगे कैसे तो हम इसको बोलेंगे सर दो वॉवेल एक कॉन्सनेट तो यहाँ वॉवेल है कितने

ट में से पिक करते हैं यहां हमने अल्फाबेट में से नहीं पिक किया है मैंने एक वर्ड में से पिक किया है जो वर्ड के अंदर नौ लेटर मौजूद हैं इसीलिए तो उसमें चार थे जिसमें से दो लेना था या पांच थे उसमें से एक लेना था तो या तो ये सेट ले सकते हैं और नहीं तो और और का मतलब क्या हो गया प्लस या तो ये सेट ले लो मेरे भाई और नहीं तो मेरे भाई दूसरा वाला सेट जिसमें तुम्हारे तीन वॉवल हों और जीरो हो तो चार में से कितने वॉवल लोगे मेरे भाई तीन लोगे और मेरे भाई कॉन्सनेट कितने लोगे तो यहाँ पर पांच में से जीरो कॉन्सनेंट लोगे डिवाइडेड बाई मेरे भाई टोटल केस टोटल हमारे पास कितने हैं तो टोटल हमारे पास नौ हैं। और उसमें से मुझे कितने लेने हैं तो तीन लेने हैं अब अगर हम देखते हैं फोर सी टू का मतलब मेरे भाई क्या होता है चार को दो बार लिखना है तो चार इंटू तीन और मेरे भाई नीचे कितना हो जाएगा टू फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल का मतलब टू इंटू प्लस ठीक है पाँच को एक बार लिखना है अच्छा एन सी वन का मतलब कितना होता है एन ही होता है प्लस मेरे भाई ये हमारी अलग है इसको समझिए एन सी थ्री जय फोर सी थ्री तो चार को तीन बार लिखना है तो चार इंटू तीन इंटू दो मेरे भाई और नीचे हमारा क्या हो जाएगा तीन फैक्टोरियल तीन फैक्टोरियल का मतलब तीन इंटू दो इंटू एक यहाँ जीरो वाले केस का मतलब वन होता है तो इसको हम नहीं लिखते हैं छोड़ देते हैं डिवाइडेड बाई नाइन सी थ्री नाइन सी थ्री का मतलब नौ इन्टू आठ इंटू सात तीन बार लिखो और तीन फैक्टोरियल का मतलब तीन इंटू दो इंटू एक मेरे भाई ये लिखो काम खत्म दोस्त यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो दो से हमने इसको दो बार में काटा तो पाँच इंटू तीन पंद्रह इंटू दो हमारा हो जाएगा मेरे भाई तीस प्लस अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ऊपर में चार प्लस तीन से हम काटेंगे तीन बार में और दो से हम काटेंगे चार बार में ठीक है तो यहाँ पर बोलेंगे सात इंटू तीन इक्कीस का चार गुना हमारा चौरासी कुल मिलाकर अगर हम बात करते हैं तो चौंतीस बटे हमारा हो गया ठीक है दो से काटेंगे तो सत्रह बार में और दो से काटेंगे तो बयालीस बार में ये हमारा आंसर आएगा सत्रह बटे बयालीस ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली होगा तो मुझे नहीं लग रहा कि भाई भारत के किसी बच्चे को इस सवाल में कहीं पर कोई भी डाउट होगा मैं चाहता तो सीधा यहाँ पर इतना आंसर लिख देता विद इन सेकेंड में सवाल सॉल्व हो जाता तीन से पाँच सेकेंड के अंदर लेकिन मुझे ये पता है कि प्रोबेबिलिटी ऐसा टॉपिक है जहाँ बच्चों को दिक्कत आता है परेशानी आती है वो फंसते हैं इसी वजह से मैं आपको पूरा डिटेल वे बता रहे हैं कि भाई संभावना क्या क्या हो सकती है थी, थी ठीक है इसी के अंदर में सब कुछ है इसी के अंदर में वन है इसी के अंदर में वन भी है ठीक है जो एटलीस्ट वन एटलीस्ट टू एटलीस्ट थ्री एटमोस्ट वन एटमोस्ट टू एटमोस्ट थ्री सारा का सारा यही वाला मेरा भाई चार्ट है और उसी से हमारा हो सकता है ठीक है अब आ जाइए एक अक्षर असिस्टेंट से यादरक्षिक रूप से निकाला जाता है और दूसरा स्टैटिस्टिक्स से निकाला जाता है संभावना है कि वो एक अक्षर होंगे सेम लेटर का बड़ा ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन हो जाता है हमारा देखो अ लेटर इज टेकन आउट एट अ रैंडम फ्रॉम असिस्टेंट एंड अनदर इज टेकन आउट फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स द प्रोबेबिलिटी लेटर क्या संभावना है आप ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए कि हमारे पास क्या है तो हमारे पास ऐसे समझ लो फ़िलहाल मेरे पास तो बॉक्स नहीं है तो चलिए यहाँ पे से मान लीजिए कि हमारे पास ये दो किताबें हैं और यहाँ पर जो है ये दो किताबों के अंदर में अगर हम बात करें ठीक है तो यहाँ पर एक में ये असिस्टेंट इसके अंदर छुपा हुआ है और इसके अंदर में स्टैटिस्टिक्स छुपा हुआ है इसके अंदर असिस्टेंट छुपा हुआ है और इसके अंदर मैं स्टैटिस्टिक छुपा हुआ है और मैं चाह रहा हूँ कि इन दोनों में से मैं जो लेटर निकालूँ मैं यहाँ पर मेरे भाई जो है यहाँ पर इसके अंदर में से भी लेटर निकालूँ ठीक और इसके अंदर में से भी लेटर निकालू यहाँ पे तो दोनों के दोनों सेम लेटर निकले या तो दोनों के दोनों ए निकले दोनों के दोनों बी निकले दोनों के दोनों सी निकले दोनों के दोनों डी निकले मेरे भाई इस तरीके से करके यहाँ पे तो वो सेम लेटर होने चाहिए इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है मैंने कहा बहुत बढ़िया बात है आप समझिए जैसे अगर हम यहाँ असिस्टेंट की बात करते हैं तो पहले आप असिस्टेंट को देखिए कि असिस्टेंट हम यहाँ कैसे लिखेंगे एक हमारा असिस्टेंट हो गया और दूसरा हमारा कौन सा हो गया तो दूसरा हमारा स्टैटिस्टिक्स हो गया तो इसको भी देखिए स्टैट टिस और मेरे भाई टिक्स हो गया यहाँ पे ठीक है अब यहाँ अगर हम देखेंगे तो दोनों लेटर में मेरे भाई क्या है इसमें सबसे पहली बात देखो ए हमारा कितनी बार है तो ए हमारा दो बार है तो जैसे हम इसका पूरा लिखते हैं कि सर ए हमारा कितनी बार है दो बार है एस हमारा कितनी बार है तो एस हमारा तीन बार है ठीक है उसके बाद मेरे भाई आ, एस की अगर बात कर ले तो ए आप देखो ए काट दो ए आपने ले लिया है एस आपने काट दिया तो एस आप काट दीजिए टी आपका कितनी बार है तो टी आपका दो बार है तो टी को भी आप काट दीजिए और उसके बाद एक आई बच जाता है और एक आपका एन बच जाता है ठीक है आ जाइए स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो यहां पर एस को देखिए पहली बात यहाँ ए लिखा है तो यहाँ ए देखो ए एक बार हो गया और ए कहीं पर है तो नहीं है

ठीक है यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो मेरे भाई क्वेश्चन में क्या बोला गया तो क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर यह बोला गया कि क्या प्रायिकता है कि दोनों के दोनों हमारे सेम लेटर के होने चाहिए तो सेम लेटर होने का मतलब यहाँ पर क्या होता है सेम लेटर होने का मतलब होता है कि यदि मैं इस थैली में हाथ डालूँ तो ए मिले और इसमें भी हाथ डालूँ तो मेरे भाई ए मिले हम उसको बोलते हैं मेरे भाई सेम लेटर हम उसको क्या बोलते हैं तो हम उसको बोलते हैं कि सर वो हमारा क्या हो जाएगा तो वो हमारा हो जाएगा सर सेम लेटर यहाँ पर कोई दिक्कत की बात नहीं है अब प्रायिकता की बात करते हैं तो जैसे मैंने कहा इस थैली के अंदर डालेंगे तो वही लेटर आए ए और इसके अंदर भी डालेंगे तो वही लेटर आए पहली बात यहाँ पर कितने लेटर हैं दो तीन पाँच दो सात एक आठ और एक नौ तो यहाँ पर कितने लेटर हैं तो नौ है और यहाँ पर कितने लेटर हैं एक और तीन हमारा चार चार तीन सात दो नौ और एक दस लेटर हैं तो पहली बात इस थैली में हाथ लगाएं और मुझे एक ही प्राप्ति हो वो क्या होगा जैसे मानो इसके अंदर दो राजा हैं तीन यहाँ पर रानी है एक हमारा गुलाम है ये एक इक्का है और ये कोई संख्या है तो क्या प्रायिकता है कि राजा आए तो बोलोगे सर नौ में दो बार राजा आ सकता है वही बात है कि क्या प्रायिकता है कि ए आए तो मेरे भाई ए के आने की संभावना कितनी है तो ए हमारा कितनी बार है दो बार है तो यानी हमारा नौ में से दो बार हमारा क्या आ सकता है ए ये पहली थैली की कहानी है ये हमारी किसकी कहानी है पहली थैली की तो यदि पहली थैली में हम हाथ निकालेंगे पहली थैली में हम हाथ लगाएंगे तो क्या प्रायिकता होगा मेरे भाई की ए आए क्या प्रोबेबिलिटी है आए तो ए के आने की संभावना टू अपॉन नाइन मेरे भाई दूसरी थैली में ए के आने की संभावना ए कितनी बार है तो वन अपॉइन टेन अब मुझे बताओ क्या मेरे पास ऐसा ऑप्शन है कि या तो ये चलेगा या तो ये चलेगा या ये ऑप्शन है कि मुझे दोनों चाहिए बताओ क्या मुझे सिर्फ पहला थैला लेना है क्या मुझे सिर्फ दूसरा थैला लेना है या मुझे दोनों लेने हैं तो बोलोगे दोनों लेने हैं और जब दोनों लेना होता है तो एंड आता है और एंड के केस में क्या करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं एंड के केस में क्या करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं यानी मुझे ये भी लेना है और मुझे ये भी लेना है तो ए के आने की वजह से यहाँ पर हो गया तो ये हमारा किसका हो गया मेरे भाई तो ये हमारा ए का हो गया अब जरूरी तो नहीं कि मैं हाथ लगाऊं और मुझे ए ही मिल जाए क्या पता मुझे ए जाना मिलकर मेरे भाई बी मिल जाए क्या पता है यहाँ पर ए ना लेकर मेरे भाई एस आ सकता है क्या पता एस ना आकर टी आ सकता है क्या पता ये तो पहले मैंने जो लिखा वो ए के लिए लिखा अब इसी तरीके से करते करते आप मेरे भाई सब के लिए लिख दो यहाँ पर इसी तरीके से करते करते आप सब के लिए लिख दीजिए तो आपने यहाँ पर किसके लिए लिखा तो पहले आपने ए के लिए लिखा सेम कहानी आपने इस थैले में हाथ लगाए और आपको एस मिला तो एस के आने की प्रायिकता कितनी हो गई तो एस के आने की प्रायिकता मेरे भाई तीन बटे हो गई और इसमें हाथ लगाया और एस मिला तो एस के आने की प्रायिकता इसमें तीन बटे हो हो गई मुझे दोनों लेने हैं ना तो इसलिए तो हो जाएगा कंडीशन ये हमारा ए के लिए हो गया ये हमारा एस के लिए हो गया अब आते हैं हम टी पर टी में देखो यहाँ हाथ लगाएंगे तो टी हमारा कितना है तो बोलोगे सर टी हमारा दो है और बट्टे में कितना हो जाएगा तो बट्टे में हमारा नौ हो जाएगा या टी यहाँ देखो तो तीन और कितना है तो दस है तो यहाँ पर तीन बटे हो जाएगा और मुझे दोनों लेने हैं तो ये करना पड़ेगा ठीक है ये ए के लिए हो गया ये एस के लिए हो गया टी के लिए मैं लिख भी दे रहा हूँ ये ए के लिए है ये एस के लिए है और ये टी के लिए है अब बात करते हैं आई के लिए तो मेरे भाई यहाँ हाथ लगाऊंगा तो एक आई मिलेगा कितने लोगों में नौ में तो यहाँ पर हो जाएगा वन अपॉइंट नाइन और मैं यहाँ हाथ लगाऊंगा तो मेरे कितने आई मिलेंगे दो मिलेंगे कितने में दस में तो टू अपॉइंट मुझे दोनों लेने हैं तो मेरे भाई यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा ठीक है अब मुझे एक बात बताओ दोस्तों आप लोग यहाँ पर मुझे एक बात समझाओ ये किसके लिए था आई के लिए क्या इसके बाद कोई और केस बनेगा तो नहीं बोलोगे क्यों सर इसमें लगाओगे हाथ तो एन मिल जाएगा लेकिन इसमें एन मौजूद नहीं है तो सेम लेटर नहीं आ पाएंगे इसमें हाथ लगाओगे तो सी मिल जाएगा लेकिन इसमें सी मौजूद नहीं है तो यहाँ पर सेम लेटर नहीं है तो नहीं लेंगे यानी ये मेरे भाई केस हम नहीं लेंगे हमें तो सेम लेटर चाहिए तो सेम लेटर का मतलब ऐसी संख्या है जिसमें भी मौजूद हो और इसमें भी मौजूद हो तो उसी की प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता हम निकाल पाएंगे तो पहले में एक की प्रायिकता इतनी थी दूसरे बक्से में इतनी थी मुझे दोनों लेने थे इसी वजह से मैंने दोनों काउंट किया पहले में एस की प्रायिकता इतनी थी और दूसरे में इतनी थी तो दोनों लेने थे ये काउंट किया अच्छा अब उसके बाद यहां पर मान लीजिए कि ये हमारे दो किताबें हो गई और इसमें से मैंने मैंने जो है ठीक है ठीक दोनों में हाथ लगाया था दोनों में हाथ लगाया था तो जैसे मुझे क्या चाहिए था कि अगर एक में ए मिला तो दूसरे में भी मुझे ए चाहिए था यहाँ पे समझ लो एक बार आना इधर यहां पे आओ ठीक है समझिए इस बात को लेकर ये वाला पॉइंट अब सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट हो जाता है उठिए कोई बात नहीं उठिए ठीक है तो जैसे मान लीजिए कि ये एक हमारा हो गया बक्सा और हमारा एक ये बक्सा हो गया हम इसमें से भी लेटर निकाले ए मिला तो इसमें से भी निकालेंगे तो ये मिलना चाहिए ठीक है बट ये ए के लिए हो गया वैसे ही इसमें से अगर ऐसा आया तो इसमें से भी ऐसा चाहिए बट ऐसा जरूरी तो नहीं है ना कि हम हाथ लगाएं तो हमको ए ही मिले क्या पता हमको ए मिल सकता है या क्या पता एस मिल सकता है या क्या पता टी मिल सकता है या क्या पता आई मिल सकता है तो जब हिंदी में आई जब हिंदी में या और इंग्लिश में और आ जाए जब हिंदी में या और इंग्लिश में और आ जाए मेरे भाई यहां पर तो हम क्या बोलेंगे तो हम बोलेंगे सर बीच में क्या आएगा तो बीच में प्लस आएगा अगर हम बीच में प्लस ना लगा के मल्टीप्लाई लगा दें इसका मतलब हम ए को भी लेके चल रहे हैं, हैं।, हैं। हम एस को भी लेके चल रहे हैं हम आई को भी लेके चल रहे हैं हम टी को भी लेके चल रहे हैं हम सबको ले लिए ऐसा नहीं होता मतलब यहां पर समझ लीजिए या तो रेड गेंद आ सकती है आपके हाथ में उठाने में या तो ब्लू गेंद आ सकती है या तो ऐसा तो है नहीं तो रेडो उठा लोगे ब्लूओ उठा लोगे ग्रीनों उठा लोगे ब्लैको उठा लोगे नहीं हो पाएगा भाई एक बार में कोई एक ही रंग जैसे इसमें से रेड निकाल

ठीक है तो बोलोगे दो बटे तीस हो जाएगा यहाँ पे और नेक्स्ट वाला मेरे भाई इसका आंसर कितना हो जाएगा दो बटे नब्बे सब कैल्सियम लीजिए आपका कितना हो जाएगा तो नब्बे हो जाएगा नब्बे का एक गुना है तो दो हो जाएगा दस का नौ गुना है तो नौ हो जाएगा तीस का तीन गुना है तो छः हो जाएगा और यहाँ दो हो जाएगा नौ छः पंद्रह चार उन्नीस उन्नीस बटे नब्बे हमारा करेक्ट आंसर आएगा मेरे भाई कौन सा ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली अब आ जाइए मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अगला सवाल हम देखते हैं अगला सवाल हमारा क्या है पाइन द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर विल हैव पहली बात यहाँ पर लीप ईयर के बारे में हम समझते हैं कि कोई भी जो एक लीप ईयर होता है तो पहली बात ये नॉर्मल ईयर क्या होता है और लीप ईयर क्या होता है तो देखो कोई भी जो नॉर्मल ईयर होता है तो उस नॉर्मल ईयर में हमारे कितने दिन होते हैं तो नॉर्मल ईयर हो गया एक और एक हमारा हो जाता है कुल मिला के लीप ईयर ठीक है नॉर्मल ईयर में और लीप ईयर में क्या फ़र्क होता है तो नॉर्मल ईयर में अगर हम बात करेंगे तो नॉर्मल ईयर में मेरे भाई जो होते हैं कुल मिलाकर कितने दिन होते हैं तो तीन दिन होते हैं कितने दिन होते हैं तो तीन दिन होते हैं और लीप ईयर में हमारा कितना दिन होता है तो लीप ईयर में हमारा जो होता है वो तीन दिन होता है थ्री सिक्सटी सिक्स होता है बोलोगे सर पर एक दिन कैसे बढ़ जाता है असल में जो आप सालों की संख्या जो आप देखते हैं ना तो सालों की जो संख्या होती है और जब पहला साल में घंटे दूसरे साल में छे घंटे तीसरे साल के छह घंटे और चौथे साल के छह घंटे मिला दो तो छह घंटे छे घंटे छे घंटे 6 घंटे मिलकर वो चौबीस घंटे बन जाते हैं और वो पूरा का पूरा एक दिन बन जाता है इसीलिए हर चार साल

तो यहाँ पर ये रहता है अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं मेरे भाई यहां पर 365 दिनों में तो 365 दिन में तो दिन अगर हम हफ्ते की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा आप तीन को मेरे भाई सात से भाग करके देखो तो बोलोगे सात का पांच गुना हो गया सर पैंतीस उसके बाद पंद्रह हो गया सात का दो गुना मेरे भाई चौदह यानी एक तो क्या बोलोगे तो बोलोगे सर यहाँ पर बावन वीक होते हैं कितना होता है बावन हफ्ते होते हैं और एक दिन हमारे पास एक्स्ट्रा हो जाता है क्या हो जाता है एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है और अगर लीप ईयर की बात करें तो इसको जब भाग करोगे तो इसको जब भाग करोगे तो नीचे दो बचेगा और दो बचेगा तो बोलोगे सर यहाँ पर बावन वीक होता है और यहाँ पर दो दिन हो जाते हैं टू डेज हो जाते हैं ये दो दिन सर कोई भी दिन हो सकता है इसमें कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है ठीक है कि बावन हफ्ते और यहाँ पर दो दिन ठीक है तो लीप ईयर में क्या होता है बावन हफ्ते होते हैं और दो दिन होता है नॉर्मल में, में मेरे भाई बावन हफ्ते और एक दिन होता है अब ये क्वेश्चन हमारा किसके ऊपर में आधारित है तो यहां पर लीप ईयर के ऊपर आधारित है तो पहला सवाल मेरे भाई बोला गया कि एक लीप वर्ष में निम्न परिणाम प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात याद कि कम से कम बावन रविवार एटलीस्ट बावन संडे आए तो मेरे भाई यहाँ पर पहली बात बावन वीक आए हैं तो बावन वीक का मतलब बावन संडे बावन मंडे बावन ट्यूजडे बावन वेडनसडे बावन थर्सडे बावन फ्राइडे बावन सैटरडे एक हफ्ते में मेरे भाई सातों दिन आते हैं और सातों एक एक बार आते हैं दो हफ्ते में सब दो दो बार आएंगे तीन हफ्ते में सब तीन तीन बार आएंगे तो यानी अगर कोई साल लीप ईयर का है तो मेरे भाई उसमें बावन हफ्ते हैं और बावन हफ्ते हैं तो मेरे भाई सारे के सारे बावन बावन संडे आए हैं बावन मंडे आए हैं बावन तिरपन बावन जो है आपके ट्यूजडे आए हैं सब तरीके से तो बोला गया है कि क्या प्रायिकता है कि अब का मतलब क्या है जैसे एटलीस्ट अगर हम थ्री लिखते हैं तो एटलीस्ट थ्री का मतलब क्या होता है एटलीस्ट थ्री का मतलब थ्री लेना है फोर लेना है फाइव लेना है सिक्स लेना है और दुनिया जहां तक ये जाए तो जहां तक लेना है तो यहां पर हमसे बोला गया है कि एट लीस्ट थ्री संडे कम से कम बावन संडे तो मेरे भाई मेरे भाई जो है कम से कम बावन फिर बावन भी हो सकता है फिर तिरपन भी हो सकता है चौवन भी हो सकता है पचपन भी हो सकता है बट जहाँ तक अगर हम बात करें तो एक लीप ईयर में हमारे कितने होंगे तो बावन वीक है तो कितने होंगे बावन संडे तो अगर हम यहाँ बात करते हैं तो सर पहली बात यहाँ पर लीप ईयर है पहली बात यहाँ पर लीप ईयर है और लीप ईयर है तो सर दिन कितने होंगे तो यहाँ थ्री सिक्सटी सिक्स डेज होंगे ठीक है उसके बाद यहाँ पर अगर हम संडे की काउंटिंग करें तो यहाँ पर बावन वीक होगा सर और बावन वीक होगा तो इसका मतलब यहाँ पर संडे कितने होंगे तो बावन संडे होंगे कितने संडे होंगे सर तो बावन संडे होंगे तो क्वेश्चन में यहाँ पर बोला गया कि बावन संडे आने की संभावना कितनी है तो मेरे भाई पूरी की पूरी संभावना है कि बावन संडे आए इसीलिए इस केस में यहाँ पर ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट इज़ इक्वल टू वन यानी आपको मैंने एक बताया था मेरे भाई कि एक ऐसी प्रोबिलिटी होती है कि जिसमें जो आंसर आता है वो वन होता है कब जो आपने मुझसे पूछा जैसे ऐसे समझ लीजिए कि अगर इंडिया का मैच नेपाल के साथ करवा दिया जाए इंडिया के सारे टॉप मोस्ट खिलाड़ी हो नेपाल के मेरे भाई सारे लोअर ग्रेड के खिलाड़ी हो तो एक किस में आप क्या बोलोगे सर गारंटेड है इंडिया जीतेगी ही जीतेगी हंड्रेड परसेंट किसी साल में यार आप समझो इस पूरे साल में बावन संडे आ रहे हैं और मैं पूछ रहा हूँ बावन संडे आने की संभावना क्या बोलोगे हंड्रेड परसेंट आएगा सर ऐसा थोड़ी है उनचास संडे आ जाएगा ऐसा थोड़ी है तीस संडे आ जाएगा ऐसा थोड़ी है बीस संडे आएगा मतलब हंड्रेड गारंटी है सर इस बात को लेकर तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे तो हम बोलेंगे सर पूरे के पूरे बावन संडे में से पूरा का पूरा बावन आपने पूछा है यानी प्रोबेबिलिटी कितनी है तो वन है पूरा पूरा यानी हंड्रेड परसेंट प्रोबेबिलिटी है कितना है ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे ऐसा होता कि बावन संडे में से क्या का पूछा जाता तो बावन बटेक्यावन इस तरीके से हम करके आंसर देते हैं यहाँ पे आइए नेक्स्ट हमारा पूछा गया एग्जैक्टली टू संडे यहाँ पे कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप विल हैव एग्जैक्टली टू संडे इसमें थोड़ा सा झोल है एग्जैक्टली टू संडे की अगर हम बात करें सर्टेन इवेंट था बिल्कुल आप इसे कह सकते हैं कि सर ये एकदम सर्टेन इवेंट था फिक्स इवेंट था यहाँ पर एग्जैक्टली बाउंड संडे अब एग्जैक्टली का केस थोड़ा हम आपको समझाते हैं जैसे मान लीजिए कि आपने कहा कि सर हमारा लीप ईयर है क्या कहा सर आपने कि हमारा लीप ईयर है और लीप ईयर में हमारे कितने होते हैं तो बावन हफ्ते होते हैं सर लीप ईयर में कितने हफ्ते होते हैं बावन हफ्ते और दो दिन होते हैं सर ये हमें ध्यान रखना है कि सर बावन हफ्ते होते हैं दो दिन होते हैं ये बावन हफ्ते में तो हमें कोई डाउट ही नहीं है बावन हफ्तों का मतलब बावन संडे बावन मंडे बावन ट्यूजडे बावन वेडनेसडे बावन थर्सडे बावन फ्राइडे बावन संडे ठीक है यहाँ पर ये दो दिनों की सर हमें डाउट है ये दो दिन क्या हो सकते हैं तो ये दो दिन ऐसा हो सकता है कि जैसे मानो शुरुआत हुआ हो सकता है सैटरडे से तो हो सकता है कि सर ये दो दिन ऐसा हो कि पहला दिन सैटरडे हो और दूसरा दिन संडे हो ये हो सकता है या फिर ऐसा हो सकता है कि सर पहला दिन संडे हो दूसरा दिन मंडे हो या फिर ऐसा हो सकता है कि पहला दिन मंडे हो दूसरा दिन ट्यूजडे हो ठीक है या ऐसा हो सकता है कि फिर ये ट्यूज़डे हो तो ये हमारा वेटनसडे हो साल की शुरुआत तो किसी भी दिन से हो सकती है कोई फिक्स थोड़ी रहता है या फिर ऐसा होता है कि वेडनसडे हो और सर थर्सडे हो ठीक है या फिर ऐसा हो सकता है कि थर्सडे हो फ्राइडे हो या फिर ऐसा हो सकता है कि सर फ्राइडे हो और सैटरडे हो क्योंकि फिर उसके बाद सैटरडे संडे तो यहाँ से रिपीट हो गया साल का जो एक तारीख होता है क्या फिक्स है कि वो मंडे से आएगा क्या वो फ़िक्स है ट्यूजडे से आएगा वो किसी भी दिन से आ सकता है तो जो ये आखिरी के दो दिन है हो सकता है सैटरडे अगर एक दिन है तो दूसरा संडे होगा या एक संडे है तो दूसरा मंडे होगा इस तरीके से करके यानी कितने केसेज हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात तो मेरे भाई सात केसेज यहाँ बन रहे हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया क्वेश्चन में बोला गया मेरे भाई एग्जैक्टली फिफ्टी टू संडे एकदम एग्जैक्ट है कि फिफ्टी टू संडे चाहिए उससे ज़्यादा नहीं चाहिए उससे ज़्यादा नहीं चाहिए तो इस केस में जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा बोलेंगे सर देखो इस बावन हफ्ते में तो पूरा का पूरा संडे मिलेगा आप परेशान मत होइए आपको दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पर कितने ऐसे होंगे कि हमें संडे नहीं चाहिए एग्जैक्टली बावन एग्जैक्टली बावन का मतलब मुझे पूरा बावन का बावन यहाँ से मिल गया यानी मुझे इसमें से संडे नहीं चाहिए? मुझे इसमें से संडे नहीं चाहिए अगर इसमें से संडे मिल गया ना तो बावन प्लस एक्जैक्टली टू चाहिए लेकिन इसमें से संडे की काउंटिंग मत करना नहीं तो इसका संडे मिलकर फिफ्टी टू से ज्यादा हो जाएगा तो मुझे exactly 52, मतलब सिर्फ यह काउंटिंग करनी है तो इसमें से संडे की काउंटिंग नहीं करनी यह संडे नहीं लेना और यह संडे नहीं नहीं लेना तो यानी ये हमारे हो सकते हैं पांच बट्टे में कितना मेरे भाई तो पांच बट्टे में सात यानी आंसर कितना आएगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली क्या आ जाएगा मेरे भाई बाहुबली समझ में आ रहा बात कि संडे को इग्नोर कर दो संडे मत लो बाकी सारे के सारे ले लो अब बस इसी का डुप्लीकेट जो है मेरे भाई यहां पर वो दूसरा वाला है जस्ट सेवेंटी वन का जो सेकंड पार्ट मैंने पूछा है एग्जैक्टली फिफ्टी थ्री संडे जस्ट वहां जो छोड़ा था उसको यहां पर ले लेना है एग्जैक्टली फिफ्टी थ्री संडे का मतलब मेरे भाई क्या हो जाएगा एग्जैक्टली फिफ्टी थ्री संडे का मतलब फिर से सेम कहानी कि बोलोगे सर लीप ईयर ये क्वेश्चन करने के बाद तब पिछला क्लियर होगा तो लीप ईयर में कितने दिन होते हैं तो लीप ईयर में होते हैं सर बावन हफ्ते होते हैं यहाँ पे और उसके बाद यहाँ पर सर क्या होता है तो बावन हफ़्ते के अलावा सर यहाँ पर दो दिन होते हैं ठीक है बावन हफ़्ते के अलावा दो दिन वो आखिरी के दो दिन ऐसा हो सकता है सैटरडे संडे या ऐसा हो सकता है संडे मंडे या ऐसा हो सकता है सर मंडे ट्यूसडे या हो सकता है सर यहाँ पर ट्यूसडे वेनसडे ठीक है या फिर ऐसा हो सकता है कि वेनसडे थर्सडे हो सकता है सर या फिर ऐसा हो सकता है थर्सडे फ्राइडे हो गया या फिर ऐसा हो सकता है कि फ्राइडे और सैटरडे हो गया सर यानी कुल मिलाकर यहाँ सात केसेस हो गए मैंने कहा एग्जैक्टली फिफ्टी थ्री चाहिए तो फिफ्टी थ्री चाहिए इसका मतलब क्या हो गया फिफ्टी थ्री चाहिए इसका मतलब सर यहाँ पर ये फिफ्टी टू तो चलेगा ही चलेगा और ये भी चाहिए यहां से मुझे एक संडे निकालना पड़ेगा यहाँ संडे लेने का मतलब मुझे उस दिन को काउंट करना पड़ेगा जिसके अंदर संडे मौजूद है इसके अंदर एक संडे मौजूद है और एक इसके अंदर संडे मौजूद है यानी सात दिनों में दो दिन तो आंसर कितना होगा 2/7 ये मेरे भाई सीधा-सीधा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ठीक है यानी सिर्फ और सिर्फ 52 चाहिए सिर्फ और सिर्फ 52 चाहिए तो यानी उन लोगों को काउंट करो जिसमें संडे नहीं है तो 5/7 और सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई तुम्हें यहाँ पर जो है 53 संडे चाहिए इसका मतलब उन तो लोगों की काउंट करो जिसके अंदर संडे यानी 2/7 क्लियर है ये यह बात यहां पे कोई दिक्कत की बात है भैया तुम संडे यहाँ तब ला पाओगे ना जब ये वाले दिन तुम्हारे जो आखिरी के दो दिन है उनमें कोई एक भी दिन संडे हो या तो ये वाला दिन संडे हो नहीं तो ये वाला दिन संडे हो तो एक ये केस और एक ये केस मतलब ये बोलो राजा आना चाहिए तो भैया राजा एक इनके अंदर मौजूद है एक इनके अंदर मौजूद है तो सात जगह पे दो जगह राजा मौजूद है तो यही इनकी प्रॉबेबलिटी है बस यही काम खत्म है ठीक है तो ये हमारा हो गया अब नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंटी टू और सेवेंटी थ्री दो सवाल आपके हैं और ये दोनों सवाल बड़े प्यारे हैं बड़े जबरदस्त हैं दुनिया इसमें पता नहीं सौ जहाँ की फार्मूला मेरे भाई याद करके रखती है आपको यहाँ कुछ भी याद नहीं रखना है ठीक है मैं आपको ऐसा समझा दूंगा कि जीवन में, में मेरे भाई आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ये मेरी गारंटी है ये सवाल आपका सीजल मेन्स में भी पूछा गया है अच्छे अच्छे लोग भी इसको मेरे भाई नहीं समझा पाए हैं ठीक है अलग अलग जगह पर भी चाहे बैच देख लो यूट्यूब देख लो कहीं पर भी इसका बेटर एक्सप्लेनेशन किसी के पास नहीं है और इसमें बच्चा फंसता है और इस बार पेपर में ये आएगा ये सबसे टफ लेवल का क्वेश्चन है बढ़िया लेवल का

तो पहले जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि यहाँ तीन तरह के निशाने मेरे भाई मौजूद है ठीक है ये तीन तरह का निशाना मेरे भाई क्या है तो मौजूद है आपका यहाँ पे और मैंने कहा कि यार है ना ये तीन निशाने हैं और इसमें से मेरे भाई आपको क्या करने हैं तो दो सही निशाने लगाने हैं और आपको यहाँ पर जो सिर्फ और सिर्फ दो सही निशाने लगाने हैं तो पहली बात कितने तरीकों से आप सही निशाने लगा सकते हो कितने तरीकों से सही निशाने लगा सकते हो ये नंबर वन है ये नंबर टू है और ये नंबर तीन है आप निशाना लगाओ तो कितने तरीकों से आपके निशाने लग सकते हैं तो पहली बात मेरे भाई यहाँ पर क्या क्या होगा समझना तो यहाँ पर कितने तरीकों से लग सकते हैं तो वो हम आपको तरीका गिनवाते हैं अभी ठीक है सारा हम आपको बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर देंगे आप निश्चिंत रहें इस बात को लेकर कि कितने तरीकों से तीन में से मुझे दो निशाने लगाने हैं मुझे कितने लगाने हैं तीन में से दो लगाने हैं तीन में दो निशाने लगाने हैं ठीक है तो या तो ऐसा हो सकता है कि मैं इस वाले पे निशाना मेरे भाई लगा दूं और इसको मैं यहाँ पर टिक कर दूं और इस पर निशाना लगा दूं और इस पे मेरा निशाना ना लगे या तो ऐसा हो सकता है पहले और दूसरे पे निशाना लग जाए और तीसरे पे मेरा निशाना ना लगे या ऐसा हो सकता है कि पहले पे लग जाए तीसरे पे लग जाए और दूसरे पे निशाना ना लगे तो पहले पहले के साथ पेयरिंग करो पहले का पेयरिंग दूसरे के साथ भी कर दिए पहला का पेयरिंग तीसरे के साथ भी कर दिए ठीक है अब उसके बाद क्या हो सकता है मेरे भाई कि अब दूसरे के साथ पेयरिंग करो दूसरे की पेयरिंग किसके साथ करो तीसरे के साथ करो तो ऐसा हो सकता है कि दूसरे और तीसरे पर निशाना लग जाए और इसके ऊपर निशाना ना लगे अब हम और किसी की पेयरिंग नहीं कर सकते एक की पेयरिंग मैंने दोनों के साथ कर दी और दो की पेयरिंग में हम पीछे नहीं जाते हैं आगे जाते हैं वो कर दिया इसको हम यहाँ पर नहीं लेने वाले अब बोलोगे सर ये क्या है हमको थोड़ा कम समझ में आए ये मेरे भाई यही तो कॉम्बिनेशन है कि जब हम चीज़ों को सेलेक्ट करने की बात करते हैं एक तरीके से चुनने की बात करते हैं वहाँ कॉम्बिनेशन आता है यानी आसान भाषा में बात करें तो हमें यहाँ पर तीन लोगों में से मेरे भाई दो जगह पे निशाना लगाना था इसको चूज करने की बात आई थी कि ये तीन मैं दे रहा हूँ किसी भी दो पे लगा लो तुम वो कॉम्बिनेशन होता है और इसी को हम लिखते हैं तीन को दो बार लिखना है तो तीन इंटू हमारा दो हो जाएगा और नीचे में दो फैक्टोरियल का मतलब इतना यानी हम कितने तरीक़ों से लगा सकते हैं तो तीन तरीकों से लगा सकते हैं और वो तीन तरीके मेरे भाई यहाँ पर ये थे पहला तरीका कि पहला दूसरे पे लग जाए तीसरे पे ना लगे दूसरा तरीका पहला तीसरे पे लग जाए दूसरे पे ना लगे और तीसरा तरीका आखिरी के दोनों पे लग जाए और ना लगे यानी जब भी तरीकों की बात की जाती है यहाँ पर तो किसी भी तरीके से मेरे भाई तो यहाँ पर यही होता है कि उनमें क्या अप्लाई करते हैं तो कॉम्बिनेशन अब सेम तरीके से यहाँ पर है कि मुझे यहाँ पर दस निशाने लगाने हैं दस निशाने लगाने हैं तो ये नंबर वन निशाना दो हो गया तीन हो गया चार हो गया पाँच हो गया छः हो गया सात हो गया आठ हो गया नौ हो गया दस ये नंबर लगे हुए हैं और इन नंबर में से मुझे किसी भी दो को भेदना है किसी भी दो को भेदना है मेरे भाई तो किसी भी दो को भेदना है तो ऐसा हो सकता है कि क्या पता मैं वन और दो को भेद दूँ बाकी मेरे से ना भेदे जाएँ या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं वन को और तीन को भेद दूँ बाकी ना भेदे जाएँ या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वन और फोर को भेद दें बाकी ना भेदे जाएँ या ऐसा हो सकता है कि ये दोनों को मैंने भेद दिया बाकी ना भेदे जाएँ तो ऐसे कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं तो सबसे पहले वो कॉम्बिनेशन निकालना जरूरी है वो कॉम्बिनेशन नहीं निकाल पाएंगे तो सवाल नहीं बनेगा तो कॉम्बिनेशन के लिए जो फॉर्मूला हम लगाते हैं वो क्या लगाते हैं एन सी आर लगाते हैं मैं आपको फॉर्मूला डिराइव करके बता रहा हूं पहले सीधा दुनिया ने फार्मूला दे दिया डराइव किसी ने नहीं किया ना किसी के बस की बात है मैं जान रहा हूँ यहाँ पे तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या हो गया तो एन हो गया अब उसके बाद ऐसा होगा कि जैसे मानो मैंने दो निशाने भेदे हैं तो मैंने दो निशाने भेदे हैं तो कितने नहीं भेदे आठ नहीं भेदे यानी एक तरफ उसकी प्रायिकता निकलेगी कि जो हम भेदेंगे जो हम निशाना लगाएंगे और दूसरी तरफ उसकी प्रायिकता निकलेगी जो निशाना हम नहीं लगा पाएंगे तो यहाँ पर जिसकी निशाना लगा पाएंगे वो मेरे भाई हो जाएगा पी और जो नहीं लगा पाएंगे वो हमारा हो जाएगा वन माइ ठीक है क्या हो जाएगा तो वन माइनस पी हो जाएगा इस बात को ध्यान रखना जिसको लगा पाए वो p है और जो नहीं लगा पाए वो हमारा कितना है तो वन माइनस पी है अब बात करते हैं यहां पर कि हम कितनी बार निशाना लगाने वाले हैं तो उतनी बार जितनी बार दिया गया है आर बार जैसे दस में से दो बार लगाना है दस में से तीन बार लगाना है दस में से चार बार लगाना है तो कितनी बार हम निशाना लगाएंगे ये निशाना लगाना है और ये नहीं लगाना है ये लगा हुआ है और ये नहीं लगा हुआ है तो उतनी बार ये निशाना लगाओगे जितनी बार दिया बोला दो बार मारना है तो तीन बार थोड़ी मार दोगे भाई चार बार थोड़ी मार दोगे यानी यहाँ पर उतना पावर दोगे जितनी बार तुम निशाना लगाओगे और यहाँ कितना मेरे भाई तो जैसे मानो दस में से तुमने दो निशाने लगा लिए दस में से दो निशाने लगा लिए तो कितने तुम्हारे नहीं लगे तो आठ नहीं लगे आठ कैसे निकला तो मेरे भाई यहाँ पर n- r से ठीक है एन में से आर घटा दो देखो एन में से क्या आर इसके पास है और एन माइनस आर किसके पास है मैं थोड़ा इस फॉर्मूले को और आपको इस पर्टिकुलर डेटा में यहाँ रखकर आपको बताता हूँ तो आपको बढ़िया तरीके से क्लियर होगा कि सर एन सी आर पी का पावर आर इतना मतलब ये फॉर्मूला है आप फॉर्मूले पर मत जाना आपको जो मैं सिखाऊंगा आप उसके ऊपर में जाना आप समझो आपसे कहा गया कि आप आठ में से पांच निशाने सही लगा सकते हो ये निशाना लगाने की कला है तो आठ में से पांच सही लगा सकते हो तो आठ में से तीन गलत लगाओगे मुझे इतना पता है दस मैं आपको दे रहा हूँ शूट करने को लेकर कि दस जो है आपको मैंने दे दिया दस बार लोड करके जिसमें से दो बार तुम सही करके दिखा दो तो पहली बात यहाँ पर क्या होगा मैंने आपको दस निशाने दिए देखिए लिखना कैसे है तो यहाँ पर इसको इस तरीके से लिखना है कि सर आपने दस निशाने दिए हैं और उसमें से मुझे जो है कितने लगाने हैं तो दो लगाने हैं दस में से तीन लगाने और टेन सी थ्री दस में से चार लगाना और टेन सी फोर दस में से पाँच लगाना और टेन सी फाइव ही हो गया जो हम निशाना लगा सकते हैं क्या है सर आठ में से हम कितने निशाने लगा सकते हैं पाँच सही लगा सकते हैं

कितनी बार लगाना है तो बोला गया मेरे भाई यहां पर कि यहां पर एक प्रश्न को बोला गया ठीक है ट्वाइस करके यहां पर कि उसको हिट करना है दो बार तो सही निशाना अगर मेरे भाई तुम दो बार लगाओगे तो गलत निशाना कितनी बार लगाओगे आठ बार तो वही मैंने कहा था आर को तुम यहां लिख देना और एन माइनस आर तुम मेरे भाई यहां लिख देना अब मुझे लग रहा है कि फॉर्मूला आपका क्लियर हो गया होगा कि यहां पर पहले कॉम्बिनेशन हम लिखते हैं फिर ये सही निशाने जितनी बार लगाने हैं वो लिखते हैं और गलत निशाने मेरे भाई इतनी बार ये लिखते हैं टेंसी टू का मतलब दोस्त यहाँ पर एक क्वेश्चन और कराऊंगा और परफेक्ट वे में क्लियर होगा गारंटी है टेंसी टू का मतलब क्या होता है तो स इंटू नौ हो जाता है और यहां टू का मतलब क्या होता है टू इंटू वन हो गया हमारा फाइव का पावर या फाइव का स्क्वायर की अगर हम बात करें तो कोई दिक्कत नहीं फाइव का आप यहां स्क्वायर कर लो हालांकि मेरे भाई सारा खेल पावर का ही है ठीक है पांच का मेरे भाई कोई पावर नहीं दिया तो इसलिए फाइव का स्क्वायर करेंगे और आठ का स्क्वायर यहां पर चाहो तो कर लो कोई दिक्कत नहीं है हालांकि आठ का स्क्वायर कर क्यों रहे हो देखो ऑप्शन में देखो तीन का पावर आठ का पावर दिया इनको तोड़ने की आवश्यकता नहीं है तो यहां पर क्या बोलोगे देखो यहां पर मैं आपको लिख दे रहा हूँ सिर्फ ऊपर में पाँच का स्क्वायर दिया है तो वो कर दो तीन के कितने पावर दिए हैं तो आठ पावर दिए हैं वो लिख दो यहाँ पे पाँच की, बा, की बात आठ की बात आठ के दो पावर आठ के आठ पावर मेरे भाई मिलकर कितना बना देंगे आठ के दस पावर ये बात ध्यान रखना तीन के आठ पावर वो लिख दिए आठ का दो पावर आठ का आठ पावर आठ के दस पावर हमारे अब इसको सॉल्व करिए ये हमारा हो जाएगा दो से कितनी बार में जाएगा पाँच बार में तो ये हमारा हो गया पाँच इंटू पाँच इंटू पाँच एक सौ पच्चीस और एक सौ पच्चीस का मेरे भाई गुना कितना हो जाता है एक सौ पच्चीस का आपका गुना कितना हो जाएगा देखो एक सौ पच्चीस को नौ से गुना करना है नौ सौ और पच्चीस का नौगुना दो एक ग्यारह सौ कितना हो जाएगा तो पच्चीस हो जाएगा एक ग्यारह सौ पच्चीस इंटू तीन का पावर आठ और बट्टे में आठ का पावर दस ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा कौन सा ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना कौन सा क्वेश्चन है तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना ठीक है समझ में आ गया बात यहाँ पे तो पहले सारे कॉम्बिनेशन लिखने होते हैं उसके बाद सही लगाने की प्रायिकता लिखनी होती है फिर गलत लगाने की प्रायिकता लिखनी होती है और हमारा आंसर आ जाता है ठीक है एक हमारा हो गया अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है और इसके बाद हमारी प्रोबेबिलिटी मेरे भाई खत्म इसी के ऊपर एक और क्वेश्चन आपको दिया और मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले आप लोग दोगे और कोई नहीं देगा क्या बोला गया एक बायस्ड बायस्ड सिक्का सिक्का है 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 मतलब ये झुका हुआ ठीक अनबायस्ड का मतलब क्या रहता है यहाँ पर कि जो झुका हुआ ना हो और ये तो झुका हुआ सिक्का है इफ अ बायस्ड कॉइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज जीरो पॉइंट फोर हेड के आने की प्रायिकता मेरे भाई पॉइंट फोर है और अगर हम सिक्के को दस बार उछालते हैं तो यहां पर क्या होगा

ठीक है मैंने आप लोगों को फॉर्मूला जो पढ़ाया था वो था एन सी आर उसके बाद यहाँ पर पी का पावर मेरे भाई आर और उसके बाद यहाँ पर वन माइनस पी का पावर एन माइनस आर अगर मान लीजिए किसी को फॉर्मूला याद नहीं होता तो किसने कहा तो मैं फार्मूला याद करूँ तो बिना फॉर्मूले के सवाल करवा देंगे टेंशन की बात ही नहीं है

पांच में दो बार हेड आएगा तो मेरे भाई पांच में दो घटा दो पांच में से दो घटा दो तो तीन बार हेड नहीं आएगा ये हेड आने की संभावना हेड नहीं आने की संभावना ठीक है अब उसके बाद मुझे हेड कितनी बार लेकर आना है तीन बार तो मुझे मेरे भाई हेड तीन बार लेकर आना है तो यहाँ जो होता है वो यहाँ लिखा जाता है तीन बार दस में से तीन माइनस कर दो दस में से तीन माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा सात ऐसे समझ लो कि ऊपर वाला पावर जो है इन दोनों के जोड़ के बराबर होता है ऊपर वाला पावर दोनों के जोड़ के बराबर होता है तीन बार अगर हेड आएगा तो सात बार नहीं आएगा तो यही मेरे भाई आंसर है तो पहले कॉम्बिनेशन लिखा जाता है हेड आने की संभावना लिखी जाती है नहीं आने की संभावना लिखी जाती है टेन सी थ्री का मतलब क्या हो गया दस को तीन बार मल्टीप्लाई करना तो दस इंटू नौ इंटू आठ और उसके बाद तीन फैक्टोरियल का मतलब तीन इंटू दो इंटू एक हो जाएगा ठीक है हम यहाँ पावर में देखते हैं तो पावर में दो भी है तीन भी है पाँच भी है तो भाई हम सबको पावर में ही लेंगे क्यों अपनी मेहनत करें इतनी ज़्यादा यार नहीं करेंगे दो का पावर हमारा तीन हो गया उसके बाद यहाँ पर तीन का पावर हमारा कितना हो गया तो सात हो गया मेरे भाई ठीक है और यहाँ पाँच के तीन पावर पाँच के सात पावर तो पाँच के हमारे दस पावर हो गए सॉल्व कर लो यार कहीं अगर तुम्हारा कुछ मामला बने तो तीन से मेरे भाई काट लो इसको कितनी बार में तीन से काटोगे कुल मिलाकर तीन बार में दो से काटोगे कितनी बार में तो चार बार में अब सारे पावर ही निकालने और कुछ नहीं करना है ये जैसे दस है तो दुनिया के लिए दस है बट मेरी नजरों में टू इंटू फाइव है ये हमारा तीन है तो ये हमारा तीन ही है ये दुनिया के लिए चार है मेरी नजरों में टू इंटू टू है मेरे भाई बाकी पावर को हम ऐसे लिख देंगे दो का पावर तीन तीन का पावर सात और पांच का पावर कितना हो जाएगा दस अब सब जगह से पावर को उठाना शुरू करो दो का एक पावर यहाँ है दो का एक पावर यहाँ है दो का एक पावर एक दो तीन तीन और तीन कितना हो जाएगा छः तो दो के छः पावर हो जाएंगे ठीक है उसके बाद यहाँ पर तीन का एक पावर यहाँ पर है तीन के सात पावर यहाँ है तो तीन के मेरे भाई आठ पावर ठीक है ये हमारा पावर ऊपर में है और ये पावर जब नीचे से आएगा मेरे भाई कैंसिल हो जाएगा आपने पढ़ा है कि ए का पावर एम तो मेरे भाई यहां पर तो ऐसे लिखना कि अपॉन का पावर नीचे वाला ऊपर वाले को घटाता है एन माइनस एम तो यहां दस पावर में से एक पावर घटा दोगे तो पांच के कितने पावर होंगे नौ पावर होंगे तो दो का पावर छ तीन का पावर आठ के पावर नौ कहां पर है मेरे भाई तो ऑप्शन नंबर ए है तो पहले एक भाई का आंसर आया

तो बस अगर इतना बोलने पे मजबूर हो गए तो कमेंट भी कर दो नीचे कमेंट है चैनल सब्सक्राइब भी कर दो और लाइक भी कर दो और मन ना करे तो इन तीनों में से कुछ एक तो कर ही दो चाहे लाइक कर दो कमेंट कर दो सब्सक्राइब कर दो लेकिन एक तो इतना कर ही देना सोचो मेरी कितनी एफर्ट लगी होगी दस से पंद्रह घंटे मैंने पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग की इसकी कंटेंट बनाने में मेहनत लगा हर एक पॉइंट को पढ़ाने के पहले कई बार सोचना पड़ा कि इसको मैं बच्चों के दिमाग में कैसे फिट करूँ कैसे उनके जहन तक एक एक बातों को मैं उतार दूँ और कैसे उनको इतना सशक्त बना दूँ कि कोई भी नए सवाल से वो दंगल कर पाएँ और उन सवालों को बना ना पाए तो एक इतनी एफर्ट के कारण बस इतनी एफर्ट के एवज में आपसे इतना ही चाहते हैं एक प्यारा लाइक एक प्यारा सा मेरे भाई आप लोग को बहुत मजा आया होगा और आगे चल के अभी और भी काफी सारे ऐसे वीडियो हम आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं खुश रहिए है, मस्त रहिए भगवान खुश रखे आप सभी को और बहुत कामयाब बनाए लव यू ऑल टेक केयर बाय